अथ चेत्वा मि मम धर्म्यं सङ्ग्रामम न करिष्यसे ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाक्ष्यसि लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपैक्टफुल लेवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दर इज फिजिक्स वल्ला तो मेरे प्यारे बच्चों दिल के सचो आपके प्यारे प्यारे सुनील भैया एक बार फिर से हाजिर है आप लोगों के लिए यहां पर पूरी की पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए तो अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में नारा लगा देंगे किस चीज का हमेशा की तरह नारा लगाएंगे भारत माता की जय तो भारत माता की जय का नारा जयकारा लगा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहां पर देख पा रहे और सुन पा रहे तो एक छोटी सी चीज की क्षमा चाहूंगा कि सेशन एक बजे था फिर दो बजे आया कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे मेरा पीपीटी ही क्रैश कर गया था जैसे तैसे हमने उसे रिस्टोर किया बहुत सारी चीजें उस पर करी टेक्स्ट पॉइंट सब उड़ फुड़ गया था सही किया और वापस अब हम आ चुके हैं छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं तो माफी चाहूंगा उसके लिए क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत सही 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया तो दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं देखिए एग्जाम में सवाल किस प्रकार आते हैं यह एग्जाम में एग्जामिनर क्या टेस्ट करता है क्वेश्चन टेस्ट करता है तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन ऐसे नहीं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन में लेके आया हूं क्वेश्चन मल्टीपल तरीके के भाई एमसीक्यू वाले सवाल उसमें भी कंसेप्ट स्किल मेमोरी स्किल एनालिसिस वाली स्किल skill, सारी स्किल्स को कवर करते हुए फिर उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के सवाल आपके लिए लेके लेके फिर उसके बाद कॉम्पिटेंसी फोकस्ड तो ये सारी चीजें यहां पर मैं आपको कराऊंगा सिर्फ इतना भी कर लिया तो सारे सवाल तुम्हारे हो जाएंगे बट बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओगे छह आठ घंटे में इतना पॉसिबल नहीं है बट मैक्सिमम चीजें हो जाएगी इस चीज की गारंटी है ठीक है चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से सेशन को सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहां पर है केमिकल एंड रियक्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो रेडी हो जाइए फटाफट से सारे के सारे रेडी है रेडी 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 है रेड़ी है रेड़ी है क्या बात है क्या बात है चलो फिर आ आ आ जाओ 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 दोस्तों जल्दी से आ जाओ। तो सबसे पहला हमारा जो सेक्शन रहेगा दोस्तों मैं बता देता हूं आपको एमसीक्यूज वाला अच्छा सुनील भैया आप कुछ एफिशिएंसी के हैक्स वगैरह दोगे क्या आज की क्लास में आपके लिए बोनस ये है कि मैं आपको एग्जाम के एफिशिएंसी हैक्स भी दूंगा है ना कि भैया क्या खाना है कैसे सोना है क्या करना है कब उठना है हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको गाइड भी करूंगा सवाल भी कराऊंगा, और, और, और आपको मजा भी आएगा, ठीक है चलो सुनील भाई फिर तो स्टार्ट कर दो यार एमसीक्यू वाला से तो पहला एमसीक्यू एनसीआर एग्जाम्पलर से आपके सामने ये रहा पोल नहीं दूंगा समय बहुत जाता है समय बचाना है एग्जाम का टाइम है तीस सेकंड यहां लगाऊंगा नहीं इतना समय नहीं है डायरेक्टली चैट में लिखते जाओ आंसर ठीक है मैं एक बार चैट को देख लेता हूं यहां पर आ जाओ भाई फटाफट 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 सारे के सारे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन जल्दी से आंसर देंगे सवाल का क्या आंसर होगा अरे वाह क्या खतरनाक तैयारी है तुम्हारी विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसिस एक्सोथर्मिक यानी सुनील भाई एनर्जी इज रिलीज जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और मेजरली किस फॉर्म में मेजरली इन फॉर्म ऑफ हीट है ना मेजरली इन फॉर्म ऑफ हीट यानी कि भाई साहब यानी कि भाई साहब ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी बाहर निकले ऊर्जा बाहर निकले और मेजरली हीट के फॉर्म में ऐसा नहीं होगा कि हमेशा हीट होगी मैंने आपको बताया है ऐसा नहीं होगा कि हमेशा हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है या ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं है ना ये चीजें आपको पता होनी चाहिए तो पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम यानी ये कह रहा है क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इसको मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई बहन जब आप पानी के अंदर डालते हैं है ना तो आपको पता बताइए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है लेकिन सुनील भैया इसके साथ क्या होता है अरे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया इस हीट एनर्जी से क्या होता है पानी स्टीम में भी कन्वर्ट हो जाता है इसीलिए जब हम क्विक लाइम या इसका अनादर नेम क्या है बर्ंट लाइम को पानी के अंदर डालते हैं तो काफी ज्यादा हीट निकलती है और हमें पानी बुलबुलों के फॉर्मेट में भी नजर आता है बबल्स बनते हैं क्यों अरे ये हीट बहुत निकल रही है ना इससे पानी बबूले बनने लग जाता है स्टीम में कन्वर्ट होता है सो भाई साहब ये तो हमारा एक्सोथर्मिक है बहुत सही है ना दूसरा देखो डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड जब भी आप डाइल्यूशन करेंगे एसिड या बेस का डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस याद रखना ये आपका क्या होगा एक्सोथर्मिक ही होगा इवेपोरेशन ऑफ वाटर अरे दादा इवेपोरेशन करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है इवेपोरेशन के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है. है ना हीट एनर्जी इज गिवन हीट एनर्जी ज गिवन और टेकन फ्रॉम सराउंडिंग समझ रहे हो हाँ जी भाई अरे तो दादा यह एंडोथर्मिक हो गया ना क्या बात है उसी प्रकार से सब्लिमेशन ऑफ कैंफर कपूर को रूम टेम्परेचर पे रखो तो सबलाइम हो जाता है यानी कि सॉलिड से सीधा वेपर बन जाता है सब्लिमेशन का मतलब क्या है कोई चीज सॉलिड से सीधा क्या कन्वर्ट हो रही है वेपर में कन्वर्ट हो रही है इसे सब्लिमेशन कहते हैं ये रिवर्सिबल है इसलिए मैंने ऐसे एरो बनाए थे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए सब्लिमेशन को ऐसे लिख देता हूं तो सॉलिड से कोई चीज डायरेक्टली गैस बन जाए तो ये सब्लिमेशन ये प्रोसेस भी कैसा होगा ये दोनों के दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक होंगे सुनील भाई क्या ये प्रीवियस ईयर में आया बहुत बार ये सवाल पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर मेरे राजा बेटा यहां पे दे रहे हैं करेक्ट आंसर क्या होगा ए पहला और दूसरा सही होगा क्या बात है मजा आ गया ओपी आगे चलेंगे राजा बेटा अगले सवाल की तरफ देखो बेटा असरशन और रीजन बहुत सारे सवाल कराऊंगा ध्यान रखना सवालों से ही मेजर गेम सेट हो तो जाएगा तुम्हारा देखो द ब्लू ग्रीन सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड फेड्स व्हेन एल्यूमिनियम मेटल इज पुट इनटू द सोल्यूशन अरे कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन ब्लू ग्रीन होता है तुम उसमें एल्यूमिनियम मेटल को डालोगे तो जो सल्यूशन है उसका कलर फेड हो जाता है फेड हो जाता है मतलब कि वो कलर धीरे 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 गायब होता जाता है और फाइनली वो कलरलेस हो जाता है तो ये पहला स्टेटमेंट है इसी के साथ दूसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्त ये कहता है कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से और उसको डिस्प्लेस करके बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या यह सत्य है या असत्य है देख लेते हैं तो राजा बेटा यह एल्यूमिनियम का मेटल हमारे पास जी सुनील भैया ये हमारे पास सी यू सी एल टू जी सुनील भैया हमें एक बात पता है क्या पता है कंसेप्ट ये लगाना है ये वाला ये देखो कंसेप्ट ये वाला लगाना है कौन सा रिएक्टिविटी सीरीज का कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो जिसको पेर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने प्रतीक ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है कि नहीं है भैया यही कंसेप्ट लगाना है कि नहीं लगाना है भैया ये क्या है ये क्या है राजा बेटा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल अरे वाह भैया मजा आ गया ये क्या है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल यहां से यहां पर जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है रिएक्टिविटी डिक्रीजेस तो जो जितना ऊपर होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा अब मुझे बताओ मेरे राजा बेटा एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है ओ मेरी रानी बेटी ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है जी भैया मजा आ गया ओपी एल्यूमिनियम किससे ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को भगा देगा हा कि ना अरे हा कि ना बोल यार हा कि ना ये मान ले बेटा सुनील भैया है है ना कॉपर मान ले बेटा मोहित भैया है और ये बेटा सुंदर कन्या है है ना सुनील भैया जैसे ही क्लास में घुसे सुनील भैया ने बोला एम मोर रिएक्टिव देन मोहित भैया कॉपर तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हूं मैं तो यहां पर मैं क्या करूंगा मोहित भैया को हटा दूंगा डिस्प्लेस कर दूंगा क्या बात है अब इसको बैलेंस बैलेंस भी कर लो भैया ये तीन और ये दो है तो इसको हम क्या कर देंगे इसको मैं दो से मल्टीप्लाई करूं तो छह इसको तीन से मल्टीप्लाई करो तो ये भी कॉपर तीन तो ये कॉपर तीन एल्यूमिनियम दो तो ये एल्यूमिनियम दो ये सॉलिड ये भाई मेरे एक्वस ये भाई मेरे एक्वस और ये भाई मेरे सॉलिड ठीक है ये सोल्यूशन होता है कलरलेस और ये सोल्यूशन कैसा होता है ब्लू ग्रीन याद रहेगा कि नहीं रहेगा याद रहेगा कि नहीं रहेगा बिल्कुल रहेगा कंसेप्ट याद रहेगा नहीं रहेगा बिल्कुल याद रहेगा ठीक है तो कंसेप्ट क्या है अरे भाई एल्यूमिनियम जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में कॉपर का निर्माण करता है यहां पे ये सोल्यूशन कलरलेस है और ये सोल्यूशन ब्लू ग्रीन है क्लियर है बात जी सुनील भैया तो भाई साहब यह देखो द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड फेड्स वेद एल्यूमिनियम मेटल इज पुडिंग टू द सोल्यूशन सत्य बात है सत्य घटनाओं पर आधारित एल्यूमिनियम रिएक्टिव है कॉपर से अरे हाँ एल्यूमिनियम रिएक्टिव है कॉपर से इसीलिए उसे डिस्प्लेस कर रहा है तो यह भी बात बिल्कुल सत्य है दोनों बातें सत्य है हाँ। अच्छा क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई इसका ब्लू ग्रीन सोलूशन कलरलेस क्यों हुआ क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव था तो डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाया तो यह सत्य भी है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो इसीलिए सही क्या होगा ए होगा बहुत सही बहुत सही बहुत सही ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सुनील भैया चैप्टर नहीं करवाएंगे ध्यान से सुनो चैप्टर वॉरियर में करवा दिए चैप्टर माइंड मैप में करवा दिए उड़ान वाई टी में करवा दिए गारंटीड पास वाई सीरीज में करा दिए बार बार चैप्टर नहीं एग्जाम में सवाल आएंगे सवाल करो तुम लास्ट ईयर के भी कमेंट जाके पढ़ लोगे तुमको मिल जाएगा बच्चा कहेगा कि भैया यहीं से मैक्सिमम सवाल सेट होते हैं एग्जाम से पहले कहीं पे भी थ्योरी पे ध्यान मत दो सवालों पे ध्यान दो क्योंकि एट द एंड एग्जाम में सवाल को फेस करना है ठीक है हा ध्यान से देखो इस सवाल को बहुत बेहतरीन सा सवाल है बहुत ध्यान से देखो द फॉलोइंग दिएक्शन आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल्स यानी खुले में इनको हम रिएक्ट करवा रहे हैं खुली कटोरी के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर खुले में करवा रहे हैं रिएक्ट ठीक पहली रिएक्शन दूसरी रिएक्शन तीसरी रिएक्शन ठीक क्या कह रहा है च ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज इफ द वेट ऑफ द रिएक्शन वेसल एंड द कॉन्टेंट इंक्रीजेस द सेम आफ्टर द रिएक्शन एज कंपेयर टू द बिफोर रिएक्शन मतलब कि मेरे दोस्त अगर आप बिफोर और आफ्टर को कंपेयर करते हैं तो वजन बढ़ता है घटता है या सेम रहता है अरे वाह यार मजा आ रहा है पोल नहीं दूंगा तुम्हारा समय बचाना है मुझे समय को ऑप्टिमाइज करो राजा बेटा पोल पे नाम लाने से कुछ नहीं होगा एग्जाम में नंबर लाने से बहुत कुछ होगा इस पर मत पढ़ो अभी मैं फिर से कह रहा हूं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पोल तीस सेकंड खाएगा और मैं बहुत सवाल लाया हूं कितने सवालों का पोल खेलोगे थ्योरी के इतने सवाल है एमसी के उतने कैसे करोगे प्लीज फोकस हियर बहुत सवाल कराऊंगा ध्यान से देखो अब देखो राजा बेटा हमने ये सॉलिड जो है ये कटोरी में रखा है ये सॉलिड जो है कटोरी में रखा है कॉपर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड तो इस केस में भारी होगी कि नहीं होगी कटोरी अरे कटोरी में सिर्फ कॉपर था ना पहले कटोरी में सिर्फ कॉपर कॉपर था copper ने एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और काले कलर का कॉपर ऑक्साइड बनाया कौन से कलर का कॉपर ऑक्साइड बनाया काले कलर का साथ ही साथ इस रिएक्शन का टाइप क्या हो जाएगा ये एलिमेंट ये एलिमेंट और ये कंपाउंड तो ये रिएक्शन का टाइप क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो जाएगी साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि किस रिएक्शन भी है ठीक है साथ ही साथ ये आपकी कौन सी है एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है तो याद रखना अब सुनील भाई इसमें वजन बढ़ेगा या घटेगा बताओ भाई कटोरी में रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर रखा है जब तुम इसको जलाओगे थोड़ी देर बाद कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा तो कटोरी में काले कलर का पाउडर बन गया अरे इसका वजन ज्यादा होगा ना इससे इसका वजन ज्यादा होगा ये देखो कॉपर ऑक्साइड का वजन कॉपर से ज्यादा होगा तो इंक्रीज क्या कर रहा है इंक्रीज यहां कर रहा है यहां कर रहा है ये गायब हो गया ये गायब हो गया ठीक अगला Zn plus CuSO4 will give ZnSO4 plus Cu क्या यहां पर कुछ यहां पर जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है इसमें कुछ अंतर आया है क्या ज्यादा मतलब भाई एक जिंक था यहां पर भी एक जिंक है कॉपर एक था यहां पर भी एक कॉपर है सल्फेट था सल्फेट है। किस प्रकार की रिएक्शन है किस प्रकार की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और क्या क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है साथ ही साथ रिडॉक्स भी होती है याद रहेगी ये बात दो एलिमेंट कंबाइन के कंपाउंड बनाया कॉम्बिनेशन रिएक्शन साथ ही साथ ये रिडॉक्स भी है अभी आगे भी बताऊंगा कॉपर पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का क्या हुआ होगा रिडक्शन हुआ होगा साथ ही साथ तुम हीट दे रहे हो तो एंडोथर्मिक है यहां पर जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो इसको डिस्प्लेस करके क्या बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक के साथ साथ रिडॉक्स भी होती है यहां पर वेट में कोई चेंज नहीं आएगा रिमेन सेम क्या रहेगा रिमेन सेम ठीक डिक्रीज इज गलत द सेम अब ये दो बच रहे हैं तो ये तो गया यही आंसर होगा क्या यहां पे वजन घटेगा बिल्कुल घटेगा मान लो तुम्हारे पास पहले एफएसओ4 .E था अब ये बचा है सिर्फ टेस्ट ट्यूब में ये बचा है रेडिश ब्राउन सॉलिड बचा है क्या बचा है रेडिश ब्राउन रेसिड्यू बचा है वजन घटेगा क्यों अरे गैसेस तो उड़ गई ना तुमने बोला खुली वेसल है तो ये क्या हो जाएगी गैसेस एस्केप तो इनका वजन कंसीडर ही नहीं हुआ अरे भाई जब तुम यहां पर इसको गर्म कर रहे हो तो ये टेस्ट ट्यूब में बचा ये दो चीजें तो उड़ गई ये दो चीजें तो उड़ चुकी है अब ये दो चीजें अगर उड़ चुकी है तो इनका वजन तो यहां पर होगा नहीं इसीलिए वजन कम हुआ होगा तो डिक्रीजिस करेक्ट आंसर होना चाहिए यहां पर डी रिएक्शन का प्रकार सुनील भैया क्या हो जाएगा रिएक्शन है थर्मोलाइसिस और थर्मोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है एंडोथर्मिक एनर्जी आपने दी है इसीलिए एंडोथर्मिक बातें समझ में आ रही है क्या मजा आ रहा है क्या सवालों में तो एक सवाल से मल्टीपल कंसेप्ट देखो दो एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छा कॉपर का इनिशियल कलर क्या होता है रेडिश ब्राउन होता है रेडिश ब्राउन कॉपर काले कलर का कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ कॉम्बिनेशन तो है रिडॉक्स भी है हीट दी तो एंडोथर्मिक भी है दोस्त यहां पे जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक भी होगी और रिडॉक्स भी होगी FeSO4 को हीट दिया तो इन चीजों में डिसोसिएट कर रहा है अरे गैसियस प्रोडक्ट ओपन वेसल में कहां से आएंगे उड़ गए हवा में तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में क्या बचा सिर्फ यह बचा तो वजन कम हो गया वजन कम हो गया तो ये रहा आंसर पिछले साल के प्रैक्टिस पेपर का सवाल था मजा आ रहा है मजा आ रहा है और देखो सवाल सवाल पे सवाल करेंगे बवाल मचा देंगे आज सवाल ही सवाल होंगे सौ से ऊपर सवाल करोगे आज तुम मजा आ जाएगा तुमको ध्यान से देखो राजा बेटा विच ऑफ दैसेज कैन बी यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ एफ ओ का कलर ये ले बेटा इधर देख एफ ओ का कलर ये देख बेटा एफ एसओ फोर डॉट सेवन एच टू ओ जो सॉलिड होता है ये लाइट ग्रीन कलर का होता है मेरे राजा बेटा इसको सरल भाषा में ग्रीन विट्री भी कहते हैं बेटा जब इससे पानी उड़ा देगा तो यह कलरलेस सॉल्ट होता है कैसा सॉल्ट होता है कलरलेस सॉल्ट ठीक है ना इसको आपने हीट किया तो यह सिर्फ एफर बचा ये व्हाइट सॉल्ट होता है समझ आ गई बात सॉलिड में तुम पानी में घोड़ोगे तो वापस लाइट ग्रीन हो जाएगा याद रखना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोग कहते हैं एफीएसओ तो लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन है राजा बेटा सॉलिड लिखा है यहां पे ध्यान से देखना आप लाइट ग्रीन होता है आप इसको हीट करेंगे फोर वाइट सोल्ट एनहाइड्रस सोल्ट का को कोई कलर नहीं होता तुम पानी में घोलोगे ना तब इसका कलर आएगा तो यहां पे सारा खेला पानी का है पानी दे रहा है इसको कलर पढ़ा चुका हूं मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसिड बेसिस एंड सोल्ट में आ जाओ बेटा इसका सवाल जल्दी 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 देखो ऑइल या फिर फैट इनमें क्या होता है ऑक्सीजन जो होती है ना एयर में जो प्रेजेंट होती है इन एयर एंड चेंजेस देयर टेस्ट एंड ऑर्डर होता क्या है मेरे दोस्त कि जो भी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड सब्सटेंसेस हैं या यही चीजें हैं जो ऑयल और फैट है अगर आप इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे रख दोगे यानी एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस पे रख दोगे तो ये ऑक्सीजन इनको ऑक्सीडाइज कर देती है और इनके स्मेल है ना और टेस्ट में चेंज आ जाता है यानी कि जो इनका ओडर है और इनका जो टेस्ट है उसमें परिवर्तन आ जाता है इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं रेंसिडिटी या इसे हम कहते हैं रेंसिडिफिकेशन और ये वाली जो रेंसिडिटी है ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीजन की वजह से हो रही है इसीलिए प्रिसाइज़ली इसको ऑक्सीडेटिव भी कहते हैं आपकी NCRT सिर्फ बोलती है लेकिन ऑक्सीजन की वजह से, से, से हो सकती है तो ये ऑक्सीजन वाला जो हम पढ़ते हैं है। अच्छा अब मेरे दोस्त अगर मुझे बचाना है इनको, कि चिप्स का पैकेट होता है चिप्स का पैकेट होता है आप खोलते हो अरे भैया हवा चिप्स तो बहुत कम थी तो वह क्यों किया जाता है यही चीज को अप्लाई करो ये मान लो तुम्हारा कोई चिप्स का ऐसा बड़ा सा पैकेट है, है, ना? ये चिप्स का पैकेट है। अब इसके अंदर चिप्स तो ये इतनी सी है और यहां पर क्या है नाइट्रोजन गैस है तो क्यों होता है ऐसा चिप्स के पैकेट में चिप्स के पैकेट में ऐसा क्यों होता है सुनील भैया कि चिप्स के पैकेट में चिप्स तो इतनी और हवा इतनी सारी और वो हवा एयर नहीं है नाइट्रोजन है हवा एयर नहीं है एयर का एक कंपोनेंट नाइट्रोजन है क्यों है नाइट्रोजन हवा भर दो अरे अगर तुम हवा भरोगे तो हवा में ऑक्सीजन भी तो है हवा में ऑक्सीजन कितना है बीस पॉइंट पिचानवे परसेंट ऑक्सीजन भी तो है तो मैं ऑक्सीजन तो नहीं भरूंगा ऑक्सीजन भरूंगा सुनील भैया तो यह हो जाएगा यह नहीं करना मुझे तो फिर मैं क्या करूं नाइट्रोजन को फिल करो क्यों अनरिएक्टिव गैस अनएक्टिव गैस एंड कीप्स द टेस्ट एंड ओर्डर ऑफ चिप्स ओरिजिनल इसीलिए समझ गए तो सुनील भाई चिप्स के पैकेट के अंदर हवा नहीं नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है या कोई भी अदर और एनी अदर अनरिएक्टिव गैस रीजन बींग कि यार कि यार रीजन क्या है रीजन क्या है क्योंकि हमें जो चिप्स है बिल्कुल वैसी की वैसी रखनी है मान लो मैं चिप्स का मैन्युफैक्चरर हूं और मैं चिप्स बनाता हूं मैं चिप्स को पैकेट में बंद करके आप तक पहुंचा रहा हूं मान लो मैंने उसमें हवा भर के आपको दी तो होगा क्या हवा में ऑक्सीजन भी है वो ऑक्सीजन उसके अंदर जो भैया मेरा चिप्स है ना वो ऑयली है, उनको ऑक्सीडाइज करके उनके टेस्ट और स्मेल को चेंज कर देगी ओरिजिनल तो रखने के लिए मैं नाइट्रोजन गैस या कोई भी अदर अनिएक्टिव गैस को डाल दूंगा तो मेरी चिप्स बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी समझ में आ गया तो अब देखो यहां पर ऑक्सीजन आ रही बाय बाय कर दो ऑक्सीजन बाय बाय कर दो पर आज कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं लेंगे हम बात बची हीलियम और नाइट्रोजन तो मेरे दोस्त लेकर चलेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिएक्टिव गैस है समझ में आई बात हाँ चल बेटा आगे, आगे चल 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 आगे देख आगे देख, देख। फटाफट इस साल के प्रैक्टिस पेपर टू का सवाल प्रैक्टिस पेपर टू प्रैक्टिस पेपर टू 2023, 2024 का पहला सवाल जल्दी बता बेटा जल्दी बता जल्दी 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 बेटा वैक्यूम बना के क्यों नहीं देते चिप्स का मैं बताऊं देख बेटा तू वैक्यूम पैकिंग में दे देगा फिर जैसे ही अपन चिप्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे चिप्स टूटेगी नहीं मेरे को बात बता बेटा चिप्स कैसा प्रोडक्ट है वैक्यूम बना हूं कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल हवा खींच कर टाइट कर देता हूं अब बता मेरे बेटा मैं चिप्स के पैकेट को ऐसे फेंका ट्रांसपोर्ट करते हुए तो चिप्स का पैकेट जैसे गिरेगा तो टूटेगा नहीं टूटेगा नहीं बिल्कुल टूटेगा समझ में आई मेरी बात हवा बिल्कुल बाहर निकल ले बेटा चिप्स है वो कैसा प्रोडक्ट है फ्रेजाइल है फेंकेगा ना टूट जाएगा इसीलिए वैक्यूम नहीं करते समझ में आया क्लियर है बात लॉजिक लगाना हर चीज में अपन को साइंस के बच्चे अपन साइंस के देख बेटा फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट फॉर द अब इसमें देखते हैं तो बेटा हमने चाइना डिश के अंदर कॉपर का पाउडर लिया हुआ है क्या बात है यार सुनील भाई मजा आ रहा है कॉपर का पाउडर लिया हुआ है तो मेरे दोस्त ये कॉपर का पाउडर इसको हमने क्या किया हीट किया, हीट किया किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो मेरे दोस्त ये क्या बनाए कॉपर ऑक्साइड बनाएगा बिल्कुल बनाएगा अब देख इसको बैलेंस कर लेते हैं दोस्त देख, दो कौपर, दो कौपर, दौक्षिन, दौक्षिन। ये देख बैलेंस हो गई दो कॉपर दो कॉपर दो ऑक्सीजन ये सॉलिड ये गैस ये सॉलिड क्या बात है ये हीट करने पे हुआ अब ध्यान से देखना राजा आपको ध्यान से ये कौन से कलर है रेडिश ब्राउन बेटा इसका कलर क्या है काला देख बेटा मैं भेदभाव नहीं कर रहा यह काला सही में होता है कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर अभी आप घर पे करके देखो घर में कोई कॉपर का तार पड़ा हो ना उसको एयर में लेके जला के देखो काला पड़ जाएगा तो कॉपर को एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड काले कलर का ऑक्साइड बनेगा क्या बात है मजा आया अब देख बेटा कॉपर पे क्या हुआ है सुनील भाई कॉपर पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है वाह वाह मजा आ रहा है मजा आ रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है हा 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 तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं वाह बहुत बढ़िया लेकिन जो बच्चा मुझसे पढ़ा है मैंने बताया है ऑक्सीडेशन अकेला नहीं होता ऑक्सीडेशन के साथ कोई ना कोई चीज रिड्यूस हो रही होगी तो डेफिनेटली ये क्या हुआ होगा रिड्यूस हुआ होगा तो कॉपर पे अगर हम देखें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है ये रिड्यूस हुआ होगा इसको लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी देखो तुम तो यही आंसर आएगा कॉपर ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया यहां पर नहीं यहां पर दिया ऑक्सीजन ने नहीं यहां पर कॉपर ऑक्साइड देखो कॉपर ऑक्साइड एक आयोनिक कंपाउंड है कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए कॉपर पे क्या आया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन पे क्या आया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन तो किसी भी तरीके से देखो आंसर सेम आएगा रेड कलर्ड कॉपर इज रिड्यूस टू ब्लैक कलर्ड कॉपर वन ऑक्साइड क्या ये कॉपर वन ऑक्साइड है देखो बेटा ये देखो कॉपर की दो वैलेंसी होती है सी यू वन प्लस सी यू टू है ना तो ये वाले कौन से वैलेंसी से बना होगा अगर वन प्लस वाली होती तो ऑक्साइड क्या बनता सी यू टू बनता और टू प्लस वाली होती तो क्या बनता सी यू बनता और सी यू टू का कलर क्या होता है सुनील भाई ये तो लाल होता है और इसका कलर क्या होता है इसका कलर काला होता है खत्म काम ठीक तो ये तो गलत हो गया बाय बाय रेड कलर्ड कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू रेड कलर्ड कॉपर ऑन ऑक्साइड बाय बाय कर दो इसको ठीक रेड कलर्ड कॉपर इज रिड्यूस टू ब्लैक कलर कॉपर टू ऑक्साइड क्या ये रेड कलर का कॉपर रिड्यूस हुआ है क्या ये रिड्यूस हुआ है नहीं रेड कलर्ड कॉपर ये रहा इज ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज टू ब्लैक कलर्ड कॉपर टू ऑक्साइड बिल्कुल सही इस साल के प्रैक्टिस पेपर का सवाल था देख बेटा कैसा लगा मजा आ रहा है क्या मजा आ रहा मल्टीपल कंसेप्ट एक ही सवाल में मजा आ रहा है मजा आ रहा है भाई मल्टीपल कंसेप्ट एक ही सवाल में तो देख बेटा रेडिश ब्राउन कॉपर हमने लिया एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में उसको हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बना अब देख बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ हा भैया तो ये ऑक्सीडेशन कोई भी चीज ऑक्सीडाइज होती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा तो ये रिड्यूस हुआ होगा क्या बात है भैया मजा आ गया समझ में आई बात हाँ कॉपर की वैलेंसी वन तो सीयू टू हो, यह लाल कलर का होता याद कर ले बेटा और यू टू प्लस में सी यू हो तो ये ब्लैक कलर का होता है बेटा क्लियर बात हाँ ऐसे सवाल आ सकते हैं बिल्कुल इनको बढ़िया से कर लीजिए ये सवाल फिर से एन सी टी एग्जैंपलर का सवाल सवाल नंबर छठा बिल्कुल हार नहीं माननी है बहुत सारे सवाल कराऊंगा जल्दी 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 सर इतना डीप में मत जाओ चलो डीप में नहीं जाएंगे भाई बोल रहा है बी आंसर हो सकता है एक मिनट बेटा कॉपर वन ऑक्साइड कहां बना कॉपर टू ऑक्साइड बनाना बना बनाना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ एनसीआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू ध्यान से देखिए क्या कह रहा है इस रिएक्शन को यहां लिख लेता हूं फोर एनएच थ्री ये गैसे स्टेट में नहीं? अमोनिया है अमोनिया इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव फोर एनओ

तो अब यहां तक तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसने उसको डिस्प्लेस मार दिया है तो ये ऑब्वियसली क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक और रिडॉक्स होती है जनरली यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सोथर्मिक एंड इन ऑल केसेस रिडॉक्स तो डिस्प्लेसमेंट तो है भाई तू कॉम्बिनेशन नहीं है अरे भाई कॉम्बिनेशन कैसे होगी दो चीजें मिलकर अगर एक चीज का निर्माण करती तो कॉम्बिनेशन यहां तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो तो भाई तुम तुम तो भागो यहां से रिएक्शन रिएक्शन बिल्कुल हो न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है बेटा न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन होती है भैया एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर कटाइन सराइंस के एक्सचेंज से होता है ऐसा कुछ हो रहा है क्या यहां पे ऐसा कुछ हो रहा है क्या यहां पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा भाग जाओ ठीक अब इसको मैं रिडॉक्स भी प्रूव कर देता हूं देखो तुम ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी तुमको बात यहां पे ध्यान से देखो एक छोटी सी चीज देखो यहां है सुनील भाई यहां से यहां आ रहा हूं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नजर आ रहा है साथ ही साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नजर आ रहा है क्या बात है मजा आ रहा है यारे तो मजा आ रहा है एन थ्री से एनओ NO को ऑब्जर्व करो तो यहां से अगर हम यहां जा रहे हैं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है साथ ही साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसका साफ सरल सा मतलब है 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 सुनील भाई ये ऑक्सीडेशन क्या बात है? मजा आ गया और अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा होगा ध्यान से देख बेटा रिड्यूस हो रहा है क्या ये देख बेटा रिड्यूस रिड्यूस हो रहा है ये ये देख यह देख एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया क्या बताना यार बेटा यार रिड्यूस हो गया क्या ये देख रिडक्शन ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक है भाई समझ में आ गई बात देखो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को यहां पर डिस्प्लेस करके बनाया तो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होती है और रिडॉक्स प्रूव करके दिखा रहा हूं यहां से यहां पे जाओ तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एक साथ हो रहा है एक साथ हो रहा है मैंने बताया भी था कि दोनों एक साथ हो सकते हैं तो यहां पर दोनों एक साथ हो रहे हैं दोनों एक साथ हो रहे हैं हाइड्रोजन रिमूव हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ऑक्सीडेशन ये देख बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो ये क्या हुआ रिडक्शन तो आंसर क्या होगा सही आंसर क्या होगा पहला तीसरा. पहला तीसरा और तीसरा क्या बात है मजा आ रहा है मजा आ रहा है क्या मेरे को बहुत मजा आ रहा है यार बहुत मजा आ रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके का रिवीजन है ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल लाए ध्यान से देखो अब देख बेटा ये खुद का बनाया हुआ सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर सातवा जल्दी देख बेटा ऐसे सवाल आ सकते हैं ऐसे कुछ सवाल एनसीआर टी के अंदर भी है ठीक है ऐसे कुछ मिसिंग वेरिएबल्स के सवाल सिमिलर सिमिलर सवाल है एनसीआरपलर में ठीक फास्ट करेंगे जल्दी जल्दी बिल्कुल 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 और फास्ट करेंगे और फास्ट करेंगे नहीं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी डबल डिस्प्लेसमेंट कटाइन सराइंस का एक्सचेंज होता है वहां पर ऑक्सीजन तो बेटा आपका एलिमेंटल स्टेट में है। तो का एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में बेटा वहां पर लाइम वाटर, लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सुनील भैया ने एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया था व्हाइट इन सॉलिड सी थ्री का निर्माण साथ में बनता है पानी और वो है पीडब्ल्यू की दीवानी देखो बेटा ये क्या होता है मिल्की या फिर टर्बिड इसकी वजह से सोल्यूशन धूधिया या फिर धुंधला दिखता है तो आप कलरलेस सोल्यूशन उठाइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैसा कलरलेस सोल्यूशन उठाइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये बेसिकली आप मान लीजिए कि आपका लाइम वाटर है कॉमन नेम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस उठाइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर डालिए सीएसरी का निर्माण होगा सोल्यूशन मिल्की या टर्बिड हो जाएगा पता है हमें अब देख बेटा ए की वैल्यू क्या है ए टू नहीं है ए टू नहीं है ए वन है और ए वन है ए वन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सुनील भैया गैस होती है गैस होती है क्या बात है सॉलिड होगा यहां पे लिखा है सॉलिड और डी क्या होगा वन क्या बात है मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है यार मेरे राजा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है सब सही आंसर दे रहे वाह तुम रियल सुनील भैया के स्टूडेंट हो बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया रियल सुनील भैया के स्टूडेंट हो आ जाओ सवाल को लगाओ सवाल नंबर आठवा जल्दी जल्दी लगाएंगे अब थ्योरी वाले सवाल चालू होंगे भाई है ना चलो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द प्रोडक्ट फॉर्म इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वॉटर अगर हम पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं पानी को बिजली के झटके देकर तोड़ते हैं तो क्या बनता है और कहां कहां बनता है एक भाई कह रहा है कॉपर टू का मतलब क्या देख बेटा इधर बात सुन ये देख ये सीयू टू है ना बेटा और ये सीयू ओ है तो देख बेटा इधर कॉपर की वैलेंसी क्या कॉपर की वैलेंसी तो ये ये क्या है सीयू वन प्लस है ठीक तो सी यू टू ओ बना और मान ले बेटा कॉपर की वैलेंसी सीयू टू प्लस है तो सीयू ओ बना तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा कॉपर इन ब्रैकेट टू और ऑक्साइड ये तो इसके आयुपीएससी नेम है कौन सा आयुपीएससी सुनील भाई इनका कॉमन नेम भी होता है का? बिल्कुल इनका कॉमन नेम भी होता है ये इसका स्टॉक लेचर है कॉमन नेम बता देता हूं देख बेटा नॉलेज के लिए ये भी रख ले तू CO2O और COO. तो ये क्या हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड और ये क्या हो जाएगा बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड समझ में आ गई मेरी बात समझ में आ गई बात तो अगर कॉपर की वैलेंसी वन है तो सीयू टू ओ कॉपर की वैलेंसी टू प्लस है तो सीओ और होती है। तो लिखा कॉपर कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड। नेम। नेम कॉमन क्या है? क्युपरस और क्युपरिक ये में आता है। समझ में आ गई बात अब देख बेटा इस रिएक्शन को देखते हैं। इलेक्ट्रोलिस ऑफ पानी इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकॉम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर यानी पानी को बिजली के झटके देके तोड़ना एक्सपेरिमेंटली भी करके दिखाया है तो देख बेटा ये पानी है पानी को दी हमने बिजली क्या दी बेटा बिजली दी बिजली के झटके दिए तो ये किस में टूटेगा अरे भाई हाइड्रोजन गैस में टूटेगा और किस में टूटेगा ऑक्सीजन गैस में टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टू इस टू वन का रेशियो है देख बेटा ये दो गुना है ऑक्सीजन से टू वन का रेशियो है हा सुनील भाई हाइड्रोजन कहां बनेगी देख बेटा लिख कैथोड पे बनेगी हाइड्रोजन सुनील भाई ये कहा बनेगी देख बेटा लिख एनोड पे बनेगी ऑक्सीजन ठीक है बेटा आंसर लगा आगे चल कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन सी सही है क्या सी सही है हाँ चल बेटा आगे चल आगे चल आगे चल आ मजा आ रहा है क्या मजा आ रहा है क्या मल्टीपल कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे एकदम ब्रेन को रिवायर कर देंगे सेशन से ब्रेन की हो जाएगी देखो थ्योरी बहुत बार पढ़ा दी थ्योरी पे फोकस मत करना आप जिसको थ्योरी रिवाइज करनी है माइंड मैप से जाकर बच्चे को थ्योरी रिवाइज करनी है माइंड मैप दे रखा है मैंने जाकर रिवाइज कर लेना अभी सिर्फ और सिर्फ सवाल पे फोकस करना मेजरली सवाल यहीं से सेट होंगे देख लेना तुम जब पेपर देखा होगा खुद का हो गया सुनील भाई इस सेशन से बहुत सारे सवाल सेट हुए अब देख बेटा सीबीएसई पीवाई क्यूज करेंगे सुनील भी अच्छी लग रहे हैं क्या बच्चों के प्यारे सुनील भी दुलारे बच्चों के प्यारे चलो आगे चलेंगे भाई आ जाओ अब आया देखो ईयर का सवाल सीबीएसई 2012 सवाल देखो बेटा आ जाओ सवाल 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 टू ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इज टेकन इन अ बॉइलिंग ट्यूब अरे भैया एक बॉइलिंग ट्यूब में दो ग्राम लेड नाइट्रेट लीजिए और उस बॉइलिंग ट्यूब को आप गर्म कीजिए बहुत बढ़िया गर्म कर देंगे अब आपको यह बताना है द कलर ऑफ फ्यूम्स इवॉल्व एंड उसमें से जो फ्यूम्स निकलेगी यानी जो धुआं निकलेगा फ्यूम्स का मतलब क्या होता है टेक्निकली ऐसी गैसेस जिनकी बहुत गंदी बदबू होती है और वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है अनप्लीजेंट स्मेल होती है और वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है उनको हम फ्यूम्स कहते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में एंड द रेसिड्यू लेफ्ट रेसिड्यू मतलब बची भी कुछ भी चीज लकड़ी को जलाया राख रह गई रेसिड्यू ऐसा नेम द टाइप ऑफ टेकन प्लेस स्टेटिंग इट बैलेंस नाइट्रेट वाइट कलर का पाउडर होता है व्हाइट कलर का पाउडर सफेद कलर का पाउडर होता है मेरा राजा बेटा सफेद कलर का पाउडर होता है इसको बेटा हम गर्म करते हैं तो यह लेड ऑक्साइड येल्लो रेसिड्यू टेस्ट्यूब में बचावा पड़ा रह जाता है और यह भग जाती है यहां से यह भग जाती है ब्राउन फ्यूम्स और ये भी भग जाती है कलरलेस एंड ओडरलेस गैस ये भग जाती है ना तो इसका कोई रंग होता है ना ही कोई ऑर्डर होता है ब्राउन फ्यूम्स विद पंजेंट ऑर्डर ठीक है पर तुम चलो ऑर्डर ऑर्डर याद मत करो फिर तुम कहोगे भैया आप एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हो इतना याद रखो बस ब्राउन फ्यूम्स याद रखो ज्यादा एक्स्ट्रा पे लेके जाऊंगा तो फिर और कहोगे अरे यार भैया एग्जाम टाइम पे एक्स्ट्रा में मत ले जाओ इतना याद रखो तो देख बेटा कंसर्ट भी बता देता हूं मान ले बेटा एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो याद रखना इनसे रिलेटेड कोई भी मेटल नाइट्रेट आए इनसे रिलेटेड कोई भी अगर मेटल का नाइट्रेट आ जाए जैसे कॉपर नाइट्रेट का सवाल है में तो बेटा इनके को, इनके कॉपर नाइट्रेट नाइट्रेट को को मेटल जब अपन हीट करते हैं तो ये हमेशा क्या बनाएंगे याद रखना ये हमेशा बनाएंगे मेटल का ऑक्साइड प्लस बनाएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस ये हमेशा याद रखना मैं इसके ऊपर वाले मेटल और इसके नीचे वाले मेटल की बात नहीं कर रहा हूं फिर से कह रहा हूं मैं जितनों के लिए बता रहा हूं उतनों के लिए याद रखना यह चीज ठीक तो अगर कैल्शियम नाइट्रेट मैग्नीशियम नाइट्रेट एल्यूमिनियम नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट आयरन नाइट्रेट लेड नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट इनकी बात होगी तो ये ऐसे टूटेंगे देख बेटा लेड नाइट्रेट को हीट किया तो मेटल का ऑक्साइड यानी लेड का ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अब ऐसा एक सवाल कॉपर नाइट्रेट का एनसीआरटी एग्जाम्पल में भी है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई कॉपर नाइट्रेट हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस ये रहा कॉपर यहां पे लेड दे रखा है तो लेड इस प्रकार टूटेगा सुनील भाई सुनील भाई यहां पर और ऑब्जर्वेशन वगैरह क्या होंगी वो भी बता दीजिए रिविजन हो जाएगा रिएक्शन का टाइप भी बता दीजिए तो स्टेट द कलर ऑफ फ्यूम्स इवॉल्ड एंड द रेसिड्यू लेफ्ट यही रेसिड्यू जो हो जाएगा वो येलो कलर का हो जाएगा ठीक येलो रेसिड्यू कौन सा रेसिड्यू येलो रेसिड्यू लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट आफ्टर अ रिएक्शन एक रिएक्शन के बाद जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट बचता है उसे रेसिडियो कहते हैं तो येलो कलर का यहां बचा रहेगा रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम टू की यहां पर निकलेगी निकलेगी और कलरलेस एंड गैस ओ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने यहां लिख दी है ऑब्जर्वेशन यहां पर पूछी जाती है ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए फटाफट से ऑब्जर्वेशन क्या है तो बेटा अगर आप इस व्हाइट पाउडर ऑफ लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ये कर 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 की आवाज से टूटता है ये जो व्हाइट पाउडर है लेड नाइट्रेट का जब आप इसको हीट करते हैं तो ये कर 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 की आवाज से crackling sound से क्रैकलिंग साउंड डिकम्पोज होता है इसके अंदर तो टेक्निकली इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अ क्रैकलिंग साउंड इज हर्ट वाइन द थर्मल डिकॉम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डेक्रीपिटेशन ठीक है hurt, the nitrate, दूसरा ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड आर इवॉल्व तीसरा अल्लो रेसिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंडूब और एक और चीज एक्स्ट्रा ताकि अगर आप जब जीवन में इस रिएक्शन को देखे तो सुनील भैया को डांटे ना या कुछ बोले ना तो लेड ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है जब गर्म होता है जब मैंने प्रैक्टिकली भी किया है तो जब आप इसको गर्म रहे होते हैं तो लेड ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है ठंडा करने पे पीला कलर का हो जाता है तो येलो वेन कोल्ड और बहुत भयंकर तरीके से टेस्ट ट्यूब पर चुपकता है इस तरीके से चुपकता है कि आप टेस्ट ट्यूब से इसको जब साफ करेंगे तो टेस्ट ट्यूब टूट जाती है लेकिन ये नहीं हटता मेरे केस में ऐसा ही हुआ था ठीक है ठीक है क्लियर है ये बात तो लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का पाउडर है इसको हीट करेंगे तो येलो कलर का रेसिड्यू बच जाएगा ब्राउन कलर की फ्यूम्स यहां पर निकलेगी और कलरलेस गैस ऑक्सीजन गैस यहां पर निकलेगी ठीक है जी भाई चलो आगे चलेंगे भाई अगला देखेंगे सीबीएसई e 2012 बहुत बार ये सवाल आ चुका है देखो बहुत सरल सा सवाल है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ ठीक है सी बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे अभी आप देखो अभी आपको सब कुछ कराया जाएगा रुको तो सही भाई प्रीवियस ईयर के सवाल के बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फिर salt, फिर एसिड वही साइकिल चलेगी सब कुछ कराया जाएगा ठीक है ठीक है अब देखो इन द दिलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर नेम द गैस विच इज फॉर्म एट एनोड एंड द गैस विच इज फॉर्म एट कैथोड तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस है आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है और रिडक्शन से आप इतना याद रख सकते हो कि यहां पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन से आप ये चीज याद रख सकते हो और याद रखने के लिए बता रहा हूं कि ऑक्सीजन गैस का निर्माण यहां पर होगा वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड डबल देन अदर पानी क्या है एच टू ओ हाइड्रोजन दो गुना है ना ऑक्सीजन के तो इसीलिए ज्यादा निकलेगी खत्म

दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है तो यह क्या रेशियो हो गया ये हो गया टू इस टू वन का रेशियो सिंपल सी बात है।, है ना तीसरी बात हमें पानी के अंदर एसिड क्यों डालना पड़ता है भाई पानी जो है वो एक बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इन ऑर्डर टू मेक वॉटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द एच प्लस एक्व एन एसओ टू माइनस एक्वस दीज फ्री आय कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पीड अप दी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिस ऑफ वॉटर सरल सी बात है कि पानी एक अच्छा कंडक्टर नहीं है तो यहां पर स्पीड ऑफ प्रोसेस लो है इस प्रोसेस की गति को बढ़ाने के लिए इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम एक इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट आपका कुछ भी हो सकता है डायल्यूट हो सकता है और आपका एनएसीएल हो सकता है तो ये दोनों सब्सटेंसेस आपके क्या हैं? ये दोनों के दोनों सब्सटेंसेस आपके क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट है क्या है इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ब्रेक इंटू आय एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये आयन में टूटेगा और बिजली कंडक्ट करेगा ठीक है तो यहां पर हम एक इलेक्ट्रोलाइट को एड करते हैं ताकि स्पीड ऑफ प्रोसेस को हम बढ़ा सकें खत्म है बात आगे चलेंगे चलो सवाल नंबर 11 सीबीएसई 2012 जल्दी से देखो यहां पर बहुत दिमाग लगाना है सवाल में मस्त सवाल है अच्छा सवाल लगा मुझे ये सवाल में लेके आया ठीक है जल्दी 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 सुंदर कन्या एच सी एल भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप एसिड डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मैंने खुद जब किया था मैंने नाइट्रिक एसिड डाल के प्रॉब्लम नहीं थी चलो अब उस कंडीशन पे नहीं जाते अभी यहां पर इसी चीज पर फोकस करते हैं टू गैस को कैसे टेस्ट करना होता है एसो टू गैस टर्न द लाइन वॉटर मिल्की दूसरा एसो टू गैस जो है अगर आप मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लेकर जाओगे तो उसको लाल बना देगी तीसरा गैस क्या करती है? है, है जो होता है, उसको से कर कर देती है due to the formation of chromium sulphate. तीन टेस्ट आपको बता दिए, याद कर लेना। वैसे पढ़ा चुका हूं चीजें भाई इस सब चीजें पढ़ा चुका हूं अभी इन पे फोकस करते हैं मेरे दोस्त आ जाओ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट पी ठीक है रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन टू फॉर्म अ येलो प्रसिपिटेशन कंपाउंड क्यू विच इज यूज इन दी फोटोग्राफी अब फोटोग्राफी के अंदर जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं वो हमें याद है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हमारे सिलेबस के हिसाब से सुनील भाई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या क्या इस्तेमाल होता है आइए दिमाग लगाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है एजीसीएल एंड होता है एजीबीआर इसने कहा पीले कलर का पीले कलर का अब पीले कलर का कौन है भाई तुम तो हो सफेद और ये मेरा भाई है पीला बहुत बढ़िया इसका मतलब गेम सारा एजीबीआर का है ठीक है अब एजीबीआर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा देखो इसने बोला सोडियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन है एक्वा सल्यूशन और मुझे क्या बनाना है यहां पर बनाना है एजी का प्रेसिपिटेट बनाना है ठीक है मतलब यहां पर जो मेटल का नाइट्रेट होगा ऑब्वियसली सिल्वर का होना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा AgNO3 हो जाएगा ठीक अब बेटा देख इसको ध्यान से देख ये बेटा देख कटायन ये बेटा देख अनायन ये बेटा देख कटायन और ये बेटा देख अनायन क्लियर है क्या बात देख बेटा ये कटायन हो गया या नायन हो गया कटायन हो गया या नायन हो गया एक्सचेंज कर देते हैं बेटा है ना ये सुनील भैया सिमाइला मोहित भैया राधिका या सुनील भैया राधिका मोहित भैया सिमाइला तो सुनील भैया विल डांस विद सिमाइला ये देखो ये रहा एंड मोहित भैया विल डांस विद राधिका क्लियर है क्या बात क्लियर है क्या बात एन एनओ थ्री ठीक है बिल्कुल सही है तो मेटल नाइट्रेट पी अ मेटल नाइट्रेट पी सो पी विल बी एजी एनओ थ्री रिएक्ट विथ सोडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन टू फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट कंपाउंड क्यू फोटोग्राफी क्यू इन एक्सपोजर टू सनलाइट अच्छा अंडरगोज अ डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन इसका डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन का इक्वेशन लिखते हैं और रेड इश ब्राउन गैस अच्छा बहुत बढ़िया आइए लिखते हैं तो मेरे दोस्त मेरे भाई ए जी बी आर जो होता है यह सॉलिड इसको अगर हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया सनलाइट को और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू तो ये डिकम्पोज होकर क्या देता है सुनील भाई सिल्वर देता है और साथ ही साथ ब्रोमीन की वेपर देता है क्या बात है मजा आ गया बहुत बढ़िया यार मजा आ गया तो ये क्या है रेडिश ब्राउन वेपर्स ठीक ठीक है तो क्यू ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट अंडरगोज द डिकॉम्पोजिशन टू फॉर्म मेटल प्रेजेंट प्रेजेंट इन अलोंग अलॉन्ग रेडिश ब्राउन गैस तो यहां पर क्या हो जाएगा यह आपका सिल्वरी ग्रे मेटल तो यहां पर बन गया साथ ही साथ यहां पर रेडिश ब्राउन वेपर्स निकली ब्रोमीन गैस की ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऑपरेटर और कूलिंग ऑपरेटर कूलिंग आइडेंटीफाई पी एन क्यू पीएनक्यू आइडेंटिफाई कर दिया राइट द बैलेंड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन लिस्ट टू कैटेगरीज इन विच द रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड कहां कहां रख सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसका टाइप होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का साथ ही साथ ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी फोटोलिसिस, फोटोलिसिस रिएक्शन किसका प्रकार होती है डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन का प्रकार होती है साथ ही साथ एंडोथर्मिक भी हो जाएगी ठीक तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा ये? यहां पर क्या हो जाएगा का एक्सचेंज हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तीन प्रकार होते हैं प्रेसिपिटेशन गैस फॉर्मिंग न्यूट्रलाइजेशन ये प्रेसिपिटेशन का प्रकार है टॉकिंग अबाउट द सेकेंड रिएक्शन मेरे दोस्त तो यहां पर सिंगल कंपाउंड सनलाइट की प्रेजेंस में मल्टीपल प्रोडक्ट में टूट रहा है तो यह डिकॉम्पोजिशन है और डिकॉम्पोजिशन के भी तीन प्रकार होते हैं एक जो हीट में हो तो थर्मोलेसिस सनलाइट में हो तो फोटोलेसिस और इलेक्ट्रिसिटी में हो तो इलेक्ट्रोलेसिस तो फोटोलेसिस साथ ही साथ एनर्जी की इनपुट जा रही है तो एंडोथर्मिक भी होगा समझ में आ गई मेरी बात क्लियर हो गई मेरी बात सही है सही है सही है क्लियर है बात चलो आगे आ जाओ सीबीएसई 2012 का पूछा गया सवाल है जल्दी से देखेंगे जल्दी से देखेंगे रिपीट अरे भाई इधर देख इधर देख इधर ध्यान से देख इधर ध्यान से देख सवाल क्या है ध्यान से देख बेटा एन एक्व सोल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट पी मुझे नहीं पता मेटल नाइट्रेट क्या है रिएक्ट विथ सोडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन सोडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट कंपाउंड क्यू Which is used in अब के लिए दो कंपाउंड है, है।, मतलब है तो ये जो दूसरा मेटल का नाइट्रेट होगा ऑब्वियसली सिल्वर वाला होगा अरे ऑब्वियसली सिल्वर का होगा होगा हाँ तो भैया सिल्वर का नाइट्रेट लिख दिया अब यह कटाइनिक पार्ट यानिकार्ट कटाइनिक पार्ट यानिक पार्ट चेंज करो कटायन इस सनाइन के साथ ये कटायन इस के साथ क्या बना प्रोडक्ट ए जीबीआर प्लस ये डिजोल्व नहीं होगा व्हाइट ये कौन सा है येलो इनसॉल्युबल सॉलिड तो किसी रिएक्शन में येलो इनसॉल्युबल सॉलिड यानी कि क्या बना प्रेसिपिटेट बना अरे भाई इन दोनों की रिएक्शन से एक इनसॉल्युबल सॉलिड का निर्माण हुआ ना इस इनसोल्यूबल सॉलिड का निर्माण हुआ इसे प्रसिपिटेट कहते हैं तो रिएक्शन और ये किसका टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है तो बस इतनी सी बात थी ठीक चलो ये वाला देखो फटाफट से सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से क्वेश्चन नंबर बारह कर दो मेरे यारा अरे ए थ्री कैसे आया अभी तो बताया भाई ए थ्री कैसे आया ये देख मेरे भाई ये एन था यहां पे

चलो बेटा इसको करो जल्दी करो जल्दी करो एक भाई कह है एंडोथर्मिक भाई किसी भी प्रकार से अगर आप एनर्जी का इनपुट दें किसी भी प्रकार से बेटा एनर्जी का इनपुट दें चाहे आप हीट के फॉर्मेट में एनर्जी दें चाहे आप सनलाइट के फॉर्मेट में एनर्जी दें चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में एनर्जी दें वो एंडोथर्मिक होगा याद हो गया एनर्जी आप किसी भी प्रकार से दें अगर एक रिएक्शन को चाहे हीट चाहे सनलाइट चाहे इलेक्ट्रिसिटी एंडोथर्मिक क्लियर चलो बेटा अब इसको करो फटाफट इसको करो फटाफट अब यहां पर क्या बोल रहा है अब रियक्शन आर प्रसिपिटेशन रिएक्शन वाई अरिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रसिपिटेशन रिएक्शन अब देखो पहले तो इन तीनों रिएक्शन की बात कर लेते हैं तीनों रिएक्शन को मैं यहां पर लिख देता हूं फटाफट से तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां लिख देता हूं यह सिल्वर नाइट्रेट इसका मैं लेता हूं एक्वा सोल्यूशन फिर मैं लेता हूं सोडियम क्लोराइड इसका लेता हूं एक्वा सोल्यूशन अब देख बेटा प्रोडक्ट कैसे बनाने होते हैं वैसे तो लिखे हुए फिर भी सिखा रहा हूं ये कटायनिक पार्ट या अनायनिक पार्ट ये देख बेटा ये कटायन और ये अनायन बेटा कटायन से को एक्सचेंज कर दे मान मानिए बेटा सुनील भैया कटा है ये राधिका दीदी अनायन है ये मोहित भैया कटायन है और ये सिमाइला दीदी अनायन है तो कपल एक्सचेंज डांस चल रहा है बेटा है ना अब देख बेटा यहां पर एजीसीएल के साथ चला जाएगा बेटा तो ये बन जाएगा एजीसीएल तो एन एनओ थ्री के साथ चला जाएगा बेटा सिंपल सी बात है है ना यहां पर क्या है कि सुनील भैया और सिमाइला बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं मोहित भैया और राधिका अच्छे से डांस नहीं कर रहे तो कपल्स को एक्सचेंज कर दिया है ऐसे कर दिया अब ये जो बनता है ना ये देख बेटा ये एक्व सोल्यूशन था भाई ये कलरलेस सोल्यूशन ये भी कलरलेस सोल्यूशन ये दोनों के दोनों कलरलेस सोल्यूशन आपने इनको पानी में घोला था सिल्वर क्लोराइड को और सोडियम क्लोराइड को अरे इतनी बात समझ में आ रही है क्या इन दोनों को पानी में घोला कलरलेस सोल्यूशन बनाया दोनों को मिक्स कर डाला कर दिया मिक्स हां ये क्या बना सुनील भाई व्हाइट इंसोल्यूबल सॉलिड बना आहा हा मजा आ गया साथ में ये कलरलेस सोल्यूशन बनेगा अब देख बेटा सबसे पहली बात सबसे पहली बात कटायंसनायंस का एक्सचेंज जहां हो वहां पे शांति से डबल डिस्प्लेसमेंट लिखना है आंख बंद करके डबल डिस्प्लेसमेंट लिखना है फिर डबल डिस्प्लेसमेंट लिखने के बाद अपनी आंखों को बंद करना है और सोचना है कि इसके तीन प्रकार होते हैं पहला प्रेसिपिटेशन जिसमें कि एक इन सॉलिड यानी ना घुलने वाले सॉलिड पदार्थ का निर्माण होगा देख बेटा कोई ना घुलने वाला सब्सटेंस बन रहा है हां बन रहा है तो बस प्रेसिपिटेशन लिख दे अभी के लिए यही काफी है क्योंकि सवाल में प्रेसिपिटेशन ही पूछा है दूसरा देखते बेटा आजा ये देख बेटा ये दूसरे को देख ये देख ये बोल रहा है साथ ही साथ भी निकलेगी हाँ जी भैया ये आपका एक कंपाउंड ये आपका एक कंपाउंड और ये आपका एक कंपाउंड दो कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं किस प्रकार की रिएक्शन है बेटा किस प्रकार की रिएक्शन है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक्सोथर्मिक भी है पढ़ाया था आपको बहुत देर पहले प्रेसिपिटेशन नहीं है तीसरा देख बेटा पोटेशियम क्लोराइड की थर्मल डिकॉम्पोजिशन दे रखी है ये थ्री जब आप इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज करता है केसीएल और ऑक्सीजन गैस में ठीक अब बेटा देख एक कंपाउंड है वो दो एक कंपाउंड और एक एलिमेंट में टूट रहा है मतलब कि एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में टूट रहा है सुनील भैया इसका सरल सा मतलब यह है कि किस प्रकार की रिएक्शन है यह हमारी डी रिएक्शन है और हम हीट देके कर रहे हैं तो थर्मल डिकॉम्पोजिशन है यह रिएक्शन एक्चुअली में क्लास एट में माचिस के अंदर जो माचिस का हेड होता है पोटेशियम क्लोराइड का एक डिस्कशन आता है वहां के रिएक्शन है तो तीन हो गए विच ऑफ द रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ओनली फर्स्ट ठीक है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे ओनली ए बिकॉज हेयर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ कटायंस एंड अनयस तो यहां पर इसको प्रेसिपिटेशन क्यों बोलेंगे क्योंकि यहां पर एक एक्सचेंज हुआ कटायंस एंड अनायंस का एंड आफ्टर दिस एन इनसोल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म्ड ऐसे आंसर लिखना है समझ में आ गई क्या बात प्रेजेंटेशन सही रखना मेरे तरह ऐसे मत लिख के आना ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूं समझाने के लिए बहुत अच्छे से ऐसे ये मैंने लिखा बिल्कुल इसी तरीके से आंसर लिखना है तो देख बेटा ये दोनों तो कलरलेस लिया सोल्योल सॉलिड बना ये कलरलेस सोल्यूशन बनेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन साथ साथ ही प्रेसिपिटेशन है दूसरी रिएक्शन देख बेटा दो कंपाउंड मिलके एक सिंगल कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं कॉम्बिनेशन है साथ ही साथ हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक है सिंगल कंपाउंड हीट देने से टूट रहा है आपके मल्टीपल प्रोडक्ट में तो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी है साथ 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 ही साथ एंडोथर्मिक भी है ठीक है बेटा फिर वो पूछ रहा है कौन कौन सी प्रसिपिटेशन है तो सिर्फ ए है और ए प्रसिपिटेशन क्यों है सॉलिड बन रहा है के के एक्सचेंज के आ जाए बेटा सवाल नंबर तेरा क्या जाता है मेरा जल्दी से बताओ बेटा आइडेंटिफाई दबस्टांस ऑक्सीडाइज एंड सबस्टांस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कंसेप्ट बेस्ड सवाल है बेटा ये कंसेप्ट बेस्ड सवाल है दीज आर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ठीक आ जाओ जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ क्या बात है सीओ टू इज रिड्यूस्ड अब देखो बेटा जल्दी से आ जाओ यह देख बेटा लेफ्ट साइड से राइट right साइड पे एनालाइज करते हैं देख बेटा पीबीओ से पीबी को एनालाइज करते हैं और सी से सीओ टू को एनालाइज करते हैं देख बेटा पीबीओ से अगर पीबी पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है सुनील भैया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इतना समझ में आया सुनील भैया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं देख बेटा पीबीओ से पीबी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन उसके बाद यहां से यहां पर अगर आते हैं तो क्या आया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सुनील भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड पे है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है अब देखो बेटा ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं हमने ये चीज पढ़ी भी है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट सवाल में वैसे ये नहीं पूछा है बट हम एक्स्ट्रा के लिए देख लेते हैं और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक हाँ सो आइडेंटिफाई दबस्टांस ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूस इन रिएक्शंस तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है अगर हम बात करें तो पीबीओ जो है हमारा ये हमारा क्या हुआ होगा ये हमारा पीबीओ जो है दैट इज बेसिकली रिड्यूस्ड टू पीबीओ जो है दैट इज बेसिकली रिड्यूस टू पीबी और बेटा देख कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है देख बेटा कार्बन की क्या हुई है ऑक्सीडेशन हुई है टू सीओ टू ठीक अब उसी प्रकार यह सवाल काफी बार आया है इसमें क्या होगा आंसर इसमें क्या होगा आंसर इसमें क्या, इस क्या होगा आंसर क्या होगा क्या हो जाएगा आंसर जल्दी से बताओ बेटा अरे यहां टू भी लगा ले भाई दो पी भी दो पी भी दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन एक कार्बन एक कार्बन बैलेंस गई प्रीवियस का सवाल है भाई ये देख सवाल को देख बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब देख बेटा यहां से और यहां से ऑब्जर्व करते हैं भाई अगर यहां से यहां पे जाते हैं तो क्या हो रहा है सुनील भैया सुनील भैया यहां पे क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है सुनील भैया बेटा यहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे बताओ एच से टू पे देख रहा हूं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है हाँ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब हुआ सुनील भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब हुआ सुनील भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब हुआ सुनील भाई कि ऑक्सीडेशन हुआ और यहां से अगर यहां पे बात कर रहा हूं तो क्या हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है हाँ. सुनील भाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं तो बस यहां पे लिख डालो एमएन ओ टू जो है दैट इज बेसिकली रिड्यूस्ड टू एमएनसीएल टू और एचसीएल जो है दैट इज बेसिकली ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीडाइज टू सीएल टू छोटी छोटी बातें याद हो रहा है बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात बहुत सही आंसर दे रहे हो तुम लोग बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया दोस्तों तो इसी प्रकार आंसर्स को देना है इसी प्रकार आंसर्स को देना है बहुत बढ़िया तो MnO2 बेसिकली क्या हो रहा है MnCl2 पे रिड्यूस हो रहा है और ये बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लियर है बात ठीक आगे चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तो सीबीएसई 2012 दो हजार बारह जल्दी से देखो फटाफट से फटाफट से राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई देयर टाइप जल्दी से बताओ अरे सारे सवाल है पांच मार्क्स के भी हैं तीन के भी हैं दो के भी हैं एक के भी हैं अभी तुम चलने तो दो अभी तो सवाल नंबर चौदह आया है भाई लगभग सौ सवाल हैं चलने तो दो चलने तो दो अभी तो सौ सवाल पे आए हैं अपन चलने तो दो गेम अभी चालू हुआ है गेम ठीक क्या बोल रहा है लोहे की जो नेल है आयरन नेल रियक्ट ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तो क्या होगा और दूसरा बोल रहा है कि ये सिल्वरी ग्रे कलर की आयरन की नेल होती है ठीक है ये और ये जैसे ही ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से इंट्रैक्ट करेगी तो हमें एक चीज पता है रिएक्टिविटी सीरीज मैंने याद कराई थी क्या थी कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो जिसको फिर फिर लेकर हम चले तो आयरन का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है इसका मतलब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा एफी एसोफोर समझे दोस्तों तो ये सुनील भैया गए और यहां पर सल्फेट के साथ बैठ गए मोहित भैया अकेले अकेले बैठे हैं यह रेडिश ब्राउन जो कॉपर है यह कहां पे चुपक जाएगी रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिटेड ऑन आयरन ने लोहे की कील पे ही चुपक जाएगी समझ में आया तुमने लोहे की कील नीले कलर के कॉपर सल्फेट में डाली तो लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है उस सोल्यूशन से उसको भगा के एफ फोर और एफ फोर बनाएगा कॉपर बाहर आएगा कॉपर उस लोहे की कील पे चुपक जाएगा सल्यूशन का कलर ग्रीन ठीक है सल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा सुनील भाई सल्यूशन का कलर हो जाएगा हमारे पास ग्रीन ठीक है अब जिंक अगर रिएक्ट करता है ग्रीन कलर अच्छा इसको हमने सीएसओ फोर ले लिया कोई दिक्कत नहीं है इसकी भी रिएक्शन लिख देते हैं इसकी भी लिख देते हैं ठीक है यह भी लिख देता हूं जिंक रिएक्ट विथ ग्रीन कलर्ड एफी फोर सोल्यूशन तो क्या बनेगा जिंक का रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है तो बनेगा जेड एन फोर एक्वस प्लस बनेगा एफी ठीक है यह कौन से कलर का सल्यूशन होता है यह आपके पास ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है ये कौन सा होता है ये आपके पास ब्लू कलर का होता है तो जिंक का रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है तो क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों ZnSO4 ZnSO4 कैसा होता है कलरलेस सोल्यूशन होता है साथ ही साथ एफ ही निकलेगा उसी प्रकार से जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है तो बनाएगा ZnSO4 एन प्लस अगेन ये भी क्या है कलरलेस सोल्यूशन है ये तीनों की तीनों रिएक्शन किस प्रकार की होंगी किस प्रकार की होंगी यहां पे क्या हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एफी यहां पर क्या हो जाएगा सुनील भैया रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर तो भैया इस सॉल्ट सोल्यूशन से आयरन इसको डिस्प्लेस करके एफी प्लस कॉपर बनाएगा इस सोल्ट सोल्यूशन से जिंक क्या करेगा आयरन को डिस्प्लेस करके ZnSO4 Fe बनाएगा जिंक यहां से कॉपर को डिस्प्लेस करके ZnSO4 Cu बनाएगा तीनों किस प्रकार की रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है ये कौन सी है सुनील भाई डिस्प्लेसमेंट तो है ही है मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है एक्स्ट्रा में ये बता दो हमेशा ये रेडॉक्स होंगी एंड इन केसेस में ये एक्सोथर्मिक भी होंगी खत्म काम क्या बात है क्या बात है यार तुम लोग बहुत बढ़िया बच्चे हो बहुत बढ़िया बच्चे हो सही आंसर इंटर द चैट बॉक्स बिल्कुल सही मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बिल्कुल सही आ जाओ बेटा तीसरा और चौथा मेरा राजा बेटा आ जाओ क्या है लेड नाइट्रेट सोल्यूशन रियक्ट विद पोटेशियम हाइड्रेट सोल्यूशन तो लेड नाइट्रेट सोल्यूशन मेरे राजा बेटा ये क्या है कटायन ये नाइट्रेट क्या है अनायन ये राजा बेटा पोटेशियम ये कटायन और ये क्या है बेटा बेटा अनायन अनायन चेंज कर कटायन को कबल एक्सचेंज डांस लेड किसके साथ डांस करेगा अब लेड पहले नाइट्रेट के साथ डांस कर रहा था पोटेशियम आयोडाइड के साथ डांस कर रहा था. था अब लेड नाचेगा आयोडाइड के साथ पोटेशियम नाचेगा नाइट्रेट के साथ क्या बात है समझ में आ गया ये इधर तो चल इधर ठीक है ये जो है ये बनता है येल्लो इनसॉल्यूबल सॉलिड ऑफ येल्लो इंसॉल्यूबल सॉलिड ऑफ लेड।, लेड लेड की भी दो वैलेंसीज़ है यहां पर लेड की जो वैलेंसी है वो है टू तो येल्लो इनसॉल्यूबल सॉलिड सॉलिड ऑफ लेड टू लेड टू आयोडाइड क्या कर रहा हूं सॉरी लेड टू आयोडाइड ठीक है हा सुनील भाई इन दोनों सोल्यूशन का कलर क्या होगा बेटा कलरलेस सोल्यूशन होता है इनका पानी में घोल दीजिए कलरलेस सोल्यूशन होगा इनका कलरलेस सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट में कलरलेस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रेट डालेंगे कटाइंस एक्सचेंज कट डालेंगे तो यहां पर एक येलो इनसोलिबल सॉलिड बन जाएगा लेट टू आयोडाइड का सात कलरलेस बनेगा नाइट्रेट का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बिल्कुल आ रहा है सुनील भैया इतनी बार पढ़ा चुके हो रट चुका है ना किस प्रकार की रिएक्शन है राजा बेटा दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट है देखो नीचे वाला भी करो तो इसका कलरलेस सोल्यूशन लेकर आएंगे कलरलेस सोल्यूशन सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बेटा प्रोडक्ट कैसे बनेगा देख बेटा ये कटायन और देख बेटा ये अनायन देख बेटा कटायन देख बेटा अनायन चेंज कर दे सोडियम क्लोराइड ये रहा बेरियम सल्फेट ये रहा ये व्हाइट इनसोल्यूबल सॉलिड कैसा बेटा वाइट इनसोल्यूबल सॉलिड सुनील भाई किस प्रकार की रिएक्शन है दोनों अरे बहुत सिंपल है यार सबसे पहला कटायंस का एक्सचेंज हुआ तो आंख बंद करके बिल्कुल आंख बंद करके एग्जाम में लिख के आना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसके बाद देखना इन सॉलिड इंसॉल्यूबल सॉलिड आंख बंद करके देखना इंसॉल्यूबल सॉलिड इंसॉल्यूबल सॉलिड मतलब प्रेसिपिटेशन हाँ भाई तो फिर चलो काम खत्म ठीक ठीक आग बंद करके डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट और वो क्या होंगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मजा आ गया ओपी एकदम, ओपी एकदम है माहौल आगे चलेंगे जल्दी से. 15, जल्दी से से क्वेश्चन नंबर सीबीएसई देखेंगे राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ऑन हीटिंग ब्रेकअप इन टू दल्फर डाइ ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ब्रेकअप की बातें कर रहे हैं और यार भैया यार ब्रेकअप बहुत दुखदायी होता है ब्रेकअप तुम्हारी उम्र नहीं अभी। तुम ब्रेकअप पढ़ो ब्रेकअप करना मत बहुत बात बोल रहा हूं। तुम्हारी उम्र है ब्रेकअप को पढ़ने की ब्रेकअप करने की उम्र नहीं है समझ में आ गया दिस इज द एज वेन यू हैव टू रीड अबाउट द ब्रेकअप बट दिस इज नॉट द एज वेन यू आर सपोज टू डू ब्रेकअप क्या बात है समझ गए हाँ. तो राजा बेटा ध्यान से फोकस करना इधर हाँ प्रियतमा को मैसेज करना मत लगना माता पिता ने नेट दिया है सुनील भैया का लेक्चर देखने के लिए बेटा हाँ सुनील भैया का डांस और लेक्चर देखना है बेटा बाकी देख ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के क्रिस्टल्स होते हैं लाइट ग्रीन कलर के होते हैं कैसे लाइट ग्रीन कलर के इसी वजह से इसको मार्केट में कुछ लोग बोलते ग्रीन विट्रियोल क्या बोलते हैं बेटा ग्रीन विट्रियोल क्या बोलते हैं बेटा ग्रीन विट्रियोल ठीक है इसका नाम भी लिख सकते हो तुम तो। आयरन की वैलेंसी यहां पे टू है तो इसका नाम हो जाएगा आयरन टू सल्फेट और सात पानी के मॉलिक्यूल है तो हेप्टाहाइड्रेट सात है ना हेप्टाहाइड्रेट ठीक है या फिर इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो फेरस इसको बोलते हैं फेरस जो लोअर वैलेंसी है आयर वैलेंसी को बोलते हैं फेरिक इक और अस तो फेरस सल्फेट हेптаहाइड्रेट दोनों ही नाम सही है फेरस सल्फेट हेптаहाइड्रेट ऐसा मैंने क्यों बोला एफ एस ओ 4 यहां पे आयरन की वैलेंसी 2 प्लस है फेरस सल्फेट हेптаहाइड्रेट अब बेटा अगर इसको मैंने हीट किया हीट के लिए डेल्टा लगा दो या ऐसे हीट को लिख डालो डेल्टा लगाओ या हीट को लिख डालो तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हीट करूंगा तो FeSO4 7H2O प्लस में कन्वर्ट होगा ये जो सॉल्ट होता है इसे हम कहते हैं एनहाइड्रस यानी पानी उड़ गया अब इसमें से एनहाइड्रस फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है कौन से कलर का होता है सुनील भाई सफेद कलर का होता है कैसा सफेद कलर का इस सफेद कलर के सॉल्ट को पानी दे तो फिर से हरा हो जाएगा इसके जीवन में हरापन आ जाता पानी से समझ लो पानी निकाला जीवन खत्म पानी डाला जीवन अच्छा ठीक ठीक एक भाई कह रहा है सर बेसिक से पढ़ाओ सुन मेरे भाई जितने भी दोस्त यहां लेक्चर को देख रहे हैं आप मैराथन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊं है ना भाई जो कोर्स 120 घंटे 130 घंटे में पढ़ाया जाता है आपको कोई इंसान छह घंटे में कैसे पढ़ा सकता है आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो अगर आपको थ्योरी पढ़नी है शॉर्ट फॉर्म में माइंड मैप देखो मैंने आपको बोल दिया

मतलब उस पर अलाइंड नहीं चीजों को लेकर मेरा अपना टीचिंग का तरीका है तो मेरे को ये लगता है कि वो चीज उस समय गलत है आपको जब थ्योरी पढ़नी थी पूरे साल भर हमने आपको काफी थ्योरी कंटेंट दिया मैंने खुद वन शॉट उड़ान डाले वॉरियर में लिए माइंड मैप में पढ़ाया फिर गारंटीड वाई पास में पढ़ाया भाई इतना कंटेंट है अब थ्योरी यहां पर पढ़ने का क्या लॉजिक है ये सेशन होते हैं शॉर्ट में थ्योरी और मैक्सिमम सवाल डिफरेंस समझिए ठीक क्लियर है बात चलो तो आयरन टू सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट लाइट ग्रीन यानी कि ग्रीन को हमने हीट किया तो ये डिकोज करता है FESO4 में तो ये जो सॉल्ट है भैया यहां से देखो सिंगल कंपाउंड था हीट किया तो मल्टीपल प्रोडक्ट बने अभी भी तुमने हीट करना रोका नहीं तुमने बोला कि मैं इसको भी हीट करूंगा करो हीट ये टूटेगा एफ ई टू ओ थ्री में साथ में एसओ टू और साथ में एसओ थ्री ये जो सॉल्ट होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है रेडिश ब्राउन इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड क्योंकि यहां पे आयरन की जो वैलेंसी है वो थ्री है फेरिक ऑक्साइड या फिर इसका एक और नाम है आयरन 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 इन ब्रैकेट उसकी वैलेंसी जो यहाँ पे थ्री है थ्री ऑक्साइड ये इसका नाम होगा ठीक है बेटा बेटा ठीक है है क्लियर बात तो ये देखिए सिंगल कंपाउंड आपके पास हीट करने पे मल्टीपल कंपाउंड्स में टूट रहा है सिंगल कंपाउंड यहां पे हीट करने पे मल्टीपल कंपाउंड्स में टूट रहा है तो ये दोनों के जो दोनों रिएक्शन है यह थर्मल डीकम्पोजिशन या फिर बेटा थर्मोलिसिस का एग्जाम्पल है ठीक है प्लस क्योंकि हम हीट दे रहे हैं इसीलिए एंडोथर्मिक भी है समझ में आ गई मेरी बात तो ये हमारे पास लाइट ग्रीन कलर का सॉल्ट था इसको हमने हीट किया तो एफ ई एसओ फोर प्लस सेवन एस टू में ब्रेकअप हो गया इसका यहां पर ये जो सॉल्ट होता है सल्फेट सफेद कलर का होता है पानी उड़ चुका है आप इसकी हीटिंग को कंटिन्यूड रखेंगे तो रेडिश ब्राउन ये एफ साथ में एसओ और एसओ गैस का निर्माण करता है इनका जो स्मेल होता है सिमिलर टू अ बर्निंग मैचिक सिमिलर सिमिलर टू अ बर्न मैचिक यानी कि जब माचिस की तीली जलाते हैं ना तो जो स्मेल आती है वो एसो और एसो की वजह से आती है तो वही स्मेल यहां पर आएगी ठीक है ये बातें क्लियर हो रही है सभी को ये बातें क्लियर हो रही है सभी को ठीक है तो फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी इसकी फिजिकल स्टेट यहां पर हो जाएगी सॉलिड स्टेट इसकी फिजिकल स्टेट हो जाएगी सॉलिड स्टेट है ना एक भाई बोल रहा है इनकी स्टेट भाई सॉलिड स्टेट में ही होंगे है ना क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में होंगे लिक्विड स्टेट में या गैस में तो कैसे क्रिस्टल हो सकते हैं है ना तो सॉलिड स्टेट में होंगे और ये भी सॉलिड स्टेट में ये सॉलिड स्टेट में होगा सॉलिड ये गैस एस्केप कर जाएगी यहां से ठीक अगला सवाल सवाल नंबर 16 2019 जल्दी से देखो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह सवाल आपके एक डायग्राम से आया था और यहां पर हम डायग्राम को देखते नहीं है और डायग्राम से सीबीएसई सवाल पूछ के खेला कर देता है सवाल क्या है अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू स्टडी अ डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन बाय टेकिंग दी फेरा सल्फेट क्रिस्टल्स सवाल यह नहीं है कि क्या करना है सवाल यह है कि क्या नहीं करना है राइट टू प्रिकॉशंस मस्ट ऑब्जर्फ एक्सपेरिमेंट मजेदार सवाल है ध्यान से देखिए कह रहे हैं कि आप फेरसल्फेट क्रिस्टल्स को जब आप थर्मल डीकॉम्पोजिशन करते हैं आपको क्या प्रिकॉशन वहां पर मैनेज करने हैं ठीक है क्या करने है जल्दी से बताओ अरे वाह 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 वा. राया बिल्कुल सही क्या बात है क्या बात है वाफ्टिंग क्या बात है वा, 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 वा. ये अपने बच्चे है, बहुत बढ़िया अपने बच्चे है ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स यूज टॉन्ग बहुत बढ़िया डोंट स्निफ द गैस वे अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो सबसे पहले तो ये वाला डायग्राम एनसीआरटी में दे रखा है ये वाला देखो दे भी रखा है वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स द नोज डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब टुवर्ड्स योर नेबर एनसीआरटी ने दोनों प्रिकॉशन दे रखे थे बच्चे ये डायग्राम देखकर जाते नहीं है दिक्कत हो जाती है तो डायग्राम सारे देखने हैं अब यहां पर हो क्या रहा है अगर आप किसी भी चीज का थर्मल डी करते हैं तो टेस्ट ट्यूब की मुंडी अपनी तरफ मत रखना घातक जैसे हो सकती है तुम डैमेज हो सकते हो ना ऐसा नहीं कि मेरे मुंडे पे नहीं ले पड़ोसी तेरे मुंडे पर लोगोसी ले, पड़ोसी, ले। ए, पड़ोसी तू ले ले ऐसा भी नहीं तो पड़ोसी को यहां खड़ा करें और इसकी मुंडी उधर करें तो ये पड़ोसी इधर खड़े हैं और मुंडी उधर है तो सबसे पहला सबसे पहला डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और yourself. सबसे पहला कि भैया पड़ोसियों की तरफ पर आपको टेस्ट ट्यूब को नहीं करना है टेस्ट ट्यूब की मुंडी को उधर रखना है क्या भाई ना तेरी मुंडी में ना मेरी मुंडी में ना तेरी मुंडी में यह अपोजिट में है ठीक हाँ फिर उसके बाद देख बेटा ध्यान से सुन वाफ्ट द गैसेस डोंट स्निफ दे क्या मतलब है केमिस्ट्री में स्मेल की बहुत इज्जत है मतलब हम ये सूंघ के बताते हैं ओडर, इरिटेटिंग ओडर, तो इससे इससे क्या है है है, है ना ना एग लाइक स्मेल हम बताते हैं अच्छा ये ये, है, ये, guess ये ये guess ये ये guess ये गैस है। गैस है गैस जैसे अपन यूरिनल्स के बाहर जाते हैं तो अपन कहते हैं भैया अमोनिया की स्मेल आ रही है फिर अपन बोलते हैं अरे सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही है तो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना तो होता क्या है केमिस्ट्री में स्मेल की बहुत इज्जत है हम सूंघ के बताते हैं आ, बहुत गंदा स्मेल है कंफर्मेशन देते हैं, ये होगा ये गैस होगा तो अब ये बोल रहा है करो करो स्निफ मत करो। मतलब देख बेटा पहले टेस्ट ऐसे रखी हाँ। कोई गैस निकली ऐसे कर ऐसे हाथ से कर ऐसे अच्छे लगे तो सूंग नहीं तो छोड़ दे देख अगर ज्यादा इरिटेटिंग लगे तो ऐसे कर ध्यान से ऐसे छोड़ दे भी तो दिस इज वाफ्ट क्या आ जा मेरे पास मैं सूंग लू बस ऐसे मत करना कि मुंडी ली ऐसे सूंग गया। ओ भाई साहब ऐसे मत करना समझ में आ गई क्या समझ में आ गई ऐसे मत करना कि ऐसे स्निफ नहीं करना समझ में आ रही बात स्निफ नहीं करना तो वाफ्ट द गैसेस डोंट स्निफ देम समझ में आया अरे केमिस्ट्री में सेंस ऑफ स्मेल की इज्जत है तो टेस्ट ट्यूब की मुंडी को अपने से दूर रखें जब भी थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं अब पड़ोसी सारे पड़ोसी है, हाँ, खड़े हैं है, हाँ, हाँ, है। तो स्वर्ग में जा रहा हूं ऐसे मत करना कुछ गैसेज इतनी भारी होती है इरिटेटिंग ऑर्डर होता है जैसे मैं तो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं तो पता है मेरे को आंखों में काफी जलन वलन बहुत इलेक्ट्रीमल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है आंसू आंसू बहने लग जाएंगे फिर तो मत करना ठीक है अब दिस इज डन टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज स्मेल सिमिलर टू बर्निंग मैजस्टिक तो वाफ्टिंग यहां पे क्यों करनी होती है वाफ्टिंग करने के पीछे का रीजन ये होता है कि यहाँ पर जो टू और गैस गैस है है ना ये गैस जो है, इनको कंफर्म कैसे करोगे इसके बिल्कुल वैसी स्मेल आएगी इन दोनों गैसेस के कंफर्मेशन के लिए जब हम सुंगे अरे माचिस की तीली जल रही है, वैसी स्मेल आ रही है हाँ तो बस एसो टू एसो थ्री निकली है समझ गए हाँ। तीसरा ऑलवेज यूज अ टेस्ट ट्यूब होल्डर वाइल बेटा ऐसा मत करना कि इसको हाथ से पकड़ ले कि मैं तो शक्तिमान हूं हाथ से जलाऊंगा जल जा तो हाथ ही जल जाएगा तो टेस्ट ट्यूब से ऐसे होल्ड करना है से ऐसे होल्ड करना ठीक है है ना ऐसे टोंग से ऐसे पकड़ लिया और इसे गर्म कर दिया हाँ वैसा, वैसा गर्म कर लिया समझ रहे हो अपनी उंगली हाथ से होल्ड मत करना हाथ निपट जाएगा पहले ही बता रहा हूं समझ में आगे बात तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सवाल था वॉरियर में भी करवाया था अभी भी करवा दिया कोई नया बालक आया तो उसके लिए भी करवा दिया मजा आया ये देखो डायग्राम से आया सवाल तो डायग्राम मत छोड़ के चले जाना ये कहो मैं तो ओपी आदमी हूं तो डायग्राम का ये ये पहला पॉइंटर पॉइंटर दूसरा देखो सवाल आया 2019 में सीबीएसई खेला कर देता है और बच्चे को अकेला कर देता है बेटा पिछले साल एनसीआरपलर से सवाल आए थे बच्चे के हम तो करेंगे ही नहीं हम तो नहीं करेंगे सीबीएसई ने बोले लो भैया एग्जाम्पलर के सवाल देंगे हम मजे ले लेंगे मान नहीं रहते करो जल्दी बताओ पर हमारे अभी वाले बच्चे भी अच्छे हैं ठीक है हाँ बालक इधर देखो 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 बालक 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 जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। आंसर 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 मैंने आंसर चाहो भैसा बेटी ने भैसा मैंने तो आंसर चाहे बेटी ने ये रिएक्शन देखी देखी लग रही है क्या ये रिएक्शन अभी एमसीक्यू में कराई थी डिस्प्लेसमेंट और इडॉक्स याद कर बेटा याद कर डिस्प्लेसमेंट और इडॉक्स याद आ रही है याद आ रही क्या हाँ भैया हाँ, याद आ रही है बेटा याद नहीं करना आंसर को याद करना बेटा उधर याद बात कुछ नहीं करना बेटा इधर देखो किसी को याद नहीं करना बेटा देख बेटा तुम याद सताती है अभी एग्जाम की तैयारी कर लो नहीं तो याद ही सताती रह जाएंगे तुम्हारे को कि नंबर बहुत बिगड़ गए हमारे देख बेटा इधर ध्यान से देख क्या हुआ इधर क्या हुआ

रिड्यूसिंग एजेंट कई केलावर भाई साहब रिडक्टेंट केलावे कई केलावर भाई साहब रिडक्टेंट ठीक है मजा आ रही है मैंने तो देखो बेटा तो NH3 से यहां पे NO को ऑब्जर्व करें तो हाइड्रोजन हट गया हाइड्रोजन हट गया और ऑक्सीजन ऐड हो गया दोनों को ऑक्सीडेशन कहते हैं अरे एक चीज से अगर हाइड्रोजन हटे और ऑक्सीजन ऐड हो तो इनको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन और ये ऑक्सीडेशन जिसकी होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट होता है अरे मजा आ गया भैया एक ही बार में आंसर अब दूसरा देख बेटा O2 ओ मेरे छोटू देख O2 बना H2O ओ मेरे छोटू ध्यान से देख ओ मेरे राजा बेटा ध्यान से देख रानी बेटी ध्यान से देख O2 से H2 आहा हा मजा आ गया भैया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आहा हा मजा आ रहा 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 क्या होता ही है ये रिडक्शन होता है तो मान लो कि उनने बोला कि रिडक्शन हो रहा है तो बताओ यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है तो तुम बता दोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है अरे समझ रहे हो मजा आ रहा है अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं सीबीएसई का रैप भी चलाऊंगा अभी ध्यान से देखना तुमको मजा आएगा पूरी क्लास ध्यान से देखोगे तो मजा आएगा आज हमेशा आता है आज भी आएगा ध्यान से देख बेटा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ एन लेफ्ट साइड से निकालना है ठीक हाँ तो बेटा देख NH3 जो है यहां से हम यहां गए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन जिसकी भी ऑक्सीडेशन वो क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसका मतलब रिडक्शन रिडक्शन जिसका हुआ वो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन इसको देख ध्यान से देख बेटा बहुत सरल सा सवाल लग रहा है मेरे को ये अरे ये तो एक बार में हो जाएगी देख खत्म काम सुनील भाई यहां पर क्या हुआ एफ टू से एच एफ बना तो सुनील भाई इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ सुनील भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो इसको रिडक्शन कहेंगे और इसको अगर रिडक्शन कहेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बस खत्म बात है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरा क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा है ना यही तो होता है जैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा खत्म काम एच टू एज द रिड्यूसिंग एजेंट अगला सवाल इसी के साथ करेंगे इसी का पार्ट करेंगे सवाल का ये बताओ फटाफट 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 आंसर 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 अब भाई कह रहा भैया और तेज करो अरे रैप करूंगा क्या इमीन का यार तुम लोग समझो ना मेरे को सॉल्व थोड़ी करना समझाना भी तो है एक घंटा बत्तीस एक चैप्टर हो गया अपना सोचो अभी तो चैप्टर आएंगे मेटल मेटल नॉन तीस पैंतीस सवाल, सवाल कराऊंगा आज देखो थ्योरी पढ़ा के मैं कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर पाऊंगा समझ रहे हो मेरी बात सुनना वैल्यू एडिशन कैसे करोगे सुनील भैया थ्योरी तो इतनी बार पढ़ा दिया आपने वॉरियर में इतना डेप्थ में पढ़ा दिया

सुनील भाई यहां से यहां जाऊंगा तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा हाँ तो मजा आ गया यार एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन हुई वो क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है बात खत्म हो गई ठीक अब यहां पे देखना बेटा Fe2O3 से Fe पे देखना सुनील भाई यहां पर क्या हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ देख बेटा एफी टू थ्री से एफ को एनालाइज कर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बोलेगा इसको रिडक्शन और जिसकी भी रिडक्शन वो क्या कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पे क्या हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन oxidation. ऑक्सीडेशन मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा आंसर क्या ये आएगा ये आंसर आएगा रिड्यूसिंग एजेंट ठीक मतलब यहां पर अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड आंसर लिखते भी जाओ याद रहेगा यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहेगा एनएच थ्री यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहेगा एच टू ओ ठीक इधर कोई बताएगा जल्दी से अरे वाह 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 यार तुम बहुत प्यारे बच्चे हो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो मेरे बहुत बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे हो ध्यान से देखो सुनील भाई ये देखो तो क्या हुआ यहां पे बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके पानी बनाया हाइड्रोजन पे क्या हुआ है सुनील भाई हाइड्रोजन पे क्या हुआ है सुनील भाई हाइड्रोजन पे क्या हुआ है सुनील भाई हाइड्रोजन पे क्या हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं ऑक्सीडेशन जिसकी होती है उसको क्या बोलते हैं उसके बाद राजा बेटा इसको देखो अगर इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो ऑक्सीजन की क्या हुई होगी ऑब्वियसली रिडक्शन हुई होगी और जिसकी रिडक्शन हुई होती है वो क्या कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है ठीक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन गैस इसका रिडक्शन हुआ है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा सही है सही है ठीक है चलो कॉम्पिटेंसी वाले सवाल करें क्या आ जाओ सम कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन अब देख बेटा जो जो बच्चों कंफ्यूजन है ना मैं बताता हूं थ्योरी क्या का कराई है देख भाई सबसे पहले थ्योरी कराई माइंड मैप में पहली थ्योरी माइंड मैप में दूसरा उड़ान वाइटी ये एनसीआरटी लेवल कंटेंट जिसको थ्योरी में कंफ्यूजन है वो बता रहा हूं ठीक है क्रिस प्रिविजन तीसरा वॉरियर इन डेप्थ थ्योरी सब कुछ खत्म इनडेप्थ थ्योरी सब कुछ खत्म इसमें आ जा बेटा गारंटी वाइटी पास इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आज की जो मैराथन होगी मैराथन जो आज की है इसमें ऑल इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूस प्लस एमसी क्यू प्लस कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन और इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उड़ान वाई टी आप बता बेटा इतना कंटेंट दे दिया क्या दिक्कत आ रही है इसमें क्या प्रॉब्लम है इसमें तो जिस चीज को लग रहा है ना थ्योरी पढ़नी है भाई इतने में थ्योरी करा चुके हैं बार बार थ्योरी कराएंगे तो सवाल कब करोगे सुनील भैया सवाल कब कराएंगे तो यहां पर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हर एक चीज को कवर कराएंगे इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज एमसी क्यूज कॉम्पिटेंसिड क्वेश्चन होगी आ जाओ कॉम्पिटेंसी फोकेज क्वेश्चन पे चलते हैं आ जाओ ये देखो जल्दी से सवाल सवाल नंबर अठारह जल्दी से देखो मैग्नीशियम रिबन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम यानी मैग्नीशियम की रिबन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत गर्म करते हैं तो चमकीली सफेद फ्लेम से जलती है और एक यौगिक यानी कि कंपाउंड एक्स का निर्माण करती है ये एक्स वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो दिस कंपाउंड एक्स डिजोल्व इन वॉटर टू फॉर्म अनदर कंपाउंड वाई आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई सिंपल सी बात है आप मैग्नीशियम को जब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वाइट पाउडर बनाएगा किसका व्हाइट पाउडर सफेद पाउडर बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का साथ ही साथ बहुत सारी हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी लाइट एनर्जी ब्राइट व्हाइट फ्लेम में निकलती है चमकीली व्हाइट फ्लेम ब्राइट व्हाइट फ्लेम ठीक सबसे पहले एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा एम जी ओ और वाई क्या होगा अरे भाई आप मैग्नीशियम के ऑक्साइड को जैसे ही पानी में डालेंगे तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो उसकी सॉलिबिलिटी कम होती है लेकिन स्टिल सोलिबल है थोड़ा बहुत तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड ठीक है क्लियर बात क्लियर है बात यस बहुत सही एक्स इज मैग्नीशियम ऑक्साइड वाई इज मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड अब देखो यहां पर अब देखो यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी है अब देखो एक्स्ट्रा में बातें बताता हूं तुमको यह वाली रिएक्शन किस रिएक्शन का टाइप है सुनील भाई सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रकार है क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है बेटा देख राजा बेटा मैग्नीशियम एक एलिमेंट ऑक्सीजन एक एलिमेंट मिलकर बनाया एक कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम एक एलिमेंट ऑक्सीजन एक एलिमेंट मिलकर बनाया एक कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मेरे भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बहुत ज्यादा हीट निकलती है जितना हीट तुम दे रहे हो जलाने के लिए उससे कई गुना ज्यादा निकलती है तो एक्सोथर्मिक, साथ ही साथ मैग्नीशियम पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये रिड्यूस हुआ तो ये रिडॉक्स तो कॉम्बिनेशन भी होगी एक्सोथर्मिक भी होगी और रिडॉक्स भी होगी क्या बात है है बात क्लियर है बात बहुत बढ़िया तीसरा तीसरा रेड लिटमस पेपर इन कंपाउंड अब देखो रेड लिटमस पेपर का रंग क्या होता है रेड लिटमस पेपर की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रल मीडियम में और एसिडिक यानी कि जो आमलिक मीडियम होता है उसके अंदर क्या होता है ये लाल का लाल ही रहता है लेकिन अगर हम बात करते हैं बेसिक यानी कि जो शार वाला मीडियम होता है उसके अंदर क्या हो जाता है ये ब्लू हो जाता है तो यहां पर ब्लू बिकॉज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इज बेसिक इन नेचर कैसा होता है बेटा बेसिक होता है नेचर में मेरी बात क्लियर है बेटा तो बेटा मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बहुत ज्यादा तेज गर्म किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो एक ब्राइट व्हाइट फ्लेम से जलता है मैग्नीशियम की रिबन को एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन में स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ब्राइट व्हाइट फ्लेम से जलता है साथ ही साथ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है बहुत ज्यादा हीट और लाइट निकालता है इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है क्योंकि दो चीजें मिलकर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक साथ ही साथ ये रिडॉक्स भी है रेड लिटमस पेपर न्यूट्रल और एसिडिक में लाल होता है बेसिक में ब्लू होता है तो यहां पर एम जी ओ -OH एच होल्टवाइ में नीला हो जाएगा अच्छा और आगे चलेंगे और आगे चलेंगे और आगे चलेंगे दोस्त और आगे चलेंगे अच्छा यहां पर चश्मा पहनना क्यों पड़ता है वो भी बता देता हूं ठीक है ना आपको यहां पर क्या पढ़ना पड़ता है यहां पर आपको चश्मा पहनना पड़ता है काला चश्मा पहनना पड़ता है ठीक है ना तो आपको सेफ्टी गॉगल्स पहनने पड़ते हैं सेफ्टी गॉगल्स ठीक है ना वाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन क्यों ऐसा क्यों होता है अरे मैग्नीशियम रिबन को जलाते हुए हमको चश्मा क्यों पहनना है काला काला जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बिकॉज बिकॉज यूवी रेडिएशन आर प्रोड्यूस्ड बेटा कौन सी रेडिएशन यूवी रेडिएशन आर प्रोड्यूस्ड यूवी रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड विच कॉज विच कॉज फोटो कैरेटाइटिस अभी बताऊंगा ये पूरी की पूरी बात ये पूरी कहानी क्या है ये क्या करता है फोटो कैरेटाइटिस फोटो कह रहे टाइटिस और परमानेंटली डैमेज द आई अब ध्यान से सुनना तुमने कभी सुना है कि सूर्य को नॉर्मल आंखों से नहीं देखना या जब वेल्डिंग हो रही होती है तो उस फ्लेम को डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना है रीजन क्या है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी आंखों में दर्द होने लग जाता है इसे फोटोकेरेटाइटिस कहते हैं क्या कहते हैं फोटोकेरेटाइटिस टेंरी पेनफुल कंडीशन ऑफ आई पेन इन आई ठीक है लेकिन आप इसके बावजूद भी अगर नहीं मानते हैं कि भैया मैं तो दर्द सहने के बाद भी देखूंगा तो भैया परमानेंटली आई डैमेज हो जाएगी यूवी रेडिएशन यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से तो इसी वजह से आपको काला चश्मा पहनना पड़ता है जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएं काला चश्मा पहनकर ताकि उससे जो यूवी रेडिएशन निकल रही है वो आपकी आंखों को डैमेज ना करे वेल्डिंग करते समय इसीलिए जो वेल्डर होते हैं काला चश्मा पहनते हैं देखा होगा आपने ठीक है चलिए बहुत बढ़िया ठीक है चलो अब देख बेटा सवाल नंबर उन्नीस जल्दी से देख बेटा जल्दी से देख जल्दी से देख जल्दी से देख जल्दी से देख, जल्दी से देख। कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग डीकंपोज टू गिव अंपाउंड वाई एंड अ गैस दैट अब यह कुछ भी हो सकता है कंपाउंड वाई ऑन डिजॉल्विंग इन वॉटर फॉर्म सबस्टांस डब्ल्यू अच्छा विच इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग अब यहां से मुझे समझ में आ रहा है व्हाइट वॉशिंग दीवार पे सफेद जो अपन पेंट करते हैं ना चूना वूना लगाते हैं हा तो व्हाइट वॉशिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं सुनील भाई क्या यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और वो किसको डिजोल्व करके बनाते हैं बर्न लाइम या क्विक लाइम या ओनली लाइम कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में गोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हां बहुत बढ़िया तो यहां पर वाई क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड इसको पानी में घोला तो बना बेसिकली हमारा W दैट इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ये होता है क्विक लाइन या इसको बोलते हैं बर्नट लाइन या इसको बेसिकली बोलते हैं ओनली लाइन ठीक है हाँ। इसको पानी में घोला तो डब्ल्यू बन गया अब दो से तीन दिन के बाद एक शाइनी फिनिश आती है दीवार पे क्योंकि कंपाउंड एक्स बन चुका है आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस को दीवार पे लगाया दो से तीन दिन के बाद आपकी दीवार सफेद सफेद चमकने लगी शाइनी फिनिश आ गई ऐसा क्यों होता है ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आफ्टर टू टू थ्री डेज होता क्या है कि आपका ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करके खुद के ऊपर एक ये सी एस सीओ थ्री की लेयर चढ़ा लेता है ठीक है ना शाइनी फिनिश ऑन वॉल्स बिकॉज ऑफ दिस ठीक है इसकी वजह से एक शाइनी फिनिश आ जाती है और यह पानी इवेपोरेट कर जाता है इवेपोरेट ठीक हाँ तो अब कंपाउंड एक्स कौन सा हो गया कंपाउंड एक्स हो गया था हमारे पास सी थ्री ठीक है इसने कहा ना आफ्टर टू टू थ्री डेज ऑफ व्हाइट वॉश शाइनी फिनिश ऑन द वॉल्स बिकॉज कंपाउंड एक्स इज फॉर्म ओवर द वॉल्स दो से तीन दिन के बाद एक्स बनता है एक्स के बनने से एक शाइनी फिनिश आती है अब पहले वाली रिएक्शन डी कर लो अ कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग डी कंपोजिस्ट टू गिव अ कंपाउंड वाई एन अ गैस जेड अरे दोस्त ये देख एक्स है एक्स को हीट किया तो कंपाउंड वाई और गैस जेड ठीक इसको हीट किया तो कंपाउंड वाई और गैस जेड मिलेगा बिल्कुल सही बात है तो यहां पर इन दोनों चीजें तो हमने कर ली एक्स वाई जेड डब्ल्यू आइडेंटिफाई कर लिया रिएक्शंस लिख ली एक इंपॉर्टेंट बात और देखना सी सीओ थ्री जो होता है इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट नोट करना दोस्त मेरे फटाफट फटाफट कैल्शियम कार्बोनेट इसका कॉमन नेम क्या है कॉमन नेम मार्बल लाइमस्टोन चौक ये इसके कॉमन नेम्स है ठीक है सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर में पूछा था व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूल ऑफ मार्बल सो द केमिकल फॉर्मूल ऑफ मार्बल इज CACO3 केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट कॉमन नेम्स मार्बल लाइमस्टोन या फिर चौक ठीक अब आप जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो बेसिकली क्या होगा दो ऑब्जर्वेशन देखो सबसे पहला तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो रिएक्शन बहुत 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 तेज हो reaction, reaction, तेज होगी वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन 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 होने लगती है स्पीड से रिएक्शन होने लगती है दूसरा बहुत ज्यादा हीट निकलने लगती है यहां पर इस रिएक्शन में यहां पर आप इस रिएक्शन में लिख सकते हैं यहां पर इधर बहुत ज्यादा हीट निकलने लगता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अब इस हीट की वजह से पानी यहां पर बॉइल होने लगता है और एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जैसे इसको आप पानी में डालेंगे तो आवाज आवाज आएगी की आने लगेगी आएगा क्योंकि को जैसे ही पानी में डाला रिएक्शन बहुत तेज हो रही है बहुत सारी हीट निकल रही है उस हीट से पानी जो है वो बेसिकली स्टीम बन रहा है बबूले बनने लगते हैं तो बुड़बुड़ की आवाज आने लगती है हिसिंग साउंड आने लगता है ना स्टीम बाहर निकल रही है तो आवाज आती है ऐसा तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछी जाती है प्लीज नोट इट डाउन प्लीज नोट इट डाउन मेरे दोस्त प्लीज नोट इट डाउन ठीक है एक भाई कह रहा है एग शेल तो बिल्कुल सही बात है सीए थ्री से एग शेल्स बने होते हैं एग शेल्स अंडे के जो खोल होते हैं एग शेल्स आर मेड फ्रॉम दिस ठीक तो बेसिकली जो अंडे के जो खोल होते हैं ना वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं आगे चलो भैया सवाल नंबर बीस देख भाई बिल्कुल एकदम टाइट कर दूंगा चैप्टर अभी तक ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं जिसको अपने छुआ नहीं है लगभग हर एक कंसेप्ट को छू लिया है और सवाल कर लिए है तो बिल्कुल सीरियस रहना भाई है ना शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स अ ब्लैक मेटल ऑक्साइड वाई एक शाइनी ब्राउन एलिमेंट यानी कॉपर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे अपन गर्म करेंगे तो ब्लैक कलर का कॉपर का ऑक्साइड बनेगा क्या बात है इस ब्लैक मेटल ऑक्साइड पर जैसे ही मैं गैस जेड को पास करूंगा यह वापस मेटल एक्स दे देगा एंड स्टीम बन जाएगी अब यहां पे क्या करना है कि भैया आप कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस को पास करो गर्म करते करते यह कॉपर प्लस एसटो दे देगा बिल्कुल सही बात है सही बात है बहुत सही मजा आ गया ओपी तो बस बेसिकली हमारे पास एक्स क्या है एक्स वाई और जेड क्या है एक्स इज कॉपर ठीक है

है ना? ऑन रिएक्टिंग विद से रिएक्ट करेगा आप हीट कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस वापस आपके आपके और यहाँ पर हो जाएगी आपके पास steam. तो ये आपको shiny brown या फिर reddish brown metal दे देगा ठीक है तो कॉपर को एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया तो काले कलर का कॉपर ऑक्साइड बना इस कॉपर ऑक्साइड पे अगर अपन ने हाइड्रोजन गैस को पास किया गर्म करते हुए तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा साथ ही साथ ये एच टू ओ बन जाएगा स्टीम निकल जाएगी ठीक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी है एक्स वाई जेड को हमने आइडेंटिफाई कर दिया है ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात कोई दिक्कत नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं भाई चलो आ जाओ बेटा पहले एफिशिएंसी हैक्स में तुमको देने जा रहा हूं जल्दी से नोट करना सारे के सारे तुम्हारे एफिशिएंसी बढ़ाने के हैक्स में यहां पे देने जा रहा हूं फटाफट से देखेंगे तो सुनील भाई आज के पहला एफिशिएंसी है क्या है सुनील भाई आज का पहला एफिशिएंसी है क्या है तो मैं आपको ऐसी खाने की चीजें बता रहा हूं जो आपके दिमाग को यानी आपके ब्रेन फंक्शन और मेमोरी पावर को इंप्रूव करेगा के दिमाग के काम करने का जो स्पीड है उसको और आपकी मेमोरी को इंप्रूव करेगा ध्यान से सुनना एग्जाम में जरूर से जरूर से खाना ये आपको डेफिनेटली कंज्यूम करने हैं एक तरीके से एग्जाम फूड्स मान लो इनको एग्जाम फूड्स लेना ही है इसके बिना नहीं जाना पेपर देने सुन बेटा क्या क्या खाना है सबसे पहला ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स वॉलनट यानी अखरोट बादाम फ्लेक्स सीड्स इनको जरूर से खाना है अगर है तो बहुत बढ़िया खाना है इनको दूसरा फ्लेवेनॉइड और क्यूरक्यूमिन ये होते हैं एंटी क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे ब्रेन की एजिंग को होने से रोकते हैं साथ ही साथ मेमोरी पावर को इंप्रूव करते हैं फ्लेवेनॉइड कहां होते हैं सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन हो गया ऑरेंज हो गया इसमें एपल्स में होते हैं पीनट्स में होते हैं डार्क चॉकलेट में होते हैं इससे आपका मूड भी बहुत अच्छा होने लगता है क्यूर कहां पर होता है हल्दी दूध जरूर से रात को पीकर सोना हल्दी दूध मतलब कि गोल्डन लिक्विड रात को पीने से पहले जरूर रात को सोने से पहले जरूर पीकर सोना टर्मरिक राइस यानी हल्दी वाले चावल जरूर खाओ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये आपके ब्रेन का फ्यूल है फ्यूल है ठीक है ना सो दिस इज बेसिकली द फ्यूल ऑफ योर ब्रेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अब इसमें आपको क्या करना है रेड बीन्स खाने हैं है ओट है मील लेनी है रेड बीन्स मतलब क्या हो गया राजमा की बात कर रहा हूं मैं राजमा जरूर से खाना पानी बहुत लोग कहेंगे सर पानी तो फूड नहीं है पानी तो अलग है पानी में कोई कैलोरी नहीं होती पानी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फूड इससे आपका माइंड जो होता है ना अलर्ट रहता है साथ ही साथ एंजाइटी नहीं होती है आपने देखा होगा कोई इंसान नर्वस हो रहा है डिप्रेशन में आ रहा है गिर रहा है पड़ रहा है तो लोग सबसे पहले पानी पिलाते हैं ये बॉडी को अलर्ट रखता है पानी बार बार पानी पियोगे तो यूरिनेट करने जाओगे बॉडी एक्टिव रहेगी बॉडी में फ्लूड मीडियम ज्यादा रहेगा न्यूट्रेंट्स का फ्लो अच्छा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रेंट अच्छा रहेगा तो दिमाग भी अच्छा चलेगा तो एग्जाम देने जाने से पहले पानी पीकर जाना है साथ ही साथ एग्जाम में पानी की बॉटल लेकर जानी है पर इतना पानी भी मत पी लेना कि एग्जाम में सिर्फ यूरिनेट करने ही जा रहे हो समझ में आया हाँ। समझ में आया हाँ। चलो भाई बहुत बढ़िया अब एक बार यहां पर प्यार की बरसात करना एक बार फटाफट से सुनील भैया को चाहिए प्यार फटाफट से एक बार आए के साथ प्यार बरसाना जल्दी जल्दी फटाफट आए के साथ प्यार बरसा देना जल्दी जल्दी आए के साथ प्यार की बारिश करना जल्दी जल्दी चैप्टर करेंगे फिर दस मिनट का ब्रेक लेंगे फिर मेटल्स नॉन मेटल्स करेंगे दस मिनट का ब्रेक लेंगे क्योंकि वो थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं ठीक है जल्दी जल्दी मैं भी थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक्स लेके आया हूं आप भी पीते रहिए खाते रहिए क्या बात क्या बात है बहुत बढ़िया यार मजा आ रहा है देखिए फिजिकल स्टेट लिखना मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये आपके आंसर को बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाता है और फिजिकल स्टेट लिखना कैसी इसकी ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई है वॉरियर में भी बताई थी तो ये प्लीज आप एक हैबिट रखिए कि आप जरूर से यहां पर फिजिकल स्टेट एग्जाम में लिख कर आपके आंसर को बहुत ही ज्यादा सॉलिड बनाता है और ऐसा है कि एग्जामिनर आपसे स्टेट्स पे सवाल पूछ सकता है कि कंप्लीट करो मिसिंग वेरिएबल बताओ या बताओ इसकी स्टेट क्या होगी डेफिनेटली पूछ सकता है ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है दोस्त चलिए तो खाना क्या है वो मैंने आपको बताया अभी जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं फ्लूड मीडियम ले रहा हूं तो आप लोग भी पानी वानी पीजिए जूस वूस लेते रहिए है, है ना एनर्जी होगी तो अपन पढ़ा पाएंगे और पढ़ पाएंगे नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है है ना चलो क्या बात है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स तो भैया एमसीक्यू वाला से स्टार्ट करेंगे जैसा अपना फ्लो है वैसा ही बना रहेगा आपको आखिरी तक बने रहना है हर चैप्टर के एमसीक्यू जरूर से कराऊंगा देखो बेटा सवाल नंबर पहला ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ मेटल एक्स अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन अ बर्निंग मैच इज ब्रॉट नियर इट अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड विच बर्न्स विच बर्न्स विथ अ पॉप साउंड यह स्टेटमेंट थोड़ा सा मिसिंग हो गया ठीक है विच बर्न विद साउंड मैस्टिक्रॉड नियर इट विच ऑफ द फॉलोइंग करेटली रिप्रेजेंट द मेटल एक्स इसमें से एक्स को कौन रिप्रेजेंट करता है जल्दी से बताओ तो आपके पास डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके अंदर आपने मेटल एक्स को डाला एक ऐसी गैस निकलती है जो कि पॉप साउंड से बर्न करती है अब आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मेटल एक्स को डिफाइन करता है ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक क्यों मैं बताता हूं सबसे पहले कंसेप्ट जो है यहां पर वो कंसेप्ट क्या है कंसेप्ट है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ठीक लेकिन ये रिएक्शन तब पॉसिबल है ये रिएक्शन तब पॉसिबल है जब आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज मोर देन हाइड्रोजन ऑफ एसिड जब आपके मेटल के रिएक्टिविटी एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाएगी तो ये इसको डिस्प्लेस कर लेगा जैसे कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो जिसको जिसको, जिसको यानी जिंक जिसको फिर लेकर हम यानी हाइड्रोजन तो जिंक का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो जिंक बना लेगा जिंक का क्लोराइड और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस ठीक है ये क्या हो गया यार एक मिनट ये क्या हो गया एक सेकंड दोस्तों ठीक है ठीक है स्क्रीन एक मिनट के लिए बंद हो गई थी ठीक है तो यहां पर ध्यान से फोकस करना मेटल आपके पास जिंक है जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो यहां पर जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बनाएगा जिंक का क्लोराइड और साथ ही साथ निकलेगी हाइड्रोजन गैस यहां पर ठीक जी भैया है ना अब देखिए यहां पर क्या होगा यह गलत क्यों है बाकी देखिए यह तो नॉन मेटल है यह तो नॉन -मेटल, तो मेटल है सल्फर और नॉन मेटल डोंट रिएक्ट डोंट रिएक्ट विद डायल्यूट एसिड्स क्यों एज दे कान डिस हाइड्रोजन ऑफ एसिड्स ठीक है भाई नॉन मेटल्स तो आपके एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते क्यों अरे भाई नॉन मेटल इसीलिए रिएक्ट नहीं करते बिकॉज वो हाइड्रोजन को डिसप्लेस नहीं कर सकते एसिड के तो यह तो पॉसिबल होगा ही नहीं ये तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता अब ये दोनों इनकरेक्ट क्यों है रिएक्टिविटी लोअर देन हाइड्रोजन अब इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है तो हाइड्रोजन को कहां से डिस्प्लेस करेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल ठीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अच्छा हाइड्रोजन गैस यहां पर कैसे रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस यहां पर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स रिलीज होगी अलॉन्ग विद फिजिंग एंड फोमिंग और इसको एफरवे कहते हैं तो हाइड्रोजन गैस जब यहां पर आप डाइल्यूट एसिड में जिंक के ग्रेन्यूल डालेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी याद रखिएगा जो हाइड्रोजन की गैस है ये बबल्स के फॉर्मेट में छोटे छोटे बबूले बना के निकलती है और साथ ही साथ फिजिंग और फॉर्मिंग की आवाज भी आती है ठीक है एक मिनट ये क्या हो गया यार प्लीज माफ मत कर देना भाई प्लीज माफ मत कर देना भाई आवाज आ रही है क्या मेरी आवाज आ रही है क्या मेरी स्क्रीन मेरे को विजिबल नहीं है तो एक बार एक बार मेरे को है ना मैंने दूसरी चैट ओपन करी है यहां पर प्लीज एक बार मुझे एक बार आई लिख दो यार यहां पर मेरे को चैट विजिबल नहीं हो रही है स्क्रीन थोड़ा सा दिक्कत हो गया एक बार बता देंगे दिख रहा है क्या दिख रहा है ठीक है ठीक है ठीक है आवाज आ रही है ना आवाज आ रही है चलो ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां पर सवाल को कंटिन्यू करते हैं एकदम से स्क्रीन ही बंद हो गया है भाई आप इसको चला दो फटाफट से ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं हम इसको यहां पर कंटिन्यू करते हैं मेरी आवाज आ रही है सभी को मेरी आवाज आ रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है यहां पर फोकस करेंगे तो जिंक रिएक्टिविटी यहां पर एचसीएल में हाइड्रोजन से ज्यादा होगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा हाइड्रोजन गैस जो यहां पर निकलेगी इन फॉर्म ऑफ़ फोमिंग अलॉन्ग कि बबूले तो निकलेंगे साथ ही साथ भी होगी ठीक है तो पर क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा, इस सवाल को सॉल्व करेंगे सवाल नंबर दो जल्दी से देखेंगे फटाफट से सवाल का आंसर मुझे बताएंगे इन द चैट बॉक्स जल्दी 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 से सवाल का आंसर बताएंगे फटाफट से बताएंगे फटाफट से लेट मी नो द आंसर इन टू चैट बॉक्स चैट ही नहीं दिख रही मेरे को क्या बात है क्या बात है एक मिनट चैट क्यों नहीं दिख रहा है ठीक है सर ब्रिस्क एफरवेशन और एफरवेशन पे क्या डिफरेंस है ब्रिस्क एफरवेशन और एफरवेशन पे डिफरेंस है कि अगर बहुत तेज इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है बहुत रैपिड होता है तो इसे ब्रिस्क कहते हैं वरना अगर नॉर्मल इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो इसे उसे कहते हैं अब एक भाई एक मिनट यहां पर एक बात कह रहे हैं कि आपने ऑक्सीजन का यहां पर रिडक्शन नहीं लिखा इधर आ जाओ भाई दिखा देते हैं तुमको कि हमने ऑक्सीजन का रिडक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है आ जाओ सवाल नंबर सत्रह में कह रहे हैं सवाल नंबर सत्रह ऑक्सीजन का रिडक्शन ही लिखा है भाई ठीक है कंफ्यूज मत हो आ जाओ इस सवाल पे आ जाओ इधर फोकस करते हैं चलिए इस सवाल पे फोकस करते अब देखिए यहां पर आपको वो बोल रहा है नेचर ऑफ सॉल्ट बेस और एसिड क्या होगा तो यहां पर देखते हम लोग ये हमारे पास हो जाएगा कॉपर का सल्फेट ठीक है अब अगर हमें ये देखना है कि भैया ये सॉल्ट का एसिड और बेस क्या होगा तो आपको मैंने ये चीज सिखाई है कि भैया ये जो होता है कटायन ये आपका कहां से आता है बेस से आता है तो ये बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और अनायन कहां से आता है अनायन हमारा आता है एसिड से तो एसिड कौन सा हो जाएगा भाई हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सर एसिड तो सल्फेट आएगा यहां से एसिड से तो एच टू एसओ फोर और कॉपर आएगा बेस से तो हाइड्रोक्साइड वाले सब्सटेंसेस हमारे पास क्या है बेस तो कॉपर हाइड्रोक्साइड अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा ए तो मेरे पास क्या हो गया अच्छा अब ये नेचर बताना है अब नेचर क्या होगा वो भी बता देता हूं ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और यह हमारे पास वीक बेस होता है पता है कि नहीं पता है बिल्कुल पता है सुनील भाई आपने बताया बहुत बार H2SO4 टू फोर स्ट्रॉन्ग एसिड है और यह वीक बेस है तो अगर आप इन दोनों का बराबर अमाउंट और बराबर कंसेंट्रेशन उठाए तो यहां पर यह इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो यह जो सॉल्ट होगा यह कैसा होगा यह एसिडिक सॉल्ट होगा और इस एसिडिक सॉल्ट का जो पीएच है वो बेसिकली किससे सात से कम होगा इसका जो पीएच हो जाएगा वो कितने से कम हो जाएगा सात से कम हो जाएगा तो यहां पे ए क्या हो गया सुनील भाई एसिडिक ए क्या हो गया एसिडिक एसिड क्या हो गया ए न्यूट्रल न्यूट्रोल भाग जाओ एसिडिक सही एसिडिक सही बेसिक ये दो ऑप्शन तो उड़ गए उसके बाद यहां पर बी हो जाएगा एच टू एसओ फोर बी हो जाएगा एच टू एसओ फोर तो यहां पर और जाना पड़ेगा आगे अब इसको भी देखते हैं अब देखो यहां पर हमारे पास एसिड क्या है एच टू सीओ थ्री है हमारे पास बेस क्या है NaOH है अब ध्यान से देखना ध्यान से देखना ये हमारे पास कटाइनिक पार्ट यह हमारे पास अनाइनिक पार्ट या हमारे पास कटायनिक पार्ट या हमारे पास अनायनिक पार्ट पार, पार। क्या बात है सुनील भैया कटायन एन चेंज करो दोस्त कटायन एनाइन चेंज करो दोस्त तो यहां पर क्या बनेगा यहां पर क्या बनेगा यह बनेगा एन ए टू सीओ थ्री साथ ही साथ एच और ओ OH एच क्या बना देंगे एच टू क्लियर है क्या बात पे दो आने है, तो यहां पे दो लगा दीजिए दो आने दो आने एक, कार्बोने, एक, कार्बोनेट, एक कार्बोनेट उसके बाद हाइड्रोजन यहां पर भी दो लगा दीजिए दो और दो चार चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन बिल्कुल बैलेंस्ड है ठीक है अब ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा वेरीफाई कर लेते हैं तो सुनील भाई ये वीक एसिड है सुनील भाई ये वीक एसिड है सुनील भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस है बेस और वीक एसिड तो ये जो सॉल्ट आएगा ये कैसा आ जाएगा बेसिक सॉल्ट आ जाएगा और बेसिक सॉल्ट का जो पीएच होता है वो सात से क्या होता है ज्यादा होता है मजा आ गया देखो एच टू ओ थ्री प्लस एन ए एच का एक्सचेंज करवाया तो ये बना एच टू ओ साथ में बना एन ए टू थ्री एन ए टू थ्री जो हमारे पास सॉल्ट है Na2CO3 टू सीओ थ्री जो हमारे पास सॉल्ट है ये बेसिक सॉल्ट है इसका पीएच सात से ज्यादा होता है ठीक है क्लियर है बात तो सी क्या हो जाएगा सॉल्ट क्या हो जाएगा एन टू सीओ थ्री हो जाएगा ठीक है अब एनए टू सीओ थ्री है न्यूट्रल ठीक है ये दो करेक्ट है ना तो एन टू सीओ थ्री यहां भी आ रहा है एनए टू सीओ थ्री यहां भी आ रहा है अरे रे तो डी पे जाना ही पड़ेगा डी <laughs> में जाना पड़ेगा भाई देख रहे हो सवाल कितना मजेदार है अब एनएच और एच से क्या बनेगा एनएच और एच से क्या बनेगा तो एन और एच से क्या बनेगा ये भी देख लो ये देखो भाई एनएच प्लस एचसीएल विल गिव्स ये कटाइनिक पार्ट ये अनाइनिक पार्ट कटैनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट चेंज करो बेटा जल्दी से चेंज करो एनए अरे वाह मजा आ गया प्लस ये हो जाएगा एच टूओ वाह वाह मजा आ गया अब सुनील भाई इसका नेचर क्या होगा इसका नेचर क्या होगा अरे आपको पता है बेस है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होगा न्यूट्रल होगा बात खत्म हो गई कैसा सॉल्ट होगा न्यूट्रल होगा ठीक एसिडिक एस्ट्रोस एन ए टू बेसिक गलत ये न्यूट्रल सही सी आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक चलो फटाफट से एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं यहां पर ये ना थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से प्रॉब्लम आया तो उसको हटा दीजिएगा अभी यहां पे फोकस करते हैं तो हमारे पास सी यूएसओ फोर सॉल्ट था कटायन आता है बेस से हाइड्रोक्साइड वाले होंगे बेसिस तो कॉपर हाइड्रोक्साइड सल्फेट अब सल्फेट एसिड

वैनीपुटा रॉ एग रॉ एग सी ए सीओ थ्री से बना होता है इनसाइड कंटेनिंग विनेगर विनेगर क्या होता है सी एच थ्री सी डब्लू एच सिरका डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसेटिक एसिड देर आर बबल्स ऑफ गैस एक्स आइडेंटिफाई द गैस एक्स जल्दी से फटाफट आंसर देंगे फटाफट 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 सीओ टू सेप्ट कौन सा सुनील भाई अरे भाई मेटल की कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो बनेगी भैया साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सुन रहे हो मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर अम्ल के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा अब फोकस करना यहां पे रॉ एग अंडे के जो खोल होते हैं मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं तो ये देखो बेटा कटायन और ये देखो बेटा अनायन बहुत बढ़िया भैया सी एच थ्री सी डबलओ एच यहां पर यहां पर सी एच थ्री सी डबलओ वन माइनस ये एसिटेट अनायन होता है ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अनायन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कटायन हो जाएगा अब कटायन अनायंस को एक्सचेंज करेंगे कटायन अनायंस को एक्सचेंज करेंगे यहां पर काटायन सरायन्स को एक्सचेंज करेंगे यहां पर काटायन अनायन काटायन अनायन इनको एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा ये ये काटायन एंसरायन के साथ तो ये क्या बना कैल्शियम एसिटेट बना साथ ही साथ H और CO3 मिलकर क्या बनाएंगे H और CO3 मिलकर क्या बनाएंगे H और CO3 मिलकर बनाएंगे H2CO3 एच टू सीओ थ्री डिसोसिएट होता है वॉटर और सीओ टू के अंदर समझ रहे हो मैंने क्या बोला मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड या 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 को एक्सचेंज करो ये क्या बना ये बना कैल्शियम एसिटेट उसके बाद H और CO3 मिलकर बनाएंगे एच टू सीओ थ्री जो डिसोसिएट होता है वॉटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ठीक है अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बबल्स विद फिजिंग एंड फोमिंग एंड दिस इज नोन एज एफरवेसेंस अब अगेन यहां पर गैस बबल्स के फॉर्मेट में निकलेगी साथ साथ ही फिजिंग और फोमिंग होगा इसे एफरवेसेंस कहते हैं क्लियर है बात जी भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रिएक्शन का टाइप क्या होगा देखो सबसे पहले तो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ।, हुआ? हुआ कैसे हुआ देखो कटाइंस एक्सचेंज हुए तो ये और ये बना एच टू सीओ थ्री बाद में टूटता है एच टू और सीओ टू के अंदर ठीक है ना हाँ अब डबल डिस्प्लेसमेंट का कौन सा प्रकार है ये गैस फॉर्मिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तीन प्रकार न्यूट्रलाइजेशन प्रेसिपिटेशन गैस फॉर्मिंग ये बेसिकली गैस फॉर्मिंग रिएक्शन का टाइप होगा क्लियर है क्या बात अरे समझ में आ रही क्या बात क्लियर है क्या बात एक तो मेरे को चैट नजर नहीं आ रही कैसे क्लियर होगी बात क्या है भाई ये ठीक है चलो चलो बहुत बढ़िया तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक अब इसके साथ यहां पर एक बढ़िया चीज आपको बताता हूं ध्यान से देखिए कन्फर्मेटरी टेस्ट अगर आ जाए कन्फर्मेशन टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सीओ टू आपको किसी ने बोला कि सीओ टू का कंफर्मेशन करना है कैसे करोगे पहला टेस्ट देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की करती है भाई लाइम वाटर क्या होता है कलरलेस सोल्यूशन होता है कलरलेस सोल्यूशन होता है लाइम वाटर तो लाइम वाटर होता है कलरलेस सोल्यूशन इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी तो यहां पर यह व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड और इसकी वजह से सोल्यूशन जो है मिल्की या टर्बिड हो जाता है पता है ना ये इसकी कंफर्मेशन है बेटा क्या बोल रहा हूं मैं कलरलेस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल दें तो ये सल्यूशन मिल्की या टर्बिड हो जाता है यानी बिल्कुल दूध जैसा धुंधला धुंधला हो जाता है जैसे कि पानी में एक चम्मच दूध डाला तो जैसा धुंधला हो जाएगा वैसा धुंधला या टर्बिड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वॉटर तो यह पहला कंफर्मेशन है ये है कंफर्मेटरी टेस्ट दिस इज बेसिकली दि कंफर्मेटरी टेस्ट फर्स्ट लेकिन इसमें कंडीशन है अगर आपने एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी तब मान लो आप एक्सिस में डालते ही जा रहे हो डालते ही जा रहे हो डालते ही जा रहे हो सीओ टू गैस तो क्या होगा ये सी ए सीओ थ्री प्लस एच टू लिक्विड प्लस सीओ टू यह एक सोल्यूबल प्रोडक्ट बना देंगे क्या बना देंगे सोल्यूबल प्रोडक्ट जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा याद रखोगे तो पहला कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सीओ टू क्या है अरे भाई लाइम वाटर से अगर आप पास करोगे तो कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लाइम वॉटर विल टर्न मिल्की या टर्बिड ठीक है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहां पर जो कॉमन नेम हमने लिया है वो बेसिकली क्या है लाइम वॉटर ठीक है सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इन वॉटर इज बेसिकली लाइम वॉटर ठीक क्लियर है बात सुनील भाई और कंफर्मेटरी टेस्ट बता दीजिए फटाफट से एक और कंफर्मेटरी टेस्ट बताता हूं आ जाओ टेस्ट नंबर टू और टेस्ट नंबर थ्री तीन बताता हूं एक साथ आ जाओ तुम्हें मजे दिलाता हूं मान लो तुम लाल लिटमस को ले आए तो गीला मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड सॉरी मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे आपको क्या करना है ब्लू लिटमस पेपर गीला करके ले आओ, गीला करके यानी पानी में डाल के लिटमस पेपर को गीला करके पानी में डाल के अब जहां से सीओ गैस निकल रही होगी ना वो इस लिटमस पेपर को नीले से लाल बनाएगी क्यों सिंपल सी बात है सिंपल सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलता है पानी बनाती है एसिड यानी एच टू सीओ थ्री कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड की वजह से वो क्या हो जाता है लाल हो जाता है समझ में आया तो पहला कंफर्मेटरी टेस्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस यानी लाइम वाटर को मिल्की कर देती है दूसरा मॉइस्ट डू लिटमस पेपर को लाल कर देती है मॉइस्ट डू लिटमस पेपर को लाल कर देती है और तीसरा तीसरा एक्सटिंग फायर ठीक है बर्निंग कैंडल बाय डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन टेक्निकली स्मोदरिंग बोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक कंफर्मेशन और है जो आपकी बुक के अंदर ही है कि जलती भी कैंडल को बुझा देती है क्यों क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस से भारी है उसको भगा देती है और आग को भुझा देती है इस प्रोसेस को टेक्निकली स्मोदरिंग कहते हैं तीन टेस्ट एक साथ बता दिए याद रख लेना तीनों ही कोर्स में है। ठीक है ठीक है तो पहला कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सीओ टू क्या है भाई कलरलेस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में सीओ टू डाला तो यह सोल्यूशन जाएगा ड्यू टू द देशन सीओ थ्री दूसरा आप मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर यानी ब्लू लिटमस पेपर को गीला करके ले आइए जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को H2 मिलेगा एसिडिक बना देगी ना H2CO3 बना देगी तो लाल कर देगा उसको तीसरा आप जलती हुई कैंडल पास में मिला बुझा देगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी उसको भगा देगी तो ऑक्सीजन गई तो बुझना चालू है ठीक चलो भाई अगला सवाल जल्दी जल्दी मचाएगा बवाल सवाल नंबर चार जल्दी जल्दी सवाल क्या है बहुत बढ़िया सवाल है सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर का सवाल है अगेन अ कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सीएफ क्यू है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है सीएफ क्यू जल्दी 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 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस को अपन व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं ठीक है हाँ। जल्दी 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 फटाफट से क्या होगा आंसर देखो अ सल्यूशन ऑफ अ बेस विद अ पॉइंट वन इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डिक्रीज इट्स पीएच ठीक है अब क्या क्या हम कर सकते हैं उसके पीएच को घटाने के लिए जैसे मान लीजिए कि यहां पर रूम टेम्परेचर ध्यान से देखना भाई रूम टेम्परेचर जो होता है तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस उसमें पीएच की जो रेंज है वो जीरो से लेकर चौदह तक लाया करती है और सात पे यहां पर क्या होता है सात पे यहां पर न्यूट्रल होता है ठीक है हा अब आप जैसे ही इसके अंदर डिस्टिल वाटर को डालेंगे ठीक है इसका पीएच लगभग यहां पे है 12.1 पे है। है, अब ये कह रहा विच ऑफ टू डिक्रीज इट्स को घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं मतलब इसको यहां लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं पहला डिस्टिल वाटर टू इट अगर आपने डिस्टिल वाटर डाल दिया तो बिल्कुल सही है डिस्टल वाटर का मतलब क्या हो गया आप डाइल्यूशन कर रहे हैं डाइल्यूशन से क्या होगा कि भाई नंबर ऑफ ओ एच माइनस एक्वस आयन डिक्रीज़ेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन बिल्कुल सही बात है भाई अगर आप डाइल्यूशन करोगे ना तो नंबर ऑफ ओ एच माइनस एक्साइन पर क्या होंगे डिक्रीज होंगे भाई आप पानी डाली जा हो डाली जा रो 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 डायल्यूट करते जा रहे हो तो वो कहीं स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ी बचेगा वो तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा वीक होता जाएगा वीक होता जाएगा वीक होता जाएगा ठीक है तो तो ये तो बिल्कुल सही तरीका है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये तो बिल्कुल सही तरीका है एड अ सल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट बेस विद पीएच 8.7 अगर आपने पीएच 8.7 वाले को डाल दिया तब भी हो जाएगा क्योंकि ये क्या करेगा ये और ये आपस में रिया करेंगे तो ये वीकर बेस है तो ये पीएच को घटाने की कोशिश करेगा एड्यू ड्रॉप एन एसिड विद पीएच ये भी करेगा अरे एसिड का पीएच तो किधर होता है ये एसिडिक नेचर है ना इधर ये इधर क्या है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है अब आपने एसिड मान लो छह पीएच का लगा दिया या चार का या पांच का लगा दिया बिल्कुल डेफिनेटली पीएच यहां पर आएगा क्योंकि ये एसिड करेगा इसको बोलेगा न्यूट्रलाइज करते आ जा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा समझ में आ गई बात तो यहां पर तो मेरे हिसाब से तीनों ही सही है और आपके हिसाब से भी तीनों सही होने चाहिए तो अरे ये ऑप्शन क्या लिखे हुए ऑप्शन 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 गलत ऑप्शन गलत ऑप्शन गलत है ऑप्शन गलत है यहां पर इसको हटा दीजिए ऑप्शन गलत है बाय मिस्टेक मैं चेंज नहीं किए ऑप्शन हो जाएगा ऑल आर करेक्ट ठीक है ऑल आर करेक्ट तो ऑल आर करेक्ट हियर ठीक है चलो आगे चलते हैं सवाल नंबर पांचवा फटाफट से करेंगे सवाल नंबर पांचवा फटाफट से करेंगे अब ब्लैक मेटल ऑक्साइड एक्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अनादर कंपाउंड वाई टर्न्स द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टू द ब्लू ग्रीन आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन अब देखिए ब्लैक मेटल ऑक्साइड तो मेरे दिमाग में एक चीज याद है मुझे कि ये येलो कलर का ऑक्साइड है तो आप तो भाग जाओ ये रेड कलर का ऑक्साइड है आप भी भाग जाओ ये ब्लैक कलर का ऑक्साइड है आप भी भाग, आप तो रहो और यह व्हाइट कलर का ऑक्साइड है तो आप भी भाग जाओ आंसर मेरे को इतना पता है तो भी आंसर यह आ गया इतने से भी आंसर आएगा तो ब्लैक मेटल ऑक्साइड हमारे पास क्या है एक्स दिस इज एक्स कौन से कलर का है काले कलर का है ध्यान से फोकस करना कटायनिक पार्ट अनायनिक पार्ट ये बेसिकली कटायनिक पार्ट और ये अनायनिक पार्ट ये कलरलेस सोल्यूशन है तो ब्लैक मेटल ऑक्साइड एक्स ये येलो है ये रेड है ये ब्लैक है ये व्हाइट है तो ब्लैक मेटल ऑक्साइड एक्स कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रियक्ट करवाएंगे अरे भाई ये ये या चेंज करो इसका 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 मतलब अरे इसकी इसके नाइन के साथ तो क्या बन गया कॉपर का क्लोराइड कौन सा सल्यूशन का कलर अरे ब्लू ग्रीन ये ब्लू ग्रीन हो जाएगा ब्लू ग्रीन सोल्यूशन हो जाएगा और हाइड्रोजन ये एच और ओ यानी बन गया एच टू ओ तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है सुनील भाई ये किस प्रकार की रिएक्शन है सुनील भाई अगर ये एसिड ये सॉल्ट प्लस वाटर तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये बेस की तरह एक्ट कर रहा होगा यानी रिएक्शन क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट तो थी ही थी अब डबल डिस्प्लेसमेंट के तीन प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताओ पहला प्रसिपिटेशन एक इन सॉलिड बनेगा दूसरा गैस फॉर्मिंग यानी कि गैस का निर्माण होगा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ था पीछे यहां पर देखा। यह देखो ये देखो ये गैस फॉर्मिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है सीओ का निर्माण हो रहा है और यहां पर तीसरा होता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक है मेरे राजा बेटा हाँ। तो इससे एक कंक्लूजन मैं लू कि भाई ये मेटल का ऑक्साइड बेस की तरह एक्ट कर रहा है हां भैया तो कुछ मेटल के ऑक्साइड्स मेटल के हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में मेटल के ऑक्साइड्स का दो नेचर होता है मेटल के ऑक्साइड्स के दो नेचर होते हैं एक बेसिक दूसरा एम्फोटेरिक ठीक है अब बेसिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं जैसे मान लीजिए एन ए टू ओ सी टू ओ और एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं भाई एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जिंक का ऑक्साइड एटसेट्रा एम्फोटेरिक का मतलब एसिड एज वेल एज बेस

क्लियर है बात क्लियर है बात रिवीजन हो रहा है क्लियर है बात चलो भाई आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा सवाल नंबर छह सीबीएसई के पिछले साल के प्रैक्टिस पेपर का सवाल बच्चे बेहाल हो गए थे इस सवाल पे लास्ट ईयर का प्रैक्टिस पेपर का सवाल है लास्ट ईयर प्रैक्टिस पेपर आप खुद सोचोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा लास्ट ईयर के प्रैक्टिस पेपर का सवाल है ऐसा सवाल आ गया तो एग्जाम में कंसेप्ट के साथ साथ एनालिटिकल स्किल्स भी चेक करके चला जाएगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ अरे यार इधर आ जाओ इधर आ जाओ कोई भी आकर स्पैमिंग स्वैमिंग करता तुम रिस्पॉन्ड करते हो अभी सुनील भी आके सामने बच्चे हैं सब अरे बड़े हो जाओ फिर आना द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन द एडिशन ऑफ दोप सोल्यूशन वेन सबस्टांस इज एडेड टू टर्मरिक देर इज नो चेंज इन कलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट पी अब ध्यान से सुनना राजा बेटा इस कंसेप्ट को इस सवाल को करने के लिए कंसेप्ट चाहिए पूरा फोकस यहां पे चैट छोड़ दो नहीं देखना चैट यहां पर फोकस कर रहा देखो सवाल सुनो मेरे को यह पता है टर्मरिक मतलब हल्दी सवाल को समझो जल्दी जल्दी अगर मैं बात करता हूं एसिडिक मीडियम की मैं बात करता हूं न्यूट्रल मीडियम की या मैं बात करता हूं बेसिक मीडियम की ठीक है कर लो करो बात करो इन दोनों मीडियम में येल्लो कलर का इन दोनों मीडियम में ये येल्लो ही रहता है बहुत बढ़िया टॉकिंग अबाउट दिस ये बेसिकली ब्रिक रेड है इधर फोकस करो यार कंसेप्ट कंसेप्ट देखो ध्यान से टर्मरिक एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में येलो रहता है बेसिक मीडियम में ब्रिक रेड रहता है मेरा प्यारे बच्चों यह है तुम्हारा मेन कंसेप्ट अब यह कहा बोल रहा है तुम ध्यान से सुनना यह बोल रहा है वेन सब्सटांस पी इज एडेड टू टर्मरिक देर इज नो चेंज इन द कलर लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेम चेंजर यह है हमेशा के लिए डेफिनेटली ट्रू अबाउट द सबस्टांस पी यानी शत प्रतिशत सत्य है क्या होगा वो हो? अब देख राजा बेटा मेरी बात समझ पी जो है वो क्या क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है पी एसिड हो सकता है पी पी एसिडिक सॉल्ट हो सकता है ठीक है पी न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है पी, कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस हो सकता है जैसे कि पानी ठीक पी कोई एसिड हो सकता है पी कोई एसिडिक सॉल्ट हो सकता है पी कोई न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकता है या पी न्यूट्रल सब्सटेंस हो सकता है एसिड और न्यूट्रल में ही तो पीला है इसलिए क्या बोला जब सब्सटेंस पी को टर्मरिक में डाला तो कलर में चेंज नहीं आया जिंगा लाला तो कलर में चेंज नहीं आने की चार पॉसिबिलिटी है या तो एसिड होगा या न्यूट्रल होगा या एसिडिक सॉल्ट होगा न्यूट्रल सॉल्ट होगा चार पॉसिबिलिटी में गेम चल रही है हा अब उसने क्या बोला पी इज एन एसिड अच्छा बच्चे बोलेंगे सही है अब एक गलत है मेरे भाई क्यों कैन बी अ न्यूट्रल सब्सटेंस एज वेल अगर वो ऐसे बोलता अगर वो ऐसे बोलता मेरे राजा बेटा कि पी कैन बी एन एसिड एज वेल एज न्यूट्रल सब्सटेंस

सॉल्ट गलत क्यों सॉल्ट हो सकता है पी इज नॉट अ बेस ये हंड्रेड परसेंट सत्य है क्यों पी बेस तो नहीं हो सकता बेस में ही कलर चेंज होगा समझ में आया अरे मजा आया क्या सवाल में सवाल में मजा आया क्या तुमको मजा आने वाला सवाल था समझ में आया भाई टर्मरिक एसिड और न्यूट्रल में येलो है बेस में ब्रिक रेड है

ज एन एसिड और अ न्यूट्रल सबस्टांस तो यह सही हो जाता यह डेफिनेटली ट्रू सबस्टांस होता पॉसिबिलिटी ली तुमने पहली दूसरा पी इज एन एसिडिक और अ न्यूट्रल सोल्ट तब भी सही हो जाता समझ रहे हो देखो कंसेप्ट का खेला है बेटा रटोगे तो कुछ नहीं चलेगा यह कंसेप्ट का खेल है यह भी डेफिनेटली ट्रू हो जाएंगे अब इसमें और पॉसिबिलिटी बना लो पी इज एन एसिड एंड अ न्यूट्रल सॉल्ट पी इज एन न्यूट्रल सॉल्ट और एन एसिडिक सब्सटेंस ऐसे करके बनाते जाओ तो ये आपके डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट बन सकते हैं आपने सिर्फ ये बोला मतलब आपने इसको इग्नोर किया आपने ये बोला मतलब आपने इसको इग्नोर किया इग्नोर नहीं करना ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा अब यहां पे गिवन ऑप्शंस में ये सही है करेक्ट आंसर आगे चलो सवाल नंबर सातवा करा चुका हूं लगभग ध्यान से देखो जल्दी 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 समय नहीं है बहुत तेज करना है भाई जल्दी 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 <coughs> भाई बेसिक सॉल्ट होगा तो लाल हो जाएगा ना पी कैन बी अ बेसिक सॉल्ट कैसे हो सकता है पी कैन नॉट बी अ बेसिक सॉल्ट सही होगा ना पिछले वाले में पी कैन नॉट बी अ बेसिक सॉल्ट या पी कैन नॉट बी अ बेस ये सही हो सकता है अब ध्यान से देखो असर्शन मतलब पहली स्टेटमेंट रीजन मतलब की दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है एच ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर कॉपर सल्फेट इज द सॉल्ट ऑफ अ दॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड अब देख बेटा कॉपर सल्फेट ये सॉल्ट प्लस वॉटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना रहा हूं सुनील भाई इसका एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा बेटा अनायन कहां से आता है सुनील भैया अनायन तो एसिड से आता है तो लिख दे बेटा एसिड कौन सा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिड तो सल्फेट और हाइड्रोजन क्या मिल जाएंगे h2so4 प्लस बेटा ये कहां से आता है ये बेस से आता है सुनील भाई तो हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर बेसिस लिख दिया हाँ लिख दिया अब देख बेटा इसको लिख ये स्ट्रांग एसिड है हाँ सुनील भाई ये स्ट्रांग एसिड है ये क्या है सुनील भाई ये वीक बेस है क्या बात है सुनील भाई मजा आ गया सुनील भाई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा तो इसकी जो पीएच है वो साथ से क्या हो जाएगी? हो जाएगी जाएगी सुनील भाई कम खत्म बिल्कुल सही तो पीएच ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड गलत बात है ना वीक बेस एंड स्ट्रोंग एसिड तभी तो एसिडिक सॉल्ट आया अगेन ये कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन था करेक्ट आंसर क्या होगा असर्शन असर्शन ट्रू ट्रू बट बट रीजन रीजन फॉल्स फॉल्स ठीक चलो अगला सवाल सवाल नंबर आठ द एक्व सल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर एक्व सोल्यूशन ऑफ एवरी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट गिव एच प्लस आयोस देखो तो जो एक्व सोल्यूशन है ग्लूकोज और एल्कोहल के ये बेसिकली आपका एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं नाउ एक्व सोल्यूशन ऑफ एवरी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नॉट गिव जल्दी से बताइए फटाफट से बताओ जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर सी ए सी ए सी क्या हो जाएगा एसी 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 द एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर जो इनके एक्वा सोल्यूशन होते हैं ये एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करते सही है ना ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते एक्वा सोल्यूशन ऑफ एवरी हाइड्रोजन कंटेनिंग अमाउंट डज नॉट गिव एच प्लस साइंस ट्रू ये भी सही है

तो यहां पर एसिडिक कैरेक्टर किस वजह से होता है एसिडिक कैरेक्टर इज बिकॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर किस वजह से होता है बिकॉज ऑफ एच प्लस एक्वासायंस ठीक है एसिडिक कैरेक्टर होता है बिकॉज ऑफ एच प्लस एक्वासायंस एसिडिक कैरेक्टर होता है बिकॉज ऑफ एच प्लस ये कह रहा है कि ये दोनों एसिडिक शो नहीं करेंगे अरे नहीं करेंगे क्योंकि H नहीं देंगे इसलिए नहीं करेंगे तो समझ तो तो में आया अरे भाई बी क्यों होगा एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड नॉट शो एसिडिक बिल्कुल सही है

सीबीएसई के प्रीवियस के सवाल लगाएंगे आ जाओ फटाफट से अब ये सवाल आया हमारे पास सीबीएससी दो हजार 2009 में ठीक है ये CBSC 2009 में सवाल आया, जल्दी से मुझे बताएंगे अब ये मोलर पे आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं देना देखिए ये इसकी कंसनट्रेशन को डिफाइन कर रहा है ये वाला ये तो इससे आपको ये समझना है कि सेम कंसंट्रेशन है क्या है सेम कंसेंट्रेशन ठीक है ना सेम कंसेंट्रेशन इतना समझ के चलो अब ये बोल रहा है कि मान लीजिए आपने सेम कंसेंट्रेशन का एच उठाया और सेम कंसेंट्रेशन का सी एस थ्री सी डब्लू एच उठाया तो कौन ज्यादा एच प्लस एक्वासाइंस देगा अब देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यहां पर हमें पता है कि जब हम एचसीएल को पानी में डिजोल्व करेंगे

पानी में गए तो टूटेंगे छपाक ओ भाई साहब छपाक हो गया ओ भाई साहब अटीन तो छपाक चल रही है, और ये कैसे डिसोसिएट होगा सुनील भाई सुनील भाई ऐसे डिसोसिएट होगा तो यहां पर आपको एक छोटी सी चीज जो समझनी है ना मेरे दोस्त वो ये समझनी है कि अगर आप सेम कंसंट्रेशन का एचसीएल सी और सेम कंसेंट्रेशन में अगर एसिटिक एसिड acid को लेंगे तो यहां पर एच क्या करेगा एच आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एच आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा एच प्लस एक्वस और सीएल एक्वस लीजिए सौ पार्टिकल थे सौ के सौ एच प्लस एक्व देंगे लेकिन ये आपका रिलेटिवली वीक एसिड की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इसके सौ पार्टिकल में से सिर्फ पचास ही एच प्लस दे रहे होंगे समझ में आ गई मेरी बात तो यहां पर यहां पर इधर वाले केस में हमारे पास मोर एच प्लस एक्वस आयन होंगे आयन तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर यहां पर क्या हो जाएगा इस केस में क्या हो जाएगा मोर एसिडिक कैरेक्टर और यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा लेस एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा समझ में आ गई मेरी बात क्लियर है मेरी बात इज दिस क्लियर गाइस क्लियर गाइस तो भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा एंस में ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा एंस में यहां पर ज्यादा एच प्लस एक्वस निकलेंगे इसके कंपैरिजन में ज्यादा एच प्लस एक्वस एन होंगे तो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर यहां पर लेस एसिडिक कैरेक्टर होगा ठीक है ठीक है चलो आ जाओ बेटा फटाफट से फटाफट से राजा बेटा आ जाओ सवाल नंबर दसवा सीबीएसई बी दो हजार दस बहुत सारे सवाल होंगे सब चीजों का रिवीजन भी हो जाएगा अभी ध्यान से देखो मजा आ जाएगा तुमको ध्यान से देखो बस पूरा फोकस अटेंशन यहीं पर रखना राइट द नेम राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फोर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन स्लेक्ट लाइन तो जैसे ही हमारा जो स्लेक् लाइम है यह स्लेक् लाइम है ड्राई स्लेग लाइम यानी कि सॉलिड स्टेट में है इससे क्लोरीन गैस जैसे ही इंट्रैक्ट करती है तो यह बेसिकली किसका निर्माण करती है यह निर्माण करती है यहां पर ब्लीचिंग पाउडर या फिर जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका निर्माण करती है साथ में स्टीम का निर्माण होता है ठीक है तो राइट द केमिकल ऑफ द प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन स्लेक्ड लाइम तो जैसे क्लोरीन गैस ड्राई स्लेक्ड लाइम से रिएक्ट करेगी सीओ सी एल टू प्लस एस टू बनेगा दिस इज ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ठीक है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो बेसिकली एक येलोइश व्हाइट पाउडर होता है कैसा येलोइश वाइट पाउडर ठीक है और यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिस मतलब मतलब अरे मतलब जल्दी जल्दी बताओ मतलब क्या है मतलब यह है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और डिस की तरह भी काम करता है मतलब कीटाणुओं और जर्म्स को मारने का काम करता है नॉन लिविंग सर्फेसिस पे कीटाणु और जम्स को मारता है तो डिस की तरह भी काम करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है ठीक है उसी के साथ साथ यह किसके लिए काम आता है टू डी कलराइज टू डी कलराइज ऑब्जेक्ट यानी कि

राजा बेटा सारे के सारे सवाल नंबर 11 करेंगे एक भाई करा रिकॉर्डेड है ये देख भाई हाथ देख ओ मेरे भाई हाथ देख दिख रहा है क्या अब बता दे आंसर बता दे यार <laughs> सुनील भी यार रिक्वेस्ट कर रहे है आंसर बता दे भाई जल्दी से आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा रिकॉर्डेड नहीं भाई लाइव है रिकॉर्डेड होता तो मैं पूछता नहीं रिस्पांस 100 सवाल लगभग करेंगे सब एक से एक इंग्लिश अच्छा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है यार इंग्लिश अच्छा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अभी जो है उसको संभालते हैं इंग्लिश को अभी छोड़ देते हैं जो चला गया वो चला गया वो अपने हाथ में नहीं है हमारे हाथ में फ्यूचर है लेट्स थिंक अबाउट फ्यूचर हमें आगे क्या करना है ठीक है बहुत बढ़िया देखो बेटा ये कंसेप्ट यहां पे समझना कंसेप्ट समझना हमें पता है कि एट रूम टेंपरेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे जो पीएच का रेंज होता है पीएच रेंजेस फ्रॉम जीरो ट्वेंटी 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच का जो रेंज होता है वो जीरो से लेकर चौदह तक होता है यानी कहां से कहां तक वो जीरो से लेकर जीरो से लेकर कहां तक होता है चौदह तक होता है फोर्टीन तक होता है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे ध्यान से सुनना सात पे न्यूट्रल होता है सात पे न्यूट्रल क्यों होता है अब देखो ये भी समझना सात पे न्यूट्रल इसीलिए होता है बेटा क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑफ एच प्लस एक्वस आयन इज इक्वल टू ओ एच माइनस एक्वस आयन एक्टर एच प्लस एक्व आयन की वजह से हमारा कौन सा कैरेक्टर है और हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर आता है और इसकी वजह से हमारे पास कौन सा कैरेक्टर आता है बेसिक कैरेक्टर आता है आपको समझना पड़ेगा इसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर इसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर तो सात जब पीएच है रूम टेम्परेचर पे तो कंसेंट्रेशन बराबर है अरे भाई जितना एच प्लस है मेरे राजा बेटा उतना ही ओ एच माइनस एक्वस आयन है समझ में आया बहुत बढ़िया अब देख बेटा इस तरफ जाते हैं अगर हम इस तरफ जाते हैं सात से कम पे जाते हैं तो एच प्लस एक्वस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी इंक्रीज होने लगेगी इसको एच प्लस एक्वस आयन कर दो एच प्लस एक्वस आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो आपकी बढ़ने लगेगी और इधर क्या होगा आपकी H प्लस एक्वस आयन की कंसेंट्रेशन घटने लगेगी मतलब सात से हम आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पे जा रहे हैं तो H प्लस एक्वस आयन की कंसेंट्रेशन घट रही है और और OH माइनस एक्वस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है अगर एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी ठीक सात पे दोनों बराबर है इसलिए न्यूट्रल है सात के बाद आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह अगर ऐसे जा रहे हैं तो H प्लस एक्वासाइन की कंसेंट्रेशन घटेगी और OH एच माइनस एक्वासाइन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी साथ ही साथ अगर हम सात से कम पे जा रहे हैं छह पांच चार तीन दो एक तो H प्लस एक्वासाइन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और OH एच माइनस एक्वस आयन का कंसंट्रेशन घटेगा ठीक है बहुत बढ़िया अब ध्यान से देखो यू हैव टू सोल्यूशन एंड बी दी एच ऑफ सोल्यूशन ए इज सिक्स एंड पी एच ऑफ सोल्यूशन बीज एट विच सोल्यूशन हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन विच ऑफ दिस इज इज एसिडिक एंड बेसिक अब देखो इसने बोला एक तो हमारे पास है यहां पर छ पे और एक हमारे पास है यहां पर आठ पे अब खुद बताओ जो छ पे होगा उस पर क्या होगा जैसे ही लेफ्ट पे जा रहे हैं तो H प्लस एक्स एन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और राइट पे जा रहे तो एच प्लस एक्वासाइन की कंसेंट्रेशन घटेगी तो एच प्लस एक्वासाइनसेंट्रेशन ज्यादा कहां पे है ज्यादा कहां पे विच सोल्यूशनोजन सोल्यूशन ए ठीक है सोलूशन ए के अंदर एच प्लस एक्वाइन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है बहुत बढ़िया विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच ऑफ दिस इज बेसिक तो देखिए ये वाला जो है ए जो हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा एसिडिक बी जो हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा बेसिक ठीक क्लियर है बात डन तो सुनील भाई पहला हो गया दूसरा कराओ वॉट इफेक्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एक्वासाइन ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन एच प्लस एक्वासाइन कंसेंट्रेशन अगर एच प्लस एक्वासाइन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा क्या होगा लेफ्ट से राइट right में जा रहे हैं अगर छह पांच चार तीन दो एक जीरो यानी कि concentration, अगर H प्लस की बढ़ रही है H प्लस एक्वासाइन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्या बढ़ेगा बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर समझ रहे हो जितना तुम तो इधर जाओगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा एच प्लस एक्वासाइन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा छह पांच चार तीन दो एक तो जीरो जितना इधर जाओगे उतना एच प्लस एक्वासाइन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और साथ ही साथ OH एच माइनस एक्वस की कंसेंट्रेशन घटेगी सात से ऊपर जाएंगे तो OH एच माइनस एक्वस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और H प्लस एक्वस एन की कंसेंट्रेशन घटेगी यहां पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा समझ में आया तीसरा कह रहा है डव डू 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 सुनील भाई कब तक चलेगी क्लास चलेगी टाइम लगेगा ध्यान से देखो डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव एच प्लस एक्वास इफ यस देन वाई आर दीज बेसिक क्या इनमें एच प्लस एक्वास आय होते हैं यस बेसिक इसीलिए है क्योंकि ओ एच माइनस एक्वस आयन इज मोर देन एच प्लस एक्वस आयन खत्म बात सात से ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा दोस्त अरे सुनील भाई आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह अगर यहां जा रहे हैं तो H प्लस एक्वासाइन की कंसेंट्रेशन घटेगी OH एच माइनस एक्वासाइन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका यह मतलब नहीं कि H प्लस एक्वस नहीं होगा होगा लेकिन लेकिन OH एच माइनस एक्वासाइन से कम होगा और इसी वजह से बेसिडिक बेसिडिक कह रहा हूं बेसिक कैरेक्टर आपका डोमिनेट करेगा बेसिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा बेसिडिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा ठीक है, बेसिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा ठीक है क्लियर है बात चलो सीबीएसई e 2008 क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताओ मेरे यारा, फटाफट से इसका आंसर बताओ मेरे राजा बेटा फटाफट से आंसर बताएंगे सारे के सारे फटाफट से लेट मी नो द आंसर इनटू द चैट बॉक्स मी नो द आंसर्स इनटू द चैट बॉक्स जल्दी से बताएंगे फटाफट से बताएंगे प्लीज लेट मी नो द आंसर इनटू द चैट बॉक्स ठीक है ठीक है जल्दी से बताएंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अ कंपाउंड एक्स ऑफ सोडियम इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ाज क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बनाने के काम में आता है

क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अब ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेरे दोस्तों ये क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के काम में आता है साथ ही साथ ये एसिडिटी को क्योर करने के काम में आता है जस्ट बिकॉज एक्टिव इंक्रीडियंट ऑफ एक्टिव इंक्रीडियंट ऑफ ठीक। स्टेट द रिएशन विच है ना वॉट इज इट्स केमिकल फॉर्मुला लिख दिया जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा ये आपके पास एनए थ्री है दोस्त इसको जैसे ही आप हीट करोगे तो ये Na2CO3 टू सीओ थ्री प्लस एच टू प्लस सीओ टू में टूट जाएगा ठीक है ना और इस सीओ टू की वजह से चीजें क्या बनेगी हेल्प इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स फ्लफियर इनको फुलाने में आती है काम ठीक है जैसे कि आपका केक बनता है तो केक में जब आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालते हो तो जो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है केक को फुलाने के काम में आती है पकोड़े को फुलाने के काम में आती है फ्लफियर बनाने के काम में आती है तो सबसे पहले एक्स है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसका एक और नाम पड़ता है हमारे पास सोडियम बाई कार्बोनेट क्या बनता है सोडियम बाई कार्बोनेट अब इस सोडियम बाई कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनएच सीओ थ्री जैसी आप एनएच सीओ थ्री को हीट करेंगे एनए टू सीओ थ्री प्लस एस टू प्लस सीओ टू में टूट जाएगा जो सीओ टू है ये बेसिकली आपके फूड प्रोडक्ट्स को फ्लफियर बनाने के काम में आता है ठीक है चल बहुत बढ़िया एक चीज और याद रखना यहां पर एक डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वजह से मेटेलिक या फिर बिटर टेस्ट आता है फूड आइटम्स में ये याद रखना ठीक है चल सीबीएसई 2009 का सवाल है जल्दी से लगा लेंगे जल्दी से लगा लेंगे नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कास्टिक सोडा ग्रेनुलेटेड जिंक रिएक्ट विद कास्टिक सोडा एंड थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास इंटू लाइन वाटर सीबीएसई दो हज़ार नौ का सवाल है जल्दी से बताओ फटाफट से आंसर ब्रेक देंगे ब्रेक देंगे ब्रेक देंगे ब्रेक देंगे ब्रेक देंगे इसके बाद ब्रेक देंगे ये सवाल नंबर तेरह बाईसवा सवाल हो जाएगा चैप्टर खत्म फिर ब्रेक देंगे ठीक है बेटा ये बेकिंग सोडा ही था यहां पे क्रिस्पी पकोरास के लिए बेकिंग सोडा यूज करते हैं हम लोग बेटर होता है कि हम बेकिंग पाउडर को यूज करें एनसीआरटी के हिसाब से बेकिंग सोडा इज करेक्ट बेटर जो है बेकिंग पाउडर है मैं खुद आपको सजेस्ट कर रहा हूं ठीक आ जाओ अब एच सी एल रिएक्ट विद कास्टिक सोडा दोस्त आपको यह समझना पड़ेगा कास्टिक सोडा क्या होता है कास्टिक सोडा इज एनएच केमिकल नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक हाँ तो यहां पर हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एनएओएच तो ये क्या देगा देखिए ये हमारे पास है कटायन ये हमारे पास है अनायन ये हमारे पास है कटायन और ये हमारे पास है अनायन कटायन सनायनस को एक्सचेंज कीजिए कटायन सनायनस को एक्सचेंज कीजिए तो क्या बन जाएगा बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा HCl दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे कटायन सनायनस का एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा दोस्त NaCl ये रहा OH और H यानी H2O ठीक है दोस्त बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुनील भाई किस प्रकार की रिएक्शन होगी बहुत सिंपल है डबल डिस्प्लेसमेंट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ठीक चलिए दूसरी रिएक्शन पे चलते हैं ग्रेनुलेटेड जिंक रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा अब देखिए एनएच प्लस जिंक विल गिव्स सोडियम जिंकेट यह है सोडियम जिंकेट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं एम्फोटरिक मेटल्स जो होते हैं आपके एम्फोटरिक मेटल्स, यानी कि टिन, एल्यूमिनियम बेरिलियम लेड जिंक एटसेट्रा ये रिएक्ट करते हैं आपके एल्कली यानी कि वाटर सोल्यूबल बेस से ध्यान से सुनना बेटा यह आपको देते हैं सॉल्ट और यह आपको देते हैं हाइड्रोजन गैस अब सुनील भाई आप क्या समझाना चाह रहे हो देखिए मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से और देते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस अब यहां पर जब रिएक्शन होती है तो मेटल का हम यह देखते हैं कि अगर रिएक्टिविटी डाइल्यूट एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन से ज्यादा है तो मेटल यहां पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा शत प्रतिशत सही बात है लेकिन जब बात होती है बेसिस की तो यहां पर यह रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है कि सिर्फ और सिर्फ आपके वाटर सोल्यूबल बेसिस यानी कि जो एल्कली है वो एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ ही रिएक्ट करेंगे और देंगे आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस अब जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो एनएएच मेरा क्या है एनएएच मेरा क्या है एल्कली है वाटर सोल्यूबल बेस है एल्कली एम्फोटेरिक मेटल है मेरा जिंक कौन सा मेटल है M4 टेरिक. M4 टेरिक मेटल है जिंक जिंक मेरा क्या है राजा बेटा M4 टेरिक मेटल है सुनील भैया जिंक है वाटर सोल्यूबल बेस तो बना देगा ये बेसिकली सॉल्ट सोडियम जिंकेट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस ठीक है तो ये रिएक्शन सारे के सारे मेटल्स नहीं देते हैं ठीक है तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पास इनटू लाइम वाटर ये तो बहुत बात तुम पढ़ चुके हो कि भैया लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस सोल्यूशन होता है कलरलेस सोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करोगे तो व्हाइट इंसॉल्यूबल सॉलिड देगी और साथ ही साथ वाटर का निर्माण हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी वजह से सोल्यूशन क्या हो जाएगा सल्यूशन टर्न्स सल्यूशन टर्न्स मिल्की और टर्बिड बहुत बढ़िया ठीक है चल सीबीएसई 2011 क्वेश्चन नंबर फोर्टींथ फटाफट से देखो दोस्त अ कंपाउंड अ कंपाउंड अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस वेन मिक्स विथ प्रॉपर क्वान्टिटी ऑफ वॉटर आइडेंटिफाई द कंपाउंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन मैंशन वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इट्स कंपाउंड क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा आंसर जल्दी ओ हो oh, oh, बहुत बढ़िया ध्यान से देखना अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी जिप्सम क्या होता है of होता है अब जिप्सम से हम क्या बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं ठीक है हा तो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस वन मिक्स विद प्रॉपर क्वानिटी ऑफ वॉटर आइडेंटिफाई द कंपाउंड तो सबसे पहले जो कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट फॉर्मूला होता है सी एसओ फोर डॉट अब ये बनता कैसे है ये बनता कैसे ये भी दिखा देते हैं राइट आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट सी एसओ फोर डॉट या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसका मतलब भी समझाता हूं सी एसओ फोर होल ट्वाइस डॉट कहने का तात्पर्य ये कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट सी एसओ और ये एक वॉटर का मॉलिक्यूल ठीक है।, है तो दो फॉर्मुला यूनिट्स पे एक वाटर का मॉलिक्यूल है आधा इसके पास आधा इसके पास इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या सी एसओ फोर डॉट हाफ एच टू या फिर सीएसओ फोर होल्डवाइज डॉट एच टू ठीक है अब उसके बाद राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन करना क्या होता है देखिए जैसे ही आप कैल्शियम सल्फेट एक ये वाली इसकी रिएक्शन नहीं है इसकी रिएक्शन में लिख देता हूं ठीक है तो जैसे ही आप कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो यह अपना 75 परसेंट वॉटर को लूज कर देती है और 25 परसेंट वॉटर को रिटेन रखती है ठीक है क्या बोला मैंने ध्यान से सुनना बेटा मैंने क्या बोला कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी कि जब आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे एक भट्टी में हीट करते हैं तो वो 75 परसेंट पानी को लूज करती है और से 25 परसेंट होल्ड करके रखती है पीओपी पी कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है बात समझ में आ गई क्लियर है बहुत बढ़िया अब देखिए ये जो रिएक्शन है दैट इज बेसिकली सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन है उसने बोला ना कि वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाती है तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट फॉर्मुलाइज डॉट एस टू इसी का कॉमन नेम भी आप लिख सकते हैं कॉमन नेम इज प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस अच्छा सुनील भाई बनता कैसे है प्लीज मुझे बताइए सुनील भाई कैसे बनता है आप जैसे ही जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे ये 75 प्रतिशत पानी लूज कर देगा 25 परसेंट होल्ड करके रखेगा इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो ये पाउडर के फॉर्मेट में मिलता है जैसे ही आप इसको वॉटर देते हैं वॉटर देते हैं तो यह क्या करता है जैसे ही आप इसको वॉटर देते हैं तो ये रिहाइड्रेट होता है और उसके बाद ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है दिस हार्ड मास हार्ड मास बेसिकली एज जिप्सम। सवाल में ये नहीं पूछा था ना आपने अगर कभी जाती है, तो क्या करते हैं है। कड़क हो जाती है बिकॉज वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाती है इसका एक इंपॉर्टेंट यूज इट इज यूज फॉर सेटिंग दी फ्रैक्चर इन दी राइट पोजिशन भगवान ना करे कभी आपकी हड्डी टूटे पर जब हड्डी टूटती है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई बहन तो क्या होता है उसको सही पोजिशन में सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा बांधा जाता है कच्चा पट्टा और पक्का पट्टा कच्चे वाले में थोड़ा कम होता है पीओपी पी। पक्के वाले में बहुत ज्यादा होता है तो बिल्कुल एकदम एक तो है। क्लियर है बात ठीक है ये सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है सीबीएसई 2012 में आया है सवाल जल्दी से देखेंगे फटाफट से देखेंगे ड्राई पैलेट ऑफ अ बेस एक्स वेन केप्ट इन वेन केप्ट इन एब्सॉर्ब मॉइर एंड टर्न स्टिकी ठीक है यानी कि यह बेस कौन सा है वो आइडेंटिफाई करेंगे हम द कंपाउंड इज ऑल्सो फॉर्म बाई क्लोर एल्कली प्रोसेस ओ भाई साहब क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनाया जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से क्या क्या बनाया जाता है पहले आप वो देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस सुनील भाई प्रोसेस से हमको मिलता है एनएच हमको मिलती है क्लोरीन गैस हमको मिलती है हाइड्रोजन गैस यह मिलती है हमको एनोड पे ये मिलता है हमको कैथोड पे और यह मिलता है हमको नियर द कैथोड अच्छा बहुत सही तो कंपाउंड कौन सा मिला क्लोर एल्कली प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड मिला मेरे राजा बेटा ध्यान से देखो द कंपाउंड इज ऑल्सो फोर्म बाय क्लोर एल प्रोसेस कंपाउंड तो एक ही है एनएच तो इसका मतलब जो एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एन एच हो जाएगा ठीक है एक्स इज एन एच राइट द केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला इज एन एच क्लियर हो गई बात हा क्लियर हो गई बात हा क्लियर हो गई बात हाँ. अब सुनो राजा बेटा ध्यान से एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न स्टिकी इसका मतलब क्या होता है पता है इसको कहते हैं डेली क्यूसेंट डेली क्यूसेंट, डेली क्यूसेंट क्या होता है सुनील भाई डेली क्यूसेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त जहां पर सब्सटेंस का मन करता है कि वो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे और फिर उसी में डिजॉल्व हो जाए मतलब वो चुल्लू भर पानी में चुल्लू पर पानी खुद लाया और खुद ही डूब गया उसमें यानी कि वो एब्सॉर्ब करे एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को और सोल्यूशन बना ले दैट इज बेसिकली डेलिक्विजेंट ठीक है ना डेलिक्विजेंट शब्द का मतलब होता है लिक्विड बनाना तो डेलिक्विजेंट का मतलब होता है एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड डिजॉल्व इन टू इट ठीक है बहुत बढ़िया तो सबसे पहली चीज द कंपाउंड इज ऑल्सो फोर्न बाई NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बढ़िया केमिकल ने फॉर्मुलट हो गई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको मैं हटा देता हूं अभी इसको हम कहीं और लिख देते हैं ये ऐसे हो जाएगा तो ये हमको कहा मिलता है नियर द कैथोड ये हमको कहा मिलता है एट कैथोड और ये एट एनोड अब ध्यान से सुनना भाई क्या बोल रहा हूं मैं डिस्क्राइब द क्लोरल के प्रोसेस विद बैलेंस केमिकल इक्वेशन सो क्लोरल के प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं क्लोरल के प्रोसेस के अंदर हम ये दिस इज नथिंग बट ब्राइन सोल्यूशन ये क्या होता है दोस्त ब्राइन सोल्यूशन होता है यानी सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व करवाया सो so ब्राइन और इससे जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो यह हमें देता है एनएओएच हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस पानी के अंदर नमक को घोला यानी ब्राइन सोल्यूशन बनाया अब इससे जब हमने बिजली को पास किया तो हमें क्या मिलता है भैया नियर द कैथोड तो एन हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट द एनोड ठीक है सो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स वेन एक्स इज ट्रीटेड एक्स इज ट्रीटेड ये तो हो गया हमारा ये हो गया ये हो गया नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट ऑकर्स वेन एक्स इज ट्रीटेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पहला ये मान लीजिए दूसरा इधर आ जाते हैं तीसरे पे जल्दी 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 जल्दी, जल्दी बताओ फटाफट से बताओ फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में आंसर करो ठीक है अब देखो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन एक्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्त NaOH प्लस HCl विल गिव्स बताना राजा बेटा अरे चैट छोड़ दो यार चैट पे फोकस मत करो यहां पे फोकस करो सुनील भैया पूरा फोकस यहां रख रहे हो तुम भी यही रखो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन एक्स स्ट्रीट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कटायन अनायन कटायन अनायन इसका कटायन इसके अनायन के साथ जाएगा तो क्या बनेगा NaCl प्लस एच टू ठीक है आप चाहें तो यहां पे फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं ये एक्वस 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 लिक्विड ठीक है किस प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी सुनील भाई डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और डबल डिस्प्लेसमेंट में किसका प्रकार हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट में न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है भाई बहुत बढ़िया अब देखो दोस्त ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट भी हो गया एक दो तीन ये तीन पार्ट हो गए तीन पार्ट हो गए ठीक है

आगे चलते हैं वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज इट वाई इज इट रिकमेंड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू द वॉटर एंड नॉट द वॉटर टू एसिड जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में आंसर करो फटाफट से फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर इनटू द चैट बॉक्स गाइस आंसर्स इनटू द चैट बॉक्स जल्दी से देंगे आंसर्स इनटू द चैट बॉक्स फटाफट से आंसर्स इनटू द चैट बॉक्स देखो अब इसकी एक्चुअल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वॉरियर के अंदर भी दी थी और मैं अभी भी दूंगा आपको सुनो ध्यान से सुनना ध्यान से सुनो सवाल क्या कह रहा है डाइल्यूटिंग एन एसिड, इट डेड द एसिड शुड बी एडेड टू वॉटर एंड नॉट द वॉटर टू एसिड यानी बोला जाता है कि एसिड को पानी में डालो और पानी को एसिड में मत डालो पानी को एसिड में मत डालो एसिड को, को पानी में डालो क्या रीजन है अब एसिड को पानी में क्यों नहीं डालना है रीजन क्या है आप इसको समझना सबसे पहली बात जो डेंसिटी है एसिड की वो बेसिकली क्या है ज्यादा है पानी से ठीक है एसिड की डेंसिटी पानी से ज्यादा है और दूसरा इंटरैक्शन जो होता है एसिड का पानी के साथ वो एक्सोथर्मिक है क्योंकि यहां पर डिसोसिएशन होता है एसिड का पानी के अंदर पहले तो दो पॉइंटर समझ में आए पहला और दूसरा तो इन दो चीजों से होता क्या है सुनील भाई घनत्व ज्यादा किसका है एसिड का तो वो नीचे रहने की कोशिश करेगा पानी को कहीं ना कहीं ट्राई करेगा कि तू ऊपर आ दूसरा एसिड और पानी जैसे ही मिलते हैं तो एसिड पानी के अंदर टूटता के अंदर डिसोसिएट करता के अंदर, एच प्लस देता है पानी के अंदर इस वजह से बहुत हीट निकलती है तो प्रॉब्लम क्या है इसकी डेंसिटी जो है एसिड की वो पानी से ज्यादा है अब मान लो कि तुमने एसिड लिया और उसके ऊपर पानी डाला तो पहले तो पानी ऊपर रहने की कोशिश करेगा साथ ही साथ इंटरफेस जो है एसिड और वॉटर का वहां पर बहुत ज्यादा हीट निकलेगी तो पानी क्या बन जाएगा वेपर बन जाएगा हाँ तो यहां पर होगा क्या जैसे ही मेरे दोस्त आपने वॉटर एडेड टू एसिड कन्वर्ट्स टू द वॉटर वेपर ऑन द इंटरफेस एंड अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वॉटर वेपर स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स क्या कह रहा हूं मैं वाटर जैसे ही आपने एसिड में ऐड किया वाटर को जैसे ही एसिड में डाला तो एसिड की डेंसिटी ज्यादा है पानी को ऊपर रखने की कोशिश करेगा साथ में जैसे ही मिलेंगे तो डिसोसिएशन एक बहुत एक्सोथर्मिक है इस एक्सोथर्मिक डिसोसिएशन से क्या होगा सुनील भाई इस एक्सोथर्मिक डिसोसिएशन से यह होगा कि जैसे ही आपने वाटर को एसिड में डाला है उस इंटरफेस के ऊपर जैसे ही पानी और एसिड मिलेंगे तो पानी वेपर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा और एसिड के ऊपर रहने की कोशिश भी डेंसिटी कम है तो वो वाटर वेपर जो बनेगी ना वो अपने साथ कुछ एसिड के पार्टिकल लेके तुम्हारे मुंह पे गिर सकती है हाथ पे गिर सकती है जला सकती है तो वाटर एडेड टू तो एसिड कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर ऑन द इंटरफेस एंड अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर वेपर स्प्लैश आउट एंड कॉज बंस वो छल के हमारे मुंह को हाथ पैरों को जला सकता है साथ ही साथ एक ही स्पेसिफिक जगह पर बीकर इन विच द को होल्ड नहीं करता जो हीट जनरेट हो रही है ना एसिड और पानी के इंटरक्शन से उस हीट को होल्ड नहीं करता सीधा कांच को ट्रांसफर करता है तो कांच के अंदर क्या है एक ही पर्टिकुलर जगह पे हीट बहुत ज्यादा हो जाती है टूट जाता है अब इसको इग्नोर कैसे करना है इग्नोर करने के लिए उल्टा करो टू स्लो डाउन दर्मिक रिएक्शन डायल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड इज ऑलवेज डन बाई स्लोली एडिंग दी कॉन्सट्रेटेड एसिड इन टूशियंट अमाउंट ऑफ वॉटर विथ जेंटल स्टेरिंग अब आप पानी को रखो उसमें एसिड डालो पानी को रखा एसिड डाल रो एसिड की डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे जाने की कोशिश करेगा साथ ही साथ नीचे जाने की जब कोशिश करेगा तब भी डिसोसिएट करेगा हीट निकलेगी लेकिन पानी हीट को होल्ड अच्छे से करता है तो हीट को होल्ड कर लेगा अब आप उसको कंटिन्यूसली ऐसे घुमाते रहो तो कुछ नहीं होगा तो अगर आपने एसिड में पानी को डाला तो एसिड की डेंसिटी ज्यादा है पानी कम है तो वो इंटरफेस पे रहने की कोशिश करेगा उसके ऊपर और वही इंटरफेस पे एसिड और पानी जैसे आ, मतलब मिलेंगे आपस में एसिड और पानी का मिलन एक्सोथर्मिक होता है हीट निकलेगी उस हीट से पानी वेपर बनेगा वेपर बनेगा तो छलते हुए बाहर निकलेगा तुम्हारे मुंह को जला देगा साथ ही साथ एसिड हीट को होल्ड नहीं करता ट्रांसफर कर देता है कांच पे तो कांच टूट जाएगा।, जाएगा उसका रिवर्स करोगे। रिवर्स करोगे। एसिड को, को डालोगे तो एसिड पहले तो नीचे जाने की कोशिश करेगा निकलेगी एसिड और वाटर के इंट्रैक्शन से वो हीट को वाटर होल्ड कर लेता है उसकी स्पेसिफिक हीट अच्छी है होल्ड कर लेगा पे नहीं देगा कि कांच टूट जाए तो बार बार अपन को बस ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा खाता समझ में आया जी चलो आगे चलते हैं सीबीएसई दो हजार बारह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट स्टेटमेंट हाउ इट इज कन्वर्टेड इन टू वॉशिंग सोडा एक्सप्लेन जल्दी से देखो फटाफट से सोलह सवाल सोलवा सवाल अरे भाई साहब ध्यान से देखो एनएच सीओ थ्री एक बेसिक सॉल्ट है कैसे बन सकता है कैसे बन सकता है सुनील भाई देखो ध्यान से देखना भाई कटायन कहां से आता है मैं तुमसे पूछता हूं कटायन कहां से आता है तुम कहोगे सुनील भाई बेस से आता है लिख दो तो बेस मैं तुमसे पूछता हूं मैं तुमसे पूछता हूं अनायन कहां से आता है तुम कहोगे एसिड से आता है एच अगर हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है एच तो यह क्या है वीक एसिड है ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड क्या बनेगा अरे स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड क्या बनेगा? अरे ये बेसिक बनेगा कि नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा सुनील प्लस बात खत्म काम ये वाली चीज डन डन हाउ इट इज कन्वर्टेड इन टू वॉशिंग सोडा एनएच सीओ थ्री वॉशिंग सोडा कैसे बनता है सबसे पहला एनएच सीओ थ्री लीजिए बढ़िया से उसको हीट कीजिए वो एन ए टू सीओ थ्री प्लस एच टू तो और सीओ टू तो में थर्मल डिकॉम्पोजिशन शो करता है ये थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है ठीक है थर्मल डिकॉम्पोजिशन अब जैसे ही आपको एनए टू सीओ थ्री मिला एन ए टू सीओ थ्री इज वॉट दिस इज सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है बेटा जल्दी बताएंगे सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है सोडा एश। सोडा एश। अब इस सोडा एश का जब हम बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन करते हैं क्या करते हैं क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो यहां पर क्या होता है आप एन को पानी में डिजोल्व कराओ सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओ और इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा करने रख दो तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये सोल्यूशन से बाहर आने लगेगा और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इस मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे जिस वजह से क्या बना लेगा एनए टू सीओ थ्री डॉट टेन ऑफ एच टू ठीक है एनए टू सीओ थ्री डॉट टेन ऑफ एच टू और सुनील भाई इसको हम क्या बोलेंगे सुनील भाई इसको क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे वॉशिंग सोडा क्या बोलेंगे वॉशिंग सोडा ठीक है क्लियर हो गई ये बात क्लियर हो गई ये बात इज दिस क्लियर गाइस ये पहला कंसेप्ट जो था यहां पर क्लियर हुआ आपको ठीक क्लियर है बात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सोल्ट एन एच सीओ थ्री लिख एन ए कम्स फ्रॉम द बेस एन एच एच सीओ थ्री कम्स फ्रॉम द एसिड, एच टू सीओ थ्री एच टू सीओ थ्री प्लस एन एच बल्कि प्लस एस टू बेसिक सोल्ट हो गया क्योंकि स्ट्रॉग बेस बेसिक सोल्ट इसकी जो पीएच होगी किससे होगी पीएच जो होगी इट इज ग्रेटर देन सेवन वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा सबसे पहले इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करके एन एस टू प्लस टू सीओ थ्री क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे और ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा ठीक है बेटा ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा चुका हूं बेटा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ठीक है चलो आगे चलेंगे सीबीएसई दो हजार सत्रह सत्रहवा क्वेश्चन सीबीएसई दो हजार बारह क्या कह रहा है सुनील भाई टूथ इनेमल इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी टूथ इनेमल क्या होता है आपका ये जो दांत है आपका ये जो ऐसे दांत है ठीक है इस दांत की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ये दिस इज टूथ इनेमल ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और ये एक ऐसा टिश्यू है जो रीग्रो नहीं करता हाउ डज इट अंडर गो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट एंड स्वीट घर वाले कहते ना अरे यार ज्यादा मीठा मत खा अरे यार ज्यादा मिठाई मिठाई-मिठाई मत खा ये मत खा वो मत खा दांत खराब हो जाएंगे जाएंगे यार क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं और इस डैमेज से टूथपेस्ट कैसे हमको बचाता है ये भी बताता हूं तुमको पहले ध्यान से सुनो मान लो कि तुमने चॉकलेट खाई बहुत सारी तो तुम्हारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया बैठे हैं है ना ये जो बैक्टीरिया बैठे हैं डेंटल कॉलोनी यानी कि प्लैक बनाकर बैठे धीरे धीरे और बढ़ते जाते हैं तो जो बैक्टीरिया बैठे कॉलोनी बनाकर उनको तुमने क्या दे दिया है शुगर के पार्टिकल्स दे दिए भाई तुमने चॉकलेट खाई कुल्ला उल्ला किया नहीं मुंह के अंदर पड़ी हुई है या कोई भी मीठी चीज है मुंह के अंदर पड़ी हुई है या बचा हुआ खाना मुंह के अंदर पड़ा हुआ है अब बैक्टीरिया बोल रहा है भाई साहब मारो खाना तो यही है भाई साहब भाई साहब मैं खाऊ ये भाई साहब मेरे खाना आ गया भाई साहब मैं खाना खाऊंगा भाई साहब तुम बिरयास मत करना आ, तो तुमको दया धर्म करनी है तो तुम ब्रश मत करना तुम्हारे मुंह में जो बैक्टीरिया उनको खाना मिल जाएगा तो अब क्या है ये जो बैक्टीरिया तुम्हारे मुंह में है ये अपनी कॉलोनी बना के रखते हैं जिसको हम प्लेक कहते हैं अब ये क्या करते हैं हमारे मुंह के अंदर जो लेफ्ट ओवर शुगर है उसको फीड करते हैं जो बच जाती है दांतों में चुपक जाती है ना कुल्ला उल्ला नहीं करते हम ब्रश नहीं करते वो चुपक जाती है उसको खाते हैं अब ये खाएंगे तो क्या होगा भैया हम तो खाएंगे हम ग्रो करेंगे हम रिप्रोड्यूस भी करेंगे ये बहुत गंदी चीज है हम वहीं पे एक्सक्रीट भी करेंगे खाया पिया वहीं पे समझ गया ना एक्सक्रीट वहीं कर दिया अब ये जो एक्सक्रीट किया है बहुत दर्दनाक है क्यों क्योंकि ये जो एसिडिक वेस्ट निकला है ये हमारे दांत खराब करता है ये बैक्टीरिया हमारे मुंह में रहके हमारे मुंह का बचावा खाना खा के हमारे मुंह में ईट कर रहे हैं ग्रो कर रहे हैं रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर हमारे मुंह के अंदर एक्सक्रीट भी कर रहे हैं और ये जो एक्सक्रीट कर रहे हैं ये एसिडिक है नेचर में यार मेरे यार अब ये एसिडिक होने की वजह से क्या होता है कि ये हमारे टूथ इनेमल को डिमिनलाइज कर देता है डिमिनलाइज द टूथ इनेमल जो कि आपका बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट ठीक है कैल्शियम एपेटाइट विच इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इसको डिमिनलाइज करता है भाई कैल्शियम आयन अलग फॉस्फेट अलग इसको खराब करता है कैविटी हो जाती है इससे तो ये जैसे ही एसिडिक होगा जैसे ही एसिडिक होगा पीएच लेसर देन 5.5 मुंडे का पीएच गया भैया साढ़े पांच से नीचे तो ये हमारे टूथ को बोलेगा बाय 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 खराब कर देगा मेरे दोस्त दांतों में कैविटी लग जाएगी बहुत दिक्कत समझ गए तो बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर है वो हमारे मुंह में बची हुई शुगर को खाते हैं खाते हैं वहीं पे ईट ग्रो रिप्रोड्यूस और एक्सक्रीट एक्सक्रीट करते हैं तो वो जो वेस्ट निकालते हैं वो एसिडिक होता है और उसकी पीएच अगर साढ़े पांच से नीचे चली गई तो हमारा जो टूथ इनेमल है उसको डीमिनलाइज कर देंगे मतलब कैल्शियम अलग फॉस्पेट अलग 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 करने निकलेंगे ले इसी से दांत खराब होते हैं अब देखो दो तरीके हैं एक तो क्या है नेचुरल तरीका है नेचुरल वे सलाइवा जो तुम्हारे मुंह में थूक होता है थलाइवा नहीं बोला सलाइवा इज एल्कलाइन इन नेचर समझ रहे हो अरे तुम्हारे मुंह में जो थूक है दिस इज हेल्कलाइन इन नेचर एंड न्यूट्रलाइजेज द एसिड इसीलिए तो साढ़े पांच बोला कि वहां तक तो तुम्हारा थूक तुमको बचाता है तो एक तो क्या है न्यूट्रलाइज करने का एसिड को न्यूट्रलाइज करने का तरीका है थूक ये नेचुरल तरीका है जो भगवान ने दिया कि भैया तुम्हारे मुंह में थूक रहेगा तो तुम्हारे दांत खराब नहीं होंगे लेकिन हम इंसान थे हमको बोले हम चॉकलेट बनाएंगे हम और मीठी मीठी चीजें बनाएंगे मिठाई बनाएंगे भगवान क्या वो भैया इसका पी लाइन मैंने नहीं दिया था अब तुम देख लो क्या करना है भाई तुमने अपने पी लाइन को चेंज किया भाई हमने तो दिया था नॉर्मल कि भैया थूक रहेगा तो मुंडा तुम्हारे दांत साफ रहेंगे सफेद रहेंगे खुश रहोगे तुम्हारे को ऐसा लगा कि नहीं 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 मैं तो मीठा बनाएगा कुछ मीठा हो जाए हैं मिठाई खाऊंगा खाओ तो फिर थूक नहीं बचाएगा फिर थूक नहीं बचाएगा तो फिर क्या करना है टूथपेस्ट लगाना है द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डीके इज टू क्लीन द टीथ विद बेसिक सबस्टांस लाइक टूथपेस्ट दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन द माउथ इट ऑल्सो हेल्प इन रीमिनलाइजेशन जो फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट होते हैं वो रीमिनलाइजेशन में भी मदद करते हैं ठीक है तो एक तो इनका काम क्या है कि मुंह के अंदर जो एक्सिस में एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करें ताकि हमारे दांत खराब ना हो और दूसरा बेसिकली रिमिनलाइजेशन में मदद करते हैं ठीक है चलो अब कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन करेंगे फटाफट से इस चैप्टर के ये चैप्टर भी खत्म करेंगे आप ठीक आ जाओ फटाफट से विच ऑफ दीज ग्राफ्स शोज द पीएच ऑफ मिल्क चेंजेस एज इट फॉर्म्स कर्ड यानी कि दूध से अगर दही बनता है दही दूध दूध से अगर दही बनता है सुनील भाई तो पीएच में क्या चेंज आएगा समय के साथ जल्दी 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 मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी बहन जल्दी जल्दी देखो भैया तुम्हारे लिए इतना एफर्ट मार रहे हैं, किसके लिए एफर्ट मार रहे हैं खुद के लिए इतने सवाल लेकर हूं चाहूंगा तो मैं तो पचास सवाल करके भी चला जाता घर नहीं करने ना पचास बच्चों को लगना चाहिए कि भैया हमारे लिए सोचते हैं और ऐसा भैया सही में सोचते भी हैं उनको भी लगना चाहिए कि जब एक इंसान हमारे लिए इतना एफर्ट मारा तो हमें भी मारना है एफर्ट वी हैव टू पुश आर हमें भी पुश करना है खुद को अरे वाह यार तुम बहुत प्यारे बच्चे हो यार तुम मेरा प्यार हो सब बहुत बढ़िया <coughs> तुम लोग क्यों कहते हो तो ब्याह कर लो प्यार में तुम लोगों से करता हूं कैसे करूंगा ब्याह मजा आ रहा है यार बहुत बढ़िया तुम ऐसे करेक्ट आंसर दे दे रहा करो मेरे चेहरे पे हंसी आती रहती मजा आता रहता है यार तुम आंसर गलत करते हो ना उदास हो जाता हूं मैं क्या चल रहा है यार ये लोग क्या कर रहे हैं जीवन में अभी तुम मेरे को एकदम एकदम वो दे रहे हो आ क्या भैया ये अपने पढ़ाए हुए बालक हैं फ्रेश मिल्क का जो पीएच होता है वो लगभग छह के बराबर होता है और जो दही की पीएच होती, होती है वो कितनी होती है भाई साढ़े चार से लेकर साढ़े पांच तक होती है तो दूध से दही बनेगा तो एसिडिक होगा पीएच और दही जमाने के लिए वैसे भी तुमको एसिडिक ही बनाना पड़ता है पीएच है ना दूध को आप गर्म करोगे फिर थोड़ा सा लगभग हल्का सा गर्म है तो उसमें एक दिन पुराना दही डाल दिया अब वो एक दिन पुराना दही वहां पर एसिडिक मीडियम में काम करता है और दूध के केजीन प्रोटीन को क्या करता है सॉलिडिफाई करने की कोशिश करता है जिससे दही बन जाता है है ना तो देखो पीएच विद समय गिरेगा बिल्कुल गिरेगा पीएच दूध से अगर दही पे जाएंगे तो गिरेगा सही है ये क्या भाई साहब पहले बड़ान फिर गिरता भाग जाओ ये कई चाल हो भाई साहब रही चाल रहा है, भाई ओ भाई हो। ओ, ओ, रही है भाई देखो मेरे भाई साहब क्या बोल रहा हूं मैं दूध के अंदर दो प्रोटीन हो गए कशा कसा प्रोटीन हो गए मार साहब कशा कशा प्रोटीन हो तो गए भाई साहब पेलो प्रोटीन जो नाम है वे प्रोटीन अब दूसरो प्रोटीन है वो नाम है केजीन प्रोटीन भाई साहब दो प्रोटीन हो दूधा में पहलो प्रोटीन वे दूसरो प्रोटीन केजीन अब केजीन प्रोटीन को अगर आप एसिडिक मीडियम दोगे तो बेटा राजा बेटा वो क्या करेगा फ्रजाइल सॉलिड यानी कि दही बन जाएगा वो तो अपन इसको जितना एसिडिक मतलब जितना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा दही बन जाएगा अच्छा अब और आपने रखते गए तो दही खराब होता जाता है खट्टा होता जाता है एसिडिक मीडियम और बढ़ता जाता है आपने देखा दही में तो, तो और एसिड बनता जा रहा है बढ़ता जाएगा पीएच तो घटेगा ना पीएच घटेगा साढ़े चार साढ़े पांच और घटता जाएगा खट्टा होता जाए गंदा तुम खाओगे ए का खट्टा ठीक चलो ओ भाई साहब क्या होगा इसका आंसर? का एक प्योर वाटर का सोडा का और का चौदह वॉट बेस वेन ईच द प्योर डिस्टिल वॉटर सबके अंदर पानी डाल दो क्या होगा अरे बहुत सिंपल सी बात है मैंने क्या बताया था डाइल्यूशन करने पे क्या होता है अगर हम एसिड की बात करें तो H प्लस एक्वस आयन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज और ओ एच माइनस एक्वासाइन कंसेंट्रेशन ये भी बेसिकली डिक्रीज तो आप देखो इससे होता क्या है अगर इससे होगा क्या जब ये डिक्रीज करेगी अरे ध्यान से सुनना अगर ये डिक्रीज करेगी तो क्या होगा डिक्रीज करेगी तो क्या होगा अगर एच प्लस करेगी तो क्या होगा अरे भाई जो पीएच है वो बढ़ेगा और बेसिक कैरेक्टर में क्या होगा भाई पी जो है वो घटेगा इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर घट रहा है अरे ध्यान से देख लो हो कंसर्ट लगा पा रहे हो बेसिक कैरेक्टर यहां पे क्या हो रहा है घट रहा है और पीएच बढ़ेगा तो एसिडी कैरेक्टर घटेगा क्यों भाई अगर पीएच दो है तो तीन हो गया चार हो गया पांच हो गया छे हो गया तो करेक्टर क्या हो रहा है एसिडिक करेक्टर घट रहा है एसिडिक करेक्टर घट रहा है ऐसे डाइल्यूशन करने पे बेसिक है अगर आपने डाइल्यूशन करा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का तो यहां पर क्या होगा H प्लस एक्वासाइन की कंसेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर या पर ज्यादा सही रहेगा solution, जो है, वो क्या कर जाएगी सुनील भाई वो डिक्रीज कर जाएगी और तीन चार पांच छह सात बढ़ेगा और बेसिक कैरेक्टर में क्या होगा चौदह से तेरह बारह ग्यारह नौ दस ऐसे आएगा तो डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा अब देखो बेटा इधर लिख देते हैं इंक्रीज और डिक्रीज जल्दी से देखो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं इंक्रीज और डिक्रीज तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में पीएच क्या होगा इंक्रीज पानी के केस में पीएच सात है तो सेम ही रहेगा इसके केस में क्या होगा डिक्रीज इसके केस में क्या होगा डिक्रीज समझ रहे हो ना अरे भाई इनकी एसिडिक कैरेक्टर घटेगी तो पीएच क्या होगा दो तीन चार पांच तो ये वीक एसिड बन रहा है ये तो सात का साथ ही रहेगा ये वीक बेस बनेगा तो आठ सात ये है चौदह से तेरह ग्यारह बारह और घटता जाएगा ऐसे आपको समझना है ठीक है नहीं आज सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का होगा बेटा फिजिक्स और बायो की नहीं होगी टेंशन मत लीजिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अरे यार ये पहले क्यों आ गया चलो ठीक है सॉल्ट इज़ कॉमनली यूज इन बेकरी प्रोडक्ट ठीक है ऑन हीटिंग गेट कन्वर्टेड इन अनादर सॉल्ट बी विच इट इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ गैस सी इज इवल्ड द गैस सी बेन पास थ्रू द लाइन वॉर्डर टर्न इट मिल्कि आइडेंटी अब देखिए जो सोल्टी प्रोडक्ट के अंदर यूज किया जाता है वह आपकी दो चीजें हो सकती है या तो खुद बेकिंग सोडा या तो बेकिंग सोडा या बेसिकली बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों हो सकता है अब बेकिंग पाउडर क्या होता है बेकिंग सोडा प्लस एक ड्राई एसिड जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रीम ऑफ टार्टर प्लस स्टार्च ठीक है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर मिक्सर होता है बेकिंग सोडा का साथ ही साथ एक ड्राई एसिड का और साथ ही साथ कॉन्स्टार्च का इन तीनों चीजों का मिक्सर होता है आपका बेकिंग पाउडर ठीक है और ये क्या है बेसिकली आपका बेकिंग सोडा है तो दोनों यूज कर सकते हैं अपन तो सॉल्ट ए इज यूज इन द बेकरी प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू ही सॉल्ट बी अगर आपके पास ये सॉल्ट ए है इसको अगर आप हीट करते हैं तो ये अनादर सॉल्ट बी दू सीओ थ्री में कन्वर्ट हो जाती है प्लस एस टू प्लस सीओ टू इसी का एक फॉर्म है फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट जिसमें पानी अटैच्ड होता है वो क्या होता है एन ए टू थ्री डॉट टेन एच टू इसी का एक फॉर्म है यह क्या रिमूव करने के काम में आता है यूज टू रिमूव यूज टू रिमूव क्या रिमूव करता है बेटा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर सुनील भाई परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है किसकी वजह से होती है क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो सी ए सी एल टू एम जी सी एल टू सी फोर एम जी फोर ठीक है तो एनएच सीओ थ्री को जब हम हीट करते हैं तो एन ए टू सीओ थ्री प्लस एस टू प्लस सीओ टू में वो डिकम्पोज करता है और ये जो CO2 है ये मैंने आपको पढ़ाया था ये आपके बेकरी प्रोडक्ट्स को फ्लफियर बनाता है फुलाता है अब यहां पर अगर हम बात करें एनए टू सीओ थ्री की आपके पानी की परमानेंट हार्डनेस यानी कि वो क्यों है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से इनको रिमूव करने के काम में आता है साथ ही साथ उसने क्या बोला गैस सी इज इवॉल्व ठीक है गैस सी क्या हो जाएगी गैस सी ये हो जाएगी क्यों ये भी तो हो सकती है गैस सी वेन पास थ्रू वाटर वॉटर इट मिल्की यानी गैस सी व्हेन पास थ्रू वाटर वॉटर इट मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस ठीक है क्लियर है बात जी ए बी सी क्लियर हो गया ए ये है बी ये सी ये ए बी और सी क्लियर हो गई बात सभी को क्लियर है यस yes, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है चलो सवाल नंबर बीस जल्दी से देखेंगे अब मेटल कार्बोनेट एक्स देखिए बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में यहीं से सेट होने वाले हैं ध्यान से देख लो हर एक सवाल को तुमको एग्जैक्ट सवाल देखना एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे तुम ट्राई कर लेना तुम खुद कहोगे तो सुनील भाई एग्जैक्ट सवाल एग्जाम में थे ठीक है तो बिल्कुल इनको गौर से देखो बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से देखो आप ठीक है थोड़ा सा पानी ले लेता हूं मैं आप पी लीजिए थोड़ा सा पानी देखिए बच्चे कह रहे हैं पेपर बिगड़ गया जो बिगड़ गया जो निकल गया वो अपने हाथ में नहीं है उस पर फोकस मत करो दोस्त जो आगे आने वाला है उस पर फोकस करते हैं मेरे साथ भी पास्ट में बहुत कुछ बुरा बुरा हुआ है कब तक उसको पकड़ के बैठूंगा मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है अब क्या बैठ के उसको लेकर चलूंगे जीवन भर बुरा लगता है ठीक है तुम्हारे कंट्रोल में है क्या बुरा करने मतलब ऐसा सोचो कि मैं बुरा सोचू 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 तो नंबर बढ़ जाएंगे क्या नहीं ना छोड़ो फिर जो नंबर वहां कटे वो नंबर आगे उखाड़ने हैं समझ रहे हो मान लो कि वहां पर पांच नंबर ज्यादा कटे तो अब ये लेकर चलो कि भाई बाकी सब्जेक्ट में पांच नंबर भी नहीं कटने चाहिए हर जगह से उसको कंपेंसेट करो ये चीज है ये स्ट्रेटी लेके चलो ठीक है हर दिन अच्छा नहीं होता और हर पेपर अच्छा नहीं होता सिंपल सी बात है कभी कभी किस्मत नाम की चीज भी आ जाती है कभी कभी मेहनत के ऊपर किस्मत आ जाती है ठीक है कभी कभी आ जाती है आते हुए भी हम गलत कर आते हैं होता है सबके साथ होता है कोई दिक्कत नहीं है टेंशन मतलब अब देखो मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड गिवस अ गैस विच वेन पास थ्रू अ सोल्यूशन वाई गिव्स द कार्बोनेट बैक सबसे पहली चीज तो मेटल कार्बोनेट की कभी भी रिएक्शन होगी अगर एसिड के साथ तो यह क्या देगा सोल्ट तो देगा ही देगा ठीक है सॉल्ट प्लस वॉटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो गैस तो हमको क्या है पता लग गई देखो अब मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड मेटल कार्बोनेट ऑन रिएक्टिंग विद एसिड गिव्स अ सॉल्ट अ गैस तो ये गैस तो हमको मिल गई विच वेन पास थ्रू अ सोलूशन वाई गिव्स द कार्बोनेट बैक अब वाई हमें नहीं पता आगे चलते हैं ऑन द अदर हैंड अ गैस जी ट इज ओप्टेडेट एनो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन अरे वाह बहुत बढ़िया यह तो पहला हुआ दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन सुनील भाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन यानी कि यानी कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्लोर एल्कली प्रोसेस ठीक अब इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमको मिलता है एनएच हमको मिलता है क्लोरीन गैस और हमको मिलता है यहां पे हाइड्रोजन गैस ये मिलता है नियर द कैथोड ये मिलता है एट एनोड और ये मिलता है एट कैथोड तो सुनील भाई गेम तो यहां पे सेट हो गया कि यहां पर यहां पर ये यह हमारे पास क्या हो जाएगा दिस विल बी जी ऑन द अदर हैंड गैस जी

क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो यह आपको देता है CaOCl2 सी एल टू सॉलिड प्लस एच टू ओ गैस क्योंकि यह जेड है ना जेड है जेड जेड के लिए क्या बोला उसने जेड के लिए बोला डिस इनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर मैंने आपको ब्लीचिंग पाउडर के लिए बताया था कि वो पानी में कीटाणु और जम्स को मारता है डिस इनफेक्टिंग का मतलब होता है किल्स जम्स ये कीटाणुओं को मारेगा पानी के अंदर तो यहां पर z तो ClOCl2 है अब ये क्या कर रहा है क्लोरीन गैस किससे रिएक्शन करेगा ऑब्वियसली ये y होगा फिर इससे रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा z तो अब ये वाली रिएक्शन भी कर लेते हैं z हो गया y हो गया ये वाला देखो व्हिच व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ y गिव्स द कार्बोनेट बैक तो कार्बोनेट बैक निकाल लेते हैं यहां पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सीओ टू गैस विलगेस सी एस सीओ थ्री प्लस एच टू ओ लिक्विड पॉइंट समझ में आया क्या फिर से बताऊं इससे बोला मेटल कार्बोनेट एक्स जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो एक गैस देगा मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड विलगेस प्लस वॉटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो गैस तो ये हो गई अब इस गैस को हमने सॉल्यूशन वाई से पास किया तो कार्बोनेट मिला अब मेरे को पता ही नहीं है क्या है आगे चलो ऑन द अदर एंड अ गैस जी दैट इज ऑप्टन एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन

यानी इसके सोल्यूशन से पास करेगी ये गैस इसके सोल्यूशन से पास करेगी तो यह सॉलिड और यह वहां पर दे देगी है ना? बहुत बढ़िया तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा मेटल कार्बोनेट एक्स हो जाएगा ठीक यानी यहां पे जो मेटल कार्बोनेट था एक्स सीएस था क्लियर है बात तो एक्स वाई जी Z X, y, G, जी Z. बहुत बढ़िया रिएक्शन लिखना जरूरी है डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना यू हैव टू राइट द रिएक्शन आप किस बेसिस पे रिएक्शन में लैंड की हो आंसर पे वो आपको लिखना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहला अब यहां पर मैं आपको सेकंड एफिशिएंसी एक्स यहां पर बता रहा हूं ध्यान से सुनना अभी जब अपनी शाम हो जाएगी ना तो अभी आपको स्नैक्स खाने पड़ेंगे मैं उसको बिल्कुल कैलकुलेट करके लेके आया हूं पौने छे हो रही है अपन बजे वापस मुलाकात करेंगे अच्छा छ में दस कम है तो एग्जैक्ट छह बजे वापस मुलाकात करेंगे तब तक आप दस से मिनट में आपको क्या करना है सबसे पहले काउपी चाट खानी है अगर घर पे बनी हुई है तो ठीक है अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो मैं इसके अल्टरनेटिव बताता हूं काउपी चाट क्या होती है कल ट्राई कर लेना परसों ट्राई कर लेना लोभिया जो होता है उसकी चाट बनती है एग्जाम में जरूर खाना लोभिया जो होता है लोभिया जो लोबिया होता है इसकी चाट बनवा के जरूर खाना मम्मी को बोला लोबिया उबाल दो उबालने के बाद लोबिया के अंदर नींबू डाला टमाटर डाला प्याज डाला धनिया डाला चाट मसाला डाला मिक्स किया खा लिया बहुत बढ़िया बहुत ज्यादा एनर्जी देगा तुम्हारे ब्रेन को पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है स्वीट पोटैटो एंड स्पिनिज कटलेट्स है ना शकरगंध और पालक के कटलेट्स खाइए कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क अभी ये तो अवेलेबल होगा ही होगा बिल्कुल होगा तो सफर का मतलब होता है शाम का नाश्ता शाम के नाश्ते में मेरे राजा बेटा ये तीन चीजें खाने की ट्राई करो बिल्कुल ट्राई करो अगर ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो मम्मी को बोलो ब्राउन ब्रेड ऑर्डर कर दे या मंगा ले कहीं से ब्राउन ब्रेड विद ये इसको रोस्ट कर देना मिल्क दूध के साथ लो इसको और दूध कौन सा टर्मरिक वाला दूध हल्दी दूध समझ रहे हो हल्दी दूध और तुमने ब्रेड को एकदम बढ़िया से एकदम रोस्ट किया हुआ है उसको खाना है अपने को अच्छे से इससे अपना दिमाग बहुत बढ़िया चलेगा अपना शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा टर्मरिक जब दूध में जाती है तो पहले तो क्योंकि ऑक्सीडेंट है तुम्हारी बॉडी के लिए एनर्जेसिक होता है शरीर का दर्द वर्द मिटा देगा कोई अकड़न आ रही है दर्द आ रहा सब हट जाएगा बहुत जरूरी है इसको फॉलो करो ठीक है ये सारी चीजें खाने का ट्राई करो इनमें से कुछ भी हो जाए तो प्लीज 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 अरेंज करो और इन चीजों को खाने की ट्राई करो ठीक है ठीक चलो अब अपन यहां पर एक ब्रेक लेंगे फटाफट से दो चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं तो यहां पर हमारे टू चैप्टर आर डन टू चैप्टर आर डन ठीक है दो बजे से लेकर पांच नहीं छह बजने वाले चार घंटे नहीं दो दो घंटे का एक एक चैप्टर हमने किया है तो अब आगे चलेंगे फटाफट से दूसरे चैप्टर पे तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं दस मिनट का मैं भी कुछ खा लेता हूँ आप भी कुछ खा लीजिए फिर मुलाकात होगी दस मिनट के बाद एग्जाम है अंतम बच्चों बुक्स खोला के नहीं क्या बोल रहे स्टूडेंट्स लोग एग्जाम आ रहे हैं पढ़ेंगे जो नहीं पढ़ता उसको भी पढ़ाएंगे डू इट एग्जाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना टेंशन फ्री हो के तू सुनिए गाना पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है हर चीज का एक टाइम टेबल बनाना चिल का भी तो टाइम बनाना है खेल कूद्यू लगाना है खाके पीके मस्त हेल्थ बनाना है सोने के टाइम पर तो सो ही जाना है, जाना है। पढ़ेंगे बहुत समय बाद एग्जाम पे गाना एग्जाम का लोड नहीं उठाना बहुत तरीके बेटा सक्सेसफुल होने के रख ले भरोसा तुझे करके दिखाना बन हाई फाई तू छोड़ दे ये फोकट का वाई फाई तू पढ़ ले किताब को उठा लगा ले ध्यान से पढ़ साथ साथ तू मत कर भाई बात 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 बहुत हार्ड बहुत हाथ रटनी लगाना है तुझे मार्क्स की रेंज में खोना ही जा टैलेंट और फैशन पे खूब ध्यान लगाना है मेहनत करेगा तेरे दम पे जमाना है वो दोस्त सिलेबस तेरा भाई नहीं है पूरा पढ़ पूरा पढ़ कोई गाय नहीं है एग्जाम के सारे रूम को निभाना है रूमर्स को आगे नहीं फैलाना सिर्फ है। नहीं पर सक्सेस के लिए बहुत है करियर कुछ बनने के लिए डिजाइनर या टीचर या डर्जर बनेगा तू जो भी बनेगा अपनी मेहनत से बनेगा तू रख भरोसा तुझे करके दिखाना है करके खुशी खुशी एग्जाम दे के आना है तेरे लिए अंदर के जोश को तो एग्जाम के टाइम पे किया गुनगुनाना टेंशन फ्री हो के तू ये गाना पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है हर चीज का एक टाइम टेबल बनाना है, तो है खेलू बना लगाना है ताकि पीके मस्त हेल्थ बनाना है सोने के टाइम पर तो सो ही जाना है, जाना है। सही करें मेहनत से करें और आगे बढ़े पढ़ेंगे भाई क्या हालचाल तो बढ़िया सही है ये गाना और हर बच्चा इस गाने का दीवाना ठीक है तो डरना नहीं है एग्जाम से ईमानदार रहना है ईमानदारी से पढ़ाई करनी है सब अच्छा होगा सब बेहतरीन होगा आपको जो मैं एफिशिएंसी हैक्स बता रहा हूं आप उसको फॉलो कीजिए जिस तरीके से मैं आपको चीजें बता रहा हूं खाने पीने की उन चीजों को फॉलो कीजिए मैं आपको स्लीप साइकिल भी यहां पर अभी बताऊंगा स्लीप साइकिल को फॉलो करना डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है क्लियर है बहुत हार्ड बहुत हार्ड चलो तो आई होप थोड़ा सा मोटिवेशन भी आपको मिला ये सीबीएसई का ऑफिशियल गाना है एग्जाम सीबीएससी का तो डरना नहीं है दोस्त बढ़िया से आपने पढ़ाई करी है बढ़िया से आपने करी है, सब कुछ अच्छा होगा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको यहाँ से एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं भैया एमसीक्यू वाला हमारे दोस्त आ चुके हैं फटाफट से देखिए क्या बोल रहा है एमसीक्यू वाला एमसीक्यू वाला मेरा प्यारा दोस्त द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वरिया इसका लैटिन वर्ड है इसका मीनिंग क्या है रॉयल वाटर द मीनिंग ऑफ दिस इज रॉयल वाटर और ये किस चीज का मिक्सचर होता है दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन रेशियो थ्री इज टू वन मतलब कि मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल पिचहत्तर मिलीलीटर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एच ले लिया और अगर 25 मिलीलीटर मैंने यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड एच ले लिया तो इसका जो मिक्सर बनेगा इसको बेसिकली मैं क्या बोलूंगा इसको बोलूंगा एक्वा रीजिया ठीक है तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल टू कॉन्सेंट्रेट एच ओन थ्री का जो रेशियो थ्री टू वन दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर और सुनील भैया ने आपको यह भी बताया है कि यह क्या करता है कैन गोल्ड एंड अब इसके पीछे एक्चुअल में काफी सारी रिएक्शन है भाई नाइट्रोसिल क्लोराइड का निर्माण हो रहा है क्लोरीन नेसेंट क्लोरीन का निर्माण हो रहा है जिस वजह से रिएक्शन हो रही है तो ये गोल्ड एंड प्लेटिनम से भी रिएक्ट कर लेते हैं जो काफी ज्यादा अनरिएक्टिव मेटल्स हैं ठीक है क्लियर है बात चलो अगला सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से देखेंगे अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सर ऑफ अ मेटल विद अ मेटल और नॉन मेटल विच अमंगस नॉन मेटल्स कॉन्स्टिटेंट इसमें से कौन से में एक नॉन मेटल भी है बात करते हैं ब्रास की तो ब्रास एक मिक्सचर होता है कॉपर कॉपर प्लस प्लस जिंक का इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक टॉकिंग अबाउट द ब्रॉन्स इट इज नथिंग बट अ मिक्सर ऑफ कॉपर प्लस टेन ठीक टॉकिंग अबाउट अमलगम इट इज अ मिक्सचर ऑफ मर्करी प्लस एनी अदर मेटल कोई भी मेटल आप इसके साथ मिक्स कीजिए अमलगम बनेगा डेंटल अमलगम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सिल्वर मिक्स करना पड़ेगा जिंक अमलगम बनाना है तो कोई भी और मेटल आप जैसे कि जिंक को डाल दीजिए मरकरी के साथ तो जिंक अमलगम बन गया तो ये दोनों क्या है मेटल है हिंदी में ब्रास को कहते हैं पीतल ब्रॉन्स को कहते हैं कांसे यह हो गया हमारे पास अमलगम ये मरकरी प्लस एनी अदर मेटल कॉपर प्लस ये दोनों मेटल कॉपर प्लस जिंक दोनों मेटल ठीक है एम का मतलब ये हो गया हमारे पास मेटल है एम का मतलब हो गया हमारे पास मेटल है ये भी 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 हमारे पास मेटल है टॉकिंग अबाउट स्टील तो स्टील की अगर मैं बात करता हूं तो स्टील मेरा मिक्सचर होता है आयरन प्लस कार्बन का एक मिक्सचर होता है आ गया मेरे पास एक नॉन मेटल नॉन मेटल का नाम है कार्बन ठीक है बहुत बढ़िया तो करेक्ट आंसर लगेगा स्टील पे ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओपी 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 ठीक है दोस्त अगला सवाल सवाल नंबर तीन जल्दी से करेंगे रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स अ कंपाउंड जेड रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स अ कंपाउंड जेड नाउ एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय जेड क्या हुआ एक्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले मेटल होते हैं तो एक्स हो जाएगा बेसिकली मेटल लूज लूजेस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स तो ये क्या बनाएगा कैटायन बनाएगा वाई नॉन मेटल होता है ये बेसिकली क्या करेगा गेन इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स और इससे क्या बनेगा अनायन बनेगा तो कटायन और अनायन के बीच का जो कंपाउंड होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं कटायन और अनायन के बीच का जो कंपाउंड होता है उसे हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड क्या बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड क्या बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड ठीक है तो मान लीजिए एक्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कटायन बना इसने गेन किया तो अनायन बना कटायन और अनायन के बीच में आयोनिक कंपाउंड अब इसमें से कौन सी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है शत प्रतिशत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है गलत कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट इन दोनों के अंदर बिजली कंडक्ट करते हैं क्यों मोल्टन का मतलब होता है मोल्टन और फ्यूज यानी कि आपने इसको पिघला दिया है एक्वस का मतलब आपने पानी में घोल दिया है तो पानी में घोल दिया या बेसिकली पिघला दिया दोनों ही केसेस में आयंस दोनों ही केसेस में यहां पर देर आर आयंस आयंस आर फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आयन फ्री है मूव करेंगे बिजली को कंडक्ट करेंगे ऑकर से सॉलिड शत प्रतिशत करेक्ट आंसर क्या लगाना है राजा बेटा बी फटाफट से बताओ बी 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है रिवीजन बढ़िया से हो रहा है क्या दोस्त एक्स ने मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज किया बना कट मेटल इलेक्ट्रॉन गाइन इनके बीच में जो कंपाउंड बना उसका नाम आयोनिक कंपाउंड की, कंपा। 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 की प्रॉपर्टीज होती हाई मेल्टिंग लो मेल्टिंग नहीं होता कंडक्ट इन मोल्टन और एक्वस्टेट बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है ठीक है।, है।, है बहुत बढ़िया और उसके बाद औकर्जे सॉलिड ठीक है तो इन ये था हटा दो सवाल नंबर चार एन एग्जाम्पलर का सवाल है काफी बढ़िया सवाल है मजेदार सवाल है बढ़िया 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 एकदम ओपी विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को डिफाइन करता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जल्दी से बताना मेरे राजा बेटा मेरे राजा बेटा जम्पिंग जंपिंग जम्पक जंपक एसओ टू का टेस्ट कैसे होगा काफी बार बता दिया मैंने एसो टू लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है एसो टू गैस मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देगी। एसिडिफाइड पोटेशियम डायक्रोमेट को ऑरेंज से ग्रीन कर देगी ठीक याद हो गया आगे चलो अब देखो दोस्त इसमें करेक्ट आंसर क्या है तो एनोड है ये, कैथोड है ये, ठीक है एनोड के नीचे एनोड मड होता है इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ठीक है इलेक्ट्रोलाइट अपन किसका लेते है?

एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट भी सही है इंप्योरिटीज भी सही है यह भी सही है क्या बात है तो आपको क्या करना है दोस्त इंप्योर कॉपर को आपने यहां पर लिया किसको लेना है इंप्योर कॉपर को आपने यहां पर लिया इंप्योर कॉपर को आपने यहां पर लिया इंप्योर कॉपर में से यहां पर आपने लिया और यहां पर आपने उसी का सॉल्ट लिया कॉपर सल्फेट रहा नीले कलर का सॉल्ट लिया तो जो नीले कलर का सॉल्ट है वो आय में डिसोसिएट करेगा सीयू टू प्लस और एसओफो टू माइनस एक्स और यहां पर आपने प्योर कॉपर की एक पतली सी स्ट्रिप ली है प्योर कॉपर स्ट्रिप अब यहां पे सोल्यूशन में जो कटायंस है वो बेसिकली जाएंगे यहां पर कैथोड की तरफ क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड यहां पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे होंगे एनोड से आ रहे होंगे क्योंकि एनोड पे जो कॉपर इलेक्ट्रॉन दान करके सीधा सोल्यूशन में कूदेगा सोल्यूशन में कूद रहा है और सोल्यूशन वाले इसके ऊपर कूद रहे हैं तो यहां पे धीरे धीरे कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा जो इंप्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएगी इनको हम क्या बोलते हैं एनोड मड कहते हैं क्या बोलते हैं एनोड एनोड मड ठीक है करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर विल बी सी अगला सवाल सवाल नंबर पांचवा पा, देखो ध्यान से ऑलथो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विच ऑर द फॉलोइंग मेटल विल फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड अब इतनी बार बता दिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन बनाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं टिन एल्यूमिनियम जिंक एटसेट्रा ऐसे याद रखो सब सब पीजेड टिन एल्यूमिनियम लेड जिंक कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा ऑक्साइड एम्फोटरिक होगा सी होगा टिक्का लगाए आगे चले जाए चलो आगे चलो सवाल नंबर जल्दी लगाओ फटाफट से सवाल लगाओ इफ कॉपर इज इन ओपन एयर इट स्लोली लूज इट्स इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड कोजिस और गेन्स अ ग्रीन कोटिंग इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अबेरा राजा बेटा ये क्या करता है ये तुम्हारा कॉपर एयर में प्रेजेंट है मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन और एयर में मिलती है इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ये सब मिल जाते हैं तो ये बोलता है मैं बनाऊंगा सी यू सीओ थ्री डॉट सी यू ओ एच होल्डवाइज क्या बात है कॉपर दो है तो कॉपर को दो कर दीजिए दो कॉपर दो कॉपर हाइड्रोजन दो है हाइड्रोजन दो है ऑक्सीजन कितने हैं दो और दो चार और एक पांच दो और तीन पांच बिल्कुल सही है तो ये बेसिकली हमारे पास है सॉलिड ये हमारे पास है गैस यह हमारे पास है गैस यह हमारे पास है गैस और यह हमारे पास है सॉलिड। तो यह लेयर यहां पर कौन सी बनेगी राजा बेटा ये लेयर यहां पर कौन सी बनेगी ग्रीन कलर की लेयर बनेगी ठीक है ग्रीन और इस लेयर का नाम क्या होगा कॉमन नेम होता है इसका पटीना क्या नाम होता है पटीना अनदर नेम इसका क्या होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड अरे समझ में आ रहा है क्या अरे आ रहा है क्या समझ में है ए बाबू ए ए राजा बेटा कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड ए मेरा राजा समझ में आ रहा है क्या हा मैंने किया प्रपोज उसने किया मुझे ना मैंने बोला पटीना और अच्छी बात है नहीं पटरी तो बेटा पढ़ाई वढ़ाई कर लो दिस इज नॉट योर एज यूर यू आर सपोज टू इन्वॉल्व इन इनअप एंड पैचेस दिस इज योर एज यू आर एजोज टू स्टडी अबाउट केमिस्ट्री का ब्रेकअप थर्मल डिकॉम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिकोटोलाइटिक डिकॉम्पोजिशन अरे ब्रेकअप पढ़ना है समझना नहीं है समझ गए हा मतलब करना नहीं है जीवन में ब्रेकअप तो भैया कॉपर कौन से कलर का होता है अरे शाइनी ब्राउन कलर का होता है कॉपर आप स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को देखिए जब दिया गया था यूएस को तो भैया कौन सा कलर का था रेडिश ब्राउन कलर का था शाइनी ब्राउन कलर का था लेकिन जब आप इसकी टार्निशिंग होगी तो हरे कलर का हो गया कौन सा हो गया हरे कलर का हो गया हरे कलर का हो गया नाम है पटीना कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड क्या बात है ओपी ओपी हो गया रे ओ पी ओ पी हो गया रे ओ पी ओ पी हो गया ओ पी ओपी हो गया ओपी ओ पी हो गया टोपी पहन के ओपी हो गया क्या ओपी ओपी हो गया अरे याद रहेगा नाम मैंने किया उससे उसने किया मुझे ना मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अरे भैया दिस इज़ द एज भैया आप इन्वॉल्व हो गए थे क्या इलेवेंथ क्लास में गलती हो गई गलती गलती समझ गए एनर्जी को वेस्ट किया मैंने अरे तुमको ये समझ में आया क्या मजा आया क्या ये समझ में आया क्या हाँ तो चलो ना 2008 कंपार्टमेंट का? का? चलाओ, चलाओ, का सवाल भैया भाई भाई कंपार्टमेंट का नाम से तो डर लगता है, है तुम्हारी टेंशन मतलब इधर देखो विच फॉलोइंग मेटल विल मेल्ट एट द बॉडी टेम्परेचर सैंतीस डिग्री सेल्सियस गैलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कौन कौन से तुम्हारे हाथ पे मेल्ट करेंगे अरे तुम्हारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना सैतीस 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 गेलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना ट्वेंटी इसका अट्ठाइस हाथ पे मेल्ट कर जाएंगे खत्म बात। सिंपल। एंड अरे इनका पिघलने का तापमान कितना है इतना इतना है हमारी बॉडी का टेम्परेचर या तापमान कितना है सैंतीस है तो पिघल जाएंगे बस खत्म बात आगे चलो ना यार सवाल नंबर ये सवाल का नंबर गलत चल रहा है रहा है 2011 नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन द प्योर स्टेट प्योर स्टेट का मतलब क्या होता है प्योर स्टेट इसको बोलते हैं नेटिव स्टेट इसको बोलते हैं फ्री स्टेट इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है सुनील भैया एलिमेंटल फॉर्म यानी कि किसी से कंबाइन नहीं किया है अकेला है पैचअप नहीं किया है अकेला है जीवन में सिंगल है तो प्योर स्टेट नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट इसे कहते हैं एलिमेंटल फॉर्म अकेला है जीवन में और हमेशा अकेला रहता है कौन तो ये दोनों लिख दिया मैंने ओनली प्योर या फ्री स्टेट तो हमारा गोल्ड एंड प्लेटिनम और सवाल अगर तुमको थोड़ा घुमाता और नचाता तो दोनों फ्री और कंबाइंड स्टेट में पाने वाले मेटल्स कॉपर मरकरी और सिल्वर याद रखना अगर कोई पूछता है ऐसे मेटल्स जो दोनों स्टेट में रहे कंबाइंड भी रहे और अकेले भी रहे तो वो है तीन मेटल्स ये तीन चलिए आगे चलेंगे ठीक है हाँ देखिए सिल्वर के साथ क्या है वो कंबाइंड और फ्री स्टेट दोनों में रह सकता है मैंने आपको बताई ये बात कभी भी ऐसा मत बोलना कि सिल्वर हमेशा फ्री स्टेट में रहेगा नहीं

अब तुम यार मेरे से पढ़ के गए हो देखो सवाल भी आ रहा है देखो तुम खुद बता दोगे तुमको यह पता है कि सुनील भाई ने पढ़ाया है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड या तो आपके न्यूट्रल हो सकते हैं और या तो आपके एसिडिक हो सकते हैं बात खत्म पढ़ाया कि नहीं पढ़ा है मुझे दिल से बताओ अरे भाई नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल भी हो सकते हैं एसिडिक भी हो सकते हैं पढ़ाया है ना भाई पढ़ाया कि नहीं पढ़ा है बिल्कुल पढ़ाए सुनील भाई तो मेटल कैसे अरे मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं यार ये देखो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं मेटल के ऑक्साइड या तो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक दो गुले होते हैं है ना तो ये तो नॉन मेटल ही होगा अब मैं को क्या मान लेता हूं एलिमेंट ए इज अ नॉन मेटल बिकॉज नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर न्यूट्रल और एसिडिक नेचर मैं एलिमेंट ए को कार्बन मान लेता हूं अगर एलिमेंट ए को कार्बन मानता हूं तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बेसिकली न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा समझे समझे राजा बेटा कुछ और न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल देता हूं तुमको एच टू ओ पानी कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O एन टू ओ एटसेट्रा इधर आ जाओ इधर आओगे तो भैया सीओ टू एनओ टू एसओ टू एसओ थ्री एटसेट्रा ये सब एसिडिक है ये सारे के सारे एसिड का निर्माण करते हैं ये सारे के सारे न्यूट्रल रहते हैं खत्म का ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, आगे चलो। राजा बेटा सीबीएसई 2013 क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम अमंग्स द मेटल सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम नेम द मेटल बताइए जो सिर्फ गर्म पानी से रिएक्ट करता है राजा बेटा चैट बॉक्स में बताओ जो सिर्फ गर्म पानी से रिएक्ट करता है अनादर वन दैट नॉट इवन रिएक्ट विद स्टीम ऐसा जो दोनों से स्टीम से भी रिएक्ट ना करे गर्म पानी से भी रिएक्ट ना करे ठंडे पानी से भी रिएक्ट ना करे जल्दी 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 एक भाई कह रहा है सुनील भैया नाइट्रोजन की जगह एनो टू भी तो हो सकता है लगा लो कोई दिक्कत नहीं है एनो और एनो टू लगा लो कोई दिक्कत नहीं मैंने तो एग्जाम्पल दिया एलिमेंट ए कैन बी कार्बन मैंने तो अजम्सन दिया ना एलिमेंट ए कैन बी कार्बन मैंने तो ये बोला ऐसा मैंने तो कोई रिजिल्ड नहीं बोल रहा हूँ आपको आप ये लगाना चाहते हो तो ये ये लगाओ ना कोई कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं नहीं आप ये लगाओ कोई दिक्कत नहीं ठीक है हाँ। आप ये लगाओ कोई दिक्कत नहीं सही है वो कोई दिक्कत नहीं है उसने सवाल में वैसे पूछा नहीं वो तो मैंने एक्स्ट्रा में आपको ऐसे बताया ठीक है हाँ। अब देखिये विच हॉट वाटर अरे वाह मेरे राजा बेटा बहुत बढ़िया हॉट वाटर से कौन कौन रिएक्ट करता है रिविजन करा दू क्या हॉट वाटर से रिएक्ट करते कौन कौन से मेटल हॉट वाटर से कौन कौन से मेटल करते हैं ओनली पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम अमंग्स द मेटल सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम कॉपर एंड मैग्नीशियम नेम द मेटल विच रिएक्ट विद ओनली हॉट वाटर विद ओनली हॉट वाटर यह हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा क्यों बिकॉज मैग्नीशियम डोंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम अगर आप सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम की बात करें तो देखिए सोडियम कैल्शियम सोडियम कैल्शियम ये बेसिकली आपके गर्म पानी से रिएक्ट कर सकते हैं पोटेशियम भी कर सकता है मैग्नीशियम भी करेगा लेकिन मैग्नीशियम ठंडे पानी से नहीं करता तो इस वाली लिस्ट में यह आंसर हो जाएगा ठीक है इनके साथ क्या है यहां पर लिख देता हूं रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एज वेल तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ठीक है अब दूसरा आंसर बताओ जल्दी से फटाफट से ये चार मेटल रिएक्ट करते हैं जिसमें से मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी से रिएक्ट करता है ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेते हैं और गर्म पानी से भी कर लेते हैं ठीक है अनादरवन विच नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम अब देखिए कौन कौन से स्टीम से रिएक्ट करते हैं स्टीम से कौन कौन रिएक्ट करता है पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन ठीक है ये सब कर लेंगे पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और आयरन प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जीवरा ठीक है आई लाइक हर कॉलिंग म्यूट स्मार्ट गोड पैब्लो तो यहां पर लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम किसी से भी रिएक्ट नहीं करते ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते डोट रिएक्ट डोंट रिएक्ट ये ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं डोंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर हॉट वाटर और इवन विथ स्टीम ठीक है ना तो गर्म पानी से ना तो ठंडे पानी से ना ही स्टीम से तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फिर यहां पर यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारे पास इस वाले केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाले केस में विल बी मैग्नीशियम और सेकंड वाले केस में हो जाएगा कॉपर ठीक है समझ में आ गया अरे समझ में आई क्या बात समझ में आ गई क्या बात पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और आयरन ये तो बेसिकली स्टीम से रिएक्ट कर लेंगे ये नहीं करेंगे ये तो ना तो ना ठंडे पानी से करेंगे ना तो गर्म पानी से करेंगे ना ही स्टीम से करेंगे अब इस लिस्ट में से कौन सा यहां पे दे रखा है कॉपर दे रखा है देखो कौन सा दे रखा है कॉपर दे रखा है मैग्नीशियम सोडियम कैल्शियम एल्यूनियम तो सब रिएक्ट कर लेंगे ये नहीं करेगा ये रहा यहां पर यह सिर्फ गर्म पानी से करेगा ठीक हाँ चलो एक सेकेंड इसको डिलीट ही कर देते हैं यहां से वरना आपको आंसर लिखने में दिक्कत होगी आंसर देखने में दिक्कत होगी अभी डिलीट कर देता हूं याद से चलो भैया डिलीट हो जाओ आप चलो बहुत सही आ जाओ साहब आप देखो फटाफट से सवाल 11 2013 में आया है नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू एवोल्व हाइड्रोजन गैस बताइए कौन से दो मेटल्स हैं यू टू 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 नेम द मेटल्स दैट रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस कौन से दो मेटल्स जल्दी बताओ हा क्या बात है क्या बात है तो दो मेटल्स जो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एच एन ओ थ्री के साथ जो हाइड्रोजन गैस देंगे वो है मैगनीज और मैग्नीशियम तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी ये सिर्फ दो मेटल ऐसे हैं जैसे कि मैग्नीशियम और मैगनीज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट और आपका मैग्नीज नाइट्रेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं ठीक है सिर्फ ये दो मेटल है इसके अलावा मेटल क्या करेंगे फिर इसके अलावा क्या करेंगे वो मैं बताता हूं इसके अलावा वाले केस में क्या होगा कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कितना भी डाइल्यूटेड यूज करो ये एक दिक्कत क्रिएट करेगा दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इन दोनों मेटल के अलावा मान लीजिए अगर मैग्नीज और मैग्नीशियम और काफी ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा लेकिन मेरी बात को सुनना इसके अलावा इसके अलावा कोई और मेटल अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड है भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यह क्या करता है यह बोलता है कि सुनो अब मचाऊंगा मैं मस्ती बोले क्या करूंगा बोले बोले मचाऊंगा मैं मस्ती बोले कैसे बोले देखो क्या करेगा ये ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू एच टू भाई हाइड्रोजन को एच टू बना लेगा एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूसड टू तो ये क्या करता है दूसरा कोई भी मेटल होगा और आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करें तो ये सोल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस जैसे जैसी बनेगी उसको ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा NO, एन या NO2 के अंदर समझे मेरे प्यारे बंदर बहुत बढ़िया क्लियर हो गई यह बात क्लियर हो गई ये बात आई होप दिस इज क्लियर आगे चले चलो सुनील भैया सीबीएसई 2008 और 2016 में ये आया था सवाल नंबर हमारा 12 शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ध्यान से सुनना एक ही बार में लुविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खत्म कर दूंगा देखो बेटा सबसे पहले यहां पर एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है वो सिखा रहा हूं सबसे पहले लिखना है एलिमेंट एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीशियम और हमारे पास है क्लोरीन उसके बाद लिखना है यहां पर हमें अटोमिक नंबर यानी कि Z मैग्नीशियम का है 12 बेटा क्लोरीन का कितना है 17 यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 12 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां कितने हैं 17 यानी पॉजिटिव पार्टिकल 12 और 17 न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे राजा बेटा इधर बारह होंगे और इधर सत्रह होंगे भाई जितने पॉजिटिव पार्टिकल उतने नेगेटिव पार्टिकल होते हैं भाई जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है फिर दो आठ और दो दो आठ और सात ठीक है ठीक है अब ध्यान से देखना इसके शेल में दो इलेक्ट्रॉन शेल में सात इलेक्ट्रॉन तो यहां पर क्या होगा इसको ध्यान से सुनना बेटा आपको हर एक समझ इसके पास शेल में दो इलेक्ट्रॉन तो को लूज कर दू मैं दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दूं तो मेरे मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मैं स्टेबल हो जाऊंगा और क्लोरीन सोचता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लूं तो मेरे आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई अगर ये आउटर मोस्ट में से दो निकाल दे इस वाले में से दो निकाल दे तो यहां आठ हो गए और ये यहां पर एक गेन कर ले तो यहां पर भी क्या हो गए आठ हो गए बहुत सही बात बहुत सही बात तो यहां पर ये कटायन बनाएगा यहां पर बनाएगा। अब ये बनेगा कैसे ये देख लेते हैं तो इसी चीज का लूविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं ध्यान से देखना देखो मैग्नीशियम आया यहां पे, ध्यान से सुनना बेटा समझ में आएगा इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बोले दो बोले एक इधर डॉट बनाओ एक इधर डॉट बनाओ ठीक बोले ठीक क्लोरीन आया भटकते भटकते बोले एक दो तीन चार पांच छ सात बोले मैग्नीशियम भैया एक इलेक्ट्रॉन देो नरे तुम एक दोगे तो मेरे पास आठ हो जाएंगे मैं स्टेबल हो जाऊंगा मैग्नीशियम ने कहा कि देख तेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दू मैं बहुत दानी आदमी हूं पर मैं तेरे जैसा एक और चाहता हूँ बोले मतलब बोले तू तेरे जैसा एक और ले गया तेरे को एक दूंगा एक उसको दूंगा मैं खुश बोले मतलब अरे बोलो तू तेरे जैसा लेकर तो आ रे उसने कहा ओके भैया एक और आ गया क्लोरीन आ गया बोले हाँ कब भैया एक इधर दे दो भैया एक इधर दे दो एक गिफ्ट इसको दूंगा एक गिफ्ट इसको दूंगा वाह 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 मजा आ गया एकदम समझेगी नहीं भाई देखो एक गिफ्ट इसको दिया ने, एक गिफ्ट इसको दिया एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको भाई मैग्नीशियम को मजा आ रहा है कि भैया मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे मैं स्टेबल ये कह रहा मेरे को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो मैं भी स्टेबल एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी एकदम ओपी मैग्नीशियम कह रहा भाई साहब मैं अटीने बैठा हूं टू पीलास का चार्ज लेके दो इलेक्ट्रॉन दान करके आया हूं ये क्लोरीन कह रहा भाई साहब मैं क्लोराइड बन गया क्या बन गया भाई साहब भाई साहब मैं क्लोराइड बन गया क्या बन गया भाई साहब भाई साहब मैं किलोराइड बन गया क्या बन गया भाई साहब किलोराइड बन गया मेरे पे वन माइनस की चार्ज तो दूसरी का भाई साहब मैं भी, भी बन गया अपना पप्पू पास हो गया बेटा वन माइनस नेगेटिव चार्ज टोटल कितना टू माइनस पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना टू प्लस मजा आ रहा है ओपी मजा आ रहा है ओपी एकदम एमजीसीएल टू इसको और कैसे बोल सकते हैं यही तो है कि भाई एक मैग्नीशियम के कटाइन दो क्लोरीन के आना यानी क्लोराइड के आयन यही तो है एमजीसीएल बस ये दिखाना था मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है एलिमेंट का नाम मैग्नीशियम एलिमेंट का नाम क्लोरीन एटॉमिक नंबर बारह सत्रह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बारह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सत्रह दो आठ दो दो आठ सात ये कह रहा मैं दो दे दू, तो मैं खुश ये कह रहा कि मैं एक ले लू तो मैं खुश मैग्नीशियम ने कहा एक तू ले एक तू ले मजा आ जाएगा ऐसे बनेंगे मजा ओपी एकदम जीवन सेट ठीक चलो 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 जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर तेरा सीबीएसई दो हजार चौदह अरे यार गिव ऑफ ब्रास ब्रास मतलब पीतल अस्सी परसेंट कॉपर लगभग और बीस परसेंट जिंक ये रेंज चेंज होती रहती है और ब्रॉन्ज मतलब कान से कॉपर इसमें नब्बे प्रतिशत और टिन इसमें दस प्रतिशत ये क्या है ये है टिन ये क्या है ये है जिंक ये क्या है ये है कॉपर ये भी कॉपर इसको हिंदी में कहते हैं पीतल और इसको हिंदी में कहते हैं कांसे समझे मेरे राजा बेटा चलो आगे चलो आ जाओ सीबीएसई 2015 क्वेश्चन नंबर चौदह अरे बहुत सवाल है भैया मजा आ जाएगा तुमको एकदम ओपी ओपी हो जाएगा जीवन मेंशन द नेम ऑफ मेटल्स फॉर द फॉलोइंग

रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे हो भाई यार ओपी आदमी हो यार तुम कर लेंगे यार भाई बिल्कुल कर कर लेंगे अभी पहले तुम ये कर लो बढ़िया से ठीक है देखो दो जो अलॉय करेंगे आयरन से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए तो क्या करेंगे भैया क्रोमियम और भैया करेंगे निकल निकल से क्या आती है निकल इसको प्रोवाइड करता है हार्डनेस प्रोवाइड हार्डनेस टू दी स्टील एंड दिस प्रोवाइड्स इस पे जंग ना लगे रेजिस्टेंस टू कोरोजन स्टेनलेस स्टील पे जंग नहीं लगती है एंड मेक्स इट स्ट्रेन फ्री मतलब कि इस पे दाग नहीं लगते क्रोमियम की वजह से स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती क्रोमियम की वजह से इस पे दाग नहीं लगते इसीलिए अपन बोलते हैं स्टेनलेस स्टील निकल इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है स्टेनलेस स्टील किसके काम में आता है Used to make यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के काम में आता है याद रखना बहुत लोग बोलते हैं हमारे घर में स्टील के बर्तन है भाई स्टील के बर्तन आप ले ही नहीं सकते स्टील में जंग लग जाती है स्टील के बर्तन कैसे लोगे स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता अंतर है मेटल्स विच आर यूज टू मेक ज्वेलरी गोल्ड एंड प्लेटिनियम कौन सा गोल्ड एंड प्लेटिनियम अब रीजन क्या इनको क्यों यूज करते हैं सबसे पहला तो ये बेसिकली प्रीशियस मेटल्स है पहला रीजन तो ये काफी ज़्यादा पहनने तो में एकदम भारी, दिखता भारी है, है, है।, तो है प्रीशियस है दूसरा मेटेलिक लश्चर है चमक है इनके अंदर बहुत बढ़िया वाली चमकते हैं तो तुम कहोगे चमकते तो भैया सोडियम भी है मैग्नीशियम भी चमकता है तो क्या सोडियम के झुमके पहन के हवा में घूमने लगू झुमका गिरा रे मेरे सोडियम का रे झुमका गिरा रे तो सोडियम के झुमके पहने लगू है मैग्नीशियम की बाली लगा लू है झुमके लगाऊ सोडियम के मैग्नीशियम के हाथ में तो मंगल सूत्र मैग्नीशियम का लगा लू है लगा लू क्या है या पोटेशियम का वो मंगल सूत्र पोटेशियम का सोडियम के झुमके लगा दू है हो जाएगा क्या हाथ पैर नाक कान सब जल जाएंगे और वो अपने ऊपर लेयर बना लेते हैं तो चमकना बंद कर देंगे हैं हाँ इनके साथ क्या होता है ये अनरिएक्टिव है बेटा अनरिएक्टिव है अनरिएक्टिव एंड मेंटेन्स देयर लश्र फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये अपनी चमक को बहुत ज्यादा देर तक मेंटेन करके रखते हैं इसी वजह से ज्वेलरी बनाने के काम में आते हैं तो सबसे पहला तो भैया प्रीशियस मेटल दूसरा इनके अंदर लश्चर होता है, है दूसरा, लश्चर, और इस लश्चर, चमक को लंबे समय तक करके रखते हैं इसीलिए ज्वेलरी बनाने के काम में आते हैं याद रखना रीजन आता है तो वाय अगर कोई पूछता है तो मेरे प्यारे प्यारे गाइज आपको आंसर आना चाहिए चलो सीबीएसई 2012 एस ई क्या जाता है मेरा जल्दी देखो एक्सप्लेन वाई कैल्शियम मेटल्स आफ्टर रिएक्टिंग विद कोल्ड वाटर स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन इट सर्फेस कैल्शियम मेटल को जैसे हम ठंडे ठंडे पानी में डालते हैं तो उसके सरफेस पे तैरता है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अब देखो सिंपल सी क्या बात है मेटल है मेरे पास मान लीजिए कैल्शियम कोल्ड वाटर है मेरे पास एच टू मुझे एक बात पता है कैल्शियम का जो रिएक्टिविटी है पानी में प्रेजेंट हाइड्रोजन से ज्यादा है क्या होगा बाई रिएक्टिविटी ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन ऑफ एच टू तो ये क्या करेगा कैल्शियम को जैसे ही आप पानी में डालेंगे कैल्शियम का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है कूड़ी नाल यह है कैल्शियम कूड़ी नाल कार, मांगो अल्टो जिसको फिर लेकर हम यह हाइड्रोजन तो कैल्शियम का रिएक्टिविटी काफी काफी ज्यादा है तो यह क्या करेगा यह बेसिकली सबसे पहले तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड क्योंकि सोल्यूबल है वॉटर में सोल्यूबल इन वॉटर तो यह क्या बना लेगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना लेगा जो हम यहां डायरेक्टली लिख देते हैं तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी पानी में प्रेजेंट हाइड्रोजन से ज्यादा है तो बनाएगा कैल्शियम का ऑक्साइड जो पानी में सोल्यूबल है तो हम डायरेक्टली यहां पर लिखते हैं मेटल की हाइड्रोक्साइड किताब में डायरेक्ट रिएक्शन है तो पॉइंट क्या था अरे भाई कैल्शियम का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो क्या बनाएगा कैल्शियम का ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल है तो क्या बनाएगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस साथ में निकलेगी हीट लेकिन इस हीट से आग नहीं लगेगी क्योंकि इतनी ज्यादा हीट है ही नहीं ठीक है इवॉल्व हाइड्रोजन गैस डजेंट कैच फायर हीट इजंट इनफ जो हीट निकली है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि हाइड्रोजन में आग लगा सके तो ये हाइड्रोजन क्या करती है कैल्शियम पे चुपक जाती है और कैल्शियम को है ले ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर तैराने लगती है सो द टाइनी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक्स टू द सर्फेस ऑफ दैल्शियम एनहेंस स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन दी वॉटर कैल्शियम का यूजली घनत्व पानी से ज्यादा है तो नीचे जाना चाहिए बट हाइड्रोजन के बबल्स की वजह से बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो उसको तैराने लग जाते हैं ठीक है ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात अच्छा। सीबीएसई 2011 ये आया था सवाल कितना प्यारा सीबीएसई दो हजार ग्यारह में आया ये तब प्यारा प्यारा सवाल जल्दी से बताएंगे इसका आंसर मुझे चैट नजर नहीं आ रही क्यों भाई जल्दी से सवाल बताएंगे इस सवाल का आंसर बताएंगे मेरे राजा राजा बेटा जल्दी से बताएंगे यह सीबीएसई दो हजार ग्यारह में सवाल आया था जल्दी से बताएंगे ठीक है क्लियर है बात ठीक है अच्छा बहुत बढ़िया आउट ऑफ द टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई विच इज मोर रिएक्टिव एंड वाई अब ध्यान से आप देखिए अगर आप पहली रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं यहां पर तो आपको दिख रहा है एक्स एसओ फोर प्लस वाई अब ये क्यों पॉसिबल है ऑब्वियसली क्यों पॉसिबल है देखो यहां पर एक्स ने यहां पर एक्स ने कर दिया Y को ठीक है सो so, एक्स while Y is सोल्यूशन टू डिस्प्लेस एक्स फ्रॉम its salt सोल्यूशन ये चीज वाई नहीं कर पा रहा नो no रिएक्शन सो so, इससे क्या सजेस्ट होता है एक्स ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वाई से अरे भाई x प्लस वाई एसओ था तो x ने y को डिस्प्लेस करके बनाया x एसओ फोर प्लस लेकिन यही चीज y नहीं कर पाया तो x का रिएक्टिविटी y से ज्यादा है ठीक है हाँ. यही चीज हमने यहां पर भी लिखी है यही चीज हमने यहां पर भी लिखी है ठीक है यही चीज यहां पर भी लिखी है सो so, X इज मोर रिएक्टिव देन Y आप इसको ये भी कह सकते हैं कि X ज्यादा रिएक्टिव इसीलिए है क्योंकि वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है एज कंपेयर टू वाई एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन अगर ये एक्स मेटल है तो ठीक है ना इजीली लूज इज इलेक्ट्रॉन्स इफ एक्स इज अ मैटल जो ऑब्वियसली होगा क्योंकि एसो फोर आ रहा है तो ये मेटल ही होगा ठीक तो है तो एक्स एक ज्यादा रिएक्टिव है वाई से बिकॉज इट कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू वाई एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन तो आप इस वाले कंसेप्ट ना लिखें इससे लिखें तो भी आंसर सही है एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं आप ये एग्जाम में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पर ज्यादा रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या होता है जो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करे अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्स ज्यादा रिएक्टिव है वाई से इसका मतलब है ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वाई के कंपेरिजन में इफ आई एम सींग एक्स इज मोर रिएक्टिव दैट मीन्स X कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ Y. ठीक है सिंपल सी बात है इसको एग्जाम्पल से समझना चाहो तो वो भी समझ सकते हो जैसे मैं बोलता हूं कि भैया एफ ई प्लस एक्वस विल गिव एफ प्लस सीयू ये तो यहां पे देखो अगर ये चीज सीयू सॉलिड हो एक्स अगर मैं एफ ई को मानता हूं वाई में सीयू को मानता हूं एसओ फोर अब यही चीज अगर y प्लस फोर लू तो नो रिएक्शन सिंपल सी बात है सुनील भाई नो no रिएक्शन ठीक है तो इसका क्या मतलब हो गया रिएक्टिविटी ऑफ एफ इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर बस इतनी सी बात है ठीक है चलो सीबीएसई 2013 क्वेश्चन नंबर 17 डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन गिविंग दी एग्जाम्पल्स ठीक है तो ध्यान से देखिए जब आप एक्सट्रेक्शन कर रहे होते हैं तो या तो आपका जो ओर है वह बेसिकली मेटल सल्फाइड होता है या वो बेसिकली क्या होता है मेटल का कार्बोनेट होता है तो मेटल के सल्फाइड के लिए हमें रोस्टिंग करनी पड़ती है और इसके लिए हमें कैल्सिनेशन करना पड़ता है कार्बोनेट के लिए और हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है मेटल के ऑक्साइड में आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं अगर आपके पास मेटल की सल्फाइड है आप रोस्टिंग करेंगे तो क्या बनेगा मेटल का ऑक्साइड बनेगा और अगर आपके पास मेटल की कार्बोनेट है आप कैल्सिनेशन करेंगे तब भी आपका क्या बनेगा मेटल का ऑक्साइड बनेगा तो अगर आपको मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड बनाना है तो रोस्टिंग मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड बनाना है तो कैल्सिनेशन और मेटल ऑक्साइड बनाते क्यों है इट इज ये पूछा जा सकता है इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल इट्स ऑक्साइड रेदर देन सल्फाइड और कार्बोनेट मेरी बात समझ में आई क्या मेरी बात समझ में आई क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अगर आपके पास और का मेटल सल्फाइड है और अगर आपके पास और का मेटल कार्बोनेट है तो आपको इसको मेटल ऑक्साइड बनाना पड़ेगा मेटल सल्फाइड को बनाने के लिए रोस्टिंग मेटल कार्बोनेट को बनाने के लिए कैल्सियशन क्यों क्योंकि बहुत ज्यादा आसान होता है कि अगर हम मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाए ए मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकाले रदर देन की उसके सल्फाइड या कार्बोनेट से उसको एक्सट्रैक्ट करें तो अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होता क्या है ध्यान से सुनिए सल्फाइड के ओर के लिए होती है और यह कार्बोनेट के ओर के लिए होती है ठीक है अब इसमें क्या होता है सल्फाइड ओर को हम बहुत ज्यादा तेज गर्म करते हैं एक्सेस ऑफ एयर में बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल मतलब जो मेटल का जो सल्फाइड है इसको आप एक्सेस ऑफ एयर में बहुत तेज गर्म करो मतलब बहुत ज्यादा हवा में एक्सेस ऑफ एयर में गर्म करो बट याद रखना कि मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे तुम गर्म कर रहे हो सल्फाइड ओर को कार्बोनेट ओर को तुमको हीट करना है लेकिन कंडीशन क्या है एब्सेंस ऑफ एयर यहां पे प्रेजेंस ऑफ एयर एक्सेस ऑफ एयर यहां पे एब्सेंस ऑफ एयर अगेन बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल दोनों केसेस में हीट करना है यहां पर एक्सेस ऑफ एयर यहां पर लैक ऑफ एयर में करना है तो यहां पर क्या होगा मेटल सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन विल गिव मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट डायरेक्टली अपन हीट करेंगे तो ये टूटेगा मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ठीक है उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां पर निकलती है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है ठीक अब इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको जैसे मान लीजिए जिंक का एक और है जिंक ब्लैंड क्या नाम है जिंक ब्लेंड। जिंक का एक और है जिंक ब्लेंड, यानी कि ZnS। एस और जिंक का एक और है कैला माइन काली माइन नहीं है कैला माइन है बच्चा आके बोलता है काली माइन अरे कौन सी काली माइन कशी काली माइन भाई साहब कहीं बोल रहा था कैला माइन नॉट काली माइन हाँ। तो भाई साहब ये मेटल का सल्फाइड है हा एक्सिस ऑफ एयर में हीट करेंगे हाँ तो मेटल की ऑक्साइड बनेगी हाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी वाह ये जिंक कार्बोनेट मेटल की कार्बोनेट है हाँ इसको हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर में तो क्या बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात ठीक ले चलो जाओ आ जाओ आ जाओ क्वेश्चन नंबर अठारह सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर सेट टू जल्दी से बताओ राजा बेटा ए राजा बेटा जल्दी जल्दी बोलो सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर सेट टू का सवाल है क्वेश्चन नंबर अठारह अपना है यहाँ पे तीस सवाल हो जाएंगे इस चैप्टर से पूरा चैप्टर पेपर में सेट करवा देंगे ध्यान से देखो जल्दी 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 जल्दी

एक ही बार में आंसर वेन ए इज हीटेड विद ऑक्सीजन इट गिवज एन ऑक्साइड बी विच इज एन एम्फोटेरिक इन नेचर इससे भी कंफर्म हो जाएगा अब अगर तुम ए को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो वो बेसिकली ऑक्साइड बी देगा जो एम्फोटेरिक है नेचर में तो देखो इसको वेरीफाई भी कर देता हूं मैं मान लो ए तुम्हारा क्या है ए इज एल्यूमिनियम अब क्या एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड एम्फोटेरिक है बिल्कुल एम्फोटेरिक है ये देखिए सुनील भाई ए एल्यूमिनियम है एलुमिनियम याद आ रहा है पापा की बंदूक मैंने बताई थी भाई अगर मैं लो रिएक्टिविटी मेटल हूं तो तो मैं हल्का सा गर्म करने ऑटो रिडक्शन करूंगा पापा ने डंडा दिखाया मैं मैं तो सा मैं तो को भाई साहब ब्रेकअप फिर मीडियम रिएक्टिविटी मेटल बना पापा डंडा मारना पड़ा दिस इज जिंक ऑक्साइड था आयरन ऑक्साइड था पापा ने डंडा मारा ब्रेकअप कराया अब मान लो मैं और हाई रिएक्टिव मेटल बन गया बाबू जी का बोला साहब बंदूक चलानी पड़ेगी मानेगा नहीं है तो एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम तो याद आया रिड्यूसिंग एजेंट था ठीक है अब ध्यान से देखो एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एल टू ओ थ्री बनेगा अरे बनेगा कि नहीं बनेगा यार बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा ना भाई साहब यार बिल्कुल बनेगा यार भाई साहब ये छे छह ये चार बिल्कुल बनेगा अच्छा भाई साहब अगर ये बनेगा तो भाई साहब ये बी है हाँ सुनील भाई ये है क्या अरे हंड्रेड परसेंट एम्फोटरिक है राजा बेटा हंड्रेड परसेंट एम्फोटरिकल्यूमिनियम बी इज एमरिकाइड एल टू थ्री द हेल्प ऑफ केमिकल द रिएक्शन ऑफ बी विद एचल अब अगर मान लीजिए तो क्या बनेगा क्या बनेगा अरे बहुत सिंपल है

आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या बोले नहीं बोले आप मेरे से रिएक्ट करो बोले ठीक है तो बोले आप स्ट्रॉन्ग एसिड मैं बेस हम मिलके बनाएंगे सॉल्ट और पानी ओह वहां तो भैया एचएल तो बावड़ा हो गया एचएल का बिल्कुल सच्चा आदमी है ये ये बहुत सच्चा आदमी है संसार में सबसे सच्चा आदमी यही एल टू ऑथरी है ओहो वाह वाह वा। एल टूत्री तुम बहुत सच्चे आदमी हो तुम पक्का बेस हो हैं। अब ये इसने बेस सुना अब इसने जैसे ही बोला बेस मैं तो बेस हूं तो कौन आया? को लग गया? भाई में कौन आ गया भाई मैं बेस। मेरे में कौन कूद के आया है? अरे भाई मैं बेस। एल के गया। भाई साहब किसने बोला मैं बेस हूं कौन ये अफाई फैला रहा है मैं एसिड हूं क्या तू ए हाँ बोले मैं भाई साहब एसिड हूं हु। अम्ल हूं अम्ल तो बोले फिर क्या करना बोले मेरे साथ रिएक्ट कर लो करोगे तो देखो आप सोल्ट बनाओगे मैं कहा बहुत बढ़िया यार तू तो सोल्ट बना रहा है साथ में पानी निकलेगा देखो न्यूट्रलाइजेशन दे दी तो ये होते जीवन में असली लोग ऐसे लोग आपको मिलते हैं जीवन में देखो गंगा है तो गंगाराम जमुना गए तो जमुना राम इसको कहे तू अच्छा इसको कहे तू अच्छा दिल में इसके है कि दोनों के दोनों बेवकूफ समझ गए हाँ हम लोग एम्फोटेरिक बन ही नहीं पा रहे जीवन में लोग आजकल एम्फोटेरिक ही है आजकल कलयुग में सारे लोग एम्फोटेरिक

तो ये दोनों दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भाई समझ आ गया है ना हा दोपन चल रहा है जीवन के अंदर है ना क्या करे ऐसे हो गए बेटा संसार आजकल चलो तुम इसका आंसर करो बेटा जल्दी जल्दी ग्रे पाउडर ऑफ सॉलिड ए इज मिक्सड विदिश ब्राउन पाउडर सॉलिड नो रिएशन ऑकर्स तो बता क्यू रिओवीर बता क्यू रियोवीर आगे बट इफ द मिक्सर इज इग्नाइटेड एंड लाइटेड यूजिंग मैग्नीशियम रिबन अ रिएक्शन ऑकर्स विदोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हिट फॉर्मिंग द प्रोडक्ट सी विच सेटल्स डाउन एज लिक्विड एंड द सॉलिड प्रोडक्ट डी फॉर्म फ्लोट्स ऑन द लिक्विड सी इन द सॉलिड फॉर्म रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर सी इन द सॉलिडॉर्म रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म रस्ट रस्ट बना रहा है मतलब सी तो ऑब्वियसली क्या हंड्रेड परसेंट सी क्या है सी जो है वो तो हंड्रेड परसेंट क्या है, तो तो है? आयरन है भाई जंग लगती है लोहे में लगती है में लगती है ना जंग तो हाँ। तो सी तो आयरन अब यहां पर सी बन रहा है सिल्वरी ग्रे पाउडर किसी सॉलिड का होगा रेडिश ब्राउन पाउडर दूसरे सॉलिड का होगा कोई रिएक्शन हो रही है तो ये तो थर्माइट नजर आ रही है सिल्वरी ग्रे पाउडर ये बेसिकली आपका एल्यूमिनियम का रेडिश ब्राउन पाउडर आपका एफ का इन दोनों की रिएक्शन होगी जब मैग्नीशियम रिबन डालेंगे तो बेसिकली सी बनेगा लिक्विड की तरह एफ और एल टू थ्री तैरेगा बहुत सही तो देखो ये बेसिकली रेडिश ब्राउन पाउडर तो याद रखना थर्माइट रिएक्शन में मेटल का पाउडर होता है मेटल ऑक्साइड का पाउडर फिर उसके बाद मेटल का पाउडर होता है ठीक है आपको मैंने समझा पाया क्या बात देखो मैंने ये बोला मेटल का पाउडर मेटल ऑक्साइड के पाउडर से रिएक्ट करता है ये मेटल का जो पाउडर है ये बेसिकली सिल्वरी ग्रे है और ये रेडिश ब्राउन मेटल के पाउडर के साथ यानी मेटल के ऑक्साइड के पाउडर के साथ तो एक तो मेटल ऑक्साइड का पाउडर है और एक मेटल का पाउडर है ठीक है ये दोनों पाउडर आपको लेने है। अब देखिए एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो ऑक्सीजन को ले जाएगा और बनाएगा यहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड साथ में निकलेगा आयरन और साथ में निकलेगी हीट अब इस हीट की वजह से यह आयरन लिक्विड स्टेट में आएगा मेरा पॉइंट समझ में आया अरे भाई एल्यूमिनियम जो है एक तो ये रिएक्शन को इग्नाइट करेंगे बाय मैग्नीशियम रिबन इग्नाइटेड बाय मैग्नीशियम रिबन तो अब मेरी बात को पहले ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना तुम्हारे पास सिल्वरी ग्रे पाउडर है एल्यूमिनियम का रेडिश ब्राउन पाउडर है आयरन थ्री ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड का इन दोनों को नॉर्मल रख दो रिएक्शन नहीं होगी तुमने इन दोनों को मैग्नीशियम से जलाया तो यहां पर एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करके एल टू ओ थ्री प्लस एफ प्लस हीट निकालेगा इस हीट की वजह से ये आयरन लिक्विड स्टेट में आएगा ये रिएक्शन हो क्यों रही है क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एफ ई एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी एफ से ज्यादा है तो बनेगा एल टू थ्री प्लस और है. कैसी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट रियक्शन कैसी होती है डिसमेंट रियक्शन है? है. कैसी होती है रिडॉक्स तो ऑब्वियसली होती है यहां पे काफी ज्यादा हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक भी ऑब्वियसली होगी तो ये इसके टाइप्स हो जाएंगे ठीक है इसके टाइप्स हो जाएंगे तो एल्यूमिनियम का पाउडर अगर आप सिल्वरी ग्रे मेटल का पाउडर लेंगे और रेडिश ब्राउन आप मेटल ऑक्साइड का पाउडर लेंगे और इसको मैग्नीशियम रिबन से जलाएंगे तो एल्यूमियम ज्यादा रिएक्टिव है बेसिकली आयरन से बना देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन एंड हीट हीट की वजह से आयरन जो है वो लिक्विड स्टेट में यहां पर रिलीज होगा रिएक्शन का जो टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिडोक्शन एक्सोथर्मिक होगा ठीक है ए बी सी डी तो हमने आइडेंटिफाई कर ही लिए हैं तो C तो तो हमने कर ठीक है ना? ये हो जाएगा, उसके बाद बेसिकली एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम टू ओ थ्री ठीक है चले बहुत बढ़िया अब इसी में बोल रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर क्वेश्चंस राइट वन एप्लीकेशन ऑफ द रिएक्शन डिस्कस्ड अबव तो ये रिएक्शन क्या है रिएक्शन का नाम क्या है थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं इस रिएक्शन को और इट इज यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ ब्रोकन पार्ट्स ऑफ आयरन मशीनरी और साथ ही साथ रेलवे के ट्रैक्स को जोड़ने के काम में आती है बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है थर्माइट रिएक्शन की थर्माइट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड काफी ज्यादा अनसेफ रिएक्शन भी है ये है ना इस रिएक्शन को करते समय बहुत ज्यादा रिस्क रहता है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है चीजें उछलती फुचलती रहती है तो बहुत रिस्की रिएक्शन भी है तो थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं इसको और ये वेल्डिंग के लिए यूज की जाती है फॉर द ब्रोकन पार्ट ऑफ आयरन मशीनरी या फिर रेलवे के ट्रैक्स को जोड़ने के काम में आती है ठीक है क्योंकि यहां पर जो लोहा है ना वो बेसिकली मोल्टन स्टेट में आ रहा है ये जब सॉलिडिफाई कर जाएगा तो रेलवे का ट्रैक जो है वो जुड़ जाएगा खत्म बात ठीक है थीके? चलो आगे चलो बेटा सीबीएसई 2016 क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से बताएंगे फटाफट से आंसर चैट बॉक्स में जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्वेश्चन में एंडोथर्मिक लिखा कहा एंडोथर्मिक लिखा भाई एक्सोथर्मिक ही है कंफ्यूज क्यों यार इसको करो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इन सोल इन वॉटर बट समीज डिटर वॉटर दीज ऑक्साइड एंड देर सोल्यूशन इन वॉटर कॉल्ड एट ऑर्डनरी टेम्परेचर दर्फेस मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक इज कवर्ड विद थिन लेयर तो ये देखिए जल्दी से देखते हैं सबसे सरल सी बात तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इन सोल इन वॉटर बट समीज ऑक्साइड डिजॉल्व इन वॉटर जैसे कि आपका सोडियम का जो ऑक्साइड होता है एन ठीक है उसके बाद पोटेशियम का जो ऑक्साइड होता है हमारे कोर्स में है के कैल्शियम का जो ऑक्साइड है बेसिकली CEO, और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है बेसिकली एम इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये पानी में सोल्यूबल होते हैं घुल जाते हैं एंड ये क्या बनाते हैं मेटल के हाइड्रो बनाते हैं दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड आर ऑल्सो नोन एज एल्कलीज एल्कलीज मतलब वाटर सोल्यूबल बेस ठीक है तो कौन कौन से मेटल ऑक्साइड्स पानी में सोल्यूबल है भाई सोडियम का ऑक्साइड पोटेशियम का ऑक्साइड कैल्शियम का ऑक्साइड मैग्नीशियम का ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल है और ये पानी में घुलने के बाद मेटल का हाइड्रो बनाते हैं इन मेटल ये जो मेटल के हाइड्रो पानी में घुल रहे हैं इनको बेसिकली हम बोलते हैं ये जो वाटर सोल्यूबल आपके मेटल के ऑक्साइड है इनको हम क्या बोलते हैं एल्कली वॉटर सोल्यूबल बेसिस ठीक है

so these metals get tarnished and forms a protective layer on themselves which protects the underneath layer of the metal in मेटल case में protective layer चढ़ता है iron केस में चढ़ता है रस्ट जो बार बार पपड़ी बन के गिरता रहता है तो वो बचाता नहीं है अंदर वाले metal को ये अंदर वाले metal को बचाते हैं एक बार अगर लेयर बन गई बाहर वाले मेटल के सर्फेस पे लेयर बन गई तो अंदर वाले मेटल को बचाएगी जैसे ये लेयर बन गई तो अंदर वाले मेटल को बचा के रखेगी ठीक है अगला एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम एल्कली मेटल्स कैन बी कट विद नाइफ सम एल्कली मेटल्स कैन बी कट विद नाइफ विद्कली मेटल्स जैसे कि आपका सोडियम पोटेशियम और लिथियम ये काफी ज्यादा सॉफ्ट मेटल्स है सॉफ्ट एंड कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ जनरली मेटल्स आर हार्ड एंड शो हार्डनेस बट दीज मेटल्स आर एक्सेप्शन टू दैट यानी मेटल्स हार्ड होते हैं हार्ड का मतलब क्या होता है हार्ड का मतलब क्या होता है रजिस्टेंस अगेंस्ट रजिस्टेंस अगेंस्ट कटिंग और स्क्रैचिंग इसे हार्डनेस कहते हैं अगर आप किसी भी चीज को काटना चाहें या स्क्रैच करना चाहें और अगर वो चीज आपको कोई अवरोध पैदा कर रही है कि भैया मैं तुम्हें काटने नहीं दूंगा खुद को या भैया मैं तुम्हें खुद को खिसते नहीं दूंगा तो इस अवरोध को हम हार्डनेस कहते कहते हैं इस कहते हैं इसे हम हार्ड अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऐसे तीन मेटल्स हैं एक्सेप्शन जिनको अभी हम पढ़ रहे हैं हमारे कोर्स में जो है इनको अगर आप चक्कू से काटोगे ना तो चक्कू से इजीली कट जाएंगे कहेंगे भैया काट लो तो ये सॉफ्ट मेटल्स हैं ठीक है एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं क्योंकि ये पानी से रिएक्ट करते हैं रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म्स वाटर सोल्यूबल बेसिस जैसे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता इसीलिए इनको एल्कली मेटल कहते हैं ठीक है तो सोडियम पोटेशियम लिथियम काफी ज्यादा सॉफ्ट मेटल्स हैं इनको आप इजीली कट कर सकते चक्कू से लेकिन यूजुअली मेटल्स आपके हार्ड होते हैं और इस प्रॉपर्टी को यहां पर ये फॉलो नहीं करते यानी एक्सेप्शन बन जाते हैं ठीक है आ जाओ दोस्त फटाफट से एक भाई कह रहा है सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक भाई अगर तूने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक सिर्फ ये सवाल रिवाइज कर ले या अच्छे से देख ले इन सवालों को बहुत सारे सवाल तो बन ही जाएंगे गारंटीड वाई पास से थ्योरी देख ले भाई थोड़ी बहुत है ना गारंटीड वाई पास से थ्योरी देख ले और ये सवाल देख ले मेजरली काम तो तेरा सेट ही हो जाएगा ठीक है केमिस्ट्री में तो फुल नंबर भी ला सकता है अगर इनको अच्छे से कर लिया अब देख मेरे भाई हाउ कॉपर इज ऑब्टेंड फ्रॉम Cu2S ठीक है राइट द स्टेप्स एंड द रिएक्शंस इन्वॉल्वड अब बेसिकली कॉपर का ये जो ओर है दैट इज बेसिकली Cu2S इससे अपन को निकालना है अपन को स्टेप्स बताने और रिएक्शंस जो यहां पर इन्वॉल्वड है वो सारी की सारी अपन को बतानी है सबसे so, पहली चीज इस ओर का नाम क्या है Cu2S का इस ओर का नाम क्या है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओर सी यू टू एस जल्दी 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 व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओर फटाफट से नाम बताओ इस ओर का कॉपर ग्लैंस अरे नहीं भाई सिन्नावार कहां से आ गया सिन्नावार मर्करी का ओर है ये क्या हो जाएगा ये कॉपर ग्लैंस हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉपर ग्लैंस ठीक है तो अब एक बार इस चीज को समझते हैं कॉपर का अपने पास और है कॉपर ग्लैंस ठीक है जमीन से निकाला ठीक सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य बनता है इस ओर का सबसे पहले हम क्या करेंगे क्रशिंग करेंगे और फिर इस ओर की हम ग्राइंडिंग करेंगे क्रशिंग का मतलब क्या हुआ कि भैया ऐसे दबाया तोड़ा क्रश किया छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया ये क्रश ग्राइंड पाउडर बना दिया क्रश ग्राइंड क्रश ग्राइंड क्रश ग्राइंड क्रश ग्राइंड रंगीलो मारो ढो ढो लेना रे ठीक है तो सबसे पहला है कि भैया ओर को क्रश कीजिए फिर और को ग्राइंड कीजिए यानी पाउडर बनाइए दूसरा स्टेप कॉमन स्टेप सब में रहेगा ये कंसंट्रेशन इस स्टेप में आप क्या करते हैं आप गंदगी हटाते हैं यार रिमूवल ऑफ गैंग या मैट्रिक्स फ्रॉम ओर ये गैंग और मैट्रिक्स क्या होती है अर्थली इंप्योरिटीज होती है व्हाट इज दिस गैंग और मैट्रिक्स दीज आर ठीक है दोस्त पहली चीज तो इसको गंगू को ही नहीं बोलेगा दिस इज नॉट गंगू दिस इज गैंग या फिर मैट्रिक्स, तो आपको ओर से जब गैंग या मैट्रिक्स को हटाते हैं यानी अर्थली इंप्योरिटीज लाइक सैंड लाइमस्टोन इन सबको हटाते हैं तो इसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर या बेनिफेक्शन या फिर एनरिचमेंट या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं तो पहले दो स्टेप्स क्लियर होने चाहिए अरे बेटा सल्फाइड है ना ये देखो मेटल की सल्फाइड है मेटल की सल्फाइड है ठीक है मेटल की सल्फाइड है अरे भाई मेटल की सल्फाइड को मेटल की ऑक्साइड बनाएंगे मेटल की सल्फाइड को एक्सिस ऑफ एयर में अगर अपन हीट करते हैं ठीक है ना यानी कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में अगर अपन हीट करते हैं तो यह मेटल का ऑक्साइड बनाएगा साथ में सल्फर डाई ऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा चौथा स्टेप होता है ऑटो रिडक्शन अब सुनील भाई ऑटो रिडक्शन क्या होता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो जब इस कॉपर सल्फाइड को अपने एक्सिस ऑफ एयर में हीट किया तो मेटल का ऑक्साइड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बना अब ये मान लो मेरी ब्रेकअप की कहानी है भैया मैं रिलेशनशिप में था पापा पापा को पता चला पहले पापा ने गर्म करके मेरे को मेटल की ऑक्साइड बनाया अब पापा डंडा खड़े हो गए पापा का डंडा क्या रिड्यूसिंग एजेंट और मैं क्या हूं मैं हूं कॉपर ऑक्साइड मैं पापा को देखा मैं कांप गया पूरा शरीर ठंडा पड़ गया मैं कहूं पापा विरेकअप ऑक्सीजन बाय तुम कौन हो भाई मैं लो रिएक्टिव मेटल हूं मेरे को ऑक्सीजन से क्या मतलब है इसमें ऑक्सीजन का घाटा तो भैया जैसे ही कॉपर सल्फाइड को हमने हीट किया और ये कॉपर ऑक्साइड और एसोटू बनना स्टार्ट हुआ ये जैसे ही बनना स्टार्ट होगा ये रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड के साथ जल्दी जल्दी बोलेगा अरे भैया भैया ब्रेकअप 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 मेरे को अकेला होना है अकेला होना है सिंगल रहना है सिंगल रहना फटाफट ब्रेकअप कर लेगा ऑटो रिडक्शन मतलब कि इधर रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट अरे बिना रिड्यूसिंग एजेंट के सिर्फ गर्म करने पे ही हो गया बिना किसी रिड्यूसिंग एजेंट के बिना मेरे पिताजी के प्रेशर के सीधा गर्म कर रहे मैं ब्रेकअप नो no पेचअप ओनली ब्रेकअप कौन हो ऑक्सीजन तुम कौन हो हु आर यू आर यू ऑक्सीजन बाय बाय फ्रॉम माई लाइफ डोंट वॉन्ट यू ऑक्सीजन बिकॉज पापा लेके खड़े हैं डंडा ए, है।, पापा कह रहे है कि बेटा तू छोड़ रहा है या मैं मैं मैंने कहा भाई भाई साहब साहब को को नहीं को नहीं ऑक्सीजन म्यूचुअली समझे तो कॉपर सल्फाइड को एक्सेस ऑफ एयर में हीट किया तो मेटल की ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये इतना यहां पर यहां पर ये यह ऑटो रिडक्शन शो करता है मतलब कि रिमूवल हो रहा है विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट के ऑन सिंपल हीटिंग ये बेसिकली ऑक्सीजन को छोड़ दे रहा है ब्रेकअप कर ले रहा है जब इतना हो गया तो इसका क्या करना पड़ेगा रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा और उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में हम चर्चा थोड़ी बहुत कर चुके हैं इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ठीक है ठीक है चलो भाई फटाफट से आगे चलेंगे सीबीएसई 2013 देख भाई अगर तेरे को नंबर लाने हैं और कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए सुन लेना ओपनली बोल दे रहा हूं मैं जिसको भी कोई गलत फहमी है अगर तुमको नंबर लाने हैं कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो शांति से इस वीडियो को देखो और कहीं डिस्ट्रैक्ट मत हो कहीं भी एक्स वाई जेड कहीं भी यहीं पे रहो और देखते रहो बस मैं सरल बात इतनी कहूंगा बाकी अगर तुमको लगता है दुनिया भर का ज्ञान लेना है जो करना है फिर करो बढ़िया से बस मैं यही कहूंगा क्वालिटी ऑफ कंटेंट कंपेयर कर लेना जहां से तुम्हारा मन करता है कर लेना फिर मेरे को बताना कि भैया यहां पे दम है कहीं और दम है ठीक डिस्ट्रैक्ट मत हो डिस्ट्रैक्ट मत करो फालतू में यूजर टाइम आउट पे चले जाओगे या फालतू तो में हिडन हो जाओ क्या मतलब जो पढ़ने आया उसको पढ़ने दो मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं फालतू मेरे को इंस्टिगेट मत करो ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं ना मैं चैलेंज दे रहा हूं कंटेंट कंपेयर कर लेना तुमको जहां से करना है जिससे करना है कर लेना फिर हार मान जाओ तो कह देना भैया ओपी ठीक पर ईमानदारी से कंपेयर करना हाँ ये नहीं कि तुम बोल लो कि मैं तो किसी का चेहरा देखा तो वो चेहरा बहुत सुंदर था इसलिए कंटेंट अच्छा ना चेहरे से सुंदरता से कंटेंट नहीं आता कंटेंट बुद्धि से आता और मेहनत से आता है क्लियर हाँ। बात करता हूं मैं फालतू की इधर उधर की बातें नहीं अब देखो इधर टाइम वेस्ट नहीं करना इधर देखो अ मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अटल दट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ऑप्टेन्ड बायिंग इट सल्फाइड स ऑफ एयर हीटिंग इट सल्फाइड ओर इन द प्रेन्स ऑफ एयर आइडेंटिफाई द मेटल एंड इट्स एंड गिव द रिएशन इन वॉल्व अब ध्यान से सुनना बेटा इसको ध्यान से फोकस करो प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत दो यहां पर फोकस करो प्लीज डिस्ट्रैक्ट हो जाओ यहां पर फोकस यहां पर डिस्ट्रेक्ट मत करो ना हो यहां पर फोकस करो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, इदर देखो. एक मेटल जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे ऐसा कौन सा धातु है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे मरकरी एच जी क्या बात है इसका सल्फाइड और कौन सा है सिन्नाबार एच जी एस ठीक है तो मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे दैट इज मरकरी दूसरा इसका जो ओर है उसका नाम है सिन्नाबार जो इसका मेटल सल्फाइड का ओर है अब ये कह रहा है कि आप उस मेटल को आइडेंटिफाई कीजिए एंड उसके ओर को और रिएक्शंस बताइए जिसके थ्रू उसकी एक्सट्रैक्शन हो अगेन जो पहले दो स्टेप्स से वो तो कॉमन ही रहेंगे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर ये तो कॉमन रहेगा जो अभी बताया ठीक है पहले आपको ओर को क्रश करना है फिर ग्राइंड करना है मतलब पहले उसको छोटे छोटे पार्टिकल में बनाना है फिर उसको पाउडर बनाना है तो यहां पर फोर्स कौन सा लगता है रंगीलो मारो लड़ापैक्ट्री ये इंपैक्ट ये एट्रीशन इंपैक्ट एट्रीशन ये दो फोर्स लगते हैं और और पाउडर बन जाता है दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ और यानी उसकी साफ सफाई करनी कॉमन स्टेप है हर जगह करना है कोई भी मेटल हो उसमें करना है अब देख बेटा सुनील भाई मेटल का सल्फाइड दिख रहा है मेटल का सल्फाइड दिख रहा है इसका मतलब रोस्टिंग करनी पड़ेगी इसका मतलब रोस्टिंग करनी पड़ेगी ऑक्साइड बनाना पड़ेगा तो मेटल के सल्फाइड को एक्सेस ऑफ एयर में हीट किया तो भैया हमको क्या मिला मेटल की ऑक्साइड मिली साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिली बिल्कुल मिली अब जैसे ही मैं ये बना मेरे को याद आया पापा का डंडा और पापा अब यह और कम रिएक्टिव मेटल है कॉपर से और कम रिएक्टिव है तो और जल्दी बॉन्ड तोड़ेगा अरे छोड़ो मेरे को जाना है ब्रेकअप मेरे को करना है छोड़ो मेरे को जाना है ब्रेकअप मेरे को करना है छोड़ो मुझे जाना है ऑक्सीजन बाय मुझे तुमसे दूर जाना है मुझे अकेला रहना है तो ये एच जैसे ही बनना स्टार्ट करेगा एच के साथ इंटरेक्ट करके यहां पर मरकरी और एसोडो का निर्माण तो कर ही रहा है साथ ही साथ ये एच से सहन नहीं हो रहा है नहीं पा रहा भैया मेरे को तो ब्रेकअप करो जल्दी जल्दी थर्मल डिकॉम्पोजिशन। तो यहां पर ये देखिए, जैसे ही आप इस मेटल के सल्फाइड को एक्सेस ऑफ एयर में हीट करेंगे मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा अब ये लो रिएक्टिव मेटल है है ना? पिताजी को देख के डर चुका है अब ये जो मर्करी ऑक्साइड बनना यहां स्टार्ट हुआ है बचे हुए मर्करी सल्फाइड के साथ इंट्रैक्ट करके कन्वर्ट होगा मेटल प्लस एसोटू में साथ ही साथ जो और है

तीसरा रोस्टिंग चौथा ये दोनों के दोनों ऑटो रिडक्शन के टाइप है कि भाई ऑक्सीजन हट जा रहा है बिना किसी रिड्यूसिंग एजेंट के इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ऑटो रिडक्शन ठीक और उसके बाद रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल ठीक चलो अब देखो बेटा सवाल नंबर तेईस सजेस्ट अ मेथड ऑफ रिडक्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल्स ड्यूरिंग द मेटलर्जिकल प्रोसेसिस ठीक है, जल्दी से देखेंगे एक मेटल ए है जो वन ऑफ द लास्ट सेकेंड और एट द थर्ड पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज यानी लास्ट में है या सेकेंड लास्ट है या बेसिकली थर्ड पोजीशन में है रिएक्टिविटी सीरीज में एंड में मेटल बी जो है वो विग्रस रिएक्शन शो करता है वॉटर और एयर से और मेटल सी जो है दैट इज कैप्ट इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ठीक है तो ये जो हो जाएगा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो जाएगा हाईली रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम लास्ट में रखे हुए हैं तो बेसिकली प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर कैप्ट इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज जिंक आयरन लेड ठीक तो देखिए मेटल है विच इज वन ऑफ द लास्ट सेकेंड लास्ट मतलब बिल्कुल लास्ट पे है सेकेंड लास्ट है या लास्ट थर्ड पोजिशन पे है रिएक्टिविटी सीरीज में तो उनके साथ क्या होगा अब ध्यान से देखो अगर मान लीजिए आप बोलते हो गोल्ड और प्लेटिनम है जो बिल्कुल लास्ट और सेकेंड लास्ट है तो भाई ये तो प्योर स्टेट में होते हैं एंड नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड इनके रिडक्शन के लिए किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं है अरे भाई प्योर स्टेट में है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट मान लो तुम सिल्वर की बात करते हो तो सिल्वर जो है वो तुम्हारा फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिलता है इसके लिए यहां पर हमें किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है अभी तो मैंने आपको बताया कि ये जो बिल्कुल नीचे हैं ये ऑटो रिडक्शन शो करते हैं

टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम सोडियम एक्सेट्रा अब मान लो कि मेरा प्यार बहुत गहरा है highly reactive metal मैं। पापा रहे हैं, बंदूक चला लू डंडा मार लू कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिजली के झटके देने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फिर देख बेटा मेटल सी मेडल ऑफ द इसके लिए आप दो यूज कर सकते हो या तो स्मेल्टिंग यूज करो या एल्यूमिनो यूज करो स्मेल्टिंग में पिताजी कार्बन यानी कि डंडा यूज करते हैं हमारा ब्रेकअप कराने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉग बॉन्ड बन गया तो यानी बंदूक का कर इस्तेमाल करते हैं ब्रेकअप कराने के लिए तो यहां पे जो रिडक्शन होता है वो कार्बन के साथ होता है फॉर द मेटल्स बिलो दी फॉर मेटल्स बिलो कार्बन लाइक जिंक आयरन इनके लिए प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट क्यूट जीब्रा तो कार्बन के नीचे जितने भी मेटल्स आएंगे प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जीब्रा यानी कि जिंक आयरन लेड इन सबके लिए आप कार्बन यूज कर सकते हो और जो इसके ऊपर रहेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज़ की example, हम बात करें क्रोमियम अभी हमारे कोर्स में नहीं इसको हटा देते हैं मैग्नीज की हम बात करें तो इनके लिए आप क्या यूज कर सकते हो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हो रिडक्शन विद एल्यूमिनियम फॉर मेटल्स अबाउट जिंक लाइक मैग्नीज ठीक है क्लियर है बात समझ में आ गई क्या मेरी बात इज दिस क्लियर गाइस सभी को सारी बातें क्लियर है क्या क्लियर है क्लियर है चलो आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर चौबीस सीबीएसई बी दो हजार तेरह जल्दी से बताएंगे आ जाओ भाई आ जाओ फटाफट से आ जाओ वॉट इज मेंस्टिंग विदल डाय डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू फाइंड ध्यान से सुनना भाई अरे भाई कह रहा हूं स्पैमर पे ध्यान मत दो ये बालक नहीं होते कंपनी वाले ही होते हैं आके नाम लिख के जाते हैं ऊपर नहीं बता रहा हूं मैं छह साल हो गए भाई मेरे को एक्टेक में मेरे को सिखा रहे हो तुम तो ये टेक्टिक है पिताजी को सिखा रहे हो छह साल हो गए इंडस्ट्री में करते हुए देखा है लोगों को मत किया करो ईमानदार हो तो परमात्मा देखते हैं ईमानदारी कौन देखता है परमात्मा ईमानदार हो फालतू की हरकते क्यों बचका नहीं हरकते ना ना मारे, ना है कि ना ऊ को नाम अरे भाई सब ने पढ़ो ना रही चाल रहा अटे जीवन में है टेंशन वेंशन कही की है, है? कसी टेंशन सब परमात्मा ने बनाया सब परमात्मा करवा रहे हो परमात्मा के जीव है ये फालतू की इधर उधर की हरकतें करना बंद करो जीवन में हो सोई जो राम रचि रा तरह बड़ा विशा का अरे जो लिखा है वो तो होना ही है फालतू उल्टे पुल्टे कर्म कर रहे हो जीवन में जो कर्म है एक्चुअल में वो कर लो जिस कर्म के लिए धरती पे ये कर्म करने आओ लोगों को उंगली करने के लिए वो बहुत गलत बहुत ही कहता खराब और गलत कर्म है तुम्हारे तो अरे लोगों को उंगली करने के लिए आया हो जीवन में पढ़ाई करो लुगाइया बन बैठे हैं छोरे आजकल के लुगाई बन के बैठे हुए इधर इधर की उधर इधर क्या इधर की उधर कर रहे हो लड़का कितनी स्मार्ट हो गई आजकल देखा तुमने पहले के जमाने में होता था आंटी जी लोग ऐसे बैठ के इधर उधर की बातें करते थे आजकल कर देखो लड़का कितनी तेज है लड़का लड़कों से तेज बन रही है क्योंकि अभी भी उन्हीं चीजों में अटके हुए हैं बी स्मार्ट लर्न फ्रॉम गर्ल्स लड़कियों से सीखिए फालतू की बात है नही काम पढ़ाई इसीलिए रैंक पर आता है लड़कियों का लड़के उसी में लेके पड़े वो भाई सौ अटिन वही चल रहे भैस ऑफ हटिन वही चल रहे अरे कहीं नहीं चल रहे भाई साहब अटिन देखो था यहां देखो क्या चल रहा है उधर इधर उधर इधर भाई खुद को परेशान कर रहे हो मेरे को इसलिए गुस्सा आ रहा है एग्जाम है दो तीन दिन बाद क्या फालतू की बातें कर रहे हो यार हैं क्या? क्या? क्या क्या चल रहा है भाई एग्जाम है दो तीन दिन बाद तुम्हारा थोड़े से सीरियस हो जाओ थोड़े से जिंदगी में मार्कशीट के नंबर चेंज नहीं होते याद रखना और ये जो तुम डिस्ट्रैक्ट करने आ रहे है, बालक तो है ही नहीं बालकों पे ही कोई मतलब बच्चों का फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हो यार इधर फोकस कर लो बच्चों की किसी को पढ़ी नहीं है अपना नाम बनाने में लगे हैं सब रस्टिंग, अब रस्टिंग क्या होता है संचारण का एक प्रकार है देखिए संचारण के दो प्रकार होते हैं कोरोजन के दो प्रकार होते हैं क्या होते हैं कोरोजन के दो प्रकार होते हैं ठीक है? 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 है एक होता है रस्टिंग और एक होता है टार्निशिंग देख बेटा ध्यान से समझ कोरोजन के दो प्रकार रस्टिंग और टार्निशिंग रस्टिंग होती है किस केस में आयरन के केस में और टार्निशिंग होती है किस केस में बेसिकली आपका कॉपर हो गया आपका सिल्वर हो गया आपका मैग्नीशियम हो गया आपका जिंक हो गया इनके केस में प्रोटेक्टिव लेयर बनती है तो इसे टार्निशिंग कहते हैं अब काफी बार पढ़ चुके हैं तो रस्टिंग क्या है रस्टिंग एक कोरोजन का प्रकार है जहां पर जो लोहा होता है वो बेसिकली रिएक्ट करता है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी कि मॉइस्चर या फिर वाटर से और खुद के ऊपर एक लेयर बनाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड दैट इज रस्ट लोहा जो होता है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर से रिएक्ट करके खुद के ऊपर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी कि रस्ट की लेयर चढ़ा देता है अब इसको एक रिएक्शन से समझते हैं जैसे कि मेरे पास है एफी ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट करेगा एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो खुद के ऊपर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देगा कौन सी लेयर चढ़ा देगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देगा और इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं रस्ट रेडिश ब्राउन कलर की होती है तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज रस्टिंग तो रस्टिंग एक कोरोजन का प्रकार है जहां पर लोहा जो होता है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जितने चेंज होंगे यहां पर आप उसको चेंज करते जाएंगे ठीक है ठीक है क्लियर बात क्लियर है बात सो दिस इज हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड बिकॉज ऑफ दिस वॉटर दैट इज बींग एडेड टू दिस एफ थ्री

सेकेंड केस में हवा है और यहां पर क्या है तेल का एक लेयर है और नीचे जो पानी है वो बॉइल्ड वाटर है बॉइल्ड बॉइल्ड वाटर वाटर टू रिमूव एनी एयर और तीसरा जो केस है यहां पर सूखी हवा है क्योंकि यहां पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक ड्राइंग एजेंट रखा हुआ है अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर किस केस में जंग लगेगी ए में बी में या सी में तो देखो पहले वाले केस का अगर मैं एनालिसिस करता हूं पहले वाले केस का एनालिसिस करता हूं केस ए की अगर मैं बात करता हूं तो पहले केस ए में ऑक्सीजन है बिल्कुल है मॉइस्चर है यानी वाटर है बिल्कुल है तो यहां पर जंग लगेगी रस्टिंग विल इस केस में हवा है हवा में ऑक्सीजन गैस है साथ ही साथ पानी यानी कि एच टू ओ है यहां पर यह दोनों फैक्टर अवेलेबल है तो रस्टिंग यहां पर हंड्रेड परसेंट होगी टॉकिंग अबाउट बी सेकेंड केस की बात करते हैं सेकेंड केस में सेकेंड केस में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है ओनली एच टू ओ है ओनली एच टू ओ है बिकॉज ये जो पानी है ये बॉइल्ड वॉटर है बॉइल्ड वाटर टेन्स नो डिजोल्व गैसेस इसके अंदर कोई डिजॉल्व गैस नहीं होगी देखो एयर यहां से तेल क्रॉस करके तो नहीं आएगी मतलब यहां से जो ऑक्सीजन गैस होगी हवा की वो तो नहीं आ सकती पानी में जो डिजॉल्व गैसेस होती हैं अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो वो डिजॉल्व गैस उड़ जाएगी तो यानी यहां पर सिर्फ पानी है आयरन नील के पास ऑक्सीजन गैस नहीं है तो यहां पर रस्टिंग मोन्ट है अगर आप बॉइल्ड वॉटर की जगह नॉर्मल पानी ले लेंगे तब यहां पर बात कुछ और होगी तब यहां पर बात कुछ और होगी ठीक है तब यहां पर बात कुछ और होगी मान लीजिए अगर आप बॉइल्ड वॉटर की जगह नॉर्मल वॉटर लेते तो अरे बॉइल्ड की जगह अगर नॉर्मल लेते तो नॉर्मल वॉटर में डिजॉल्ड ऑक्सीड होता है जंग लग जाती तीसरा तीसरे वाले केस की बात करें तो ड्राई एयर में सिर्फ ऑक्सीजन है मॉइस्चर या एच टू तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये तो इसने एब्सॉर्व कर लिया है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने तो रस्टिंग विल नॉट हैपन तो इस एक्टिविटी से आप यहां पर एग्जाम में ये बता सकते हैं कि रस्टिंग यानी कि जो जंग लगती है उसके लिए दोनों कंपोनेंट्स का जरूरत है दैट इज ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दोनों के दोनों कंपोनेंट्स की जरूरत है अगर एक भी कंपोनेंट मिसिंग हुआ तो यहां पर जंग नहीं लगेगी ठीक है क्लियर है बात चलो सम कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन फाइनली हमने एमसीक्यूज भी कर लिए इस चैप्टर के भी हमने प्रीवियस ईयर के सवाल कर लिए अब लास्ट चीज फोकस्ड क्वेश्चंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जल्दी से करेंगे तो ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन ऑफिशियल सीबीएससी के द्वारा है ऑफिशियल सीबीएससी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ऑफिशियली कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन को निकाला है ध्यान से देखो दोस्त ठीक है

क्या बोल रहा है द ब्लू कलर्ड सल्यूशन ऑफ द सल्फेट सॉल्ट ऑफ मेटल डब्ल्यू इज टेकन इन अ बीकर ठीक है मेटल पाउडर्स एक्स वाई एंड जेड आर एडेड वन आफ्टर द अदर टू द बीकर द कलर चेंजेस ऑकरिंग इन द सल्यूशन आर शोन बिलो सबसे पहला है डब्ल्यू एसओ फोर यह है ब्लू कलर का सोल्यूशन इसमें आपने मेटल एक्स को डाला सोल्यूशन कलरलेस बन गया अब ऑब्वियसली यहां पर रिएक्शन क्या हुई होगी कि भाई एक्स ने ज्यादा रिएक्टिव होगा डब्ल्यू को हटाया तो एक्स एसओ फोर बनाया फिर इसके अंदर आपने वाई को डाला, तो वाई ने पिंक सोल्यूशन बनाया अगर वाई कम रिएक्टिव होता तो रिएक्शन नहीं होती लेकिन अगर ये कलर चेंज कर रहा है मतलब वाई ने अपना सल्फेट का सॉल्ट बनाया है फिर आपने Z डाला तो Z ने भी अपना सल्फेट का सॉल्ट यहां पर बनाया है ठीक है तो स्टेट वॉट कलर चेंज इफ एनी विल ऑकर इफ अ मेटल एक्स इज अगेन एडेड टू द ग्रीन सोल्यूशन इन द बीकर अब ये कह रहा है कि अगर एक्स को आप वापस इसके अंदर डाल दें तो क्या कुछ होगा इसके अंदर मैंने एक्स डाला एक्स का रिएक्टिविटी इससे ज्यादा था तो ये बना इसके अंदर मैंने वाई डाला वाई का रिएक्टिविटी इससे ज्यादा था तो इसने पिंक बना दिया पिंक वाले में जेड डाला जेड का रिएक्टिविटी से ज्यादा था तो ग्रीन बना ये कह रहा है मैं X को यहां डालूंगा तो क्या होगा अरे भाई ज्यादा रिएक्टिव ये होगा इससे obviously. तो कुछ भी नहीं होगा तो नो कलर चेंज विल वॉकर क्यों अरे भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है दूसरे केसेस में ऊपर वाले केसेस में सबसे कम रिएक्टिव है ड़्यू। ड़्यू। ड़्यू को डिस्प्लेस किया एक्स ने तो क्या बनाया एक्स ने फॉर एग्जाम्पल एक्स ने बनाया होगा एक्स एसओ फोर बनाया होगा एक्स को वाई ने डिस्प्लेस किया वाई ने बनाया होगा YSO4, और y ने इसको इसको किया तो तो उसने बनाया ZSO4. तो ये ये कैसे करेगा? समझ में आया? का order है. एक्स कैन नॉट डू एनी रिएक्शन विदओ फोर कोई रिएक्शन नहीं करेगा समझ में आ गई मेरी बात क्लियर है ये ऑफिशियल कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन है ठीक है यह लास्ट ईयर लॉन्च कर रहे थे सीबीएसई ने आप देखिए फटाफट से अ पीस ऑफ आयरन रस्ट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर मॉइस्चर का मतलब टू एयर में है ऑक्सीजन अब ध्यान से देखो ध्यान से देखो इस पे फोकस करो ये कह रहा है एक पीस जो है लोहे का वो जैसे ही कांटेक्ट में आता है एयर और मॉइस्चर के तो उस जंग लग जाती है प्रकाश के पास क्या है दो आइडेंटिकल शाइनी पीसेस है पी और क्यू तो वो उनको प्रिवेंट करने के लिए जंग से कोट करता है पीस पी को ऑयल पेंट से और गैलवनाइज करता है पीस पी को जिंक मेटल से अब वो नोटिस करता है कि कोटिंग्स जो है वो कंप्लीट नहीं है और स्मॉल पार्ट जो है आयरन का वो एक्सपोज है दोनों केसेस में दो आयरन के पीसेज है सेम एक को जंग से बचाने के लिए उसने पेंट कर दिया ऑयल पेंट और एक पे उसने गैलवनाइजेशन कर दिया यानी जिंक की लेयर चढ़ा दी दोनों में थोड़ा थोड़ा ऐसा जगह छोड़ दिया जहां पर कि मेटल नहीं जहां पर कि पेंट नहीं है या जिंक मेटल नहीं है अब आपको ये बताना है वॉट इज प्रकाश लाइकली टू ऑब्जर्व अबाउट द एक्सपोज पार्ट ऑफ टू आर एन पीसेस आफ्टर सम डेज एक्सप्लेन वाई अब देखिए थोड़े दिन के बाद कहां पर जंग लगेगी सवाल को समझिए सवाल क्या कह रहा है एक भाई कह रहा है रिपीट सवाल पढ़ाया रिपीट तो कैसे करूंगा सुन लो प्यार से सुन लो मेरे भाई सुन लो मेरे, सुन लो, मेरे बहन मेरी बात सुन लो अच्छा है तुम्हारी काम आएगा लोहे पे जंग लगती है जब उसे ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिलता है प्रकाश भाई जो है उनके पास दो पीसेज है पी और क्यू एक पे उन्होंने ऑयल पेंट लगाया एक पे उन्होंने गैल्वनाइजेशन करके जिंक लगाया दोनों पे थोड़े थोड़ा जगह छोड़ दिया क्या थोड़े दिन के बाद दोनों पे जहां जहां पे उन्होंने जगह छोड़ी जहां पे कोटिंग नहीं लगाई है क्या वहां पे जंग लगेगी हाँ या ना तो सिंपल सी बात है जो एक्सपोज्ड पार्ट होगा पी का वहां पर तो हंड्रेड परसेंट जंग लगेगी एक्सपोज पार्ट होगा क्यू का वहां पर जंग नहीं लगेगी ध्यान से देखना देर विल बी नो रस्ट मतलब जो एक्सपोज पार्ट है क्यू का वहां पर, पर जंग नहीं लगेगी मैं बताता हूं देखिए बैरियर प्रोटेक्शन जो होता है तो उसमें क्या होगा ना कि ऑयल पेंट प्रिवेंट करता है आयरन को कि भाई वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आए लेकिन वो कब करता है जहां जहां वो प्रेजेंट होगा वहीं तो करेगा जहां पे वो प्रेजेंट नहीं वहां पे कैसे रोकेगा बैरियर प्रोटेक्शन क्या करता है जैसे मान लीजिए बैरियर प्रोटेक्शन है ये आयरन है तो ये मान लीजिए कि यहां यहां पे आपने पेंट किया हुआ है ठीक है अब यहां पर क्या होगा ऑक्सीजन और मॉइस्चर आ जाएंगे और यहां पे जंग लग जाएगी सिंपल सी बात है पेंट है ऑयल पेंट है यह रोक नहीं सकता लेकिन मान लीजिए यही चीज अगर जिंक होती तो यही चीज अगर जिंक होती तो मतलब यह आयरन है और यह जिंक की कोटिंग अगर हल्की सी टूट जाती यहां से यहां पे नहीं लगी हुई है तो क्या होता अब यहां पर क्या होता ध्यान से देखो ये जिंक है अब यहां पे जैसे ही ऑक्सीजन और मॉइस्चर आते तो वो किससे रिएक्ट करते

ठीक है, so, ये है ये यानी कि इज ब्रोकन इट प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम गेटिंग भले यहां पर जिंक की लेयर नहीं है तब भी जिंक ही यहां पर टार्निशिंग शो करेगा कोरोजन शो करेगा बिकॉज ऑक्सीजन मॉइस्चर को क्या चाहिए ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन देने वाली सब्सटेंस चाहिए ज़्यादा रिएक्टिव चाहिए, तो आयरन की जगह फिर से जिंक पे चला जाएगा। मैंने आपको बताया भी था मैं आयरन मेरे पापा जिंक, मेरे को कैसे बचाते नहीं आने देते और दूसरा ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं जिंक खुद की ऑक्सीडेशन भी करवाता है और आयरन को बचाकर भी रखता है तो एक तो बैरियर प्रोटेक्शन भी करता है कि भैया ये दोनों इसके कॉन्टेक्ट में ना है दूसरा इन दोनों को बोलता है कि मुझे ऑक्सीडाइज कर दो बट आयरन को छोड़ दो ठीक है चलो सवाल नंबर सत्ताईस आ जाओ मेरे साथ साथ करो मेरे साथ साथ पढ़ो और करो नहीं तो ज्यादा समय लग जाएगा एन एल्कली मेटल ए गिव्स अ कंपाउंड बी विद मॉलिक्यूलर मास 40 एल्कली मेटल ए क्या होता है एल्कली मेटल होता है या तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम हमारे कोर्स में कौन से हैं हमारे कोर्स में अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं आर कोर्स। ठीक है एन एल्कोली मेटल ए गिव्स अ कंपाउंड बी विद मॉलिकुलर मास 40 ऑन रिएक्टिंग विद वाटर तो दोनों की रिएक्शन लिख के देख लेते हैं मान लीजिए सोडियम रिएक्ट करता है ठंडे पानी के साथ क्या बनाएगा सोडियम बनाएगा सोडियम ऑक्साइड जो पानी में सोलिएबल होता है तो बनता है सोडियम हाइड्रो साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस अब यहां पर दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तो ये दो कर दो और ये दो कर दो, दो दुनी चार दो दुनी चार दो सोडियम दो सोडियम दो सोडियम, दो सोडियम, दो सोडियम चार हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन ये देखो ये सॉलिड ये आपके पास हो गया लिक्विड ये आपके पास हो गया एक्वस और ये आपके पास हो गया बेसिकली गैस उसी प्रकार से पोटेशियम की बात करता हूं एल्कली मेटल ये भी यही करेगा आपने ऐसा क्यों किया अरे मेरे को कंपाउंड बी नहीं पता ना एल्कली मेटल ए ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है लेकिन कंपाउंड बी का मॉलिकुलर मास चालीस है अब इनमें से मॉलिकुलर मास चालीस किसका है वही आंसर होगा देखो एनएच का मास कितना है एनएवच का मास कितना है भाई एक तो सोडियम का आइटम है सोडियम के आइटम का मास होता है तेईस ऑक्सीजन का मास होता है सिक्सटीन हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है एक तो ये हो जाएगा छह तीन नौ एक दस जीरो प्लस वन प्लस कितना हो जाएगा ये नौ और 6, ये हो जाएगा चालीस और दस चालीस और दस और छह तो ये हो जाएगा छप्पन सिक्स तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर एनओ एच हो जाएगा बस इतना ही है गेम तो आप लिख दीजिए ए क्या हो जाएगा बेटा सोडियम हो जाएगा सुनील भैया बी क्या हो जाएगा एनए हो जाएगा एग्जाम में ये लिख लिखकर आना आपको एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन लिखनी है ऐसा का ऐसा पूरा लिखना है ठीक है द कंपाउंड बी गिव्स अ सोल्यूबल कंपाउंड सी द कंपाउंड बी अ सोल्यूबल कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब इसकी ट्रीटमेंट करानी है ऑक्साइड, ठीक है एक मिनट तो जल्दी से करवा देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये देखिए याद कीजिए दो गुला होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे ही एन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा एन बनाएगा और साथ ही साथ किस चीज का निर्माण करेगा हाइड्रोजन गैस सॉरी वाटर का निर्माण करेगा एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर देखिए यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन ये सब कुछ बैलेंस है क्या जल्दी से देखो ऑक्सीजन है तीन और एक चार है ये ऑर्ड क्यों लग रहा है इसको इवन बनाओ दो और तीन पाँच, दो दो इधर लगा दो चार और एक पांच दो सोडियम है दो सोडियम है दो सोडियम दो एल्यूमिनियम दो एल्युमिनियम तीन और दो पांच हाइड्रोजन कितने है? दो बैलेंस हो गई रिएक्शन ठीक है तो अगर ये मेरे पास सॉलिड है अगर ये मेरे पास एक्वस है तो ये भी मेरे पास एक्वस हो जाएगा सोल्यूबल कंपाउंड और ये हो जाएगा लिक्विड ठीक है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास ऑब्वियसली आपके पास किसकी तरह एक्ट करेगा दिस दिस विल विल एक्ट एक्ट एन एन एसिड सो एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वॉटर ठीक है तो एक किस रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा दिस इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर है क्या दोस्त कौन सी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ठीक है एक बार फिर से बताते हैं, एक बार फिर से बताते हैं ध्यान से सुनना बेटा देखो पहले लिखा है एल्कली मेटल ए एल्कली मेटल कौन से लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबीडियम सीजियम हमारे कोर्स में जो मेटल्स की हम बात करते हैं वो है पोटेशियम और सोडियम ठीक ये कह रहा है कि ये कंपाउंड देते हैं बी जिसकी मॉलिकुलर मास कितनी है चालीस है और ये कैसे बनता है ऑन रिएक्टिंग विद वॉटर पानी से रिएक्ट करने पर बनता है अब ध्यान से सुनना तुम तो। मैंने सोडियम को पानी से रिएक्ट कराया पोटेशियम को पानी से रिएक्ट करवाया सोडियम यहां पर हाइड्रोजन से जा ज्यादा रिएक्टिव है बनाएगा सोडियम ऑक्साइड जो पानी में है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उसी प्रकार से पोटेशियम भी बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस है ना यहां पर हीट भी निकलती है और हीट से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है ना हाइड्रोजन कैचेस फायर

मेटल तो हो जाएगा एन ए और बी हो जाएगा एन ए एच अब ध्यान से सुनो ये बोल रहा है कि जो कंपाउंड बी है ये एक सोल्यूबल कंपाउंड सी का निर्माण करता है ऑन ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो ये हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एनएच सोडियम एलिमिनेट सॉल्ट का निर्माण किया साथ में वाटर का निर्माण किया ये हमारे पास हो जाएगा सी सी एन एल ओ टू समझे मेरे छोटू समझे मेरे प्यारे भाई मेरी बहन मेरे राजा बेटा रानी बेटी समझ में आ गई है ना क्लियर है बात चलो सवाल नंबर अट्ठाईस फटाफट से देखो सवाल नंबर अट्ठाईस फटाफट से देखो ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है बट इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखो अ नॉन मेटल ए विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिटेंट ऑफ एयर नॉन मेटल विच इज एयर ए क्या हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा कितना प्रेजेंस ऑफ केटलिस्ट एफ अ गैस बी मतलब यह कह रहा है कि नाइट्रोजन को जब आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं नाइट्रोजन गैस को जब आप हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करते हैं और उसने रेशियो भी दे रखा है रेशियो क्या दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है वन इस तू का रेशियो रेशियो यानी कि वन इस तू के रेशो में आप उसको हीट करते हैं हीट करने का तापमान मैं बता देता हूं पांच सौ डिग्री सेल्सियस दो सौ एटीएम प्रेशर और एफ जो है वो पॉजिटिव कैटालिस्ट है स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा यहां पर तो उसने क्या बोला उसने गैस भी दी गैस भी दी Twice of NH3, yes. तो गैस ये जो गैस बी है ये जो गैस बी है ये क्या हो जाएगी गैस बी इज वट दिस इज बेसिकली एन एच थ्री दिस इज बेसिकली अमोनिया ठीक है समझ में आ गई मेरी बात तो देखो ए जो है नाइट्रोजन सेवेंटी एट पॉइंट जीरो एट एयर

तो आपको एक नॉन मेटल की ऑक्साइड सी मिलती है तो ये नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस विल गिव्स गैस पॉइंट समझ पा रहे हो NO क्या इसने बोला एक नॉन मेटल है जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिडेंट ऑफ एयर है एयर में नाइट्रोजन है तो ए तो नाइट्रोजन हो गया फिर उसने क्या बोला उसने बोला कि जैसे ही अपन इसको हाइड्रोजन के साथ वन एस टू थ्री के रेशियो में हीट करते हैं वन एस टू थ्री के रेशियो में हीट किया पांच सौ डिग्री सेल्सियस दो सौ प्रेशर आयरन प्रेशर आयरन तो अमोनिया गैस का निर्माण कर दिया उसने तीसरी बात उसने क्या बोली इसको आप ऑक्सीजन के साथ हीट करके एक ऑक्साइड बनाओ सी अभी देखो, फाइनल मत करना टू वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिवज एन एसिड डी अब यह तो न्यूट्रल है इसको भले ही तुम इसकी बात कर रहे हो इसको पानी में डालोगे ये एसिड बनाएगी क्या क्या बोला इसने इफ दिस ऑक्साइड इज पास इन टू वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिवस एन एसिड डी ठीक है विच इज यूज एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई ए बी सी डी अब ये क्या हो जाएगा ये बेसिकली फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगी और फर्दर ऑक्सीडाइज होके ये एनो टू गैस का निर्माण करेगी अब ये एसिडिक गैस है अब ये एसिडिक गैस क्या करती है आपने एनो टू गैस के लिए इसने क्या बोला क्या बोला इसने ध्यान से देखो इट ऑक्साइड सी तो ये ऑक्साइड सी ये नहीं होगा ऑक्साइड सी ये होगा क्यों क्यों अरे भाई ये न्यूट्रल ऑक्साइड है ये कैसा ऑक्साइड है एनो कैसा है न्यूट्रल ऑक्साइड है एसिड वैसे कुछ नहीं बनाता न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। air, अब इसको आप इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हो या तो मैं इसको डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करके एन टू बना दू है ना? या मैं पहले एयर में पास किया इसको एयर में पास किया या फिर ऑक्सीडेशन करवाई तो एनो टू बना इतना तो समझ में आया अब वाटर में से पास करवाते हैं वाटर में से पास करवाते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई हमने एयर में से पास करवाया ऑक्सीडाइज इन एयर तो हमको क्या दिया इसने एनओ दिया आंसर सेम ही आएगा मैं तुमको दोनों अप्रोच बता रहा हूं कि भैया एनओ को मैंने एयर में ऑक्सीडाइज किया तो मेरे को क्या मिला एनओ मिला

तो ये दो एसिड देता है एच एन ओ टू और एच एन ओ थ्री ठीक है तो ये जो एच एन ओ टू है ना ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली और कन्वर्ट हो जाता है एच एन ओ थ्री में तो फाइनली जो आंसर है वो एच एन ओ थ्री है एक तो अप्रोच ये हो सकती है कि भैया एन और ओ टू को हीट किया तो एनओ बना ये न्यूट्रल ऑक्साइड है एयर में ऑक्सीडाइज हुआ तो एनओ टू बना NO2 को पानी पानी में में मिक्स किया किया, फिर पानी में पास किया तो 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 और बना बना। ये देखो। पहले फिर पास दो एसिड एसिड बने। एक अप्रोच तो है। जिसको मैं पूरी तरीके से गलत नहीं बोलता हूं लेकिन अब मैं इसको दूसरी तरीके से भी बताता हूं दोनों को सुनना और समझना अब नाइट्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है हीट किया इनको हमने दिया इसने, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी अपने आप यह बेसिकली एनो टू गैस देगी अब ध्यान से सुनना इफ दिस ऑक्साइड अब यहां से इसी स्टेटमेंट को फॉलो करता हूं इफ दिस ऑक्साइड इज पास इन टू वॉटर अगर ये एनो टू को आप पानी के अंदर से पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एनो टू को पानी से पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये बनेगा समझ में आ गई क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या मेरी अप्रोच बन गया एच अब इसको बैलेंस कर लेते हैं फटाफट फटाफट चार और ये चार हाइड्रोजन हो गए कितने हाइड्रोजन भी है चार तो ये हो जाएगा दो तो ये दोनों चार ये चार हाइड्रोजन चार नाइट्रोजन चार नाइट्रोजन फोर टू जन टेन इलेवन ट्वेल्व बैलेंस हो गई तो आंसर एच हो जाएगा ये देखो इट गिव एसिड डी

सवाल नंबर उनतीस एनसीआर एक्साम्पलर का बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है ध्यान से देखो ध्यान से देखो एक्सप्लेन वाय द रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस इफ इट इज इन नाइट्रिक एसिड जल्दी से देखो नाइट्रिक एसिड क्या होता है सुनील भाई नाइट्रिक एसिड होता है स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुनील भाई नाइट्रिक एसिड क्या होता है नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो जैसे ही आप नाइट्रिक एसिड में एल्यूमिनियम को डालते हो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रही क्यों जैसे आपने डाला तो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है है तो ये क्या करता ऑक्सीडाइज कर देता है एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइजे एल्यूमिनियम टू एल टू ओथरी इसको ऑक्सीडाइज कर दिया अब ये जो ए एल टू ओथरी की जो लेयर है ये जो लेयर बनती है इसके ऊपर ठीक है दिस ए एल टू ओथरी लेक्टिव एक तो अनरिएक्टिव है स्टिक्स ऑन एल्यूमिनियम एंड इन इनपैनीट्रेटेबल मतलब कि ये जो लेयर है ये बेसिकली आपकी टूटेगी नहीं सबसे पहला यह स्ट्रॉन्ग एजेंट है एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करके एल टू ओथ्री बनाती है एल टू ओथ्री की लेयर जो है अनरिएक्टिव है ये एल्यूमिनियम पे स्टिक कर जाती है और ये बेसिकली इन इनपेनिट्रेटेबल लेयर है मतलब टूटेगी नहीं ठीक है अब इसके बाद क्या होता है रिएक्शन जो है रिएक्शन स्लोज डाउन और स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम समझ में आ गया क्लियर है तो एक्सप्लेन वाई द रिएक्टिविटी ऑफ एलियम डिक्रीज इफ इट इज डिड इन एचन थ्री तो सिंपल सी बात है भाई HNO3 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाँ जी सुनील भाई तो ये स्ट्रॉ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करके एल टू थ्री बनाएगा हाँ जी सुनील भाई। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर एल्यूमिनियम में बन गई है कैसी है unreactive है अनरिएक्टिव साथ ही साथ स्टिक्स होती है स्टिक्स ऑन दी एलिमिनियम पे चिपक जाती है और टूटेगी नहीं अब एल्यूमिनियम अगर एक प्रोटेक्टिव और अनरिएक्टिव लेयर बन गई है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी ठीक है तो रिएक्शन क्लोज डाउन और स्टॉप आफ्टर सम टाइम अगला सवाल क्वेश्चन नंबर तीस जल्दी से बताओ ठीक है ये वाला सवाल रिपीट कर देता हूं एक बच्चा कह रहा है रिपीट कर दो अन मेटल है विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिटेंट ऑफ एयर दैट इज नाइट्रोजन सेवेंटी एट पॉइंट जीरो एट परसेंट जब आप इसको हाइड्रोजन के साथ मनीस टू थ्री के रेशियो में हीट करोगे तो क्या बनाएगा अमोनिया गैस बनाएगा बना दी ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन इट गिव्स एन ऑक्साइड सी अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो इट गिव्स एन ऑक्साइड सी इफ दिस ऑक्साइड इज पास इन टू वॉटर इन द एसिड डी अब जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करके एनओ NO बनाते हैं फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एनो टू बनाएगा अब इस एनो टू को आप वॉटर और ऑक्सीजन साथ में पास करेंगे फ दिस ऑक्साइड इज पास इन टू वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट विल फॉर्म नाइट्रिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एजेंट है इस केस में भी यही बनेगा इस केस में भी यही बनेगा टेंशन लेने वाली बात नहीं है ठीक है बस वहां पर जो सी है उसमें थोड़ा सा इश्यू आएगा लेकिन आप वो लिखेंगे तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज बोथ आर लिजिट एक्सप्लेनेशन कोई दिक्कत नहीं है ठीक आप देखो एन एलिमेंट ए बर्न फ्लेम इन एयर एक ऐसा एलिमेंट जो गोल्डन फ्लेम से बर्न करता है पोटेशियम तो कौन, कौन सी फ्लेम से बर्न करता है पढ़ाया मैंने लाइलेक कलर की फ्लेम से सोडियम कौन सा फ्लेम से बर्न करता है सुनील भाई सोडियम कौन सी फ्लेम से बर्न करता है गोल्डन येलो गोल्डन या फिर हम बोलते हैं येलोइ ऑरेंज इस फ्लेम से बर्न करता है पोटेशियम बर्न करता है फ्लेम से। ये करता है, गोल्डन या उसका एंड जो होता है वो रेडिश होता है फिर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम व्हाइट कलर की फ्लेम से बर्न करते हैं जिंक ब्लू कलर की फ्लेम से होता है आयरन में स्पार्कल्स निकलते हैं ठीक है क्लियर है बात इधर से ध्यान से देखो एन एलिमेंट ए बर्न विद गोल्डन फ्लेम इन एयर दैट इज सोडियम मेटल इट रिएक्ट विद अनादर मेटल बी अटोमिक नंबर सत्रह टू गिव अ प्रोडक्ट सी अब देखो यह बी के साथ रिएक्ट करता है ठीक है सेकेंड इट रिएक्ट विद बी ये सोडियम है अटोमिक नंबर सत्रह किसका है भाई अटोमिक नंबर सत्रह किसका है ये किसका है क्लोरीन का है ध्यान से देखना बेटा अटोमिक नंबर सत्रह किसका है क्लोरीन का है तो ये जैसे ही आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे कि भाई हमारा सोडियम का जो मेटल है जैसे ही वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या दे देंगे वो सोडियम क्लोराइड दे, दे देगा सोडियम का जो मेटल है क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण यहां पर हो जाएगा ठीक है तो एन एलिमेंट ए बर्नस विद द गोल्डन फ्लेम इन हियर दैट इज बेसिकली सोडियम मेटल इट रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट बी एटॉमिक नंबर सत्रह दैट इज बेसिकली क्लोरीन टू गिव अ प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट सी क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट सी हो जाएगा हमारे पास ये ठीक है तो ए ये हो गया ठीक है बी हो गया मेरे पास यहां पर क्लोरीन सी ये हो गया और ए मेरे पास क्या है सोडियम है ठीक है बहुत बढ़िया एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट सी ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिवस अ कंपाउंड डी एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस ठीक है तो क्या होता है इलेक्ट्रोलिस जब हम करते हैं इस एन एसीएल का इन वॉटर दैट इज इलेक्ट्रोलिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन जब हम करते हैं ठीक है कि भाई हमारे पास ये क्या है ट्वाइस ऑफ एन एस एल एक्वस प्लस एच टू ओ लिक्विड प्लस हाइड्रोजन गैस गैस प्लस क्लोरीन दो और दो चार तो ये दो और दो चार दो हाइड्रोजन दो और दो चार हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो सोडियम दो सोडियम दो, दो, दो क्लोरीन दो क्लोरीन बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ब्राइन सोल्यूशन की बेटा क्या करते हैं मतलब है। गोल्डन, गोल्डन जलने वाला अटोमिक नंबर सत्रह हो जाएगा क्लोरीन का इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी तो एनएसीएल बनेगा एनएसएल को पानी में घोल के इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर रहने चेस्टू और सील्टू बनेगा ये कहां पर बनेगा ये कहा होगा ये कहा होगा ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात ठीक है आइडेंटिफाई ए बी सी डी ऑल्सो राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व लिख दी हमने इस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन को चोर कली प्रोसेस नहीं है क्लोर एलकली प्रोसेस है क्लोर एलकली प्रोसेस सेकेंड और थर्ड चैप्टर दोनों को लिंक कर दिया मैंने इस पर्टिकुलर सवाल में ठीक है तो ये हमारा एनसीआर का सवाल था अगेन ये जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं सब एनसीआर के हैं हैं ठीक एफिशिएंसी अब अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको नींद आ रही है तो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं ताकि आप नींद को इग्नोर कर सकें फिर उसके बाद 10 मिनट का एक ब्रेक होगा और मैं आपके साथ फिर उसके बाद

मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होगी सिर्फ सुनोगे और भूल जाओगे दूसरा स्टे हाइड्रेटेड वाइल्ड स्टडिंग पानी पीते रहिए बॉडी अलर्ट रहेगी आप बार बार यूरिनेट करने के लिए जाओगे तो नींद नहीं आएगी नींद आने लगे जोर जोर से बोलने लगो लिखो और लिख लिख के पढ़ाई करो चल चल के पढ़ाई करो बोल बोल के पढ़ाई करो

टेक है टेक 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 प्रॉपर स्लीप ऑफ सिक्स टू एट आवर्स मिनिमम छ से आठ घंटे की रात को नींद ले अगर आप रात को नींद फॉर एग्जाम्पल थोड़ी कम ले रहे हैं तो दिन में नैप लीजिए ठीक है नैप लीजिए दिन में अगर आप यहां पर रात को कम सो रहे हैं तो दिन में नैप लो नैप ये नहीं होता एक डेढ़ घंटे का बीस मिनट का होता है नैप बीस मिनट से ऊपर चले जाओगे दिक्कत हो जाएगी बीस मिनट का पावर नैप लो जैसे ना थे वो भी ये करते थे पावर नैप्स लेते थे इसमें काफी सारी स्लीप स्लीपाइकिल्स भी फेमस है स्लीप साइकिल वगैरह लेकिन अभी आपको उस इसमें फोकस नहीं करना है चार चीजें करनी है ठीक है ना ज्यादा कंफर्टेबल होकर पढ़ाई नहीं करनी है पानी पीते रहना है बोल बोल के पढ़ाई करनी नींद आए तो और रात को प्रॉपर स्लीप लेनी है ठीक है उसके बाद अब थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर पंद्रह मिनट का ताकि आप खाना खा के आ जाओ फिफ्टीन मिनट्स का फिर उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 15 का एक छोटा सा, 15 का एक ब्रेक लेते हैं ठीक है मैं भी कुछ खा लेता हूँ आप भी कुछ खा लीजिए पंद्रह मिनट का एक ब्रेक लेते हैं और पंद्रह मिनट के ब्रेक के बाद वापस मुलाकात होगी ठीक है दोस्तों आई एम बैक आई एम बैक आ जाइए फटाफट से सुनील भैया बैक दोस्तों जल्दी से आ जाओ फटाफट से सारे के सारे पर हैं सारे सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से आ जाएंगे I am back. जल्दी से आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे सारे के सारे दोस्त आह, मैं लेट हो गया यार थोड़ा जिस खाने के सामान को ऑर्डर किया था वो तो काफी लेट आया अभी तक खा ही नहीं पाया उसको चलिए कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैं दिखाई दे रहा हूं तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में आए लिख दीजिए राइट आई टू द चैट बॉक्स इफ आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू यू जल्दी से एक बार आए लिख दीजिए लास्ट चैप्टर पे हम लोग चलने पर आ, चलने जा रहे हैं बिल्कुल सही बात है बॉक्स में क्या है अरे खाने का सामान था यार ऑर्डर ही लेट आया <laughs> खा भी नहीं सकते अब ठीक है थीके? चलिए तो लास्ट चैप्टर जिसका नाम है मेरे दोस्त कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स मस्त सवालों से स्टार्ट करेंगे यहां पर सबसे पहले करेंगे एमसीक्यूज वाला इन्हें कौन पढ़ाने वाला एमसीक्यूज वाला तो जल्दी से देखो मेरा भाई जल्दी से देखो मेरे भाई शकलगा बूम बूम इस सवाल का आंसर क्या होगा ये पिछले साल के सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर में था और बच्चों ने बोला कि अरे यार भैया यार मजा आया ओपी सवाल एकदम सीबीएसई प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर बहुत बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अब क्लास के बाद ही खा लेंगे कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए सो वन मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिक्वायर्स टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अब टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का सिंपल सा तात्पर्य पर क्या है टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है ये इसका मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए चार हाइड्रोजन एटम्स हो गए ठीक है सुनील भाई ये बात तो समझ में आ गई टू फॉर्म अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय केटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन कैटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन क्या होता है कैटेलेटिक हाइड्रोजिनेशन क्या होता है आपके पास अनसेटेड हाइड्रोकार्बन होता है हाँ उस अनसे हाइड्रोकार्बन की आप जैसे ही हाइड्रोजन के साथ या मान लीजिए ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइक निकल पैलेडियम और प्लेटिनम 200 डिग्री सेल्सियस पे तो ये क्या दे देता है ये आपको देता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या देता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है क्या बिल्कुल देता है क्या देता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम एंड प्लैटिनम एट 200 डिग्री सेल्सियस तो ये इस पे ऐड हो जाता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनना मैं हर एक यहां पर एग्जांपल को आपको अच्छे से समझाऊंगा आपको समझ में भी आएगा ये p है ये q है ये r है और ये s है ठीक है अब मान लो मान लो यहां पे डबल बॉन्ड यहां पे डबल बॉन्ड यानी कि इस unsaturation को हम हटाना चाहते हैं अरे भाई अनसेटेड हाइड्रोकार्बन क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो ये कह रहा है कि अनसेच्युरेड हाइड्रोकार्बन पे हाइड्रोजन की एडिशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे मतलब कि मतलब कि सेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएंगे अब देखो इसको सेच्युरेटेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मान लो कि इसका ये डबल बॉन्ड को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं एक हाइड्रोजन कार्बन का

उसी प्रकार यहां दो बॉन्ड की जगह यहां पर एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा तो वन मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इसका तो एक ही मोल हो रिक्वायर्स टू मोल ऑफ हाइड्रोजन टू मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि चार हाइड्रोजन एटम्स ताकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन सके बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो यहां पर टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स चाहिए चार हाइड्रोजन एटम्स चाहिए मतलब यहां पर हमारा गेम सेट हो जाएगा बिल्कुल सही गेम सेट हो जाएगा अब राजा बेटा इधर देखो यहां पर डबल बॉन्ड है मान लो कि इस डबल बॉन्ड की जगह यहां पर एक सिंगल बॉन्ड आता है तो दो हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी हां भैया साथ ही साथ ऊपर वाला एक डबल बॉन्ड हटेगा तो दो हाइड्रोजन नीचे वाला एक बॉन्ड हटेगा तो दो हाइड्रोजन टोटल अब यहां पर क्या हो जाएगा एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा सिर्फ वन सिंगल बॉन्ड होगा तो टोटल कितने एक दो तीन चार पांच छह हाइड्रोजन लगे यहां पर रिमूव करने के लिए यहां पर एक एक डबल डबल बॉन्ड 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 देखो था ना तो तो हटाया दो हाइड्रोजन लगाए ऊपर का एक बॉन्ड हटाया तो दो हाइड्रोजन लगाए।, तो लगाए नीचे का एक बॉन्ड हटाया तो दो हाइड्रोजन लगाए टोटल छह हाइड्रोजन इसकी हमें जरूरत नहीं है ये हमारा सही आंसर नहीं हमें तो क्या है चार हाइड्रोजन वाले पे ही गेम चाहिए इधर देखो यहां पर मत हटाना कार्बन कार्बन के बीच में मान लो इस डबल बॉन्ड को हटाता हूं मैं तो दो हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूं हां इधर तुमने ऐसे सिंगल बॉन्ड लगा दिया तो यहां पे कितने हाइड्रोजन एटम हो गए दो हाइड्रोजन एटम हो गए इधर कितने हो गए एक ऊपर का हटाया ये ऊपर का बॉन्ड हटाया तो दो हाइड्रोजन ऐड हुए एक नीचे का हटाया तो दो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड तो यहां पर क्या आ गया एक सिंगल बॉन्ड आ गया टोटल कितने हाइड्रोजन आइटम हो गए फोर हाइड्रोजन आइटम्स पॉइंट समझ में आ रहा है क्या अरे भाई पॉइंट समझ में आ रहा है आ रहा है सभी को पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे सारे दोस्त मेरे सारे प्यारे भाई बहन क्या बात है यार मजा आ गया ओपी आदमी ओपी 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 तो करेक्ट आंसर क्या है भाई पी और करेक्ट आंसर क्या है भाई एस पी मजा आया क्या मजा आया ऐसे सवाल करने अपन को कंटेंट एकदम हैवी लेके चलना है दोस्त ठीक है चलो दोस्त आगे चलेंगे अब ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी डन ठीक है चलो सवाल नंबर दो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ बूटेन बूटेन का फॉर्मूला क्या होगा सुनील भाई अरे भाई ब्यूट का मतलब क्या है कि चार कार्बन और एन यानी कि एलकेन तो एलकेन कैटेगरी का फॉर्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस टू यानी का जितना कार्बन उसका जस्ट वाइस हाइड्रोजन प्लस दो सुनील भाई चार कार्बन है जस्ट वाइस करेंगे तो आठ प्लस दो कितना हो जाएगा दस हो जाएगा सी फोर एच टेन सी फोर एच टेन सी फोर एच टेन देखो भाई देखो सी फोर एच टेन है ना सो विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन ठीक है अब देखो यहां पर इन चीजों को देख लेते हैं फटाफट से फोर से स्टार्ट करता हूं कितने कार्बन है यहां पर चार कार्बन है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ हाइड्रोजन है तो ये तो आंसर नहीं होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि भाई मोलिकुलर फॉर्मुला सेम हो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो मैंने आपको पढ़ाया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ाया पोजीशन आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था याद होगा अब देखो भाई इधर देखो कार्बन कितना है टोटल कार्बन कितना है चार एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस हाइड्रोजन है क्या बात है इधर देखो एक दो तीन चार कार्बन है हाइड्रोजन कितने है? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक दो तीन चार पांच छे सात आठ सी फोर एचेड यह भी आंसर नहीं होगा ठीक है तो देखो एक दो तीन चार चार कार्बन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस सी फोर, तो कौन कौन से यहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे यहां पर आपको एक आंसर नहीं बताना था ये बताना था कि कौन कौन से होंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा वन और टू हो जाएंगे ना ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे कि नहीं होंगे है ना ये देखो ना भाई एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन एक दो तीन हाइड्रोजन चार पांच छह सात आठ नौ और दस दस हाइड्रोजन है तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस हाइड्रोजन वन एंड टू ठीक है वन एंड टू हो जाएगा आंसर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वन एंड टू इसका हो जाएगा आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसका एक नाम हमारे पास होता है एन ब्यूटेन एन ब्यूटेन का मतलब होता है कि नॉर्मल ब्यूटेन और इसको हम लोग कॉमन नेम में बोलते हैं आई ब्यूटेन क्या बोलते हैं आई ब्यूटेन ठीक है ना ठीक है ना आई ब्यूटेन यानी कि भैया सेकंड कार्बन के ऊपर क्या है आपकी ब्रांच है दैट इज बेसिकली आई ब्यूटेन ठीक है ना ये कॉमन नेम है इसके आयुपीएससी नेम क्या होती है ये तो कॉमन है नेम नेम क्या क्या है इसका? क्या है इसका सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है तो टू हाइफेन मिथाइल और क्या हो जाएगा प्रोपेन टू हाइफेन मिथाइल प्रोपेन टू मिथाइल प्रोपेन इसका आंसर हो जाएगा ठीक है क्लियर है बात बहुत बढ़िया आगे चलेंगे सवाल नंबर तीन मेरे दोस्त द सोप मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या होता है जल्दी से बताएंगे फटाफट से द सोप मॉलिक्यूल है क्या यार सोप मॉलिक्यूल ये बेटा अपने पास इसकी मुंडी और ये बेसिकली इसका क्या हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास शॉर्ट आयोनिक हेड होता है शॉर्ट आयोनिक हेड होता है शॉर्ट आयोनिक हेड होता है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लविंग इसका मतलब डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में घुलता है उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिक तेल पानी से डरने वाला पूछ की तरह काम करता है हाइड्रोफोबिक टेल हाइड्रोफोबिक टेल क्या होती है बेसिकली वाटर फियरिंग होती है दिस बेसिकली डिजॉल्व इन ऑयल ठीक है सो द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए हाइड्रोफीलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल हाइड्रोफीलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल समझ में आ गया क्या राजा बेटा मेरी बात समझ में आ गई क्या बात है बहुत बढ़िया ओपी 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 क्वेश्चन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये कौन सा ग्रुप है अल 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 तो इसका नाम कैसे लिखेंगे भैया हमें आपने सिखाया था हमारे कोर्स के हिसाब से प्रीफिक्स प्लस सुनील भाई रूटवर्ड प्लस सुनील भाई प्राइमरी सफिक्स प्लस सुनील भाई सेकेंडरी सफिक्स आपने ये सारी चीजें हमें सिखाई अब देखो प्रीफिक्स यहां पर कोई भी सब्सिडेंट या साइड चेन नहीं है तो नथिंग सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जितने कार्बन एटम आते हैं वो बेसिकली रूटवर्ड तो कितने हैं तीन है राजा बेटा तो नाम हो जाएगा पी आर ओपी प्रॉप कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या बन जाएगा ए एन ई प्लस ये फंक्शनल ग्रुप क्या है एल डी हाइड्रिक फंक्शनल ग्रुप है तो अल आपको यह पता है ई के बाद अगर ए आई ओ यू वाई आएगा तो ई को बाय बाय टाटा सी यू कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्रॉपे नॉपे नल।, नल इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा प्रॉपे नल सही है क्या क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सवाल नंबर पांचवा द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्किन एंड एल्काइन एलकाइन सीरीज इज पहला मेंबर एल्किन और एल्काइन सीरीज का कौन सा होगा ओ राजा बेटा पहला मेंबर कौन सा होगा एल्किन एंड एलकाइन सीरीज का पहला मेंबर कौन सा होगा देखो बेटा एलकीन और एल्काइन ठीक है अगर हम इनके जनरल फॉर्मूला की बात करें जनरल फॉर्मूला ये होता है CNH2N टू एन लेकिन कब और इसका होता है CNH2N टू एन माइनस टू लेकिन कब ये बात होती है जब हम बोलते हैं कि वन कोवेलेंट बॉन्ड होगा इन सिंग सॉरी वन डबल बॉन्ड वन डबल कोवेलेंट बॉन्ड बच्चे बोलते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन की मैं चेन उठा के लाया और उसमें मैंने चार पांच डबल बॉन्ड लगा दिए और फॉर्मुला सी नहीं आ रहा मतलब जितना कार्बन उसका ट्वाइस हाइड्रोजन नहीं आ रहा तो भाई नहीं आएगा अगर जितना कार्बन है उसका ट्वाइस हाइड्रोजन तब आएगा जब उस फॉर्मुला में एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड की हम चर्चा कर रहे होंगे टॉकिंग अबाउट जब यह बात होगी तो वन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की ही बात हो रही होगी वन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड सिंपल सी बात है आपको यह समझना पड़ेगा ठीक है तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज इसी चीज को डिफाइन करते हैं समझ में आ रही है क्या बात समझ में आ रही है बात क्या बात अब देख राजा बेटा पहला मेंबर जो बनेगा यहां का वो बनेगा सी टू एच फोर और यहां का जो पहला मेंबर बनेगा वो होगा सी टू एच टू यानी कार्बन कार्बन इनके बीच में डबल बॉन्ड इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन और ये कार्बन इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन तो ये पहला मेंबर बनेगा क्या पहला मेंबर बनेगा इथीन और पहला मेंबर बनेगा इथाइन क्यों अरे भाई मिथिन और मिथाइन में एक कार्बन होता है एक कार्बन में कहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे मिनिमम दो कार्बन चाहिए ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए समझ गए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इथीन एंड इथाइन समझ में आया ठीक है समझ में आ गया एक भाई कह रहा है कि एल्किन और एल्काइन होमोलोगस सीरीज का पहला आंसर कुछ और है भाई तुम बताओ फिर क्या है एक भाई कह रहा है <laughs> कुछ और आंसर है इसका क्या आंसर होगा फिर बताओ भाई एल्किन में मीथीन और मिथाइन बनाओगे लो चलो बनाते हैं आ जाओ एक भाई ने कहा सर मितिन मिथाइन बनेगा आ जा मेरे भाई मितिन मिथाइन बनाते हैं आ जा मितिन मिथाइन बनाते हैं बेटा ये देख एक कार्बन एक कार्बन और ये दो हाइड्रोजन तो फॉर्मूला क्या बना बेटा सी एच टू बना और यहां पे देख बेटा यहां पे देख बेटा C1 H2 टू क्रॉस वन माइनस टू यानी सी एच जीरो इसका मतलब सिंपल कार्बन अब देखना एक बार राजा बेटा क्या यहां पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट सेटिस्फाइड समझ में आया इसीलिए मिथिन और मिथाइन पॉसिबल नहीं है तो तुम रटना बंद कर दो मेरे दोस्त अगर एक कार्बन यहां लगाओगे तो सीएच टू और यहां बना सी एच जीरो मतलब कार्बन और सी एच टू अरे भाई यहां पे कार्बन दो बॉन्ड बना रहा और यहां पे कार्बन कुछ बॉन्ड ही नहीं बना रहा तो कैसे स्टेबल होगा मिनिमम दो कार्बन चाहिए एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए ठीक है क्लियर है बात समझ में आगे बात आपके जो भी डाउट है दोस्तों आप मुझे बाद में बताना आप ठीक है मैं सारे के सारे डाउट्स आपके लूंगा एक भाई कह रहा है एसिड बेसिस सॉल्ट्स का एमसीक्यू नंबर पांचवा बताओ मुझे आजा भाई तेरे भी मुराद पूरी करते हैं। आजा सुनील भैया सबकी बात मानते हैं किसी भी बच्चे को दुखी नहीं करते हाँ भाई एसिड बेसिस सॉल्ट का एमसीक्यू नंबर पांच ठीक है भाई ये एमसीक्यू नंबर पांच ये गलत है कॉपर ऑक्साइड सी टू भाई सही जगह से पढ़ाई कर ले यार तू मतलब मेरे से पढ़ ले फिर गलत नहीं करेगा तू पक्का चल आजा सुनील भैया कह रहे को आ जा। बड़ा भाई आ जा। देख क्वेश्चन नंबर दो हजार सोलह में आया देख बेटा विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंड एंड वाई अब देखिए आंसर डायरेक्टली आ गया कैटेनेशन का मतलब क्या होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ब्रांज चेन्स एंड क्लोज रिंक्स तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे मेरे दोस्तों कि कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कि कार्बन ही कार्बन के साथ या मान लीजिए सल्फर ही सल्फर के साथ सिलिकन ही सिलीकन के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेने बना रहा है ब्रांचेस बना रहा है साइक्लिक रिंग्स बना रहा है इससे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं और ये सबसे मैक्सिमम एक्सटेंट पे कार्बन शो करता है कौन शो करता है कार्बन शो करता है कौन शो करता है कार्बन सो कार्बन शोस कैटेनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है इसीलिए वो कैटेनेशन को मैक्सिमम एक्सटेंट पे शो करता है अब साइज छोटा होने से क्या होता है जैसे मान लीजिए अगर साइज छोटा है ये आपके पास बेसिकली मान लीजिए न्यूक्लियस है साइज छोटा है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है न्यूक्लियस का इफेक्ट इनके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे काफी स्ट्रॉग रहेगा इसलिए बॉन्ड्स काफी स्ट्रांग बनेंगे इसीलिए काफी लंबे लंबी चेन्स बना लेगा ठीक है समझ में आ गई मेरी बात दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गली इसी वजह से कार्बन कैटेनेशन को सबसे मैक्सिमम एक्सटेंट पे शो करता है समझ में आ गई मेरी बात ठीक है अब आजा राजा बेटा आगे चले आजा, आजा 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 बेटा आजा 2016 2015 2011 ये सवाल क्या कह रहा है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बताइए इथेन में अब ध्यान से देखो बेटा सबसे पहले जैसे ही आपके दिमाग में आए इथेन तो क्या करना है देखो सुनील भाई एथ एथ पे आना चाहिए सुनील भाई दो कार्बन एन यानी कार्बन का जस्ट ट्वाइस करो कार्बन का जस्ट ट्वाइस करो तो हाइड्रोजन कितना हुआ चार उसमें दो ऐड कर दो तो हो गया छह तो सी टू एथ सिक्स वरना जनरल फॉर्मूला लगा लेना का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई जितना कार्बन उसका ट्वाइस हाइड्रोजन प्लस दो तो अगर आप एन के वैल्यू को टू प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी टू एच टू क्रॉस टू प्लस टू तो कितना हो जाएगा सी टू एच सिक्स ठीक अब अगर आपको किसी ने बोला कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं ट्रिक एक तो होता है मैनुअल तरीका और एक होता है सुनील भैया की ट्रिक वाला तरीका ट्रिक टू कैलकुलेट कोवलेंट बॉन्ड्स एक तो आपको ट्रिक होती है जो सुनील भैया भी दे रहे हैं टू कैलकुलेट कोवलेंट बॉन्ड्स क्या करना है कुछ नहीं करना नंबर ऑफ कार्बन लीजिए प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन लीजिए उसमें से एक माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ कार्बन दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस एक कितना हो गया आठ माइनस एक सात दूसरा चलाते हैं आ जाओ इधर सी टू एच सिक्स अब एक मैनुअल तरीका और बता देता हूं ये मैनुअल तरीका है भाई कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कैटेगरी है तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड कार्बन चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एक यह है बाकी के तीन ये रहे एक यहां है बाकी के तीन ये रहे टोटल बॉन्ड काउंट करना एक दो तीन चार पीडब्ल्यू की जय जयकार पांच छह सात एक तरीका ये एक तरीका ये एक भैया ये नॉर्मल तरीका आम जिंदगी और ये सुनील भैया की जिंदगी जो आपको है दी गई है है ना तो प्यारे बच्चों के लिए सिग्मा मेल ओपी चलो आ गया जो। अब ये सीबीएसई 2016-15-11 में आया है नंबर ऑफ कोवल एंड बॉन्ड इन दी मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन सेम ट्रिक लगाएंगे आंसर बताएंगे प्रोपेन प्रोप मतलब कि तीन कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे अरे जितना कार्बन उसके ट्वाइस करो तो तीन कार्बन तो हाइड्रोजन वे छह प्लस दो आठ 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 बेटा फॉर्मूले से आंसर बताओ जल्दी से यहां पर ट्रिक लगाएंगे क्या नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस वन नंबर ऑफ कार्बन कितना तीन हाइड्रोजन कितना आठ माइनस एक कितना हो गया बेटा ग्यारह माइनस एक दस बात खत्म बहुत बढ़िया ओपी बच्चे अपने सबसे ओपी पीडब्ल्यू के बच्चे अपने अरे भाई नंबर ऑफ कार्बन तीन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आठ माइनस एक हो गया दस बात खत्म भैया जी ट्रिक लगानी है ट्रिक एक तो है मैनुअल तरीका और एक है अपना ओपी तरीका अब देखो मैनुअल मजदूरी करनी है तो उसके लिए भी बता देते भैया एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन के बीच में सिंगल बाड अब ये कार्बन बनाएगा बाकी टोटल चार बन तो एक इधर बाकी के तीन हाइड्रोजन के साथ बना लेगा दो इधर बनाया बाकी के दो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा एक बनाया बाकी के तीन हाइड्रोजन के साथ बना लेगा अब राजा बेटा कैलकुलेशन चालू करो देखो बेटा क्या एक दो तीन चार पीडब्ल्यू की जय जयकार पांच छह सात आठ पीडब्ल्यू है आपके साथ नौ और दस देख बेटा दोनों तरफ से दस आया हाँ आया तो ये पीडब्ल्यू के बच्चे अपने ओपी एक मैनुअल तरीका एक ओपी तरीका ये ट्रिक एग्जाम में चलेगा 100 परसेंट चलेगा आप स्ट्रक्चर बना देना ये ट्रिक नीचे लिख देना और बोल देना ये आंसर आया टीचर गलत नहीं करेगा उनको कह देना भैया आपको गिनना है तो मैं गिन भी देता हूं आंसर ऐसे भी बता देता हूं कोई दिक्कत नहीं है अरे बॉन्ड है यार मैं मजाक में बांड बोल रहा हूं तुम्हें तो तो दिल पे क्यों ले रहे हो आ जाओ प्यारे बच्चों सीबीएसई दो हजार के सवाल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बुटे नॉन मोलिक्यूल अरे वाह ओपी 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 बूटेनॉन सुनील भाई केमिकल क्लास कौन सी है इसकी केमिकल क्लास मैंने ग्लास नहीं क्लास बोला केमिकल क्लास है मेरे राजा बेटा कीटोन सुनील भाई फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनील कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है केमिकल क्लास कीटोन फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप ठीक है जनरल फॉर्मूला सुनील भाई जनरल फॉर्मूला क्या होता है सुनील भाई कीटोन का फॉर्मूला मेरे राजा बेटा ये होता है फॉर्मूला या फिर सी एन एच टू एन प्लस वन सी डबल बॉन्ड ओ सी एम एच टू एम प्लस वन एल्काइल चेन एल्काइल चेन बीच में कार्बन थ्री डबल बॉन्डो ये कार्बोनिल ग्रुप यहां पर होगा और सरल भाषा में बताऊं तो सी एन एच टू एन ओ जितना कार्बन उसका ट्वाइस हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लगा दो तो ये बेसिकली फॉर्मूला तीनों में से जिस तरीके से लिखना आता है लिख लो कोई दिक्कत नहीं है ये कंसेप्ट की रिवीजन करवाई मैंने तुम्हारी ठीक सुनील भाई मेरे को सबसे आसान ये लग रहा है सबसे आसान यह लग रहा है लगा लो बेटा एन का वैल्यू चार एन का वैल्यू चार लगाओ क्या बनेगा सी फोर एच टू क्रॉस फोर यानी एट और ओ सी फोर एच एट ओ अब मान लो बेटा मैंने लगाया कार्बन इसके इधर लगाई डबल बॉन्ड इधर और इधर कार्बन की चेन लगानी पड़ेगी अरे सी डबल बॉन्ड हो इधर भी चेन इधर भी चेन अब मान लो इधर एक कार्बन लगाता हूं और इधर दो कार्बन लगाता हूं तो देखो क्या बनता है चार बॉन्ड हो गए चार बॉन्ड हो गए चार बॉन्ड हो गए क्लियर है सी फोर एच एट ओ सी फोर एच एट एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और ओ सी फोर एच एट ओ ठीक है तो बूटे नॉन भी बोलते हैं या फिर इसको बेसिकली सेकंड कार्बन पे तो टू बूटेनॉन या फिर बुटेन टू ओन ये भी बोल सकते हैं या फिर बुटेन भी कह सकते हैं डायरेक्टली ठीक है क्लियर है बात आप इस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगाते तो इधर सी एस थ्री हो जाता और इधर बेसिकली सी एस टू सी एस थ्री हो जाता कोई दिक्कत नहीं है तो ये बुटेनॉन का स्ट्रक्चर हो जाएगा क्लियर है बात क्लियर है बात बेटा क्लियर है बात चलो आगे चलो भैया आगे चलो भैया अरे भाई अनसेटेड नहीं है ये अनसेचुरेटेड यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं अभी अनसेचुरटेड हाइड्रोकार्बन में कहा जा रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की बात करूंगा तब बात करना ठीक है चलो कोई बात नहीं इधर देखो अभी इधर देखो इधर देखो कंफ्यूजन होगा दूर हो जाएगा टेंशन नहीं लेनी अभी और आएंगे सवाल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलेस्ट कीटोन सबसे सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा हो सकता है सबसे सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा हो सकता है मैं आपको बोलता हूं कि मेरा फंक्शनल ग्रुप है ये। अब इसके इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन मैं कह रहा हूं मेरा कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है है वो ये कार्बोनिल। अब इसके इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन तो एक कार्बन इधर लगा दो तो ये हो गया सी एच थ्री एक कार्बन इधर लगा दो सी तो एच थ्री सिंपलेस्ट क्या हो जाएगा प्रोपेनोन खत्म का

इसको कॉमनली एसीटोन कहते हैं कॉमनली कॉल्ड एसीटोन आगे चलो सवाल 2014-2011 में आए नेम द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एच सी डब्लू एंड सी टू एच फाइव सी एच ओ अब देखो बेटा सी डब्लू और सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं तो जब भी हम ये कैटेगरी की बात करते हैं आर सी डब्लो एच तो इसमें जो ये सी डब्लो एच हो जाता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिल और जब ये बात होती है आर सी एचओ की तो जो सीएचओ है ये होता है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप समझना मेरी बात केमिकल क्लास लिख देते हो तो तुम फंक्शनल ग्रुप में ऐसा मत करना एलडीआईडिक फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है हेट्रो आइटम कौन सा है तो हेट्रो आइटम ये है हेट्रो आइटम ये है. मतलब ये पर्टिकुलर जो एटम्स हैं इस कंपाउंड को प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे ये एटम्स इस कंपाउंड को प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे इसीलिए इनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इससे बनती है केमिकल क्लास तो इसकी केमिकल क्लास कौन सी है इसकी केमिकल क्लास कौन सी है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी केमिकल क्लास कौन सी है एल तो ये एच सी ओ एच क्या हो जाएगा ये होता है मीथेनोइक एसिड और ये क्या होता है सी टू एच फाइव सी एच ओ होता है प्रोपेनल तो ये किसको बिलोंग करेगा दिस बिलोंग्स टू िस बिलोंग्स टू एल डी हाइड दिस बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है क्लियर है बात ठीक है वाई इज इट एच सी डबलू एच देख बेटा समझ ये कार्बन है ये कार्बन है ठीक है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच कार्बन के कितने बॉंड़े? एक दो तीन एक बॉन्ड और हाइड्रोजन से बना लेगा तो ये बन गया एच सी हैं मीथेनोइक इसको और कॉमनली कॉल्ड फॉर्मिक एसिड समझ में आया बेटा एक बच्चा कह रहा था बॉन्डिंग कैसे होगी देख बेटा बॉन्डिंग ऐसे होगी समझ में आया एच सी डब्लू आगे देखो मैंने तुमको बोला था इस इसपे सवाल बहुत आता है बहुत सवाल आता है इस पे ये वाली एनसीआरटी एक्टिविटी पे बहुत सवाल आता है इस वाली पे वॉट विल यू ऑब्जर्व ऑन एडिंग फाइव परसेंट एल्कोलाइन के एम फोर सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप टू सम्मेनॉल टेकन इन टेस्ट राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग दब केमिकल रिएक्शन अब देखिए क्या होगा क्या होगा क्या होगा सुनना मैं क्या बता रहा हूं आपको एक तपेली लेनी है उसमें पानी लेना है पानी को गर्म करना है तपेली लेनी है पानी लेना है पानी को गर्म करना है समझ में आया हां इस गर्म पानी में एक टेस्ट ट्यूब को डालना है जिसके अंदर कि आपने इथेनॉल को पहले ही डाला हुआ है जिसके अंदर आपने इथेनॉल को डाला हुआ है अब आप इथेनॉल को गर्म कर रहे हैं इथेनॉल को गर्म कर रहे हैं पानी से मतलब आपने पानी को गर्म किया और गर्म पानी में डाला इथेनॉल को डायरेक्ट इथेनॉल को गर्म करोगे इथेनॉल में आग लग जाएगी पानी गर्म किया इथेनॉल डाला उस टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप बाय एल्कोलाइन केमेनो फोर डाला एल्कोलाइन केमेनो फोर पर्पल कलर का होता है आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे जब आप उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो और रिएक्शन जैसे ही प्रोसीड होगी तो वो कलरलेस होता है इथेनॉल एल्लाइन केमेनो फोर क्या होता है पर्पल तो मिक्सर पर्पल होना चाहिए लेकिन आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जा रहे हो एक टाइम ऐसा आएगा इज एडेड टू वॉर्म इथेनॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने के लिए बोल रहा हूं मैं सो पर्पल कलर ऑफ केमेनो फोर सोल्यूशन बिकॉज इट ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड इट सेल्फ

K2Cr2O7 और आपने हीट किया अब यहां से क्या हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन के एटम्स रिलीज होंगे अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 से ये अल्कलाइन और एसिडिक मीडियम ही इंश्योर करेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने अंदर से ऑक्सीजन के एटम्स को रिलीज करे नेसेंट ऑक्सीजन है ये कैसा नेसेंट ऑक्सीजन काफी ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन है ये तो ये क्या करेगा फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है वहां से ये हाइड्रोजन को हटाने की कोशिश करेगा इसको हटाएगा फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएगा तो यहां होगा क्या यहां हो जाएगा ये सी एच थ्री सी और यह ओ एच कार्बन का एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर एक डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ तो एक ऑक्सीजन एटम तो यहां पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके आ गया हाइड्रोजन अब क्या करेगा यह हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा एच टू हो जाएगा पॉइंट समझ में आया क्या अरे भाई आपने इथेनॉल को वॉटर पानी के अंदर गर्म कर रहे हो आप टेस्ट ट्यूब को आपने डाला ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एल्कोलाइनो फोर टू ओ सेवन डाल रहे हो इसकी वजह से क्या होगा सोल्यूशन पर्पल होगा है ना लेकिन अब यह करेगा क्या यह नेक्सीजन के एटम्स यहां पर देगा जिस वजह से यह हाइड्रोजन जो है दैट इज नेक्स्ट यानी ये हाइड्रोजन कहां पे जो कार्बन आपके फंक्शनल ग्रुप का पास वाला कार्बन है यानी ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन जो है इस पे जो हाइड्रोजन एटम्स है ये ऑक्सीजन के एटम यहां पर अटैक कर रहे हैं काफी डीप मैकेनिज्म है रिजन शॉर्ट में समझ रहे हैं इसको अपने कोर्स के हिसाब से तो ये बन जाएगा यहां पे सी डबल एच और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा वाटर एच टू अब देखिए होता क्या है यहां पे कैमेनो का जो कलर है वो डिस हो जाएगा क्योंकि यहां पे यह कलरलेस चीज बन रही है कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा इथेनोइक एसिड का क्या बन जाएगा इथेनोइक एसिड ठीक है इथेनोइ हाँ। अब हम यहां पे सिर्फ ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअली में अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूज हो रहा होगा आप समझदार है आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूज हो रहा होगा तो ऑब्वियसली हंड्रेड परसेंट रिड्यूज होता है मैग्नीस डाइऑक्साइड में और एक ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है क्या हो आप इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ना डाल के एक साथ झटके से अंदर डाल दो तो एक साथ अगर झटके से डाल दोगे तो क्या होगा वॉट इफ एल्कलाइन केमिनोफोर सोल्यूशन एक्सिस इन दॉमेथिन एकदम एक्सिस में आपने डाल दिया खच करके डाल दिया पहले ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे अब एकदम झटके से डाल दिया झटके से डाल दिया तो कलर क्या रहेगा पर्पल ही रहेगा या एक्सिस में डाल दिया तो कलर पर्पल ही रहेगा क्यों मान लो पचास ग्राम एल्लाइन के जरूरत थी समझना तुमने चार ग्राम डाल दिया तो जो पचास ग्राम था उसने इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर दिया बाकी साढ़े तीन सौ ग्राम ऐसा ही पड़ा है तुमने चार सौ ग्राम डाला पचास ग्राम यूज हो गया बाकी साढ़े तीन सौ ग्राम वैसे ही पड़ा है तो मिक्सचर पर्पल ही रहेगा तो अगर आप यहां पर एक्सेस में केमेनो फोर को डालते हैं तो कैमेनो फोर का कलर क्या है पर्पल है तो ये जो डिस ऑफ कलर इज नॉट विजिबल एज सम ऑफ द समो फोर रिमेन्सूज प्रोवाइड आप यहां पे क्या कर रहे थे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे ना इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे तो पर्पल कलर जो है जैसे डिसअपियर होगा यानी कि जब इतना एसिड बनेगा तो आपको नजर आएगा अब मान लीजिए 50 ग्राम की जरूरत थी

कंपाउंड स्टेबल भी है दिस इज विच इज वेरी ग्रेट तो सिलिकन है और सल्फर है नेम एन एलिमेंट अदर देन कार्बन विच एक्सिबिट दी प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन अप टू सेवन और एट आइटम्स तो सिलिकन भी है सल्फर भी है दोनों करते हैं अब ये कंपाउंड स्टेबल है क्या अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है क्या दिक्कत है बॉन्ड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट्स हैविंग द बिगर एटम्स आर मच वीकर देन कार्बन बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस दिस इज वाई दीज कंपाउंडल एंड दे आर रिएक्टिव अब कार्बन के केस में क्या होता है सुनील भाई कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा स्ट्रोंगर है इस वजह से बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रोंगर है लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई आप समझना यहां पर साइज बड़ा हो जाता है मतलब जैसे कि अगर सिलिकन की बात करता हूं तो ये साइज जो है काफी बड़ा हो चुका है है अब तो इनका जो इफेक्ट ना वो इसके ऊपर बहुत कम है जिस वजह से इनके बॉन्ड्स बॉन्ड्स काफी वीक हो जाते हैं और ये इजीली टूट जाते हैं कार्बन का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में काफी ज्यादा है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है लेकिन सिलिकन के के केस में ऐसा नहीं होता सिलिकन केस में ऐसा नहीं होता साइज बड़ा है ना तो इसका इफेक्ट इन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इतना ज्यादा नहीं होता तो बॉन्ड टूट जाते हैं इसीलिए ठीक है दोस्त चलो अब देखो 2014-2013 में आया है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मला ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विद द द एंड गिव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का सवाल है इसीलिए कहता हूं एनसीआरटी बोलती कुछ है देती कुछ है

अरे भाई पोटेशियम कहां गया अगेन वो के ओ बनेगा लेकिन मैंने कहा ना अपन को उस रिएक्शन में घुसना और कूदना नहीं है हमेशा मैंने बताया कि वो के ओ एच जाएगा क्या करेगा उस पर अपन को जाना नहीं अपने को सिर्फ ऑक्सीडेशन उन्होंने बोला अपन ऑक्सीडेशन पे स्टिक रहते हैं ठीक है अब देखो भाई देखो 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 सी थ्री अच सिक्सो अब हमें पता है कि यारी एन एच टू एन ओ ये दो कैटेगरीज के फॉर्मूला बनेंगे कौन कौन सी कैटेगरीज एक कैटेगरी हो जाएगी सुनील भाई एल की ध्यान से देखना भाई देखो थ्री एच सिक्स का फॉर्मूला बनेगा अरे वाह यार भाई मजा आ गया या सुनील भाई ये या, या तो एलडी या तो कीटोन सी एन एच टू एन ओ एल या कीटोन ठीक है बहुत बढ़िया तो सीथरी एच सिक्स सबसे पहले बनाते हैं प्रोपेनल और फिर बनाते हैं सी थ्री एच सिक्स ओ प्रोपेनॉन दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं आ जाओ फटाफट से आ जाओ ध्यान से देखना कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 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 सी थ्री एक दो एक दो तीन कार्बन एच सिक्स तीन चार पांच छ और सी थ्री एच सिक्स प्रोपेनॉन कार्बन 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 यहां पर है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या हाइड्रोजन 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 सी थ्री एच सिक्स ओ प्रोपेनॉन क्लियर है क्या बात क्लियर है क्या बात क्लियर है क्या बात ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ठीक क्लियर है बात अब इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को आप ट्राई करना बहुत सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को प्लीज गो एंड ट्राई मैंने आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बना हैं यू हैव टू ट्राई द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ठीक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को ट्राई करना बस एक छोटी सी चीज मैंने आपको दी है यहाँ पे करने के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया है ठीक है चलो सीबीएसई दो हजार बारह गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में अपन कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे तो दो प्रकार के टेस्ट है हमारे पास एक तो लिटमस टेस्ट है और दूसरा सोडियम बाय कार्बोनेट टेस्ट है ठीक है अब सोडियम बाय कार्बोनेट टेस्ट है यानी कि NaHCO3 से रिएक्शन करवानी है ठीक अब ये दोनों के दोनों कलरलेस सोल्यूशन है जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पे इथेनॉल है है ना तो ये हो जाएगा CH3CH2OH या फिर हो जाएगा C2H5OH और फिर है मेरे पास इथेनोइक एसिड, जिसको मैं बोलता हूं एसिटिक एसिड एसेट। जो मेरे पास होता है सी एस थ्री सी एच या फिर इसको बोलूंगा सी टू एच फोर ओ टू समझे छोटू जितना कार्बन उसका जस्ट वाइस हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन तो ये बेसिकली बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला ठीक अब देखो मजे की बात यहां पर क्या है

इससे तो आप नहीं बता पाते लेकिन जैसे ही ये आपको बोलता तो इसकी क्या है बहुत ही स्वीट स्मेल होती है स्वीट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट इससे आप पता लगा देते बहुत मीठी खुशबू आती है इसकी बहुत मीठी खुशबू होती है और इसकी बात करो सिरका भाई सिरका इसी से बनता है ना डाइल्यूटेड फॉर्म है इसकी सिरका तो भाई पहली चीज सुनील भाई कलरलेस सोल्यूशन तो ये भी है तो देख के तो पता नहीं लगा सकते लेकिन अब यहां पर क्या है बहुत स्मेल एंड टेस्ट बहुत ही ज्यादा खट्टी स्मेल आती है और टेस्ट भी बहुत ज्यादा खट्टा होता है बहुत ज्यादा खट्टा ठीक है तो अगर आपको बोलते हैं फिजिकल टेस्ट करना है तो आप यहां से पता लगा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सवाल अगर उन्होंने घुमाया तो बोलेंगे फिजिकल टेस्ट में पता लगा तो आप यहां से पता लगा लोगे किससे पता लगा लोगे यहां से यहां से आप पता लगा लोगे फिजिकल टेस्ट इससे आप पता लगा लोगे फिजिकल टेस्ट से कि भैया कौन इथेनॉल है और कौन एसिड बाकी केमिकल टेस्ट में तो आप लिटमस वाला टेस्ट ले लो लिटमस ले लो तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिटमस की डाई है मैं इथेनॉल में डालता हूं पर्पल ही रहेगी लेकिन इथेनॉइक एसिड में डाल दूंगा तो ये रेड हो जाएगी तो लिटमस क्या है मान लीजिए मैंने लिटमस की डाई ली है लिटमस डाई इसके साथ क्या होता है ये न्यूट्रल में क्या रहती है आपको पता है पेल पर्पल यानी कि मॉव कलर बोलते हैं इसको मॉव, एम ए यू वी मॉव। और अगर हम बात करते हैं यहां पर कि हम एसिडिक में बात करें तो ये हो जाती है लाल और अगर हम बात करें यहां पर बेसिक में तो ये हो जाती है क्या बेसिक में क्या हो जाती है ये हो जाती है ब्लू ये हो जाती है ब्लू पेल पर्पल या मॉव ये हो जाती है लाल तो इथेनॉल दैट इज सी एस थ्री सी एस टू एच या फिर सी टू एच वाइव लिटमस टेस्ट के अंदर तो ये पेल पर्पल रहेगा ये बेसिकली कैसा हो जाएगा लाल हो जाएगा ठीक है अब सोडियम टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हमें कोई रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलने वाली है नो रिएक्शन यहां पर अगर हम रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है यहां पर क्या होता है सीएस थ्री सी डब्ल्यू एच ठीक है प्लस हमारे पास है एनएस तो सुनील भाई कटायन सनाइंस का एक्सचेंज करवा देंगे अरे भाई ये हमारे पास सना पार्टी हमारे पास कटायनिक पार्टी हमारे पास कटायनिक पार्टी हमारे पास अनानिक पार्ट जल्दी से कटायन सना को एक्सचेंज मारना यार दोस्त तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा सी एस थ्री सी एन ए प्लस एच टू सीओ थ्री बनेगा जो डिसोसिएट करता है एच टू और सीओ टू में टू गैस निकलेगी हाँ इसको लाइम वाटर में डाल देंगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बस खत्म ऐसे पता लगा लेंगे ठीक है तो अगर फिजिकल टेस्ट बोलते तो भाई कलरलेस सोल्यूशन दोनों है इसकी स्वीट स्मेल और बर्निंग टेस्ट है दोनों का इसकी क्या है मीठी खुशबू है और बर्निंग टेस्ट एकदम जलन होती है और यहां पर इसकी बात करें तो खट्टी स्मेल खट्टा टेस्ट है लेकिन अगर केमिकल टेस्ट बोल रहा है

2015-2011 में आया है वाई आर डिटर्जेंट्स प्रिफर्ड ओवर दी सोप्स फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन दी हार्ड वाटर ठीक है एक्सप्लेन क्यों यूज करते हैं हम डिटर्जेंट्स को प्रीफर क्यों करते हैं सोप्स के ऊपर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन वॉटर इन हार्ड वॉटर एक्सप्लेन अब मान लीजिए हार्ड वॉटर है हमारे पास हार्ड वॉटर क्या होता है हार्ड वॉटर का मतलब क्या होता है हार्ड वॉटर हार्ड वॉटर हार्ड वाटर हार्ड वाटर ये होता है जिसके अंदर बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं इसको हार्ड वाटर कहते हैं हार्ड वाटर में बाई कार्बोनेट्स क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ एन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट्स की वजह से क्या होती है टेंपररी हार्डनेस होती है बाई कार्बोनेट्स की वजह से टेंप्ररी हार्डनेस होती है बॉइलिंग से हटा सकते हैं इसको पानी को बॉइल कीजिए हट जाएगी और क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स से परमानेंट हार्डनेस होती है ठीक है तो बाई कार्बोनेट से तो टेम्पररी हार्डनेस होती है क्लोराइड्स एंड सल्फेट से बेसिकली परमानेंट हार्डनेस हमारे पास होती है ठीक है अब देखिए ये हार्ड वाटर में अगर ये सोल्ट है तो साबुन काम नहीं कर पाता रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं साबुन क्या है भिड़ने लगता है साबुन बोलता है अरे पानी तुम्हारे में बाई कार्बोनेट है बोले हाँ मेरे में बाई कार्बोनेट है बोले मेरे में क्लोराइड भी है अच्छा क्लोराइड भी है अच्छा सल्फेट भी है? अच्छा हाँ सल्फेट भी है तो इनके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से भिड़ जाता है और भिड़ के क्या करता है सोल्यूबल सॉल्ट नहीं बनाता भिड़ता है तो क्या करता है White काम नहीं करता जब तक हार्ड वॉटर के सारे सोल्ट को स्कम ना बना दे मतलब तो जितने भी हार्ड वॉटर में सोल्ट बनेगा ना जब तक तब तक ये झाक बनाएगा ही नहीं एक बार जब इसने हार्ड वाटर के सारे सोल्ट से इस कम में कन्वर्जन कर दिया उसके बाद ये झाग बनाता है ये दिक्कत है तो हार्ड वाटर क्या होता है सुनील भाई हार्ड वाटर का ये मतलब है कि ऐसा पानी जिसमें बाई कार्बोनेट्स क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स और, और कैल्शियम मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट्स की वजह से टेंपररी हार्डनेस होती है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है अब साबुन झाग क्यों नहीं देता साबुन इनके साथ भिड़ंत कर लेता है इन सॉल्ट के साथ और एक इंसॉल्यूबल वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है जिसे स्कम कहते हैं जब तक ये सारे सोल्ट से कम ना बना ले तब तक झाग ही नहीं बनाता जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सोप है सोडियम स्टेरेट ठीक है तो सी सेवन एक्सटी सी डबल एन एन प्लस ठीक है तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया अनायन हो गया ये हो गया कटायन ये हो गया कटायन और ये हो गया अनायन अब चेंज करो कटायन अनायन तो सी सेवनटीन एक्सर्टी फाइव सी डबलओ होल्टवाइ यह क्या हो जाएगा होल होल्टवाइस एमजी तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम स्टेरेट और ये क्या हो जाएगा कटाइन अनायन के साथ गया तो एन एसियन समझ रहे हो भाई ये अनायन इस के साथ गया तो ये क्या बना मैग्नीशियम एसिटेट मैग्नीशियम स्टियरेट मैग्नीशियम स्टियरेट और ये क्या बना सोडियम क्लोराइड अब ये जो है वाइट प्रेसिपिटेट है जिसे स्कम कहते हैं अब जब तक मेरे दोस्त ये स्कम नहीं बनाता जाता सारे के सारे हार्ड वाटर के जितने भी सॉल्ट्स हैं सबके साथ स्कम बनाएगा झाग बनाएगा ही नहीं डिटर्जेंट ऐसा नहीं है डिटर्जेंट बोलता है कि सुनो मैं रिएक्ट तो करूंगा तुम्हारे साथ लेकिन मेरे सोल्ट सोल्यूबल होंगे मैं इसकी तरह बेकूफाना पन नहीं करूंगा ठीक समझ गए सो कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम ऑफ सोल्टिजेंट आर सोल्यूबल इन वॉटर हार्ड वाटर एज वेल तो ये हार्ड वाटर के साथ भी झाग बनाता है फालतू में स्कम की फॉर्मेशन नहीं करता ये एडवांटेज है तो हम डिटर्जेंट्स को क्यों प्रेफर करते हैं ओवर दी सोप्स फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन हार्ड वाटर दिस इज द रीजन ठीक है ठीक है बेटा भाई रिएक्शन को लिखना अगर आप लिखते हैं तो बैलेंस जरूर करेंगे ये बैलेंस्ड है देखो ट्वाइस ऑफ सी डिवाइस सी डब्लो ये है, एक एमजी एक एमजी दो एन ए दो एन ए और सीएल दो क्लोरीन दो क्लोरीन. बैलेंस्ड है।, बैलेंस है? चलो इस सवाल को करेंगे सवाल नंबर 18 सीबीएसई 2013 में पूछा गया सवाल है नेम द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इसके अंदर क्या-क्या फंक्शनल ग्रुप्स से जल्दी से बताइए देखिए मैं बता रहा हूं ध्यान से देखना सबसे पहले आप लिखेंगे केमिकल क्लास ठीक तो पहले वाले की जो केमिकल क्लास मुझे नजर आ रही है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आप केमिकल क्लास को लिखिए लिख दिया दूसरा ये है बेसिकली हमारे पास ईस्टर ये देखिए ये बेसिकली हमारे पास है केमिकल क्लास एल्कोहल और ये हमारे पास है हेलोजन ठीक है बेटा बहुत बढ़िया कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल क्लास ईस्टर केमिकल क्लास एल्कोहल केमिकल क्लास और हेलोजन केमिकल क्लास आप देखो दोस्त यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है फंक्शनल ग्रुप क्या है फंक्शनल ग्रुप क्या है यह है कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कौन सा कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप यानी कि सी ओ ओ एच कार्बोक्सिल ये रहा ए ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप उसके बाद ये है एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप केमिकल क्लास ईस्टर है नाम हो जाएगा कार्बो एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ ठीक है ये हमारे पास जो हो जाएगा दैट इज बेसिकली ईस्टर ग्रुप है ना एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा हमारे पास OH. और यह है Rx. ये एक्स जो ग्रुप है ना हमारे पास ये एक्स जो हो सकता है ये इधर आपके पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है ठीक है ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है ठीक है दिस एक्स कैन बी फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन और आयोडीन ठीक है तो यहां पर कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कार्बो एल्कॉक्सी फंक्शन ग्रुप हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप दिस इज हेलोजन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो इनमें से कुछ भी हो सकता है यहां पर ठीक है आगे सवाल नंबर उन्नीस सीबीएसई बी एस ई दो हजार सत्रह आओ राइट द मॉलिकुलर फॉर्मला ऑफ बैंस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म हाउ कोवेलेंट कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड्स ध्यान से देखना मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या होता है देख दोस्त बेंजीन जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है C6H6 होता है ठीक है हां अब देख बेटा छह कार्बन है इसके अंदर कितने कार्बन है छह कार्बन है सबसे पहले हर कार्बन के बीच में एक-एक सिंगल बॉन्ड बनाओ उनके ऊपर एक-एक हाइड्रोजन लगाओ लगाया अभी भी हर कार्बन का तीन बॉन्ड ही बन रहा है तो आप क्या करना है इधर एक डबल बॉन्ड लगाया कार्बन के टोटल चार बॉन्ड इस कार्बन के भी चार बॉन्ड तो इधर मत लगाना इधर छोड़ के इधर लगाओ. एक, दो, तीन, चार. इस कार्बन के एक दो तीन चार इधर मत लगाना वरना इस कार्बन के एक दो तीन चार पांच हो जाएंगे छोड़ के इधर लगाओ एक दो तीन चार इस कार्बन के एक दो तीन चार ये बेंजीन के स्ट्रक्चर है इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है रटने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है सुनील भैया इसका स्ट्रक्चर ये ऐसे भी बन सकता है केक्यूल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इसको पढ़ाया है मैंने आपको ठीक है बेटा देखना भाई एक बार यहां पर डबल बॉन्ड इधर आया ये छोड़ के इधर आया ये छोड़ के इधर आया ये बेसिकली आपके पास क्या है दीज आर नथिंग बट दी केक्यूल स्ट्रक्चर्स यह आपके पास क्या है केक्यूल स्ट्रक्चर्स है क्या है केक्यूल स्ट्रक्चर्स है समझ में आगे मेरी बात क्लियर है मेरी बात अब ये होता क्या है एक्चुअल में दिस इज नथिंग बट कलरलेस इनफ्लेमेबल लिक्विड कलरलेस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे आग लग जाती है इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सी सिक्स सिक्स फॉर्मुला होता है के स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर हम इनको कहते हैं आयोनिक और कोवेलेंट के बीच का सिंपल सा डिफरेंस अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है आ जाओ तो ये हमारे पास हो गए कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड और ये हमारे पास हो गए आयोनिक कंपाउंड अब ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है भाई आयोनिक कंपाउंड का अनादर नेम क्या है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड लिखते जाओ कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड इनका अनादर नेम क्या है मॉलिक्यूलर कंपाउंड कौन से कंपाउंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड अब ये जो मॉलिक्युलर कंपाउंड हैं किससे बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल से बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल्स भाई नॉन मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो यहां पर ये मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है नॉन मेटल्स के बीच में और इससे ये लोग किसकी तरह एग्जिस्ट करते हैं एज मॉलिक्यूल जैसे एच टू ओ एच टू ओ एच टू ओ टू 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 ऐसा आयोनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल तो फिर ये किसकी तरह एग्जिस्ट करते हैं कटायंस और अनायंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं है. तो एग्जिस्ट एज आयंस दैट इज कटायंस एंड अनायस ठीक है बेटा रिवीजन हो रहा है सही है हाँ तो ये हमारे बनते हैं नॉन मेटल से ये हमारे बनते हैं मेटल और नॉन मेटल से मेटल इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स द नॉन मेटल मेटल बनता है कटायन नॉन मेटल बनता है अनायन टॉकिंग अबाउट दिस यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है नॉन मेटल्स के बीच में एंड ये एग्जिस्ट करते हैं एज मॉलिक्यूल्स ठीक है समझ में आ गई मेरी बात जी भैया फिजिकल स्टेट क्या है इनकी ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में रहते हैं ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में रहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो जनरली दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये पुअर कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के जनरली बिकॉज दे डोंट डिसोसिएट इन लिए बट ऐसा नहीं कि हर केस में आप अप्लाई करोगे एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं और ये क्या है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एक्वल्टन स्टेट यानी कि अगर आप इनको पानी में डिजोल्व कर देंगे पिघला देंगे तो ये बिजली को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं समझ में आ गया कोवलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस क्लियर है बात क्लियर है बात ठीक है बिल्कुल आप इथेनॉल एसिड के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का टेस्ट कर सकते हैं नहीं करेगा। करेगा। बिल्कुल सही बात है अब ये 2014-2013 में पूछा गया सवाल एसिड कैटालिस्ट टू फॉर्म कंपाउंड एक्स ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कोलाइन KMnO4 फॉलोइंग बाय एसिडिफिकेशन गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड बैक राइट द नेम इन स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल एंड कंपाउंड एक्स बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्त एक कार्बोक्सिल मॉलिकुलर जिसका है सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच यह रिएक्ट करता है एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म अ कंपाउंड एक्स ठीक है द एल्कोहल ऑन एक्सिडेश ऑक्सीडेशन विल एल्कोलाइन केमिनोफोर फॉलोइंग एसिडिफिकेशन द सेम एसिड तो मैं एल्कोहल को यहां पर अगर लेकर चलता हूं तुम्हारा सी एच थ्री वेरीफाई करना कि देखो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है सी एच टू ओ एच एसिड विद दिस मॉलिकुलर फॉर्मुला रिएक्ट विद दिस एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलिस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने इस मिक्सचर को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिस विल एक्ट एज अ पॉजिटिव कैटेलिस्ट साथ ही साथ यहां से पानी उड़ाएगा पानी कैसे उड़ाएगा इधर की ओएच OH और इधर की एच उड़ाएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है अरे भाई यहां से ओ OH उड़ाएगा और यहां से एच उड़ाएगा जी भाई क्या बनेगा भाई यहां क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव प्लस ओ एच और एच मिलके क्या बना देंगे एच टू ओ इसका नाम क्या बनेगा? ऑक्सीजन के पास वाली जो एल्काइल चेन होती है पहले उसका नाम लिखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। दो कार्बन है तो हमारे पास हो जाएगा एथ सिंगल बॉन्ड है तो एन और ये है हमारे पास ईस्टर फंक्शनल ग्रुप तो वेट। तो नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोइट ये सब नामकरण भी अपन ने सीखे हैं इथाइल इथेनोइट अब दोस्त आगे देखो क्या बोल रहा है वो एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इस एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं इस एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसको मान लीजिए मैं मानता हूं कि ये सब्सटेंस X है ठीक है टू फॉर्म अ कंपाउंड X, अच्छा ठीक रुक जाओ इसको X मत मानो क्या बोल रहा है ये अ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एन एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलिस्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड X, ये कंपाउंड X ये है द एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन द एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन यानी कि एल्कलाइन के ध्यान से देखो दोस्त सुनील भाई एल्कलाइन केम एन फोर की प्रेजेंस में हीट करेंगे या फिर एसिडिफाइड के टू सीआर टू ओ सेवन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये क्या करेंगे के एटम्स देंगे अब ये बेसिकली इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं फंक्शनल ग्रुप के पास वाले हाइड्रोजन को तो क्या बनेगा सी एच थ्री टी ओ एच प्लस एच टू और ओ ठीक है द एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कोन KMnO4 मिनोफोर फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन गिव द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड सेम कार्बोक्सिलिक एसिड देता है ये रहा सीएस थ्री सी डब्लू एच सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच दे रहा है राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल एंड द कंपाउंड एक्स लिख दिया कंपाउंड एक्स आपने स्ट्रक्चर बनाना है बना दीजिए दोनों का स्ट्रक्चर बना दीजिए ये सी एस थ्री सी डब्लू एच का स्ट्रक्चर ठीक है और साथ ही साथ इसका नाम भी लिख देता हूं इसके नीचे इथेनोइक एसिड इसका नाम इथेनॉल रिएक्शन का नाम रिएक्शन का नाम इसकेशन रिएक्शन का नाम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स ठीक समझ में आ रही है क्या मेरी बात तो ये भाई हमारे पास इंस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स हो गया अब इसका भी स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए बना लेते हैं सी एच थ्री सी एच टू ओ एच सी एस थ्री सी एच टू ओ एच और सी एस थ्री सी डब्लू एच

एक ऑक्सीजन यहां पर क्या करेगा भाई जो आपका कार्बन फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास है वहां वाले हाइड्रोजन को उड़ाएगा तो यहां पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा और ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा ये इसका स्ट्रक्चर इसका सबसे खतरनाक सवाल सबसे खतरनाक सवाल सबसे खतरनाक सवाल सवाल नंबर बाईस वन ऑफ द खतरनाक सवाल तुमको मजा आएगा सवाल करने में बहुत प्यारा सवाल है इस सवाल से तुम्हारे सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे देखो ध्यान से देखना अभी ये रिएक्शन मैंने करके दिखाई थी आपको अभी ये रिएक्शन मैंने करके दिखाई थी आपको ठीक है तो ये आपने केएमएनओ लिखा हुआ ठीक है ना ये के है टेंशन मत लेना ठीक है तो मान लीजिए मेरे पास अभी मैंने रिएक्शन लिखी सी एस थ्री OH. सी एस टू ओ एच अगर आप इसको हीट करते हैं एल्कलाइन के एम एन ओ फोर के प्रेजेंस में या फिर एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन की प्रेजेंस में तो ये एल्कलाइन मीडियम या एसिडिक मीडियम ये इंश्योर करेगा कि ये फटाफट से अपने अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन के एटम्स को रिलीज करे अब ये जो है इस हाइड्रोजन को यहां पर अटैक करने वाले हैं तो ये क्या बनेगा सी एच थ्री OH, प्लस एच टू और ओ अभी बताया आपको एच टू और ये हो जाएगा हमारे पास ओ तो ये हमारे पास हो जाएगा सी एच थ्री सी डब्लू एच डैट इज हमारा ए सॉरी ये ए हो जाएगा हमारे पास क्लियर है क्या बात बहुत बढ़िया बच्चे बहुत तेज है हमारे ये तो ए हो जाएगा सी एस थ्री सी डब्लू एच अब ये कह रहा है कि अगर आप बी रिएक्शन करवाते हो तो बी रिएक्शन में क्या होता है आपके पास है सी एस थ्री सी एस टू ओ एच है उसके बाद आपने क्या बोला ए है तो ए क्या है सी है। थ्री सी डबल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप रखते हैं और अगर आप इस मिक्सचर को हीट करते हैं तो आपको पता है कि यहां से तो ओ एच उड़ेगा सेबिड से ओ ए तो यहां से एच तो ये हो जाएगा सी एच थ्री क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एस टू यानी कि सी एच थ्री सी एच टू सी टू एच फाइव ओ एच भी लिख सकते हो ज्यादा बेटर रहेगा है गा. ना सी एच टू सी एच थ्री या सी टू एच फाइव ओ एच प्लस ओ OH एच और एच मिलके बना लेंगे एच टू तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई ठीक है इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल इथेनोएट क्या नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट इथाइल इथेनोएट और यहां पे नाम क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड तो हमारे पास ये और भी आ चुके हैं अब इथाइल इथेनोइट की रिएक्शन करवानी है हमको क्या बात है देख रहे हो सारी रिएक्शंस की रिवीजन हो रही है अच्छा रिएक्शंस के नाम भी लिखते जाओगे यहां पे तो तुम्हारा रिवीजन होता जाएगा पहली रिएक्शन क्या है कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल दूसरी रिएक्शन कौन सी है ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन है एल्कोहल प्लस कार्बो ऑक्सिलिक एसिड विल गिवस यू अ फ्रूटी स्मेल कंपाउंड दैट इज नोन एज ईस्टर नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड रिएक्शन यहां पर हमारे पास क्या है सी एच थ्री यही वाला सी एस थ्री सी डबल एनए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सुनील भाई पहले वाले लिख दो तो ये देखो पहले वाले लिख देता हूं सी एच टू सी एस थ्री बात एक ही है दोस्त रटने वाली बात नहीं है एनएच और हीट अब आपने इसको काफी ज्यादा पानी के अंदर डिजोल्व कर रखा है डिजोल्ड इन वॉटर ठीक अब यहां से आया इथाइल इथेनोइट और एन अगर आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा अरे क्या होगा क्या होगा यहां से उड़ा एच और यहां से उड़ेगा ये ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप तो क्या बनेगा क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू ओ और ये बन गया एच ये और ये जुड़ जाएंगे प्लस ये और ये जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी एस थ्री सीओ ओ एन ए समझ में आ गई मेरी बात समझ में आ गई मेरी बात तो ये हमारे पास क्या आया ये हो गया हमारे पास सी एच थ्री सी एस टू एच और ये हो जाएगा सी क्लियर है बात हमारे पास था बी मजा आ रहा है क्या अरे सवाल में मजा आ रहा है क्या सवाल में मजा आ रहा है क्या तो भाई हमारे पास सवाल यह था बी प्लस एने हमने किया तो हमको क्या मिला सी प्लस सी एस थ्री सी डबल अच्छा सुनील भाई रिएक्शन का टाइप क्या है रिएक्शन का टाइप क्या है रिएक्शन का टाइप है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन

बाई ये कटायन है और बाई एनायन है कटायन से एक्सचेंज बार दो फटाफट से CH3CWONa या NaCH3CO ये भी सही है HCO3 और H ये में आएगा H2CO3 जो टूटेगा H2O और CO2 के अंदर तो यहां पर C तो यही है ये यह C है तो D क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस D हो जाएगी ठीक है किसका एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है और डबल डिस्प्लेसमेंट में कौन सा एग्जाम्पल है ये गैस फॉर्मिंग का एग्जाम्पल है बिकॉज़ एक गैस का, का एक्सचेंज हुआ तो सी एस थ्री सी डबल बना साथ ही साथ एस टू सीओ थ्री बनेगा जो एस टू और सीओ टू में डिसोसिएट हो जाएगा तो हमारे पास डी है अच्छा इसका नाम भी लिख लो सी का नाम लिख लो ये है सोडियम एसिडेट या सोडियम इथेनोएट यह है सोडियम एसिडेट या सोडियम इथेनोइट सोडियम एसिडेट या सोडियम इथेनोएट है सीएस थ्री सी डब्लू क्लियर है बात क्लियर है बात चलो आ जाओ बेटा फटाफट से आ जाओ सी एस थ्री सी एस टू ओ एच प्लस ई विल देखो बेटा यह हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस क्या मिलेगा कि यहां पे सी एस थ्री सी एच टू ओ एन ए प्लस हाइड्रोजन आया ऑब्वियसली सोडियम दिख रहा है तो सोडियम ही होगा भाई सोडियम का रिएक्टिविटी यहां पर प्रेजेंट हाइड्रोजन से ज्यादा है डिस्प्लेस मार के सी एस थ्री सी एस टू ओ एन ए बना देगा इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड और साथ में निकली हाइड्रोजन गैस दो हाइड्रोजन तो ये दो सी एस थ्री सी एस टू ओ दो तो सी एस थ्री सी एस टू ओ दो E दो तो 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 क्या हो जाएगा E हो जाएगा सोडियम किस प्रकार की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ठीक है क्लियरली याद रहेगी जी भैया सारे याद हो गए याद हो गए सारे के सारे समझ में आ गई बात तो सी एस थ्री सी एस टू एच एल्कोलाइन के टू सीआर की में हीट करेंगे, तो क्या होगा ये बेसिकली हमको देगा एसिड अब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की अगर हमारे पास रिएक्शन होगी सीएस थ्री सी डबल एच और सी एस थ्री सी एस टू एच इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यहां से एच तो क्या बनेगा इथाइल इथेनोइट और साथ में वाटर

प्लस बनेगा जो डिसोसिएट करता है एस टू और सीओ टू में तो एक गैस का निर्माण हो रहा है इसीलिए गैस फॉर्मिंग रिएक्शन है किसका टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट का सी एस थ्री सी एस टू एच प्लस टू वन प्लस हाइड्रोजन रिएक्टिव हैथक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा खत्म काम ठीक है चलो सीबीएसई 2016 में आया है सवाल गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कोई बताएगा कोई बताएगा आप में से मैं तब तक एक बार पानी पी लूंगा दोस्तों कोई आप में से मुझे इस चीज का आंसर करेगा क्या कोई आंसर करेगा मेरे को इस चीज का भैया इलेवन भी पढ़ाओ बिल्कुल पढ़ाएंगे क्या बात है अपने सारे लग रहे है। सारे अपने ही है बहुत बढ़िया यार। तुम सारे सारे बालक हमारे ही हो बहुत बढ़िया तुम राजा बेटा हो मेरे तुम मेरे राजा बेटा हो इतनी देर में चिल्ला रहा हूं ना ये एफर्ट डाल तुम्हारे लिए तुमने मेरे एफर्ट को सकारता कर दिया बहुत बढ़िया यार मजा आ गया इसका मतलब तुम आए थे वॉरियर में तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है भाई ब्रोमीन वाटर टेस्ट आप करवा दीजिए एक तो सैचुरटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन देते ही नहीं है ना अरे आपको भी पता है अरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डोंट गिव एडिशन रिएक्शन विद ब्रोमीन वॉटर एंड इट्स कलर दैट इज रेड इज ब्राउन रिमेन्स देयर तो अगर आपके पास कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराओगे हो तो ब्रोमीन कहां होगा है ना इन होता है नो no रिएक्शन अब नो no रिएक्शन का मतलब क्या है इसका रेडिश ब्राउन कलर वैसा का वैसा रहेगा इन दोनों को मिक्स कर दो रहे वैसा का वैसा ही रंग रहेगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन वाटर का जो कलर है रेडिश ब्राउन वैसा का वैसा ही रहता है लेकिन अगर आप अनसेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं और अगर आप ब्रोमीन के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं इन मान लीजिए CCl4, तो ये मान लीजिए अगर आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता तो यहां पर इसका रंग उड़ जाएगा ठीक है ना ब्रोमीन वाटर डी मतलब इसका रंग उड़ गया समझ गए इन केस ऑफ अनसे हाइड्रोकार्बन तो ब्रोमीन जो है वो बेसिकली एड हो जाएगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे दिस इन टर्न लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अचुरटेड हाइड्रोकार्बन एंड द रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर्स तो यहां पर जो ब्रोमीन वॉटर का रंग है वो उड़ जाएगा या डीकलराइज हो जाएगा रंग उड़ जाएगा यहां पर ठीक है डी या फिर आप बोल सकते हैं डिसअपियर्स ठीक है तो सिंपल सी बात है ब्रोमीन वाटर टेस्ट करना है हाइड्रोकार्बन का अगर रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो कोई एडिशन रिएक्शन नहीं रहेगी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ही आप रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ ब्रोमीन वाटर अपना कलर मेंटेन करके करके मैनेज रखेगा में ब्राउन लेकिन जब आप अनसे हाइड्रोकार्बन से करोगे तो ब्रोमीन वाटर अपना रंग छोड़ देगा मतलब उसका रंग चला जाएगा बिकॉज यहां पर एक दूसरा सब्सटेंस बन चुका है इसीलिए उसका रंग चला जाएगा है ना अब देखते हैं सीबीएसई 2016 में एक और सवाल हमारे पास आया है जल्दी से देखेंगे यही वाला सवाल इसका पार्ट भी है तो ये ये हमारे हमारे पास है इथेन। ये इथेन हमारे पास है 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 ना इथेन हमारे पास है इसको जब हमने एयर के प्रेजेंस में बंद किया तो ये हमको देता है कार्बन डाइऑक्साइड इसका जो कार्बन है, जो बना रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज के क्या बना रहा है एस बना रहा है ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी याद करने के लिए कि कार्बन ऑक्सीडाइज होकर सीओ टू बनाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर एस टू बनाएगा साथ ही साथ दो प्रकार की एनर्जी निकलेगी हीट और लाइट लाइट एनर्जी किस प्रकार के फॉर्मेट में होगी क्लीन ब्लू फ्लेम के फॉर्मेट में होगी किस प्रकार के फॉर्मेट में होगी क्लीन ब्लू फ्लेम के फॉर्मेट में होगी ठीक है, जी तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर बर्न मैंने। कैसा हाइड्रोकार्बन है ये? हाइड्रोकार्बन अगर हमारे पास होगा तो अगर आपने इसको गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिया तो गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कंप्लीट कंबशन होगा कंप्लीट कंबशन होगा तो बर्न्स विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम अच्छा टॉकिंग अबाउट दिस अगर इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इसमें भी दो केसेस मैंने बताए थे इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इस केस में इनकंप्लीट कंबशन होगा मतलब पूरी तरीके से हमारा कार्बन जो है वो जल नहीं पाएगा अगर कम है ऑक्सीजन तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड इवन लेस तो यहां पर अनबंट कार्बन निकल आएगा याद है कि नहीं है बिल्कुल याद है तो अगर गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो कंप्लीट कंबस्टन बर्न क्लीन ब्लू फ्लेम अगर इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो इनकंप्लीट कंबस्टन कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा इवन लेसर ऑक्सीजन है तो अनबंट कार्बन निकलेगा ठीक है याद रहेगा अब ये जो है ये बेसिकली क्या हो जाता है बिकम्स हॉट ग्लोज एंड प्रोवाइड्स अ कलर येलो फ्लेम फाइनलीज सूट पूरा रिवीजन यहां पर इस कंसेप्ट का हो गया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हमारे पास होंगे अगर आप इनको गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर में अगर आप इनको बर्न करेंगे और इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यानी एयर में बर्न करेंगे यहां पे कंप्लीट कंबेशन होगा ये क्लीन ब्लू फ्लेम से चलेगा उंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो यह इनकम देगा ऑक्साइड और इवन अगर लेसर है ऑक्सीजन तो अनबंड कार्बन कार्बन जला ही नहीं जब अच्छा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो सीओ टू बना कम है तो सीओ बना और कम है तो अनबंड कार्बन ही रहा तो यहां पर क्या होगा ना कि कार्बन गर्म हो जाएगा जो कार्बन जला नहीं और गर्म होने के बाद वो बेसिकली ग्लो करेगा और वो येलो कलर प्रोवाइड करेगा फ्लेम को और फाइनली वो अनबन कार्बन की तरह वहां से निकल जाएगा जिसे सूट कहते हैं मोमबत्ती जल्दी हाथ लाओ हाथ काला पड़ता है इसे सूट कहते हैं तो येल्लो सूटी फ्लेम है ना ब्लैक सूटी फ्लेम नहीं येल्लो सूटी फ्लेम होती है कौन सी येल्लो सूटी फ्लेम येल्लो सूटी फ्लेम ठीक दोस्त आगे चलो इसी का पार्ट सी व्हाई इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एक तरीके से क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सुनील भाई क्या होता है ठीक है इधर आ जाओ इधर आ जाओ वाई इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज एज रिएक्शन ऐसा क्यों हम मानते हैं इट इज कंसिडर्ड टू बी वीट्यूशन रिएक्शन दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज हाइड्रोजन इज सब्सिट्यूटेड और डिस्प्लेस बाय क्लोरीन जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि अगर मेरे पास ये है मेरे पास सी एच फोर और इसका मेरे दोस्त यहां पे रिएक्शन होता है क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मेरी बात को ध्यान से सुनना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर आप इस रिएक्शन को कराते हैं या आप इसको हीट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है मान लीजिए इस हाइड्रोजन को उड़ा देगा या हाइड्रोजन इस सीएल के साथ चला जाएगा तो यहां पर क्या हुआ टी एच थ्री और एक सी यहां पर आ गया प्लस एच सी एल ठीक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा सुनील भाई इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मीथेन ठीक है तो यहां ये सब्सिट्यूशन रिएक्शन क्यों देखो सब्सिट्यूशन रिएक्शन इज सॉर्ट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहां पे जो क्लोरीन है दिस इज मोर रिएक्टिव तो यहां पे आप ये समझ सकते हैं इसको उस वे में नहीं लेके जाते यहां पर क्या हो रहा है कि भैया हमारा जो ये एल्केन्स है इनको हम कहते हैं यानी इनकी बहुत लिटिल रिएक्टिविटी है तो इनको अगर हम क्लोरीन गैस के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट रिएक्ट करवाते हैं तो क्लोरीन इस हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देती है यहां और ये एच बन जाएगा तो नाम बनेगा क्लोरोमीथेन अब ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड कर सकती है जहां पर कि अब आगे फिर क्लोरीन जो है सीएल टू इनसे रिएक्ट करेगा तो डाइक्लोरोमीथेन फिर ट्राइक्न फिर टेट्राक्लोरोमीथेन ऐसे चलता रहेगा ठीक है तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलता है फिर उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं तो इतना डेप में जाना नहीं है आ जाओ फटाफट से सीबीएसई 2023 में पूछा गया सवाल ए 2023 बोल रहा हूं 2013 2013 में पूछा गया सवाल कुछ खाया नहीं ना मेरा दिमाग एकदम ऐसा हो गया दो हजार तेरह को तेईस बोल रहा हूं मैं ठीक है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग दूसरा डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट जल्दी से बताओ आंसर बताओ आंसर बताओ फटाफट से आंसर बताओ तो सिंपल सी बात है सबसे पहला अगर सेकंड सवाल दो डायमंड इज हाई मेल्टिंग पॉइंट अरे भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है डायमंड में जो हर कार्बन एटम है ना वो बॉन्डेड है चार कार्बन एटम से थ्रू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स विच इज वाई इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट कार्बन जो यहां पर डायमंड है ना उसका हर कार्बन चार कार्बन एटम से बॉन्डेड है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डेड काफी ज्यादा स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड्स है सारे सिंगल बॉन्ड्स है इस वजह से काफी ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका दूसरा कोवल एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग ठीक है मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग तो ध्यान से देखना ऐसा क्यों क्योंकि कार्बन कैन नॉट लूज और गेन फोर इलेक्ट्रॉन्स अब हम अभी हमारे कोर्स में दो तरीके कंपाउंड है आयोनिक और कोवेलेंट आयोनिक में क्या होता है मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं कार्बन ऐसा कर ही नहीं सकता ना तो ले सकता है ना दे सकता है कार्बन को शेयरिंग करनी पड़ती है जिस वजह से वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है समझ में आया हा ठीक है तो कार्बन इट कैन शेयर फोर इलेक्ट्रॉन्स दैट इज टेट्रा वेलेंसी टू बिकम स्टेबल हैंड्स इट फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अरे भाई लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर नहीं सकता इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग करता है स्टेबल होने के लिए तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं भाई कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है ठीक है चलो उसके बाद ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एसिटाइली बर्नस विदी फ्लेम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो भाई ग्रेफाइट के अंदर क्या है? ग्रेफाइट भाई ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है भैया हर कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से बॉन्डेड है अरे भाई हर कार्बन तीन कार्बन से बॉन्डेड है हर कार्बन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है या उसे हम डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं दिस मेक्स ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली विद अ सूटी फ्लेम ऐसेन का मतलब होता है यानी कि सी टू एच टू या फिर हम इसको बोलते हैं इथाइन तो इथाइन में क्या होता है इथाइन आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हाई कार्बन कंटेंट वाला तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप एक्सेस ऑफ एयर में अगर आप बर्न करेंगे तो वो तब भी पीली फ्लेम से जलेंगे प्योर ऑक्सीजन देंगे तो गेम अलग हो जाएगा आप एक्सेस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन देंगे मतलब एक्सेस ऑफ हवा देंगे जिसमें बीस पॉइंट पिचानवे प्रतिशत ऑक्सीजन है तब भी वो पीली फ्लेम से जलेंगे प्योर ऑक्सीजन अगर आप दोगे प्योर मतलब प्योर ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन तब वहां पर ब्लू फ्लेम का एक्सपेक्टेशन हो सकता है ठीक है तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्नस विद येलो सूटी फ्लेम एज ऑल कार्बन इज नॉट बर्न एंड दे विल शो कंप्लीट और पार्शल कंबशन ठीक है तो आपको ये पता है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एयर के प्रेजेंस में ट्वेंटी पॉइंट नाइन फाइव परसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ एयर भी दे दो तो, तब भी वो पीली फ्लेम से जलेंगे प्योर ऑक्सीजन सिर्फ प्योर ऑक्सीजन हवा में तो क्या है मिक्सर है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइ ऑक्साइड नहीं अब प्योर ऑक्सीजन दोगे तो गेम अलग हो जाएगा तो यह सूटी फ्लेम से क्यों जलती है जस्ट बिकॉज कंप्लीट कंबस नहीं होता क्या नहीं होता कंप्लीट कंबशन लिख देता हूं भाई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ठीक है इन एयर दैट इज ऑक्सीजन गैस ठीक है इनकंप्लीट कंबसन होता है जिस वजह से क्या बनते हैं अनबंट कार्बन के पार्टिकल्स बनते हैं तो ये हॉट होते हैं भाई दूसरे कार्बन के पार्टिकल जो जरे उनकी हीट से गर्म होते हैं ठीक है ठीके? ग्लो करते हैं एंड गिव्स येलो फ्लेम टू द कलर येलो uh, फ्लेम देते हैं कलर येलो फ्लेम देते हैं येलो कलर टू द फ्लेम येलो कलर टू द फ्लेम बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं मैं येलो कलर टू फ्लेम ठीक है तो बेसिकली इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है पूरा कार्बन यहां पर जल नहीं पाता है तो यहां पर जो कार्बन नहीं जल पाता वो गर्म होता है क्योंकि दूसरे कार्बन जो जल रहे हैं उनकी वजह से गर्म होता है ग्लो करता है गर्म होने की वजह से ग्लो करता है इसे incandescence कहते हैं और येलो कलर देता है गिव्स येलो कलर टू द फ्लेम ठीक है फाइनली फाइनली लीव्स एज सूट फाइनली सूट की तरह लीव कर जाता है ठीक है फाइनली इट लीव एस सूट सीबीएसई दो हजार तेरा यही सवाल का पांचवा पार्ट कैरोसिन ड नॉट डीकलराइजीन वॉटर वेर कुकिंग ऑयल डज ये डीकलराइज नहीं करता कुकिंग ऑयल डी कलराइज करता है सिंपल सी बात है अगर ब्रोमीन वॉटर को कैरोसिन डीकलराइज नहीं कर पा रहा लेकिन कुकिंग ऑयल कर पा रहा है इसका मतलब कौन सा कौन सा होगा सरल सी बात है अभी थोड़ी देर पहले बताया रोसिन डज नॉट डीकलराइज इसका मतलब कैरोसिन क्या है हाइड्रोकार्बन है कोई रिएक्शन ही नहीं देगा ब्रोमीन के साथ लेकिन कुकिंग ऑयल क्या है कुकिंग ऑयल एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है है तो सिंपल सी बात एडिशन रिएक्शन देते हैं इन दिस केस विद ब्रोमीन वाटर सिंपल सी बात है अरे यहां पर मैंने आपको अभी बताया ना ब्रोमीन वाटर टेस्ट भाई आपका ब्रोमीन वाटर जो है रेडिश ब्राउन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ एडिशन रिएक्शन होगी नहीं तो अपना रेडिश ब्राउन कलर मेंटेन करके रखेगा इसका मतलब कैरोसिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लेकिन कुकिंग ऑयल अनसेटेड हाइड्रोकार्बन है इसीलिए रिएक्शन होगी और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस ब्रोमीन इन सी सी एल फोर विल गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कलर उड़ जाएगा सिंपल सी बात है अब आ जाओ कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल करवाता हूं तुमको सम कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से ऑन अंडर गोइंग कंप्लीट कंबस इन एन एडिकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर वेपर एज द प्रोडक्ट यानी कि जब आप कंप्लीट कंबस की बात करते हैं तो आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मॉइस्चर ही जनरेट करता है

अब अगर मैं देखूं तो ये भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में आ जाएगा ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा अगर हम ये इमेजिन करके चले कि इनके सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो तीनों के तीनों उसी में लाई करने वाले हैं ठीक है थीके? तीनों के तीनों उसी में लाई करने वाले हैं सही है कि गलत बोल रहा हूं ठीक है भाई अगर तुम इथेनॉल को बंद करते हो फॉर मैं तुमसे पूछता हूं इथेनॉल को तुम बर्न करोगे मैंने इथेनॉल की बर्निंग नहीं सिखाई क्या तुमको इथेनॉल की बर्निंग करोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ सुनील भाई जब इथेनॉल की बर्निंग करेंगे तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और बेसिकली वाटर वेपर का निर्माण तो करता ही है साथ में क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है तो तीनों के तीनों सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में नहीं जाएंगे क्या नहीं जाएंगे क्या ठीक है कुछ भी हो सकता है एनी ऑफ द पी क्यू आर तीनों ही सही है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्लियर है अ कंपाउंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू कॉज द डी ऑफ बेकिंग सोडा टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेकिंग सोडा यानी कि बेसिकली एन थ्री तो एच सी थ्री के साथ हमारे को चाहिए एसिड ताकि हमको मिलेगा सॉल्ट एच टू और सीओ टू अब इसमें से कौन सा एसिडिक ग्रुप आपको नजर आ रहा है सिंपल सी बात है इसमें से कौन सा एसिडिक ग्रुप नजर आ रहा है ये तो हाइड्रोक्सिल ये एल्डिहाइडिक ये कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल केमिकल क्लास है कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल प्रोड्यूस करेगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वन मोल ऑफ इथिन एंड वन मोल ऑफ इथाइन आर सेपरेटली मेड टू कंप्लीटली अंडरगो एडिशन रिएक्शन टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन

और मैं आपको फटाफट से एक बार यहां पर एक बार एक पोल दे देता हूं ठीक है तो मैं कुछ खा भी लूंगा और आपको सवाल भी करा दूंगा ठीक है सरल से सवाल है ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है इजी सवाल है आप इजीली कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पे। <coughs> बढ़िया ऋषा नयन ऋतीश प्रिंस शुभ अनन्या मालती श्रेया अतरव एंड परीक्षित अब ध्यान से देखो पहले मेरी बात सुनो पहले सवाल को समझना फिर मुझे बताना वन मोल ऑफ इथीन एंड वन मोल ऑफ इथाइन आर सेपरेटली मेड टू कंप्लीटली अंडरगो एडिशन रिएक्शन पहले इथीन ले लेते हैं इथीन ले लेते हैं मेरी बात को सुनोगे तो तुम्हें एक ही बार में समझ में आ जाएगा ठीक है ये रिएक्शन किस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होती है निकल पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में होती है 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ध्यान से सुनना यार अब इस एक बॉन्ड को हटाने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी दो हाइड्रोजन की पड़ेगी क्या कैसे मैं बताऊं देखना ध्यान से देख भाई एक कार्बन ये हाइड्रोजन इधर ये हाइड्रोजन इधर ये, ये, ये एक सिंगल बॉन्ड ये एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर अब देखना मेरे भाई इधर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इधर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा समझ में आएगा ये आपके पास क्या था ये आपके पास इथीन था आपने हाइड्रोजन को यहां पर इस पे ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम प्लेटिनम 200 डिग्री सेल्सियस इस प्रोसेस को बोलते हैं कटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या बोलते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन क्योंकि यहां पर आप एक कैटेलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं ये हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि आप हाइड्रोजन की एडिशन करवा रहे हैं यहां पे, ठीक है सो कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अब पहले आप यह समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ यहां एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ ठीक हाँ अब एक काम करते हैं इथिन की बात करते हैं इथाइन की बात करते हैं एक बॉन्ड यह हटाना है मुझे और एक बॉन्ड यह हटाना है यानी एक यह हटेगा तो दो हाइड्रोजन एक बॉन्ड हटेगा तो दो हाइड्रोजन तो यहां पे कितना हो जाएगा यहां पे आप मान लीजिए टू एच टू की बात कर रहे हैं और इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम प्लेटिनम एट 200 डिग्री सेल्सियस अब मेरी बात को ध्यान से सुनना ये कार्बन ये एक हाइड्रोजन ऊपर सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन ऊपर ऊपर वाला एक बॉन्ड हटा तो कार्बन का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड तो यहां बन गया एक बॉन्ड यहां यहां बन गया फिर पर एक 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 वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये टूटेगा तो हाइड्रोजन यहां यहां आ आ गया गया एक हाइड्रोजन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कार्बन ने इस हाइड्रोजन से शेयर किया इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन से शेयर किया इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन से शेयर किया इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन से शेयर किया ठीक है बना यहां पर केस में क्या ही बना यहां पर क्या दोनों ही केस में बना इथेन यहां पर भी क्या बना इथेन ठीक तो पहला क्या है वन मोल ऑफ इथेन एंड एन मोल ऑफ इथाइन आर सेपरेटली मेड टू कंप्लीटली अंडरगो द एडिशन रिएक्शन टू फॉर्म द फॉर्मेक्टिव सैचुरेटेड कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफरेंट फॉर द टू रिएक्शन पहला द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सेचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म एक मोल एक मोल दोनों में सेम ही बन रहा है ये तो नहीं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड यहां पे एक मोल था और यहां पे दो मोल था बिल्कुल सही ओनली क्यू इज द करेक्ट आंसर ठीक है ओनली क्यू इज द करेक्ट आंसर सही है क्लियर है क्या मजा आया ये भी समझ में आया एक भाई कह रहा था कि सर ये नहीं समझ में आया अरे मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड तीनों में ही सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स तो ये तीनों के तीनों यहां पर यही चीज प्रोड्यूस करेंगे साथ में क्लीन ब्लू फ्लेम से जलेंगे इथेनॉल को मैंने क्लीन ब्लू फ्लेम से जलाकर दिखाया था लाइव क्लास में वॉरियर में चेक भी कर लेना तो एल्केन का तुम्हें पता है एल्कोहल का पता है एल्डिहाइड भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस क्या कह रहा है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन वन लेबल्ड एंड दी अदर लेबल्ड रीजन रीड द स्टेटमेंट केयरफुल्समेंट्स ए एन आर ध्यान से सुनना भाई वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्थियर फैट्स वेजिटेबल ऑयल इज बेसिकली क्या होता है और एनिमल फैट आपका बेसिकली क्या होता है तो ये आपके पास होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये आपके पास होता है अनसेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या करता है ये आपकी को ब्लॉक करता, करता है और इससे आपको क्या हो जाती है फाइनली कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाती है कौन सी डिजीज कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाती है ठीक है

तो असर्शन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बिल्कुल सही बात है सही बात है ठीक है क्लियर है बात ठीक है कॉम्पिटेंसी फोकसड क्वेश्चन सही है अपने अब देखो सवाल नंबर उन्तीस क्या कह रहा है कह रहा है एंड एलकेन है कार्बन एटम्स अरेन्ज विद इन द रिजन स्ट्रक्चर एज शोन बिलो राइट द मॉलिकुलर फॉर्मुला ऑफ द एलकेन अब मॉलिकुलर फॉर्मुला लिखना है इसका कोई दिक्कत नहीं चालू करते हैं कहीं से भी चालू करो कार्बन के दो बॉन्ड है बाकी के दो बॉन्ड किससे बनाएगा हाइड्रोजन से बनाएगा कार्बन के के दो दो बॉन्ड बॉन्ड है बाकी किससे बनाएगा हाइड्रोजन से कार्बन के दो बॉन्ड है बाकी के दो किससे बनाएगा हाइड्रोजन से कार्बन के दो बॉन्ड है बाकी के दो किससे बनाएगा हाइड्रोजन से कार्बन के दो बॉन्ड है बाकी के दो किससे बनाएगा हाइड्रोजन से कार्बन के तीन बॉन्ड है बाकी का एक बॉन्ड बनाएगा किससे हाइड्रोजन से अच्छा कार्बन के दो बॉन्ड है बाकी के दो बॉन्ड किससे बनाएगा हाइड्रोजन से कार्बन के दो है बाकी के दो बॉन्ड किससे बनाएगा हाइड्रोजन से कार्बन के दो है बाकी के दो बॉन्ड किससे बनाएगा हाइड्रोजन से कार्बन के दो है बाकी के दो बॉन्ड किससे बनाएगा हाइड्रोजन से कार्बन के तीन है बाकी का एक बॉन्ड बनाएगा किससे हाइड्रोजन से अब ध्यान से देखना एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह एच कितना दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह उन्नीस और बीस बीस सही है एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ नौ दस ग्यारह फिर उसके बाद बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ट्वेंटी टू

ठीक है अरे हमारा पीपीटी ऑपरेटर कहां गया आ जाओ सवाल नंबर तीस तीस के बाद लास्ट सवाल है इकतीस आ जाओ आ जाओ बेटा एंड एलिमेंट एक्स विच इज द मोस्ट अबोन्डेंट गैस इन दी एटमोसफियर एग्जिस्ट एज अ डाय अटोमिक मॉलिक्यूल ध्यान से सुनना मेरी बात एक गैस जो सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह और हाइड्रोजन के साथ सौ में थोड़ी देर पहले भी बताइए आपको तो भैया एक्स जो है हमारे पास वो क्या है हमारे पास एक्स इज नाइट्रोजन ये कितना होता है सेवेंटी एट पॉइंट जीरो सुनील भाई पहली बात तो हमें याद हो रही है कोई दिक्कत नहीं है यार सुनील भाई मजा आ रहा है यार सुनील भाई कोई दिक्कत नहीं है सेवनटी एट पॉइंट जीरो हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो ये मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन है ये मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करती है फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टू हंड्रेड ए प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन केटलिस्ट और यह बनाती है बेसिकली एन थ्री अब ध्यान से देखना भाई ये बेसिकली गैस ये भी हमारी गैस ये भी हमारी गैस तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगी 773 सेवेंटी थ्री कैलविन मतलब की पांच डिग्री सेल्सियस दो सौ एटीएम प्रेशर आयरन केटलिस्ट तो ये बनाएगी अमोनिया गैस जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल होती है गंदी इरिटेटिंग स्मेल होती है टॉयलेट यूरिनल्स के बाहर जो आपको आती है वो ये अमोनिया की स्मेल है नाउ आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स एंड हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन डज इट है ए तो पार्ट क्या है एलिमेंट एक्स क्या हो जाएगा एलिमेंट हो जाएगा मेरे पास नाइट्रोजन यानी कि एन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई एटॉमिक नंबर होता है इसका सात कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी दो कॉमा पांच तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास पांच समझ में आ गई मेरी बात ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए अच्छा दूसरी चीज की बात करें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ एक्स वट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म इन इट अगर इसका डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या बनेगा नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पांच इलेक्ट्रॉन्स ध्यान से देखना इसको कितने चाहिए ये कह रहा है कि मुझे आठ इलेक्ट्रॉन या मोस्ट शेल में ये कह रहा है मुझे भी चाहिए तो इसके लिए हमें तीन गेन करने पड़ेंगे तो ये बोलते हैं आपस में तीन को शेयर कर लेते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ये हो गया बेसिकली आठ एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ये भी हो गया कितना आठ तो ये क्या बन गया ये बन गया आपका एन टू ठीक है किस प्रकार का बॉन्ड है इसके अंदर यह कैसा बॉन्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है आगे चलेंगे अगला ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज पॉन्डेड इन इट थ्री का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है ये नाइट्रोजन पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये हाइड्रोजन 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 के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ये हाइड्रोजन डन ये हाइड्रोजन डन ये हाइड्रोजन डन नाइट्रोजन का देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये भी डन ठीक है सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया अमोनिया का व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म इन दिस कोवेलेंट बॉन्ड और कितने हैं थ्री सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो थ्री सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स अग्रीड अरे सारे मेरे दोस्त अग्री कर रहे हैं क्या इस बात से अग्री कर रहे हैं क्या इस बात से क्लियर है तो एलिमेंट है नाइट्रोजन अटोमिक नंबर है सात बैलेंस करने के लिए सात इलेक्ट्रॉन यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास टू कॉमा फाइव यानी कि सात आउटर मोस्ट में अगर पांच है तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे एन टू की तरह एक्जिस्ट करेंगे ये बेसिकली कहलाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना है यहां पे टॉकिंग अबाउट एन एच थ्री तो यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं बन रहा है बॉन्ड है तीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स यहां पर बने हैं क्या बात है बहुत बढ़िया आगे चलेंगे अगले में सवाल नंबर इकतीस काफी ज्यादा डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे तो बहुत बार मैंने आपको कराया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे तो मैंने आपको कराया है पता नहीं आपको याद है कि नहीं ठीक है ठीक है आपको पता नहीं ये वाला याद है कि नहीं है बट ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है यस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है अब आओ मजे दिलाते हैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम दिमाग की जाते सारी की सारी खिड़कियां खोल देगा ये तुमको मजा आएगा अ कंपाउंड सी विद मॉलिकुलर फॉर्मूला सी टू एच फोर ओ टू यह सी टू एच फोर ओ टू क्या हो सकता है देखो सी एन एच टू एन ओ टू जितने कार्बन उसके ट्वाइस हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन ये दो कैटेगरी का फॉर्मूला बन सकता है या तो ये फॉर्मूला बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का पानी दे दो यार गर्म पानी दे दो यार ठीक है तो हमारे एक अभी सर्विस बॉय आए थे भाई है ना उनको लगा शायद सर बहुत देर से पढ़ा रहे तो आके हमको बोले सर गर्म पानी पिला दे पिला दो यार है ना इंसानियत तो यही है दोस्त है ना इंसान तब तक जिंदा रहेगा जब तक इंसानियत जिंदा रहेगी तो बस भाई हमारे वही इंसानियत जिंदा रख रहे बहुत अच्छा लगा हमको तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये ईस्टर ठीक है दोस्त तो जितना कार्बन उसका ट्वाइस हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन या तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या यास्टर हो सकता है अब ध्यान से सोचना यह बोल रहा है कि यह मेटल से रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड आर बनाता है और एक गैस का निर्माण करता है जो बर्न करती है पॉप साउंड से अब जो गैस बर्न करती है स्क्वीकी पॉप साउंड से वो है हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या है जलती हुई माचिस की तीली लाइए कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड से बर्न करती है छोटा धमाका होता है छोटा धमाका अब सोडियम इससे रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन बनेगा या सोडियम इससे रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन बनेगा बात हमें ये याद है हमको ये कंसेप्ट पता है कि यार मेटल जो होता है जैसे ही वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण तो तय है सभी को पता है तो अगर हम ये दो कार्बन चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो वो हमारे पास बनता है सीएच थ्री सी डबल एच और मेटल अगर हम लेते हैं यहां पर सोडियम तो सोडियम में दम है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने का और वो क्या बनाता है वो यहां पर बनाता है सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए क्या बनाता है सीएस थ्री सी प्लस ठीक है अब देखिए ध्यान से देखना दो हाइड्रोजन है तो यहां पर हमने क्या किया के दो लगा दिया एसिटेट दो है एसिटेट को भी दो कर दिया दो सोडियम है तो दो सोडियम कर दिया दो एन ए दो एन ए दो है सीएस दो है दो हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन है बिल्कुल बैलेंस्ड है अब यहां पर हमारे पास क्या है ये हमारे पास है सॉलिड ये हमारे पास है एक्वस ये हमारे पास है एक्वस और ये हमारे पास है गैस ठीक है तो कंपाउंड सी विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सी एच थ्री सी टू एच फोर ओ टू ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कंपाउंड सी रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल टू गिव अ कंपाउंड आर ठीक है गैस दैट गैस दैट इवॉल्स हाइड्रोजन गैस तो सबसे पहले तो सी और आर का नाम लिखते जाते हैं फटाफट से जो जो हमें मिल गया उसका नाम लिख लो जो मिल गया उसका नाम लिख दो सबसे पहले जो सी है वो क्या है सी जो है वो क्या है वो हमारे पास क्या है इथेनोइ है दे दो भाई दे दो बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम ठीक है तो जो सी हमारे पास है यह बेसिकली एसिड e है जी भाई उसके बाद उसके बाद कंपाउंड आर क्या है सुनील भाई बेटा आर क्या है आर क्या है आर क्या है आर क्या है जल्दी से बताओ आर क्या है कोई बताएगा बता आर क्या है कोई बताएगा आर क्या है हां यह है बेसिकली सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनोएट सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनोएट बहुत बढ़िया अब यह क्या बोलता है कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद एन एल्कोहल ए कंपाउंड सी कंपाउंड सी यानी सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच कंपाउंड सी यानी कि सी एच थ्री सी डबल ओ एच ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहल ए इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन द प्रजेंस ऑफ एन एसिड यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड में लेता हूं और इसको हीट करता हूं तो मुझे एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस मिलेगा यानी कि ईस्टर मिलेगा जिसकी मॉलिकुलर फॉर्मुला है सी थ्री एच सिक्स ओ टू अब सुनो जो हम इतनी देर से इथाइल इथेनोइड की बात कर रहे हैं वो है सी फोर एच एट ओ टू जो लिखा है इसने लिखा है सी थ्री एच सिक्स ओ टू तो मेरे छोटू मेरी बात को समझना ये C डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ अब देखो इसके इधर एक इथाइल और इसके इधर एक इथाइल ग्रुप होता है ये इस तरफ फंक्शनल ग्रुप है कार्बनकॉक्सी फंक्शनल ग्रुप हाँ तो सुनील भैया कार्बो एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप यानी कि जो ईस्टर ग्रुप है वो ये होता है अब तीन कार्बन में से एक तो यहां आ गया बचे दो कार्बन एटम एक कार्बन इधर जाएगा और एक कार्बन इधर आएगा साथ में यहां पर निकलता है पानी ठीक है अब ये जो एल्कोहल होगा वो कौन सा होगा ध्यान से देखो मुझे ये पता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ओएच OH यहां से आता है सी एस थ्री सीओ सी एस थ्री सीओ जो है वो आया होगा यहां से और ये ओ सीएस थ्री आया होगा यहां से तो यहां पर क्या होगा सी एच थ्री ओ और एल्कोहल है तो ओ OH एच होगा ऑब्वियसली हाँ तो ये ओएच OH होगा सीएस थ्री ओ एच अब सी एस थ्री ओ एच में से एच तो यहां से गया एच और यहां से ओ एच एच और यहां से ओ एच एच और यहां से ओ एच भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से ओ OH जाएगा और यहां से एच जाएगा तो ये तो मिलकर एच टू ओ बन गया और ये सी एस थ्री सीओ सी एस थ्री सीओ और ये ओ सी एच थ्री ऐसे जुड़ जाएगा ठीक जी भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसका नाम क्या होगा अब ऑक्सीजन के पास में जो ग्रुप अटैच है इसका नाम क्या है मिथाइल ग्रुप है ये तो पहले इसका नाम लिखते हैं मिथाइल फिर दो कार्बन है तो लिखेंगे एथ इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन होता है एन और फिर लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर एल केन से ए एन ही लिख रहे हो आप इसके बाद अगर ए आई ओ यू वाई आएगा तो ई हट जाएगा तो नाम हो जाएगा एलकाइन एल के नो एट एलकाइन एल के नो एट तो ये क्या हो जाएगा मिथाइल इिथेनो ये क्या हो जाएगा ये हमारे पास है मिथेनॉल ये क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड तो ए क्या हो गया हमारे पास ए हो गया हमारे पास मीथेनॉल और एस क्या हो गया हमारे पास मिथाइल इथेनोइट खत्म का क्या बात है अब खत्म करो बिल्कुल खत्म करेंगे अब देखो बस ये लिख दिया है तो हमने ये सारी की सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली ना हाँ कर ली अब बस इनकी रिएक्शंस लिखनी है तो ये दोनों तो लिख दी अब बाकी की दो और लिख देते हैं अब देखो आगे ये वाली रिएक्शन और लिख लेते हैं ये वाली रिएक्शन और लिख लेते हैं अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं ऑन एडिशन ऑफ एन एच टू सी एडिशन ऑफ एन एच टू सी एडिशन ऑफ एन एच टू सी ये एन को अगर आप सी से रिएक्ट करवाओगे दैट इज सी एस थ्री सी डबल ओ एच तो क्या बनेगा देखो कटायन अनायन अनायन कटायन कटायन अनायंस को एक्सचेंज करो फटाफट से तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी डबल ओ सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए प्लस एच टू ओ ठीक है तो ये आपको देगा सी एस थ्री सीडब्लू एन ए अब ये सी एस थ्री सी डब्लू एन यहां पर कहीं देखा देखा लग रहा है यस दिस गिव्स आर दिस गिव्स आर एंड वाटर ऑन एडिशन ऑफ एनी वू सी इट गिव्स आर एंड वाटर ऑन एडिशन ऑफ एनी वच टू सी ये बेसिकली हमारे पास क्या है ये बेसिकली हमारे पास है सी तो ये हमको क्या देगा ये देगा आर प्लस वाटर रिएक्शन का टाइप क्या हो जाएगा रिएक्शन का टाइप हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो किसका टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है किसका टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये किसका टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है ठीक अच्छा दूसरी चीज एस ऑन ट्रीटमेंट विथ एन एच सोल्यूशन गिव्स बैक आर एन एस एस मिथाइल इथेनोइट ऑन ट्रीटमेंट विथ एन एच है ना मिथाइल इथेनोइट आ जाओ मिथाइल इथेनोइट आ जाओ सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच थ्री मिथाइल इथेनोइट ऑन ट्रीटमेंट विथ एनएच आप इसको हीट करेंगे यहां पर एनओएच जो होता है काफी ज्यादा एक्सेस में डिजोल्व होता है डिजोल्व इन वॉटर ठीक तो ये जैसे ही एस एस की रिएक्शन किससे होगी सुनील भाई एस की रिएक्शन होगी एनओएएच के साथ तो क्या होगा ध्यान से देखो यहां से तो ये जाएगा और यहां से ये जाएगा यहां से सी एच थ्री ओ यानी कि जो आर ओ वाला ग्रुप है ये ओ आर डैश वाला जो ग्रुप होता है एलकॉक्सी ग्रुप और यहां से एच ये उड़ जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं दोस्त प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं प्रोडक्ट बनेगा सीएच थ्री सी एच थ्री सी ओ एन ए सी एस थ्री सीओ एन ए प्लस सी एस थ्री ओ एच सी एच थ्री ओ एच ठीक है तो इससे हमें क्या मिला है एस ऑन ट्रीटमेंट गिव्स बैक आर एन ए तो आर क्या है हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास आर बिल्कुल सही एंड ये हो जाएगा हमारे पास ए किस प्रकार की रिएक्शन है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है हमने ये सारे तो पहले आइडेंटिफाई कर लिए थे ये रिएक्शंस बस उसने लिखने के लिए बोला था राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व इसलिए लिखा डोंट तो हमने दो रिएक्शन से ही लिया था इस रिएक्शन का टाइप क्या है यहां पे ये रिएक्शन क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये वाली कौन सी रिएक्शन है ये वाली ये आपकी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है खत्म बात सो द वेरी फर्स्ट इज नथिंग बट एन एक्साम्पल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द सेकंड वन इज नथिंग बट एन एक्साम्पल ऑफ एन ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन द थर्ड वन इज नथिंग बट एन एक्साम्पल ऑफ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड द फोर्थ वन इज नथिंग बट एन एक्साम्पल ऑफ अपोनिफिकेशन रिएक्शन ये मिथाइल इथेनोएट की रिएक्शन एनिवेज के साथ हुई तो ये इसने दिया सोडियम एसिटेट एंड साथ ही साथ मिथेनॉल की रिएक्शन मिथेनॉल दे दिया ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात क्लियर है बात क्लियर है बात चलो तो लगभग 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 कितने सवाल हो गए कितने हो गए कितने हो गए इकतीस तीस इकसठ और उनमें भी बीस बीस मान लो तो एक सौ एक सवाल लगभग हो गए है ना तो हंड्रेड प्लस सवाल तुमको मैंने आज करा दिए हंड्रेड प्लस क्वेश्चन ठीक है दोस्त कितने सवाल करा दिए हंड्रेड प्लस सवाल करवा दिए कितने हंड्रेड प्लस क्वेश्चन करवा दिए तो देखो भाई थ्योरी मैं जितनी करा सकता हूं वो सारी की सारी मैंने आपको वॉरियर में बहुत डेप्थ में पढ़ाया मैंने वॉरियर से आप देख सकते हो दूसरा सुनील भाई मैंने वो, सुनील भाई सुनिले तो फिर उड़ान वाई टी पे लेवल था, वो, वारियर थोड़ा ही में था फिर उसके बाद मेरे दोस्त आपको हमने माइंड मैप हो गया उड़ान वाई हो गया पीडब्ल्यू फाउंडेशन वॉरियर हो गया उसके बाद यहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उड़ान वाई टी पे कराए अब यहां पर यह मैराथन हो गई ठीक है, 103 लगभग हो गए बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है तो बस दोस्तों आज की क्लास में मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि सुनील भैया आपके लिए हमेशा खड़े सुनील भैया ने हमेशा ये ही सोचा है कि अपने प्यारे दोस्तों को अपने प्यारे भाइयों और बहनों को अच्छे से अच्छा कंटेंट में दे सकूं मैं चाहता था सेशन शायद से चार से पांच घंटे में भी खत्म कर सकता था आप कुछ नहीं बोलते आप बोलते ठीक है बढ़िया है लेकिन जितनी भी देर चला उस देर में हमने क्वालिटी क्वेश्चंस को किया अगर आप क्वेश्चंस की क्वालिटी को चेक करोगे तो आपको लेगा यार क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत प्यारी है हमने कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन करे कंसर्ट बेस्ड क्वेश्चन करे एनालिटिकल स्किल क्वेश्चन करे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करे प्रीवियस ईयर के सवाल करे सारी स्किल्स को कवर करते हुए एमसी के क्वेश्चन करें सारे स्किल्स को कवर करते हुए तो हमने हर एक चीज को छुआ है हमने हर एक चीज को करा है प्लीज ईमानदार रहिए जो जिंदगी में ईमानदार रहते हैं परमात्मा भी उनके साथ ईमानदार रहते हैं जो खुद बेईमान है उनको आगे चल के बेईमानी ही मिलती है ठीक है बाकी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो यार माता पिता का आशीर्वाद लो बढ़िया खाओ पियो इतनी सारी मैंने तुमको एफिशिएंसी के हैक्स बताए है, वो सब चीजें फॉलो करो है ना किसी के साथ कुछ गलत मत करना किसी को कुछ गलत मत बोलना शनि महाराज उसी समय सजा दे देंगे तुमको ईमानदार रहना हमेशा कहता हूं मैं मेहनत का फल इस संसार में जब तक तुम इस धरती पे हो तुमको मिलकर ही रहेगा कोई नहीं छीन सकता चाहे छल से चाहे कपट से नहीं छीन पाएगा मेहनत का फल परमात्मा देते इंसान के हाथ में नहीं होता है ना मेहनत करते चलो फल की चिंता करना मत ऑटोमेटिकली मिल जाता है ठीक है ईमानदार रहो बस ईमानदार रहना बहुत जरूरी है ऑनेस्टी एक ऐसी क्वालिटी जो आप हर इंसान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बट अगर आप में नहीं है तो आप बन सकते हो ईमानदार ऑनेस्ट है ना तो बस यही था मेरी तरफ से कि यार एक और बार मैं आप लोगों के साथ आऊं और यहां पर अपने प्यारे दोस्तों को अपने प्यारे भाई बहनों को यहां पर गाइड करूं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोशिश सफल जाएगी और आप एग्जाम में और एग्जाम ही नहीं अब आप केमिस्ट्री को कहीं पर भी जब पढ़ रहे होंगे समझ रहे होंगे अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यार केमिस्ट्री आसान है केमिस्ट्री माता का आशीर्वाद आपके ऊपर है केमिस्ट्री माता आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाए रखें आप बढ़िया से करेंगे परफॉर्म फिर बोल रहा हूं झूठ मत बोलना कपट मत करना किसी के साथ गलत मत करना ईमानदार रहना ये चारों चीजें कर लेना ठीक है ठीक तो बस इसी बात के साथ सुनील भैया आज की क्लास में आपसे लेना चाहेंगे विदाई है ना ईमानदार रहिए अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगा ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर है ना और जैसा कि दोस्त मैं हमेशा कहता हूं आपके बड़े भाई एस बी आपके साथ है तो हैश टैग एस बी साथ है और आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फिजिक्स वाला यानी कि पीडब्ल्यू ये भी आपके साथ है तो दोस्तों जब एस बी साथ है और पीडब्ल्यू साथ है तो मुश्किल क्या बात है दोस्तों मिलते हैं अब अगली क्लास में तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों अपना ध्यान रखिए खुश रहिए स्टे हेल्दी स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला जय हिंद जय भारत वंदे मातरम